हेलो एवरीवन वेलकम टू द लर्निंग प्लेटर सीएस आज के इस वीडियो में हम नेटवर्किंग के वो सभी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं ठीक है तो ये होता है कि हर सब्जेक्ट के कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है ठीक है तो नेटवर्किंग के आज के इस वीडियो में वो सभी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे उनके क्वेश्चन के साथ ठीक है एम के साथ ठीक है हर टॉपिक के साथ कुछ एम डिस्कस करेंगे ताकि वो टॉपिक आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैनल को अगर अभी आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें सबसे पहले हमारे पास आता है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम तो अगर कोई कम्युनिकेशन सिस्टम है जहां पे हम क्या करें कम्युनिकेट कर रहे हैं ठीक है दो सिस्टम्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट अगर करना चाहते हैं तो बेसिक एलिमेंट्स क्या रहेंगे तो देखिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए सेंडर ठीक है जो कुछ सेंड करना चाहता है सेकेंडली हमारे पास होना चाहिए रिसीवर जिसे हम सेंड कर रहे हैं एंड देन कोई एक मीडियम होना चाहिए जिसके थ्रू हमारा जो मैसेज है जो सेंडर सेंड send करना चाहता है वो मैसेज क्या जा रहा है इस मीडियम के थ्रू कहाँ जा रहा है रिसीवर के पास जा रहा है ठीक है तो सबसे पहले हमारे पास सेंडर होना चाहिए सेकेंडली रिसीवर होना चाहिए थर्डली मीडियम होना चाहिए और फोर्थली हमारे पास मैसेज होना चाहिए ठीक है अभी कुछ मैसेज होगा तभी वो कहाँ से कहाँ मूव करेगा सेंडर से रिसीवर के साथ पास मूव करेगा ठीक है तो सेंडर होना चाहिए रिसीवर मीडियम एंड मैसेज और फोर्थ फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आता है प्रोटोकॉल्स ठीक है कुछ रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग क्या है मैसेज सेंड किया जाता है सेंडर से रिसीवर ठीक है हमने देखा बेसिक एलिमेंट्स में क्या क्या होता है ठीक है सेंडर होना चाहिए रिसीवर होना चाहिए मैसेज होना चाहिए नेक्स्ट लेवल पे हमारे पास क्या आता है डेटा ट्रांसमिशन मोड्स अभी देखिए सेंडर से रिसीवर पर मैसेज जा सकता है ठीक है तो या तो सिर्फ इसी के पास जा सकता है अभी सेंडर कुछ रिप्लाई करना चाहता है तो क्या वो कर सकता है या नहीं कर सकता है ठीक है तो उसके बेस पे हमारे पास क्या है थ्री मोड्स हैं डेटा ट्रांसमिशन के सिम्प्लेक्स हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स तो देखिए यहाँ पे जब सिर्फ हमारे पास क्या है वन वे सिर्फ क्या कर सकते हैं एक ही तरफ से हमारा क्या जा सकता है मैसेज जा सकता है दैट मीन्स अगर सेंडर के पास से ही सिर्फ रिसीवर के पास मैसेज जा सकता है तो वो कौन सा मोड है सिम्पलेक्स मोड है ठीक है यहाँ से हमारे सिर्फ जा रहा है सेंडर से रिसीवर के पास रिसीवर कुछ भी नहीं सेंड कर सकता जैसे हमारे टीवीज में होता है रेडियोज़ में होता है तो वहां पे क्या है सिर्फ हमें टीवी से मत पता चल रहा है ठीक है हम रिसीव कर रहे हैं जो भी कंटेंट है हम कुछ भी सेंड नहीं कर सकते ठीक है तो वो हमारे एग्जाम्पल्स किसके हो जाते हैं सिम्प्लेक्स के हो जाते हैं नेक्स्ट है. हमारे पास आता है हाफ डुप्लेक्स तो देखिए हाफ डुप्लेक्स में क्या है कि सेंडर रिसीवर को सेंड कर सकता है और रिसीवर भी वापस क्या कर सकता है सेंडर जो है एज सेंडर क्या करेगा इसे कुछ भी सेंड कर सकता है ठीक है तो उस टाइम पे सेंडर क्या बन जाएगा रिसीवर बन जाएगा रिसीव करेगा ठीक है अगर ये इसने इसे कुछ सेंड किया अभी ये क्या भेज रहा है एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है इसने डेटा सेंड किया और ये क्या भेज रहा है हाँ मुझे मिल गया एकनॉलेजमेंट सेंड कर रहा है ठीक है तो दोनों तरफ से आपका कॉम्युनिकेशन पॉसिबल है बट एट अ टाइम सिर्फ एक ही कम्युनिकेट कर सकते हैं एक ही मैसेज ट्रेवल कर सकता है ठीक है जो भी मीडियम है तो या तो सेंडर भेजेगा या आपका कौन भेजेगा रिसीवर uh, भेजेगा ठीक है तो एक ही आपका मोड uh, एक ही आपका जो है वर्क करेगा दिस और दिस मीन्स या तो ये वर्क करेगा या ये वाला वर्क करेगा आपका चैनल ठीक है इस अब नेक्स्ट क्या होता तो है फुल डुप्लेक्स तो देखिए इसमें आपका एग्जांपल आ जाता है रेलवे ट्रैक का ठीक है रेलवे ट्रैक अगर हम देखें तो, तो जो हमारी ट्रेन है उस ट्रैक पे यहाँ से भी जा सकती है और यहाँ से भी आ सकती है ठीक है लेकिन क्या एट अ टाइम एक ही जगह से आएगी ठीक है अदरवाइज क्या कोलिजन हो जाएगा ठीक तो है, है. Next, हमारे है तो यहाँ पे हमारा इस रेलवे ट्रैक किसका एग्जाम्पल हो जाता है हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल हो जाता है नेक्स्ट हमारे पास आता है फुल डुप्लेक्स तो देखिए फुल डुप्लेक्स में क्या है सेंडर यहाँ से सेंड कर सकता है और साथ के साथ रिसीवर भी सेंड कर सकता है एट द सेम टाइम ठीक है यहाँ पे सेम टाइम पे नहीं सेंड कर सकते हैं एक बार में एक ही सेंड करेगा ठीक है ये क्या है एंड है बीच में मतलब ये भी और ये भी दोनों ही सेंड कर सकते हैं इस केस में और अन्स या तो ये सेंड करेगा एक बार एक या ये सेंड करेगा सेम टाइम पर ठीक है डिफरेंट टाइम्स पे दोनों सेंड कर सकते हैं अब यहाँ फुल डुप्लेक्स में क्या है जैसे हम टेलीफोन कॉल करते हैं तो यहाँ से ये भी बोल सकता है और साथ के साथ ये भी बोल सकता है ठीक है तो ये वो हमारा किसके एग्जाम्पल हो जाता है फुल डुप्लेक्स का ठीक है तो, तो हमारे पास थ्री मोड्स हैं सिम्पलेक्स हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स मोड इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन मिल जाते हैं नेक्स्ट देखिए एक बार मीनिंग समझ लेते हैं नेटवर्क का तो नेटवर्क क्या है सेट ऑफ डिवाइसेस है ठीक है हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस हैं नॉट नेसेसरिली कंप्यूटर्स ये ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर सिस्टम ही कनेक्टेड हो हो सकता है कि एक सिस्टम है एक प्रिंटर है ठीक है इसी तरह से और कोई डिवाइस कनेक्टेड है ठीक है ज़रूरी नहीं है कंप्यूटर सिस्टम्स ही यूँ ठीक है सो नेटवर्क मीन्स सेट ऑफ डिवाइसेस वो डिवाइसेस कुछ भी हो सकते हैं जिन्हें हम जर्नली नोड्स भी बोल देते हैं और जो कनेक्टेड किसके थ्रू है कम्युनिकेशन लिंक्स के थ्रू कनेक्टेड है तो नोड जो है आपकी वो कंप्यूटर भी हो सकता है प्रिंटर भी हो सकता है या और कोई डिवाइस भी हो सकता है जो सेंड कर सकता है और रिसीव कर सकता है कुछ भी डेटा ठीक है तो जो लिंक है वो किसके थ्रू हो सकता है केबल के थ्रू भी हो सकता है वायर्ड भी हो सकता है आजकल वायरलेस भी है ठीक है सो एयर के थ्रू भी हो सकता है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू भी हो सकता है किसी भी कोई भी ऐसा मीडियम हो सकता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं जो भी सिग्नल को कैरी कर सकता है ठीक है अगर वायर्ड है तो एनालॉग सिग्नल्स कैरी करता है वायर्स क्या करती हैं एनालॉग सिग्नल्स कैरी करती हैं ठीक है तो कुछ भी हो सकता है वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है जो लिंक है ठीक है तो नेटवर्क क्या है सेट ऑफ डिवाइस है बेसिकली जो कनेक्टेड हैं बाय एनी कम्युनिकेशन लेंस तो देखिए इंपॉर्टेंस क्या है नेटवर्किंग की रिसोर्स शेयरिंग ठीक है अगर एक प्रिंटर है ऑर्गेनाइजेशन में तो वो सभी सिस्टम्स क्या कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं जितने भी सिस्टम्स हैं शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन देन वी हैव एज अ कम्युनिकेशन मीडियम हम उसे यूज़ कर रहे हैं आजकल ई मेल्स हैं एंड ऑल ठीक है देन हमारे पास आ जाता है बैकअप एंड सपोर्ट ठीक है अगर एक सिस्टम करप्ट हो भी गया तो ये कि और किसी सिस्टम पे अगर डेटा है मेन हमने सर्वर बनाया हुआ है तो हम वहाँ से फेच कर सकते हैं डेटा देन हमारे पास आता है नेटवर्क टाइप्स तो देखिए यहाँ पे हमारे पास थ्री मेन टाइप्स कौन सी है लैन वैन एंड मैन ठीक है लैन इज़ लोकल एरिया नेटवर्क मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क तो देखिए ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है एक तो साइज ऑफ द नेटवर्क जो है वो वेरी करता है देन ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी किस तरह से हम ट्रांसमिट कर रहे हैं डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम पे कैसे जा रहा है डेटा देन नेटवर्किंग टॉपोलॉजी तो जो सिस्टम्स हैं एक नेटवर्क में वो किस तरह से कनेक्टेड हैं दैट इज़ बेसिकली टोपोलॉजी ठीक है तो हम सबसे पहले देखते हैं लैंड वैन एंड मैन तो साइज ऑफ नेटवर्क आपका क्या कहते हैं इट रेफर्स टू द एरिया ओवर विच द नेटवर्क इज स्प्रेड ठीक है कितने एरिया तक वो फैला हुआ है ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द ट्रांसमिशन मीडिया हम क्या मीडिया यूज कर रहे हैं ठीक है कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट सिस्टम्स को ठीक है जो डिफरेंट हमारे पास मीडिया में आते हैं गाइडेड मीडिया अनगाइडेड मीडिया ठीक है तो वायर्ड uh, भी है अनवायर्ड भी है को एक्सियल केबल अलग अलग चीज़ें हम यूज करते हैं ट्रांसमिशन मीडिया में देन हमारे पास आता है नेटवर्क टॉपोलॉजी तो यहाँ पे हम क्या बताते हैं किस तरह से हमारे कंप्यूटर्स अरेंज हैं नेटवर्क में ठीक है सो फर्स्ट नेटवर्क टाइप विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज लैन दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क तो देखिये ये जर्नली किसके लिए यूज़ किया जाता है लोकल कॉम्यूनिकेशन दैट मीन्स एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में हम इसे यूज़ कर रहे हैं ठीक है सो इट कनेक्ट्स कंप्यूटर इन अ स्मॉल एरिया लाइक अ रूम बिल्डिंग ऑफिस और अ कैंपस स्प्रेड अप टू फ्यू किलोमीटर्स ठीक है तो कुछ किलोमीटर्स तक ही इसका हमारा रेंज रहती है ठीक है so तो एक कैंपस में कर सकते हैं हम बिल्डिंग में कर रहे हैं ऑफिस में करें इतना ही होता है लैंड का रेंज ठीक है सो ये क्या है प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्कस होते हैं ठीक है तो एक ऑर्गेनाइजेशन में है लैंड पे हमारे सिस्टम इस तरह से ठीक है तो ये क्या प्राइवेटली जो हमारे सिस्टम्स हैं ठीक है ओण्ड नेटवर्क हो गया ये ठीक है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का है ये नेटवर्क विद प टू शेयर रिसोर्सेज एंड टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ठीक है तो पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का है तो आपस में जब इंफॉर्मेशन शेयर करनी है सर्वर से उठानी है तो इस तरह के काम रहते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या यूज होता है लैन यूज होता है सो द कंप्यूटर्स इन अ लैन आर जर्नली कनेक्टेड यूजिंग केबल्स ठीक है केबल्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं जर्नली ठीक है लेकिन आजकल तो वाईफाई भी चलता है ठीक है तो वाईफाई वाला भी है सो लैन बेस्ड ऑन वाईफाई वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी इज आल्सो देयर एंड इट इज नोन एज वायरलेस लैंड इज वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क डब्ल्यू वैन ठीक है डब्ल्यू वैन की अगर फुल फॉर्म आती है तो इट इज़ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है सम ऑफ द ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स जो हमारे प्रोटोकॉल्स लैंड में यूज होते हैं वो कौन से हैं इथरनेट टोकन बस एंड एफ डी डी आई रिंग ठीक है तो इनमें से आपको ये तीनों याद रखने है कि कौन, ये कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हमारे लैंड में जोनली यूज होते हैं और स्टार बस एंड रिंग ऐसी टोपोलॉजीज हैं जो लैंड में जोनली यूज होती हैं लैंड की जो स्पीड रहती है वो कितनी रहती है टेन एम बी पी एस से हंड्रेड एम बी पी एस ठीक है चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क तो देखिए ये सिटी में स्प्रेड होता है पूरा ठीक है ये नहीं ये सिर्फ एक ऑफिस तक है ठीक है तो देखिए आपके पास डिफरेंट अगर आ, हमारे पास ब्रांचेज हैं तो ये डिफरेंट ब्रांचेस को कनेक्ट करें विद इन अ सिटी ठीक है विद इन अ सिटी सो इट इज़ स्प्रेड ओवर सिटी केबल टेलीविजन नेटवर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैन ठीक है और यहाँ पे आपके जो सिस्टम्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं वो जर्नली कनेक्टेड होते हैं कोएक्सियल केबल या फाइबर ऑप्टिक केबल से और मैन क्या करते हैं कई सारे लैंड्स को क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं देन हमारे पास आ जाता है वाइड एरिया नेटवर्क सो वाइड एरिया नेटवर्क इज़ अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स ओवर डिस्टेंसिस लाइक सिटीज कंट्रीज कॉन्टीनेंट्स और वर्ल्ड वाइड सो वॉट एवर वी आर यूजिंग लाइक इंटरनेट ठीक है अगर हम कहते हैं इंटरनेट सो इंटरनेट किसका एग्जाम्पल है इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वैन ठीक है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क तो ये किसे कनेक्ट करें अगर हम इंटरनेट यूज़ करें सो इट इज़ कनेक्टिंग सिटीज़ एज वेल एज कंट्रीज एंड कॉन्टीनेंट्स ठीक है जो पूरे वर्ल्ड को पूरे ग्लोब को क्या कर रहा है कनेक्ट कर रहा है इंटरनेट तो ये क्या है वाइड एरिया नेटवर्क का ही क्या है एग्जाम्पल है ठीक है सो वैन यूजेज़ पब्लिकलीज प्राइवेट कम्युनिकेशन लिंक्स टू स्प्रेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज तो जितने भी तरह के अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन लिंक्स यूज़ हो सकते हैं ठीक है तो वैन क्या यूज़ करे टेलीफोन लाइन यूज़ करता है सेटेलाइट लिंक्स यूज़ करता है रेडियो कनेक्ट लिंक्स यूज़ करता है कनेक्ट करने के लिए और इंटरनेट इसका एग्जाम्पल है वैन का एग्जाम्पल नेक्स्ट वी हैव वायरलेस नेटवर्किंग तो देखिए वायर्ड uh, भी हो सकती है नेटवर्किंग और वायरलेस भी हो सकती है जैसा कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है वायरलेस नेटवर्किंग सो प्रोवाइडिंग वायर फ्री कनेक्शन और कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस ठीक है तो यहाँ पे हम दो और या दो से ज्यादा डिवाइसेस के बीच में क्या कर रहे हैं वायर्ड कम्युनिकेशन नहीं प्रोवाइड करें वायर फ्री ठीक है वायरलेस कम्युनिकेशन है कनेक्शन है डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में ठीक है तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वायर्ड के केस में जब भी वायर्ड टेक्नोलॉजी होती है तो उस केस में डेटा जो है किस फॉर्म में जाता है इलेक्ट्रिक करंट या सिग्नल्स की फॉर्म में जाता है और जो ट्रैवल करता है थ्रू वायर्स लेकिन वायरलेस टेक्नोलॉजी के केस में जो डेटा होता है वो इंकोडिड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में और वो ट्रैवल करता है थ्रू एयर ठीक है थ्रू एयर वो ट्रैवल कर रहा है इंस्टेड ऑफ़ वायर्स ठीक है हम वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो एयर बाय एयर हमारा जो डेटा है वो ट्रैवल कर रहा है ठीक है तो वायरलेस टेक्नोलॉजी बहुत जगह यूज़ कर रहे हैं हम आजकल ब्रॉडकास्टिंग अगर कर रहे हैं हम रेडियो और टेलीविजन में तो वो किसके थ्रू हो रही है वायरलेस टेक्नोलॉजी है वो मोबाइल फ़ोन्स में पेजेस में कम्युनिकेट करें वायरलेस के थ्रू देन कनेक्ट करें डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स को ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के थ्रू इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं वाईफाई के थ्रू वायरलेस लैन पीडीएस के थ्रू रिमोट कंट्रोल सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं रिमोट्स यूज़ करते हैं हम टेलीविजन के लिए डोर्स के लिए तो वहाँ पे सब जगह क्या यूज़ हो रहा है वायरलेस नेटवर्किंग यूज़ हो रही है ठीक है तो वायरलेस नेटवर्किंग को हम थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी वायरलेस लैन एंड वायरलेस वैन ठीक है तो ये डिफरेंट जो हमारे कॉम्पोनेंट्स हैं एक रूम में या ऑफिस में इस तरह से स्मॉल प्ले एरियाज़ में वहाँ पे यूज़ हो रहा है एंड देन वायरलेस लैंड डिफरेंट कंप्यूटर्स को और डिवाइस को वायरलेसली लैंड में यूज़ करने के लिए यूज़ कर रहे हैं हम ठीक है देन इसी तरह से वायरलेस uh, वैन जो हम क्या कर रहे हैं वाइड एरिया नेट सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं ठीक है जब हम इंटरनेट यूज़ करें वाई मोबाइल डिवाइसेस लाइक सेल फोन पी एंड लैपटॉप तो वहाँ पे क्या हो जाता है आपका वायरलेस वैन हो जाता है ठीक है तो थ्री कैटेगरीज हैं वायरलेस नेटवर्क्स की भी देन हमारे पास आते है, है, network topologies. Next हम हैं देखिए नेटवर्क टॉपोलॉजीज नेक्स्ट जो टॉपिक हम कवर करें वो है नेटवर्क टॉपोलॉजीज तो यहाँ से आपके पास कई बार नेट लैंड वैन मैन से भी क्वेश्चन मिलता है ठीक है नेक्स्ट आपका एक जो क्वेश्चन बनता है वो टॉपोलॉजीज से बनता है सो डिफरेंट टॉपोलॉजीज हैं हमारे पास मेस टॉपोलॉजी स्टार टॉपोलॉजी बस टॉपोलॉजी रिंग टॉपोलॉजी एंड हाइब्रिड टॉपोलॉजी तो फिजिकल टॉपोलॉजी होता क्या है दैट इज बेसिकली फिजिकल कॉन्फिग्रेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम कि किस सिस्टम्स कि किस तरह से आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो देखिए सबसे पहली आती है हमारी मेश टॉपोलॉजी तो यहाँ पे जितने भी सिस्टम्स होंगे आपके ठीक है जितने भी सिस्टम्स होंगे वो आपस में सभी क्या होंगे कनेक्टेड होंगे जितने भी सिस्टम हैं वो आपस में सभी क्या हैं कनेक्टेड हैं एक दूसरे से सब सिस्टम्स क्या होंगे कनेक्टेड होंगे ठीक तो है तो ये आपकी बनती है मेश टॉपोलॉजी तो देखिए एवरी कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड टू एवरी वन ठीक है हर कंप्यूटर हर, हर दूसरे कंप्यूटर से क्या है कनेक्टेड तो है तो यहाँ पे अगर नोड वन है तो अगर टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं एन है तो उसका कितनों के साथ कनेक्शन हो जाएगा एन माइनस वन सिस्टम्स के साथ ठीक है अगर टोटल आपके फोर सिस्टम्स हैं ठीक है यहाँ पे टोटल हमारे कितने सिस्टम्स हैं फोर सिस्टम्स हैं तो ये जो सिस्टम है कितने सिस्टम्स के साथ कनेक्टेड होगा थ्री के साथ कनेक्टेड होगा इसी तरह से ये वाला जो सिस्टम है ये भी कितनों के साथ कनेक्टेड होगा थ्री के साथ कनेक्टेड होगा ठीक है तो जो भी नोड है वो एन माइनस वन नोड्स के साथ क्या होगी कनेक्टेड होगी जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नोड्स क्या रहेंगी एन रहेंगी ठीक है बाई डायरेक्शनल है ये ठीक है दोनों तरह से दोनों तरफ से वर्क कर रहा है ठीक है बाई डायरेक्शनल हुआ जो सिस्टम ए है वो भी बी को सेंड कर सकता है और बी जो है वो भी ए को दोनों तरफ से क्या कर सकते हैं ये सेंड कर सकते हैं यहाँ पर ठीक है वही नीड एन इंटू एन माइनस वन फिजिकल लिंक्स तो टोटल लिंक्स कितने रिक्वायर्ड हो रहते हैं एन इंटू एन माइनस वन टोटल लिंक्स आर रिक्वायर्ड टोटल फिजिकल लिंक्स अगर देखें तो इतने रिक्वायर्ड होते हैं और डुप्लेक्स मोड में अगर लिंक होंगे तो एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू ठीक है तब कितने होंगे अगर सिम्पलेक्स मोड में है तो एन इंटू एन माइनस वन और अगर डुप्लेक्स मोड में है ठीक है अगर यही लिंक सिम्प्लेक्स ना होकर ठीक है ये सिस्टम है आपके पास और एक ये सिस्टम है अगर सिंप्लेक्स है दैट मीन्स एक ये लिंक अलग है एक ये लिंक अलग है लेकिन अगर डुप्लेक्स है दैट मीन्स ये लिंक इस तरह से भी वर्क करेगा और दूसरी तरह से भी वर्क करेगा तो अगर डुप्लेक्स मोड में होगा तो कितने रिक्वायर्ड है एन इंटू एन माइनस वन पॉइंट टू ठीक है तो जर्नली हमारा यही होता है रिजल्ट कि कितने लिंक्स है एन इंटू एन माइनस वन पॉइंट टू लिंक्स है ठीक है तो डुप्लेक्स मोड में होगा तो एन इन टू एन माइनस वन अपॉन टू होगा लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि अगर उसने पूछ लिया सिम्प्लेक्स है तो कितने लिंक्स रिक्वायर्ड होंगे तो देखिए एवरी डिवाइस ऑन नेटवर्क हैज एन माइनस वन इनपुट आउटपुट पोर्ट्स टू कनेक्ट एन माइनस वन ठीक है तो टोटल एन माइनस वन इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट रहती है होती है ठीक है ताकि एन माइनस वन स्टेशन को कनेक्ट कर पाए ये कुछ एडवांटेजेस रहेंगी मेस्टॉपोलॉजी की डेडिकेटेड लिंक गारंटी एलिमिनेट ट्रैफिक प्रॉब्लम रोबस्ट रहेगा प्राइवेसी और सिक्योरिटी देगा क्योंकि ऐसे नहीं जाने की जरूरत है डायरेक्ट ही भेज सकते हैं हम किसी के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है किसी को भी ठीक है डायरेक्ट वो अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं तो हमेशा ही प्राइवेट रहेगा लेकिन डिसएडवांटेज भी रहेंगी कुछ क्योंकि केबलिंग की रिक्वायरमेंट देखिए ज़्यादा रहेगी अमाउंट ऑफ केबलिंग एंड नंबर ऑफ पोर्ट्स जो है वो ज़्यादा चाहिए इंस्टॉलेशन एंड रिकनेक्शन डिफिकल्ट हो जाता है और लार्ज स्पेस चाहिए वायर्स के लिए एक्सपेंसिव भी रहेगा और साथ के साथ बल्कि भी रहेगा तो जनरली इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है तो और अगर आपसे पूछा जाता है मैश टॉपोलॉजी क्या अब रॉबस्ट है यस इट इज़ रॉबस्ट क्योंकि एक लिंक अगर फेल हो जाता है तो ऐसा नहीं है उससे बाकी लिंक्स के ऊपर कुछ असर आएगा ठीक है कोई प्रभाव पड़ेगा तो वो अगर एक लिंक फेल हो जाता है तो बाकी लिंक्स वर्किंग में रहेंगे और वो अपना डेटा सेंड कर सकते हैं नेक्स्ट वी हैव स्टार्ट टोपोलॉजी तो देखिए यहाँ पे सभी डिवाइसेस जितने भी नेटवर्क में डिवाइसेस होंगे वो किस तरह से कनेक्टेड है एक सेंट्रल कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड है जिसे हम हब भी बोल देते हैं ठीक है तो हब जो है आपका फिजिकल लेयर डिवाइस होता है ठीक है तो नेट डिफरेंट डिवाइसेज़ हम यूज़ करते हैं नेटवर्किंग में ठीक है तो ये हब इज़ वन ऑफ देम तो और ये फिजिकल लेयर पर हमारा यूज़ होता है तो देखिए हब क्या करता है हमेशा ब्रॉडकास्ट कर देता है मैसेज को जिसको पर्टिकुलर भेजना है अगर टू से फाइव को भेजना है ठीक है ये सोर्स है ये डेस्टिनेशन है तो ये क्या करेगा सभी के पास वो मैसेज भेज देगा ठीक है ऐसा नहीं करेगा सिर्फ डेस्टिनेशन के पास भेजना है जिसके पास पहुंचना चाहिए वो रख लेगा बाकी डिस्कार्ड कर दे चाहिए ठीक है लेकिन भेजेगा सबके पास तो ब्रॉडकास्ट कर लेते हैं इसीलिए इसे इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं बोला जाता तो यहाँ पे देखिए एक ही इनपुट आउटपुट पोर्ट रिक्वायर्ड है और नंबर ऑफ लिंक्स कितने रहते हैं तो टोटल एन रहते हैं ठीक है फाइव सिस्टम्स हैं तो आप देख पा रहे हैं फाइव ही क्या हैं लिंक्स हैं यहाँ तो ये किसका एग्जाम्पल है पॉइंट टू पॉइंट ठीक है डेडिकेटेड लिंक है दो सिस्टम्स के बीच में ठीक है दो डिवाइसेस के बीच में क्या है डेडिकेटेड लिंक है तो वो क्या होता है हमेशा पॉइंट टू पॉइंट अगर एक से बहुत सारे सिस्टम्स कनेक्टेड हैं दैट इज मल्टी पॉइंट तो अगर परफॉर्मेंस देखें तो उसके अकॉर्डिंग तो ये मैश से बेटर है लेकिन डिसएडवांटेज क्या हो जाता है ब्रॉडकास्ट की वजह से ये लोड बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देते हैं नेट पर ठीक है नेटवर्क में नेक्स्ट हमारे पास आती है बस टॉपोलॉजी जो क्या है पॉइंट है तो यहाँ पे एक केबल यूज़ की जाती है एज अ बैकबोन सभी डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए ठीक है तो आप देख पा रहे हैं ये क्या है बैकबोन है जो किसके लिए यूज की जा रही है सभी डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए ठीक है एक तो हमने ये केबल यूज़ की जिसे हम क्या कह रहे हैं बैक बोल रहे हैं और डिफरेंट नोट्स कनेक्टेड है बस केबल के थ्रू ठीक है बस केबल को और डिफरेंट नोट्स कनेक्टेड है देखिए किसके थ्रू ड्रॉप लाइन के थ्रू ठीक है एक तो हमारी हो गई बैकबोन और एक डिफरेंट लाइन जो कनेक्ट कर रही हैं डिफरेंट सिस्टम्स को इस बैकबोन के साथ वो क्या है ड्रॉप लाइन ठीक है वो क्या होती है ड्रॉप लाइन होती है तो ड्रॉप लाइन क्या इज़ अ कनेक्शन रनिंग बिटवीन द डिवाइस एंड द मेन केबल और टैप क्या है ये कनेक्टर है दैट इधर प्लेस इन टू मेन केबल ठीक है तो ये ये देखिए ये कनेक्टर है ठीक है ये क्या है डिफरेंट कनेक्टर्स यूज किए हुए हैं ठीक है ये क्या इन्हें क्या बोला जाता है टैप बोला जाता है सो okay, so, सिर्फ एक ही इनपुट आउटपुट पोर्ट रिक्वायर्ड है मेन केबल को कनेक्ट करने के लिए और और टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कितने रिक्वायर्ड हैं देखिए टोटल ये हो गए आपके पास एन जितने सिस्टम्स हैं उतने ही लिंक्स हो गए ड्रॉप लाइन के लिए और एक इसके लिए चाहिए बैकबोन के लिए चाहिए सो so, ये जो सिस्टम है हमारा ये रॉबस्ट नहीं है तो देखिए क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे कुछ भी अगर यहाँ पे फेलियर हो गया ठीक है कहीं पर भी फेलियर हो गया तो इसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते अगर एक लिंक ये वाला फेल हो गया तो इसके इससे कनेक्ट करना मुश्किल है नहीं हो पाएगा ठीक है अभी जो बस टॉपोलॉजी है ये पॉइंट टू पॉइंट नहीं है कौन सा है मल्टी पॉइंट नेक्स्ट हमारे पास आता है रिंग टॉपोलॉजी तो देखिए रिंग टॉपोलॉजी क्या है डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करता है जहाँ पे आपके पास क्या दो डिवाइसेस किसी भी तरफ हो सकते हैं ठीक है तो दो इधर इधर एक इधर होगा एक इधर होगा ठीक है तो इस तरह से आपके दो डिवाइसेस हैं इस तरह से भी आप इसे बना सकते हैं कॉन्फिगर कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे आपके पास क्या है डिफरेंट बेसिकली कि रिंग टॉपोलॉजी में दोनों तरफ क्या है आपको कोई डिवाइस मिलेगा ठीक है तो इस तरह रिंग की तरह ये क्या बन जाएगा सिग्नल पास कर दिया जाता है एक डायरेक्शन में फ्रॉम डिवाइस टू तो डिवाइस अंटेलेट रीचेस डेस्टिनेशन ठीक है तो ये यूनिडायरेक्शनल डायरेक्शनल भी हो सकता है और बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है और यहाँ पे क्या यूज़ किए जा रहे हैं रिपीटर्स यूज़ किए जा रहे हैं ठीक है तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट रिपीटर्स जो भी डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं वो यूज़ किए जाते हैं तो यहाँ पे जो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं वो कितने रिक्वायर्ड हैं टू रिक्वायर्ड हैं ठीक है, है. कितने रिक्वायर्ड हैं टू रिक्वायर्ड हैं ठीक है, है. क्योंकि दो चीज़ें उसके साथ कनेक्ट हो रही हैं एक लेफ्ट वाला हो रहा है एक राइट right वाला हो रहा है तो इसके साथ दो अगर सिस्टम्स कनेक्ट हो रहे हैं तो दो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स रिक्वायर्ड हैं अगर एक हो रहा है तो एक रिक्वायर्ड है ठीक है और लिंक्स कितने टोटल रिक्वायर्ड हैं एन लिंक्स रिक्वायर्ड हैं ठीक है इट कैन बी यूनी डायरेक्शनल एज वेल एज मल्टी डायरेक्शनल ठीक है रोबस्ट नहीं है क्योंकि अगर कोई सिस्टम फेल हो जाता है तो फिर वर्क नहीं कर पाते ठीक है अगर ये वाला सिस्टम फेल हो गया तो अगर यूनी डायरेक्शनल है तो उसके इसमें वर्क नहीं कर पाएगा ठीक है लेकिन अगर बाय डायरेक्शनल होते हैं तो फिर वर्क करेगा नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइब्रिड uh, तो देखिए यहाँ पे हाइब्रिड क्या कहते हैं कि अगर हम दो या दो से ज़्यादा टॉपोलॉजीज को इकट्ठा यूज करें तो वो टॉपोलॉजी क्या बन जाएगी हाइब्रिड टॉपोलॉजी बन जाएगी तो इस केस में देखिए हम मल्टी uh, दो टेक्नोलॉजीज uh, यूज़ करें दो टोपोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं बेसिकली एक बस टोपोलॉजी है और साथ में आपकी कौन सी है स्टार टोपोलॉजी है ठीक है तो दो टोपोलॉजीज हम यहाँ यूज़ करें तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा हाइब्रिड टोपोलॉजी का एग्जाम्पल हो जाएगा ठीक है तो ये आता है आपके पास डिफरेंट फाइव डिफ टोपोलॉजीज़ मेश टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी एंड देन रिंग टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी ठीक है नेक्स्ट हम कवर करेंगे नेटवर्क मॉडल्स ठीक है इनके सभी के नेटवर्क मॉडल्स एक बार कवर करने के बाद फिर एम देखेंगे थोड़े से ठीक है जिससे और आपको क्लैरिटी हो जाएगी ठीक है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो पसंद आ रहा हो तो लाइक like और शेयर ज़रूर करिए ठीक है चलिए नेटवर्क मॉडल्स डिस्कस करते हैं मेन चीज़ यहाँ से शुरू होती है ठीक है वो तो आपके कोर कॉन्सेप्ट हो गए थोड़े से अभी जो मेन कॉन्सेप्ट है आपका वो नेटवर्क मॉडल से शुरू होता है एक बार अगर ओ मॉडल समझ में आ जाता है या टी सी दोनों मॉडल समझ में आ जाते हैं एक बार ओ बेसिक मॉडल है ठीक है अगर ये समझ में आ जाते हैं और हर लेयर के आपको फंक्शन समझ में आ जाते हैं तो आपको आधी नेटवर्किंग समझ में आ गई ठीक है नेटवर्किंग में बेसिकली हमें यही नहीं समझ में आता कि क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं क्या फंक्शंस हैं हर लेयर के तो मेन आपको यही ध्यान रखना है अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मेन यही है कि डिफरेंट लेयर के क्या फंक्शंस हैं ठीक है थीके? और किस लेयर uh, पे क्या किस फॉर्म में हमारा डेटा होता है ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है तो आधे क्वेश्चन आपके वहाँ पे हो जाएंगे कवर ठीक है तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे लेयर्ड टास्क की मॉडल को समझने से पहले ओ मॉडल को समझने से पहले पहले बात करेंगे लेयर्ड टास्क की तो देखिए लेयर्स की अगर बात करें तो हम अपनी डेली लाइफ में भी लेयर्स में वर्क कर रहे होते हैं ठीक है जो भी कॉम्युनिकेशन होता है वो लेयर्स के थ्रू हो रहा होता है देखिए अगर दो फ्रेंड्स कॉम्युनिकेट करना चाहते हैं थ्रू पोस्टल मेल पोस्टल मेल के थ्रू क्या करना चाहते हैं कॉम्युनिकेट करना चाहते हैं तो एक फ्रेंड क्या करेगा लिखेगा साथ के साथ तो दूसरे के पास नहीं पहुंच जाएगी है ना तो उस केस में क्या करेंगे सेंडर है उसने लेटर लिखा देन मेल बॉक्स ड्रॉप करा मेल बॉक्स में देन मेल बॉक्स से वो पोस्ट ऑफिस में गया देन पोस्ट ऑफिस ने क्या किया लेटर इज़ डिलीवर टू अ कैरियर बाय द पोस्ट ऑफिस ठीक है अब वापिस कैरी जो पार्सल है वो कैर वॉज कैरेड फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन अब लेटर जो है डिलीवर्ड कर दिया गया कैरियर फ्रॉम द कैरियर टू द पोस्ट ऑफिस ठीक है पोस्ट ऑफिस तक पहुँच गया उसी उस सिटी के बेस सपोज ठीक है अब वापिस से वो कहा जाएगा फ्रॉम पोस्ट ऑफिस टू मेल बॉक्स पहुँचेगा देन वापिस से फिर क्या किया जाएगा रिसीवर के पास पहुंचाया जाएगा ठीक तो यहाँ पे देखिए आप लेयर्स में वर्क हो रहा है ठीक है ऐसा नहीं है इसने लिखा और इसके पास पहुंच गया नहीं हुआ ठीक है अगर हमने नेट नेटवर्किंग नहीं यूज़ की है सपोज ठीक है हम इंटरनेट नहीं यूज़ कर रहे हैं तब भी अगर हम काम करते हैं तो भी वो लेयर्ड में होता है इसी तरह से यहाँ पे देखिए हाई लेयर है देन मिडल लेयर है लो लेयर है एंड देन वो पर्सनली इधर से उधर जा रहा है ठीक है तो यहाँ पर भी हमने लेयर्स में काम किया इसी तरह से इसी अप्रोच को ओ एस आई मॉडल फॉलो कर रहा है तो देख तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओ एस आई मॉडल से तो उससे पहले देखते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू आई एस ओ का दैट इज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन आई एस ओ इज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज़ इस्टेब्लिश्ड इन नाइनटीन फोर्टी सेवन ये ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टबलिश हुई थी नाइनटीन फोर्टी सेवन में एंड इट इज़ अ मल्टी नेशनल बॉडी डेडीकेटेड टू वर्ल्ड वाइड एग्रीमेंट ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ठीक है सो इट इज़ डेडिकेटेड टू वर्ल्ड वाइड एग्रीमेंट्स ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और वो आई एस ओ स्टैंडर्ड जो कवर करता है सभी एस्पेक्ट्स नेटवर्क कॉम्युनिकेशन के वो कौन सा है ओ एस आई मॉडल ठीक है वो स्टैंडर्ड आई एस ओ स्टैंडर्ड जो कवर करता है सभी एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू नेटवर्किंग नेटवर्क कम्युनिकेशन वो कौन सा है ओ एस आई मॉडल दैट इज़ ओपन सिस्टम्स इंटर कनेक्शन मॉडल ठीक है ओ एस आई की फुल फॉर्म क्या है ओपन सस्टम्स इंटरकनिक तो ये कब सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था नाइनटीन लेट नाइनटीन सेवेंटीज़ में तो देखिए आई एस ओ क्या है ऑर्गेनाइजेशन है और ओ एस आई क्या है एक मॉडल है ठीक है आई एस ओ ऑर्गेनाइजेशन है एंड ओ एस आई क्या है मॉडल है ओ एस आई मॉडल में टोटल कितनी लेयर्स हैं सेवन लेयर्स हैं एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर आई होप इसके इन सभी के नेम सबको याद होंगे अगर नहीं है तो आप याद कर लें एक बार ठीक है तो देखिए फिजिकल लेयर पे जो होता है हमारा बिट्स होती हैं डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम्स होते हैं नेटवर्क लेयर में पैकेट्स होते हैं और ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट्स होते हैं ठीक है उससे ऊपर हमारा क्या होता है डेटा होता है जो हम ट्रांसफर करने वाले हैं ठीक है तो ये हमारी अपर लेयर है ये हमारी लोअर लेयर है तो देखिए एप्लीकेशन लेयर पे डेटा है यहाँ पे डेटा एज इट इज आया डेटा आया देन जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसमें डेटा जो है डिवाइड हो जाता है सेगमेंट्स में देन नेटवर्क लेयर पे पैकेट्स होते हैं डेटा लिंक लेयर में फ्रेम्स होते हैं और फिजिकल लेयर में बिट्स होते हैं ठीक है तो ये तीनों लेयर्स क्या है आपकी मीडिया लेयर्स हैं और ये वाली लेयर्स क्या है होस्ट लेयर्स हैं ठीक है इन्हें क्या बोलते हैं तीन लेयर्स को मीडिया लेयर्स और इन चारों लेयर्स को क्या बोलते हैं होस्ट लेयर्स ठीक है जो इससे पहले एक्स पॉइंट टू फाइव स्टैंडर्ड भी हम फॉलो करते थे ठीक है एक्स पॉइंट टू फाइव जो स्टैंडर्ड था उसमें टोटल थ्री लेयर्स थी कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर ओ से कंपेयर करें तो कौन कौन सी लेयर्स थी ठीक है तो वहाँ पर ये तीन लेयर्स हैं ठीक है एक्स स्टैंडर्ड जो है ठीक है तो यहाँ पे देखिए जो हमारे डिफरेंट लेयर्स हैं इन्हीं की पूरी फंक्शनिंग हमने देखनी है उन्हीं के डिफरेंट फंक्शंस हमने देखने हैं पूरी नेटवर्किंग में ठीक तो है तो देखिए फिजिकल लेयर है फिजिकल लेयर किससे रिलेटेड है मीडिया सिग्नल एंड बाइनरी ट्रांसमिशन से डेटा लिंक लेयर का मेन काम क्या है फिजिकल एड्रेसिंग एंड डेटा लिंक लेयर जो है ये आगे फर्दर दो लेयर्स में डिवाइडेड होती है मीडियम एक्सेस कंट्रोल एंड लॉजिकल लिंक कंट्रोल नेटवर्क लेयर मेन जो इसके फंक्शन है वो क्या है पाथ डिटर्मिनेशन एंड आई ठीक है राउटिंग एंड आई पी दैट इज लॉजिकल एड्रेसिंग देन हमारे पास आता है ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है एंड टू एंड कनेक्शन एंड रिलायबिलिटी ठीक है तो देन हमारे पास आती है सेशन लेयर तो देखिए ये क्या इंटर होस्ट कम्युनिकेशन सेशन रिस्टोर करना सेशन कब एस्टेब्लिश करना है परमिशन किस किस को है सेशन की वो सब चीजें कौन देखती है सेशन लेयर देन प्रेजेंटेशन लेयर डेटा रिप्रेजेंटेशन किस तरह से रहेगा और इनक्रिप्शन एप्लीकेशन लेयर क्या देखती है बेसिकली कि यूजर के साथ किस तरह से इंट्रैक्शन हो रहा है सो नेटवर्क प्रोसेस टू एप्लीकेशन ह्यूमन मशीन इंटरफेस ठीक है तो ये डिफरेंट लेयर्स हैं हम आगे एक एक क्लियर करके ठीक है जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे यहाँ पे चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार इंट्रैक्शन कैसे रहता है ओ एस आई मॉडल के डिफरेंट लेयर्स के बीच में तो देखिए सेवेंथ लेर एप्लीकेशन लेयर और सिक्स लेयर प्रेजेंटेशन लेयर तो देखिए इस तरह से इंट्रैक्ट कर रही हैं ठीक है तो ये वाली जो अपर लेयर है वो लोअर लेयर के पास डेटा सेंड करती है फिर ऐसे इसी तरह से वापस जो सिक्स लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर वो सेशन लेयर के पास ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क के पास नेटवर्क डेटा लिंक के पास और फिजिकल फिजिकल के पास और फिर एक्चुअल में ये फिजिकल मीडियम देखिए आप देख पा रहे हैं तो यहाँ से डेटा क्या बिट्स की फॉर्म में क्या होता है ट्रांसफर होता है ठीक है जब भी इंटरमीडिएट नोड्स हैं ठीक है इन बिटवीन डिवाइस ए है उसने कुछ सेंड करने डिवाइस बी को और इंटरमीडिएट कुछ नोड्स हैं ठीक है ये पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल है अलग इन लेयर्स के लिए सेवेंथ से लेकर फोर्थ तक के लिए और जो एक्चुअल में डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है वो कौन सी लेयर पर हो रहा है फिजिकल लेयर पर ले और डेटा लिंक लेयर किस चीज़ से रिलेटेड होता है नोट टू नोट डिलीवरी ठीक है तो इसीलिए यहाँ पे हमें शो किया हुआ है ये तीनों लेयर्स पे तो देखिए डेटा लिंक लेयर क्या करेगा इस नोट से इस नोट पे इस नोट से इस नोट पर एंड देन यहाँ पे फाइनली जाएगा डेटा ठीक है और नेटवर्क लेयर किस चीज़ से रिलेटेड होता है सोर्स से डेस्टिनेशन पे हमारा जो डेटा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सेंड करने के लिए ठीक है तो सोर्स से डेस्टिनेशन पे कहाँ से पहुंचेगा कौन सी लेयर पे पहुंचेगा नेटवर्क लेयर पे पहुंचेगा और जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ठीक है तो ये आगे देखते हैं चलिए तो देखिए जब भी हम एक्सचेंज कर रहे हैं ओएसआई मॉडल के थ्रू आपने ये चीज़ याद रखनी है सभी लेयर्स में क्या ऐड हो रहा है हेडर ऐड हो रहा है ठीक है कुछ भी हेडर में क्या हो रहा है ऐड हो रहा है सभी लेयर्स में ऐड होता है और ट्रेलर जो है वो कौन सी लेयर पे ऐड होता है डेटा लिंक लेयर पे ठीक है यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है आपका वो ये बनता है कि जो हेडर है वो क्या किया जाता है सभी लेयर्स पे ऐड किया जाता है ठीक है एक तो ये याद रखना है ऐड किया जाता है सभी लेयर्स पे क्या हेडर और ट्रेलर कौन सी लिंक पर कौन सी लेयर पे ऐड होता है वो ऐड होता है डेटा लिंक लेयर पे ठीक है और जो हमारे यहाँ फिजिकल लेयर है इसमें बिट्स होते हैं देन हमारे फ्रेम्स होते हैं पैकेट्स होते हैं सेगमेंट्स होते हैं और इन तीनों लेयर्स पे डेटा होता है ठीक है इस तरह से आपके क्वेश्चंस बनते हैं तो ये हमारी डिफरेंट लेयर्स हैं जिनके अब हम फंक्शंस देखने वाले हैं तो देखिए सबसे पहले हमारे पास लेयर आती है फिजिकल लेयर तो फिजिकल लेयर क्या ले रही है डेटा लिंक लेयर से डेटा आ रहा है जो फ्रेम्स की फॉर्म में और यहाँ पे बिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ठीक है बिट्स की बिट्स क्या होंगे ट्रांसमिट होंगे ठीक है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे क्या ट्रांसफर होंगे बिट्स ट्रांसफर होंगे एक्चुअल में तो देखिए फिजिकल लेयर किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है यहाँ से जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो डिफरेंट लेयर्स है उनके फंक्शंस में से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं ठीक है तो देखिए यहाँ पे फिजिकल लेयर किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है मूवमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन होप या नोड जिसे बोल देते हैं टू द नेक्स्ट ठीक है तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डिफरेंट क्या है नोड्स हैं ठीक है थीके? तो ये फर्स्ट नोड है सपोज ये सेकेंड नोड हो गई इंटरमीडिएट नोड्स हैं ये थर्ड नोड हो गई और ये फोर्थ हो गई तो अब जो फिजिकल uh, लेयर है वो क्या करेगी बिट्स को कहाँ करेगी इंटरमीडिएट एक नोड से दूसरे नोड पे ट्रांसफर करेगी फिर इस नोड से इस नोड पे जाएगा फिर इस नोड से इस नोड पे जा रहा है ठीक है तो ये काम हो जाता है फिजिकल लेयर का सो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन होप टू द नेक्स्ट सो फिजिकल लेयर के जो और आ, हमारे रहते हैं फंक्शंस वो कौन कौन से होते हैं देखिए इंडिविजुअल बिट्स को तो उसने कर दिया एक नोट से दूसरे नोट पर देन क्या हमारे इंटरफेस और मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखना भी किसका काम है फिजिकल लेयर का है कैसे रिप्रेजेंट करना है बिट्स को कन्वर्ट कैसे करना है सिग्नल को ठीक है एनालॉग और डिजिटल दो फॉर्म में सिग्नल्स होते हैं ठीक है एनालॉग फॉर्म में इस तरह से हमारे सिग्नल्स रहते हैं और इसमें डिजिटल uh, फॉर्म में इस तरह से सिग्नल्स रहते हैं ठीक है ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म है और ये आपकी कौन सी है डिजिट डिजिटल फॉर्म में अगर है डिस्क्रीट फॉर्म है इसमें कुछ वैल्यूज़ होती हैं ठीक है फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती हैं लेकिन अगर हम एनालॉग सिग्नल्स की बात करें तो इसमें इनफाइनाइट वैल्यूज़ पॉसिबल हैं ठीक है थीके? तो डिफरेंट कन्वर्टर्स यूज़ किए जाते हैं फिजिकल लेयर पे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करने के लिए और डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ट करने के लिए ठीक है ये इसके लिए हम डिफरेंट क्या करते हैं कन्वर्टर्स यूज़ करते हैं और इसी वजह से हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं यहाँ पे जो हमारा कन्वर्ट करता है सिग्नल्स को एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग और उसे क्या बोलते हैं हम मॉडम ठीक है मॉडम की फुल फॉर्म क्या होती है मॉड्यूलेशन एंड डी ठीक है इसकी फुल फॉर्म क्या है मॉड्यूलेशन डी और ये किसके लिए यूज़ करें हम कन्वर्जन के लिए यूज़ करें एनालॉग से डिजिटल डिजिटल से एनालॉग ठीक है इसीलिए हमारा जो कंप्यूटर है क्योंकि वो किस फॉर्म को समझता है डिजिटल फॉर्म को समझता है जीरो वन की फॉर्म को लेकिन जब भी हमारे पास कुछ भी हम अगर बोल रहे हैं स्पीकर के थ्रू या माइक्रोफोन के थ्रू किसी आ, स्पीकर के थ्रू आउटपुट मिल रही है या माइक्रोफोन के थ्रू हम इनपुट दे रहे हैं सिस्टम को तो वो क्या होती है वॉइस जो होती है ठीक है जब भी वॉइस होगी तो उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है डिजिटल फॉर्मेट में तो यहाँ से हम एनालॉग से किस में कन्वर्ट करेंगे डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे ठीक है तो इसीलिए हम डिवाइसेस कन्वर्टर्स यूज़ करते हैं एंड वन ऑफ़ द कन्वर्टर इज़ मॉडर्म तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेटा रेट तो ये देखता है कि ड्यूरेशन uh, क्या है बिट्स के ट्रांसफ़र होने की देन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स तो देखिए किस तरह से सेंडर और रिसीवर की क्लॉक्स जो होनी चाहिए वो सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए ठीक है कि एक एक बिट किस हिसाब से जा रही है वो सब चीज देखना सिंक्रोनाइजेशन को हैंडल करना भी किसका काम है फिजिकल लेयर का देन लाइन कॉन्फिग्रेशन किस तरह से डिवाइसेस जो हैं कनेक्टेड है मीडिया के साथ टॉपोलॉजी एंड ट्रांसमिशन मोड कौन सा है ट्रांसमिशन मोड और टॉपोलॉजी हमने पहले डिस्कस किया ठीक है ये सब चीज़ें किस लेयर में आती हैं फिजिकल लेयर में आती हैं देन हमारी आती है डेटा लिंक लेयर तो देखिए डेटा लिंक लेयर क्या करेगी नेटवर्क लेयर से लेगी अभी थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले रही हैं उसके बाद थोड़ा सा जिन भी टॉपिक्स को डिटेल में देखने की जरूरत है ठीक है जहाँ से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो आ, लेयर्स हम क्या करेंगे डिटेल में भी देखेंगे तो देखिए नेटवर्क लेयर्स से हमारे पास किसके लेयर के पास आएगा कंटेंट डेटा लिंक लेयर के पास आएगा ठीक है और वहाँ पे हेडर भी है डेटा भी है और क्या है साथ में ट्रेलर भी है ठीक है और ये क्या बन जाता है एक फ्रेम बन जाता है ठीक है ये क्या है एक फ्रेम है तो डेटा लिंक लेयर पे जो हमारा कंटेंट है वो किस फॉर्म में है फ्रेम्स की फॉर्म में है और इसी तरह से जब वापस जाता है तो यहाँ पे बिट्स की फॉर्म में बिट्स की फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो जाता है फ्रेम में और फ्रेम आगे किसको सेंड कर दिए जाते हैं नेटवर्क लेयर को तो देखिए डेटा लिंक लेयर की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या है मूविंग फ्रेम्स फ्रॉम वन होप टू तो द नेक्स्ट तो एक अगर सिस्टम है एक नोड ये है एक नोड ये है और एक ये नोड एंड देन दिस ए से बी के पास सेंड करने डेटा तो इस नोट पे जा रहा है इस नोट पे जा रहा है इस नोट पे जा रहा है फ्रेम्स सेंड किए जा रहे हैं ठीक है इस नोट पे फ्रेम सेंड देन इस नोट पे फ्रेम सेंड एंड देन इस नोट पे फ्रेम सेंड ठीक है तो इस तरह से वर्क किया जाता है डेटा लिंक लेयर पर ठीक है तो देखिए ये एक एंड सिस्टम है जहाँ से हमारा डेटा कहाँ सेंड करना है हमने एफ पे पहुँच रहा है ठीक है तो इस सिस्टम के पास सेंड करना है तो इंटरमीडिएट ये एक देखिए लिंक है और इंटरमीडिएट सिस्टम है ये एक इंटरमीडिएट सिस्टम है ठीक है तो यहाँ से यहाँ जाएगा फ्रेम देन यहाँ से यहाँ जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ पहुंचेगा ठीक है तो होप टू होप डिलीवरी या हम जिसे नोट टू नोट डिलीवरी कहते हैं वो किसका काम है वो फंक्शन है आपका डेटा लिंक लेयर का ठीक है कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है इवन यू नेट में और भी पी में पूछा जाता है ठीक है तो नोट टू नोट डिलीवरी किसका काम है डेटा लिंक लेयर का काम है ठीक है और सोर्स टू डेस्टिनेशन हम देखेंगे आगे वो किसका काम है नेटवर्क लेयर का काम है तो देखिए डेटा लिंक लेयर में क्या है एक वही ऐसी लेयर है जिसमें ट्रेलर ऐड किया जाता है देन ये क्या करता है मूव करता है फ्रेम्स को एक नोट से नेक्स्ट नोट में इसका काम एक फ्रेमिंग होता है ठीक है फ्रेम्स कैसे बन रहे हैं वो काम करना है देन एरर को कंट्रोल करना फ्लो कंट्रोल करना एक्सेस कंट्रोल करना एंड फिजिकल एड्रेसिंग एज वेल ठीक है तो ये सब किस कौन देखता है डेटा लिंक लेयर देखती है नेक्स्ट हमारे पास आती है नेटवर्क लेयर तो देखिए नेटवर्क लेयर क्या करेगी ट्रांसपोर्ट लेयर से जो कंटेंट उसे मिल रहा है उसमें हेडर ऐड किया और वो क्या है किसकी फॉर्म में है पैकेट की फॉर्म में है ठीक है वो किसकी फॉर्म में रहेगा हमेशा पैकेट की फॉर्म में रहेगा और नेक्स्ट लेयर के पास वो किस में फॉर्म में जाता है फ्रेम्स की फॉर्म में अब यहाँ पे इसी तरह से रिसीवर एंड में क्या होगा फ्रेम्स की फॉर्म में है नेट डेटा लिंक लेयर के पास और नेटवर्क uh, लेयर पर भी वो पहुँच गया पैकेट्स की फॉर्म में और ट्रांसपोर्ट लेयर को वो आगे ट्रांसफर कर दिया जाएगा ठीक है तो नेटवर्क लेयर देखिए उसकी uh, क्या करती है मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है फॉर द डिलीवरी ऑफ इंडिविजुअल पैकेट फ्रॉम द सोर्स होस्ट टू द डेस्टिनेशन होस्ट ठीक है उसका क्या काम है मेन इंडिविजुअल पैकेट्स जो हैं ठीक है नंबर ऑफ पैकेट्स भी हो सकते हैं डेटा दैट डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द डेटा ठीक है data, अगर नंबर ऑफ पैकेट्स हैं तो इंडिविजुअल पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंचाना ये किसका काम है नेटवर्क लेयर का काम है ठीक है सो सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी अगर पूछा जाता है या एंड टू एंड डिलीवरी बोला जाता है ठीक है अगर एग्जाम में आपके पास आ जाता है सोर्स से डेस्टिनेशन डिलीवरी या एंड टू एंड डिलीवरी किसका काम है सो दैट इज द फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर सो नेटवर्क लेयर क्या करेगा इंडिविजुअल पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंचाएगा या जिसे हम एंड टू एंड डिलीवरी भी बोलते हैं एंड uh, इसका सबसे मेन काम साथ में क्या है लॉजिकल एड्रेसिंग ठीक है आईपी एड्रेसिंग एंड देन कंजेशन कंट्रोल एंड राउटिंग ठीक है कंजेशन को कंट्रोल करना और राउटिंग करना वो किसका काम है नेटवर्क लेयर का ठीक है क्योंकि उसे चूज़ करना होता है कि कौन सा बेस्ट पाथ रहेगा ठीक है अगर ए से यहाँ से ये सोर्स है और कोई डेस्टिनेशन है चाहे ये है चाहे ये है तो उसको चेक करना है कि कौन सा जो पाथ है वो क्या रहेगा बेस्ट रहेगा तो वो क्या हो जाता है रोटिंग ठीक है इसी तरह से कंजेशन को कंट्रोल करना भी किसका काम है नेटवर्क लेयर का काम है तो देखिए सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी में हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा सोर्स uh, है देन डेस्टिनेशन क्या है एफ है सिस्टम अब यहाँ से कैसे ये जा रहा है ठीक है किस तरह से ये मूव करेगा तो देखिए ए से बी पर जाकर फिर यहाँ पर अगर पहुँचना है तो ई e वाला ही पाथ ये वाला पाथ फॉलो करेगा ठीक है तो इस तरह से यहाँ पर पहुँचेगा तो ये होप टू होप डिलीवरी हो गई एंड दिस इज़ सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी तो कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक जब हम पहुँच रहे हैं ये क्या है सोर्स टू डेस्टिनेशन और इस तरह से हम क्या कर रहे हैं होप टू होप डिलीवरी करते हुए पहुंच रहे हैं नेक्स्ट हमारे पास आती है ट्रांसपोर्ट लेयर तो देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर को कहाँ से मिल रहा है कंटेंट सेशन लेयर से मिल रहा है सेशन लेयर से जब डेटा आया तो वो डिफरेंट सेगमेंट्स में क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा ठीक है तो जब सेगमेंट्स में डिवाइड हो गया आगे फर्दर वो नेटवर्क लेयर को भेज देगा नेटवर्क लेयर से जब आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर के पास तो पैकेट्स की फॉर्म में होगा वो सेगमेंट की फॉर्म में बन जाएगा एंड देन सेगमेंट की फॉर्म से जब ऊपर सेशन लेयर पे जाएगा रिसीवर एंड पे तो वो किस में हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल डेटा में ठीक है सिंगल ही कंटेंट में वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर है देखिए उसका क्या काम है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ अ मैसेज फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर ठीक है तो प्रोसेस टू प्रोसेस अगर डिलीवरी आपसे पूछी जाती है तो वो किसका काम है ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है ठीक है नोट टू नोट डिलीवरी डेटा लिंक लेयर एंड टू एंड डेटा लिंक लेयर देन एंड टू एंड ठीक है एंड टू एंड बोलें या सोर्स टू डेस्टिनेशन बोलें ये किसका काम है नेटवर्क लेयर का और ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ठीक है तो अब ये आपने ध्यान रखना कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो अकॉर्डिंगली आप आंसर करेंगे कंफ्यूज नहीं होना तो ट्रांसपोर्ट लेयर के बाकी फंक्शंस क्या आ जाते हैं देखिए कंजेशन कंट्रोल इस ट्रांसपोर्ट लेयर के फंक्शन में भी आता है देन डिफरेंट पॉलिसीज़ फॉलो करते हैं ये फ्लो कंट्रोल पॉलिसी होती है और यहाँ पे आपकी पैकेट पॉलिसी होती है ठीक है देन हमारे पास आता है सिक्वेंसिंग पोर्ट एड्रेसिंग एरर कंट्रोल और साथ में हमारे पास आ जाता है कनेक्शन कंट्रोल सेगमेंटेशन एंड असेंबली एंड देन फ्लो कंट्रोल तो ये आपके सभी फंक्शंस हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के तो देखिए रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी अभी इस सिस्टम पे नंबर ऑफ प्रोसेस हैं चल रही ठीक है इस सिस्टम पे भी नंबर ऑफ प्रोसेस चल रही हैं अब जो कंटेंट जिस प्रोसेस का है उसी प्रोसेस के पास जाएगा अगर व्हाट्सएप पे हमने किसी को मैसेज सेंड किया ऑब्वियसली वो व्हाट्सएप पे ही जाना चाहिए ठीक है तो प्रोसेस से प्रोसेस डिलीवरी किसका काम है ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है देन हमारे पास आता है सेशन लेयर सेशन लेयर के पास कंटेंट कहाँ से आएगा प्रेजेंटेशन लेयर से आएगा और वो किसे ट्रांसफर कर देगा ट्रांसपोर्ट लेयर को कर देगा तो देखिए सेशन लेयर बेसिकली क्या कर रही है सेशंस जो डिफरेंट सेशंस हैं उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन बना रही है ठीक है कैसे सेशन को शुरू करना है कैसे उसको एंड करना है वो सब चीज़ें कौन देख रही है सेशन लेयर देख रही है ठीक तो है तो यहाँ पे सेशन लेयर का मेन फंक्शन क्या रहता है डायलॉग कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेशन ठीक है क्या रहेगा डायलॉग कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेशन तो देखिए सेशन लेयर क्या कर रही है सेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंक्रोनाइजेशन एट बाइट लेवल ठीक है डिफरेंट चेक पॉइंट्स लगा देगी ठीक है डिफरेंट क्या किया चेक पॉइंट्स लगा दिए कि हाँ इतना डेटा सेंड हो गया पहुंच गया इतना डेटा सेंड हो गया पहुंच गया ठीक है तो इस तरह से रहेगा ठीक है तो यहाँ पे आपका सिंक्रोनाइजेशन होगा बाइट लेवल पे डिफरेंट चेक पॉइंट्स लगा दिए जाते हैं देन सेशन मैनेजमेंट जी में लॉग इन लॉग आउट ये सब कौन देख रहा है सेशन लेयर टोकन मैनेजमेंट ठीक है अगर बहुत से टोकन्स दे दिए गए हैं तो उसमें से कोई कौन फर्स्ट सबसे पहले किसे प्रेफरेंस मिलेगी ठीक है अगर टोकन नंबर वाइज दी हैं तो फर्स्ट वाला फर्स्ट आएगा सेकेंड वाले सेकेंड उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें क्या करना ट्रांसफ़र कर सकते हैं ठीक है so, डायलॉग कंट्रोल्स अगर दो मशीन आपस में कम्युनिकेट करना चाहती हैं तो उनके डायलॉग्स को कंट्रोल करना ठीक है कि किस वे में रहेगा हाफ डुप्लेक्स है फुल डुप्लेक्स है और किस तरह से रहेगा वो सब चीजें मैनेज करना भी किसका काम है सेशन लेयर का देन हमारे पास आता है प्रेजेंटेशन लेयर ठीक है तो यहाँ पे क्वेश्चन जिस तरह से ही बनते हैं कि टोकन मैनेजमेंट सेशन मैनेजमेंट डायलॉग कंट्रोल ये किसके फंक्शन है किसी भी एक को पूछ लिया जाता है ठीक है नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेजेंटेशन लेयर तो देखिए प्रेजेंटेशन लेयर के पास कहाँ से आ रहा है डेटा एप्लीकेशन लेयर से आ रहा है और वो किसे दे रहा है सेशन लेयर को दे रहा है ठीक है हेडर ऐड कर दिया और जो कंटेंट है एज दट इज़ रहेगा ठीक है इसी तरह से यहाँ पे जब रिसीवर एंड पे पहुंचेगा तो वर्क करेगा तो देखिए जो प्रेजेंटेशन लेयर है उसका मेन काम क्या है ट्रांसलेशन कॉम्प्रेशन एंड इनक्रिप्शन ठीक है क्या काम है मेन प्रेजेंटेशन लेयर के Uh, कौन कौन सी सर्विसेज बेसिकली अगर हम कह सकते हैं कि प्रोवाइड करता है प्रेजेंटेशन लेयर, ट्रांसलेशन कॉम्प्रेशन एंड इंक्रिप्शन नेक्स्ट हमारे पास आती है एप्लीकेशन लेयर तो देखिए एप्लीकेशन लेयर क्या करती है बेसिकली अगर सिंपल टर्म्स में देखें तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द यूजर ठीक है ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है यूजर को ठीक है तो यूजर या ह्यूमन या कोई भी प्रोग्राम है तो वो किसके साथ इंट्रैक्ट करे बेसिकली मशीन के साथ इंट्रैक्ट करे ठीक है, कर है. तो यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर के पास कोई कंटेंट आ जाएगा जो आगे फिर फर्दर लेयर वाइज क्या होगा सेंड किया जाएगा ठीक है तो एप्लीकेशन लेयर के साथ कौन इंट्रैक्ट करे बेसिकली यूज़र इंट्रैक्ट करें जो भी डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करते हुए ठीक है तो प्रेजेंटेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है देखिए ट्रांसलेशन एनक्रिप्शन एंड कॉम्प्रेशन ठीक है ये रहेंगी मेन एंड एप्लीकेशन लेयर की क्या रहेंगी ये यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द यूजर ठीक है एंड देन फाइल ट्रांसफ़र एक्सेस एंड मैनेजमेंट चैटिंग एप्लीकेशन सो ये इस तरह की सारी जो सर्विसेज हैं वो कौन प्रोवाइड करती है एप्लीकेशन लेयर तो देखिए यहाँ फटाफट से एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं तो देखिए फिजिकल लेयर डेटा लिंक लेयर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर सेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर तो फिजिकल लेयर क्या करिए ट्रांसमिट करिए बिट्स ओवर अ मीडियम टू प्रोवाइड मकैनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन तो यहाँ पर डेटा लिंक लेयर क्या करिए बिट्स को क्या करिए अगर हम देखें इस इस तरह से देखें तो जो बिट्स हैं उन्हें फ्रेम्स में क्या करिए ऑर्गेनाइज़ करिए और हॉप टू हॉप डिलीवरी दे रही है देन जो पैकेट्स हैं उन्हें सोर्स से डेस्टिनेशन कौन पहुंचा रहा है नेटवर्क लेयर पहुंचा रही है देन ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी सेशन लेयर मैनेज और टर्मिनेट करिए सेशंस को प्रेजेंटेशन लेयर इनक्रिप्ट और ट्रांसलेट और कॉम्प्रेस करिए डेटा को और एप्लीकेशन लेयर एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज ये अलाउ करती है एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज यूजर को ठीक है यूज़र को एक्सेस देता है नेक्स्ट वी हैव टी सी पी आई पी मॉडल ठीक है टी सी पी आई पी प्रोटोकॉल सूट तो देखिए यहाँ पे जो लेयर्स होती हैं वो मैच एक्जैक्टली exactly नहीं करती हैं ओ एस आई मॉडल से ठीक है क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास है टोटल कितनी लेयर्स हैं फोर लेयर्स हैं ठीक है, है तो जो लेयर्स हैं वो कौन कौन सी है होस्ट टू नेटवर्क लेयर इंटरनेट लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर और कई बार क्या करते हैं हम टी सी पी आई पी को अगर ओ एस आई से कंपेयर करते हैं तो कई बार बोल दिया जाता है कि फाइव लेयर्स हैं लाइक फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर जो होस्ट टू नेटवर्क इन्हें बोल देते हैं देन इंटरनेट हमारी नेटवर्क लेयर हो गई और ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट लेयर हो गई और एप्लीकेशन लेयर हो गई साथ में ठीक है तो देखिए अगर हम कंपेयर करें तो एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर यहाँ पे क्या बन गई एप्लीकेशन लेयर बन गई देन ट्रांसपोर्ट लेयर हमारी रहेगी और नेटवर्क लेयर रहेगी एज इट इज़ और लिंक लेयर और फिजिकल लेयर क्या हो जाएगी एक हो जाएगी ठीक है तो ये हमारा डिफरेंस होता है टीसीपी और ओ मॉडल में और ये देखिए ये जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं ये आपने याद रखने हैं कि कौन सी लेयर में यूज़ होते हैं ठीक है तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें टी सी पी आई पी वाले मॉडल की तो एस एम टी पी एफ टी पी एच टी टी पी डी एन एस एस एन एम पी टेलनेट ये सब हमारे अदरवाइज़ भी एप्लीकेशन लेयर पर ही यूज़ होते हैं ठीक है तो ये सब प्रोटोकॉल्स जो हैं किसके हैं एप्लीकेशन लेयर के हैं ट्रांसपोर्ट पे अगर आप देखिए एस सी टी पी टी सी पी यू डी पी ये सब प्रोटोकॉल्स किसके हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के हैं नेटवर्क लेयर में हमारे पास आएंगे आई सी एम पी आई जी एम पी आई पी आर ए आर पी एंड ए आर पी देन डेटा लिंक लेयर के और फिजिकल uh, लेयर के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे ठीक है तो इस तरह से हमारे जो मॉडल्स हैं दोनों मॉडल्स उन्हें हम देख सकते हैं क्या क्या डिफरेंस है दोनों में कौन कौन सी लेयर्स को कम्बाइन करके एक लेयर बनाई हुई है और कौन कौन से मॉडल्स कौन सी लेयर में यूज़ होते हैं ठीक है तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ठीक है ये इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन प्रोटोकॉल से रिलेटेड नेक्स्ट हमारे पास आता है एड्रेसिंग तो देखिए नेटवर्किंग में हम चार तरह के एड्रेसेस यूज़ करते हैं फिज़िकल एड्रेस लॉजिकल एड्रेस पोर्ट एड्रेस एंड स्पेसिफिक एड्रेस ठीक है ये चार एड्रेसेस यूज़ होते हैं फिजिकल एड्रेसिंग और लॉजिकल एड्रेसिंग की हमने बात की ये दो डिफरेंट लेयर्स की वर्किंग है देन पोर्ट एड्रेस और स्पेसिफिक एड्रेस भी यूज़ होते हैं तो देखते हैं कौन कौन सी लेयर्स में ये चारों एड्रेसेस हम यूज़ करते हैं फिजिकल लॉजिकल पोर्ट एंड स्पेसिफिक तो देखिए स्पेसिफिक जो एड्रेसेस होते हैं वो एप्लीकेशन लेयर पे यूज़ होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे पोर्ट एड्रेसेस यूज़ होते हैं नेटवर्क लेयर में लॉजिकल एड्रेसेस यूज होते हैं और डेटा लिंक लेयर फिजिकल लेयर पे हमारे फिजिकल एड्रेसेस यूज़ होते हैं ठीक है तो ये आपको याद रहना चाहिए कि कौन से एड्रेसेस कौन से लेयर पे यूज़ होते हैं ठीक है ये चीज़ें ही इंपॉर्टेंट होती हैं यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो स्पेसिफिक एड्रेस जो है वो एप्लीकेशन लेयर पर पोर्ट एड्रेस ट्रांसपोर्ट लेयर पर लॉजिकल एड्रेस नेटवर्क लेयर पर एंड फिजिकल एड्रेस डेटा लिंक प्लस फिजिकल लेयर जिसे हम होस्ट टू नेटवर्क लेयर भी बोल देते हैं तो उस लेयर पे हमारी यूज होती है तो अगर हम बात करें टीसीपीआई मॉडल की इट वॉज डिजाइन एंड डेवलप बाई डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इन नाइनटीन में ये वाला मॉडल हमारा क्या हुआ था डिजाइन हुआ था स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स पे ये बेस्ड है टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल टी सी जो है कंसाइज वर्जन है ओएसआई मॉडल का और इसमें क्या कितनी लेयर्स है हमारी फोर लेयर्स हैं एप्लीकेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर इंटरनेट लेयर एंड होस्ट टू नेटवर्क लेयर एक बार थोड़ा सा डिफरेंसेस देख लेते हैं तो देखिए टीसीपी का क्या फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड ओएसआई का क्या है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसमें होती है हमारी फोर लेयर्स टी सी पी आई पी में ओ एस आई में सेवन ये मोर रिलायबल है ज़्यादा रिलायबल है ये लेस रिलायबल है और इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज नहीं होती हैं इसमें स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज रहती हैं ये कौन सी अप्रोच फॉलो करता है हॉरिजोंटल अप्रोच ठीक है ये कौन सी अप्रोच फॉलो करता है हॉरिजॉन्टल और ये कौन सी अप्रोच फॉलो करता है वर्टिकल अप्रोच ठीक है और ये इसमें क्या है पहले डेवलप किए गए थे प्रोटोकॉल्स एंड देन मॉडल और ओ में क्या किया गया पहले मॉडल डेवलप किया गया था फिर प्रोटोकॉल्स डेवलप किए गए ठीक है ये तो ये कुछ हमारे डिफरेंसेस होते हैं टी सी और ओ मॉडल में नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा फिजिकल एड्रेस पोर्ट एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस किस तरह से होती है तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये सेंडर है इसका एड्रेस क्या है फिजिकल एड्रेस टेन है और इस वाली मशीन का क्या है ट्वेंटी एट इस मशीन का है फिफ्टी थ्री और इस मशीन का है एट्टी सेवन ठीक है ये हमारे को क्या दिए हुए हैं फिजिकल एड्रेसेस दिए हुए हैं सपोज तो देखिए ये क्या करिए डेटा सेंड करिए तो सोर्स का एड्रेस क्या है टेन और डेस्टिनेशन का क्या रहेगा एट्टी सेवन तो यहाँ से जब सेंड होगा डेटा तो यहाँ पे क्या होगा डेस्टिनेशन अगर हम देखें एड्रेस जो है वो मैच नहीं कर रहा है एट्टी सेवन होना चाहिए तो ये वाला क्या होगा पैकेट यहाँ पे ड्रॉप कर दिया जाएगा ठीक है अभी वापिस देखा जाएगा तो ये क्या है फिफ्टी थ्री है तो यहाँ पे भी नहीं हुआ मैच फिर आगे फर्दर मूव करेंगे तो यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा ठीक है तो इस तरह से फिजिकल एड्रेसेस क्या चेक किए है? जाते हैं फिजिकल एड्रेसेस होते हैं ठीक है और फिजिकल एड्रेसेस हम कहाँ यूज़ करते हैं वो हमने देखा था फिजिकल एड्रेसेस हम यूज़ करते हैं डेटा लिंक लेयर और फिज़िकल लेयर पर ठीक है नेक्स्ट हमारे पास देखिए जो फिज़िकल एड्रेसेस होते हैं जर्नली वो फोर्टी बिट्स के होते हैं ठीक है सिक्स बाइट्स के होते हैं ये सिक्स टोटल बाइट्स हैं ठीक है और फोर्टी एट बिट्स के होते हैं फिजिकल एड्रेसेस ठीक है आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है लॉजिकल एड्रेसेस जो होते हैं लॉजिकल एड्रेसिंग जो होती है वो कौन सी होती है जब हम आई पी एड्रेसेज यूज कर रहे हैं ठीक है आई पी एड्रेसेज में अगर हम आई पी वी फोर की बात करें जो वर्जन फोर है आई पी वी फोर जो है उसमें थर्टी टू बिट्स होते हैं और आई पी वी सिक्स में हमारे कितने होते हैं वन ट्वेंटी एट बिट्स होते हैं ठीक है थीके? तो आई पी वी फोर वाला जो फॉर्मेट है वो हम अलग से एक आगे डिटेल में देखेंगे टॉपिक में ठीक है तो यहाँ पे हम उसे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देख रहे हैं तो थर्टी टू बिट्स का उसका अलग फॉर्मेट होता है ठीक है या तो डॉटेड वर्जन होगा डेसिमल डॉटेड वर्जन होता है या बाइनरी डॉटेड वर्जन ठीक है या बाइनरी वर्जन होता है ठीक है तो दो तरह से उसकी नोटेशंस पॉसिबल होती हैं ठीक है थीके? लेकिन जो फिजिकल एड्रेसेज हैं ये डिफरेंट है फिजिकल एड्रेसेज आपके ट्वेल्व हेक्सा डिजिट्स में हो सकते हैं या आपके आ, किस तरह से हो सकते हैं टोटल तो 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 मतलब सिक्स बाइट्स लेते हैं और तो जिसमें फोर्टी एट बिट्स यूज़ की जाती हैं ठीक है अब उसे हम डिफरेंट क्या करें हेक्सा डेसीमल डिजिट्स में डिवाइड कर ले रहे हैं ठीक है तो ये आपका एक फिजिकल एड्रेस का एक्जाम्पल है देन हमारे पास देखिए पोर्ट एड्रेस हमने देखा पोर्ट एड्रेस कहाँ यूज़ होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पर यूज़ होते हैं ठीक है पोर्ट एड्रेस कहाँ यूज़ होंगे ट्रांसपोर्ट लेयर पे और लॉजिकल एड्रेसेस कहाँ यूज़ होते हैं नेटवर्क लेयर पे लॉजिकल एड्रेसेस कहाँ यूज़ होते हैं नेटवर्क लेयर पे पोर्ट एड्रेसेस कहाँ यूज़ होते हैं आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पे और डेटा लिंक और फिजिकल पे आपके कौन से यूज़ हो रहे हैं फिजिकल एड्रेसेस यूज हो रहे हैं ठीक है और एप्लीकेशन लेयर पे आपके स्पेशल एड्रेसेस यूज हो रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे आपके जो यूज़ हो रहे हैं देखिए तो ये क्या है? हैं पोर्ट एड्रेसेज हैं ठीक है तो पोर्ट एड्रेस जर्नली किस तरह से होते हैं सिक्सटीन बिट एड्रेसेस होते हैं जो वन डेसिमल नंबर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है वन डेसिमल नंबर में हम उसे क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं सिक्सटीन बिट्स मिलते हैं ठीक है टोटल सिक्सटीन बिट्स मिलेंगे एट बिट्स एट बिट्स और एक सिंगल नंबर रिप्रेजेंट होता है और ये क्या होता है पोर्ट एड्रेस होता है ठीक है तो देखिए फिजिकल एड्रेस विल चेंज फ्रॉम होप टू होप बट द लॉजिकल एड्रेस यूजली रिमेन द सेम जो फिजिकल एड्रेस है वो हमारा होप टू होप क्या है, होता है चेंज होता रहता है लेकिन जो लॉजिकल एड्रेस होता है जो आईपी एड्रेस होता है वो क्या रहता है हमेशा सेम रहता है ठीक है तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं ओएसआई मॉडल के ऊपर देखिए डैश द डैश इज द फिजिकल पाथ ओवर विच मैसेज ट्रेवल्स प्रोटोकॉल सिग्नल मीडियम ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका मीडियम ठीक है मीडियम वो फिजिकल पाथ है जहाँ जिसके थ्रू मैसेज क्या होता है ट्रैवल होता है देन द इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड इन अ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम इज दी जो इन्फॉर्मेशन होता है उसे क्या बोलते हैं हम मैसेज बोलते हैं देन चेकिंग एन अनऑथोराइज यूज़र इन अ नेटवर्क इज अ डैश इशू अगर हमने अनऑथराइज कोई यूजर है वो यूज़ कर रहा है इंटरनेट में कुछ भी डेटा को ठीक है नेटवर्क में हमारे नेटवर्क में किसी की भी डेटा को तो वो परफॉर्मेंस इशू है सिक्योरिटी इशू है रिलायबिलिटी है या ऑल ऑफ दब है दैट इज सिक्योरिटी इशू विच टॉपोलॉजी रिक्वायर्स अ सेंट्रल हब कौन सी टोपोलॉजी में चाहिए होता है हमें सेंट्रल हब स्टार टॉपोलॉजी में चाहिए होता है ठीक है तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया स्टार टॉपोलॉजी कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड बोर्ड इन्वॉल्व तो अगर कंप्यूटर uh, और कीबोर्ड में हम देखें कम्युनिकेशन वो कौन सा रहेगा सिंप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स या ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इट विल बी हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन अ डैश प्रोवाइड अ डेडिकेटेड लिंक बिटवीन टू डिवाइसेस पॉइंट टू पॉइंट प्राइमरी मल्टीपोर्ट एंड सेकेंडरी सो इट इज पॉइंट टू पॉइंट ठीक है तो डेडिकेटेड लिंक बिटवीन टू डिवाइसेस कौन सा होगा पॉइंट टू पॉइंट जब उनका कनेक्शन है इन अ डैश मोर देन टू डिवाइसेस कैन शेयर अ सिंगल लिंक दो डिवाइसेस एक ही सिंगल लिंक को शेयर कर सकते हैं तो वो कौन सा है पॉइंट टू पॉइंट प्राइमरी मल्टी पॉइंट या सेकेंडरी सो दैट इज मल्टी पॉइंट ठीक है जब एक से ज़्यादा डिवाइसेस क्या कर सकते हैं एक ही लिंक को शेयर कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है मल्टी पॉइंट हो जाता है जो हमारा जैसे बस स्टॉपोलॉजी में यूज़ होता है नेक्स्ट वी हैव इन डैश ट्रांसमिशन द चैनल कैपेसिटी इज शेयर्ड बाय बोथ कम्युनिकेशन डिवाइसेस एट ऑल टाइम्स ठीक है जो चैनल की कैपेसिटी है ठीक है वो जो है दोनों तरफ से यूज की जा रही है हमेशा तो वो कौन सा कम्युनिकेशन हो जाएगा सॉरी फुल डुप्लेक्स ठीक है वो कौन सा हो जाएगा फुल डुप्लेक्स देन हमारे पास आता है इन डैश टॉपोलॉजी ऑफ केबल ब्रेक्स इन डैश टॉपोलॉजी अगर केबल्स ब्रेक हो जाती हैं तो वो सारे ट्रांसमिशन को स्टॉप कर देगा सो इट इज़ मैश बस और स्टार प्राइमरी सो इट इज बस टोपोलॉजी ठीक है बस टोपोलॉजी में क्या होता है सारे कनेक्शन क्या अगर केबल ख़त्म हो गई ख़राब हो गई बैकबोन हो जाए चाहे ठीक है तो कौन uh, सारे के सारे जो ट्रांसमिशन है वो स्टॉप हो जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल कंसिस्ट ऑफ डैश लेयर्स थ्री सेवन फाइव एट तो देखिए अगर फोर दिया हुआ है तो फोर चूज़ करेंगे आप फाइव दिया होगा तो फाइव चूज करेंगे ठीक है तो, तो यहाँ पे फाइव दिया हुआ है तो हम फाइव चूज कर रहे हैं ठीक तो है तो अगर फोर गिवेन होगा तो फोर चूज़ करेंगे ठीक है तो हमने दोनों ही देखा था कि अगर तो हम वैसे देखें तो इस मॉडल में फोर होती है लेकिन ओ एस आई से कंपेयर करें तो फाइव होती है ठीक है तो अगर फोर होगा तो फोर को प्रेफर करेंगे वट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर नो टू नो डिलीवरी प्रोसेस टू प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एंड राउटिंग टेबल तो देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर की मेन का मेन फंक्शन क्या होता है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी फॉलोइंग इज एप्लीकेशन लेयर सर्विस एप्लीकेशन लेयर सर्विस रिमोट लॉग इन मेल सर्विस फाइल ट्रांसफर ऑल ऑफ द अबव तो ये सभी ही यूजर इंटरफेस के लिए तो ठीक है तो, तो यहाँ पे रहेगा आपका ऑल ऑफ द अबव द डैश लाइज बिटवीन द नेटवर्क लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर कौन सी लेयर इनमें से इन दोनों लेयर्स के बीच में लाई करती है तो अगर हम ओएसआई मॉडल की बात करें तो देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर भी आएगी और सेशन लेयर भी आएगी लेकिन अगर टी सी पी आई पी मॉडल की बात करें तो यहाँ पे आपके पास कौन सी लेयर आएगी ट्रांसपोर्ट लेयर ठीक है तो दोनों ही के हिसाब से ट्रांसपोर्ट लेयर तो हमेशा इन दोनों के बीच में ही आएगी ठीक तो है तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ट्रांसपोर्ट लेयर देन डैश लेयर चेंजेस बिट्स इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में uh, कौन कन्वर्ट करता है बिट्स को फिजिकल लेयर कन्वर्ट करती है देन वी हैव द प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ द एंटायर मैसेज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विच लेयर दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर द डैश लेयर इज द क्लोजेस्ट टू द ट्रांसमिशन मीडियम ट्रांसमिशन मीडियम के सबसे क्लोज कौन सी लेयर रहती है फिजिकल लेयर रहती है देन मेल सर्विसेज आर अवेलेबल टू द नेटवर्क यूजर थ्रू डैश लेयर मेल सर्विसेज किसके थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं यूजर को एप्लीकेशन लेयर के थ्रू एज द डेटा पैकेट मूव फ्रॉम अपर लेयर टू लोअर लेयर हेडर्स आर जैसे जैसे वो मूव करता है अपर लेयर से लोअर लेयर की तरफ हेडर्स क्या किए जाते हैं एड किए जाते हैं ठीक है अगर लोअर लेयर से अपर लेयर की तरफ पूछा जाए तो वो क्या किए जाएंगे सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे ठीक है लेकिन जब हम लोअर से अपर से लोअर की तरफ आ रहे हैं तो उन्हें क्या किया जाता है ऐड किया जाता है विच लेयर्स हैज द नेटवर्क सपोर्ट लेयर एंड द यूजर सपोर्ट लेयर एंड द करेक्ट आंसर इज ट्रांसपोर्ट लेयर यूडीपी एंड TCP सी पी आर बोथ डैश लेयर प्रोटोकॉल्स कौन सी लेयर के हैं दोनों यूडीपी एंड टी सी पी ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं

यूजर के साथ कौन देखता है ठीक है इंटरफेस के साथ इंटरफेस सिस्टम uh, और यूज़र के बीच में कौन सी लेयर एस्टेब्लिश करती है एप्लीकेशन लेयर विच ऑफ़ द फॉलोइंग ओ एस आई लेयर इज़ मोर क्लोजली रिलेटेड टू फिज़िकल कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ तो देखिए फिजिकल कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ अगर देखें तो यहाँ पे आप हमारे पास डेटा लिंक लेयर दी हुई है ठीक है जो भी बॉटम से आपके पास लिंक लेयर दी हुई होगी ठीक है अगर फिजिकल नहीं दी हुई है तो डेटा लिंक लेयर को चूज़ करेंगे then we have the network topology that supports bi-directional link between each possible node is the हर layer हर uh, node के साथ जब link हमारा establish हो रहा है तो वो कौन सी हो जाती है topology mesh topology in a broad sense a railway track is an example of railway track किसका example है half duplex का ठीक है दोनों तरफ से आ सकती है उसी track पर train लेकिन एक ही बार में दोनों तरफ से नहीं आ सकती so it is an example of half duplex नेक्स्ट हमारे पास आता है मैच द फॉलोइंग तो देखिए यहाँ पे जो भी लेयर्स हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप मैच करेंगे डेटा लिंक लेयर है फिजिकल लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर है और नेटवर्क लेयर है तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया एक रूटिंग का हमें दिख रहा तो है परफॉर्म्स रूटिंग एंड कम्युनिकेशन तो रूटिंग किसका फंक्शन होता है नेटवर्क लेयर का तो फोर्थ का आप देखें सेकेंड फोर्थ का सेकंड यहाँ पे है और किसी में नहीं है ठीक है बाकियों को क्रॉस चेक कर लेंगे साथ ही कि फर्स्ट का थर्ड डेटा लिंक लेयर डिटेक्शन एंड यस एरर डिटेक्शन और करेक्शन uh, का काम करती है तो ठीक है ये वाला फिजिकल लेयर लोएस्ट लेयर है येस करेक्ट एंड प्रेजेंटेशन लेयर जो है आपका सिंटेक्स ऑफ डेटा के साथ वर्क कर रही है ठीक है तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट सो द करेक्ट आंसर इज ए तो आप इसमें से अगर आपको एक आदमी किसी में भी डाउट लग रहा है

तो वो हमेशा आपकी क्या होती है प्रोसेस के बीच में कौन सी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर ठीक है तो आर का हमारे पास क्या बनता है थ्री और वो देखिए सिर्फ फर्स्ट वाले में है ठीक है वो किस में है फर्स्ट वाले में है अभी कुछ डाउट हो तो और भी आप चेक करें ठीक है तो यहाँ पे अगर हम देखें नेटवर्क लेयर नेटवर्क लेयर क्या कर रही है वन नेट वन नेटवर्क नो टू नेक्स्ट ठीक है एक नेटवर्क नोड से नेक्स्ट नेटवर्क नोड को क्या करिए डेटा ट्रांसफर कर रही है ठीक है ये थोड़ा सा और जब नेटवर्क लेयर को समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगी चीज़ ठीक है जो डेटा लिंक लेयर है ये क्या कर रही है रिलायबल ट्रांसपोर्ट ऑफ डेटा ओवर अ फिजिकल पॉइंट टू पॉइंट लिंक द टर्म विच इज यूज टू ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनादर वायर सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया एड्रेसिंग स्विचिंग डेटा कॉम्युनिकेशन नन ऑफ द अब एंड द करेक्ट आंसर इज डेटा कॉम्युनिकेशन द टर्म यूज फॉर सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न डेटा कॉम्युनिकेशन एंड द करेक्ट आंसर इज प्रोटोकॉल इन ओ एस आई नेटवर्क आर्किटेक्चर द डायलॉग कंट्रोल एंड टोकन मैनेजमेंट आर रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेशन लेयर ठीक है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है सेशन लेअर की सेकेंड लेयर ऑफ डेटा कॉम्युनिकेशन इज कॉम्युनिकेशन की सेकेंड लेयर कौन सी होती है आपकी होती है डेटा लिंक लेयर तो हमने ये टोटल सेवन लेयर्स देखी ओ एस आई मॉडल की तो देखिए अभी हम जिसे आ, डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं वो लेयर कौन सी है डेटा लिंक लेयर दैट इज डी एल एल तो ये लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है देखिए ये मूव करती है डेटा को या फ्रेम्स को फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड और जो इसकी सर्विसेज होती हैं बाकी की जो ये प्रोवाइड करती है वो कौन सी है फ्रेमिंग एरर कंट्रोल फ्लो कंट्रोल फिजिकल एड्रेसिंग एंड एक्सेस कंट्रोल तो देखिए एरर कंट्रोल से हमेशा क्वेश्चन मिलेगा आपको कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं फ्लो कंट्रोल से भी आने के चांसेस रहते हैं फ्रेमिंग से भी आ जाते हैं क्वेश्चन ठीक है तो हम ये वाली तीन जो सर्विसेज हैं डी एल एल की वो डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन तो देखिए एरर डिटेक्शन और करेक्शन जो है ये सब किस किन दो लेयर्स पे किया जाता है डीएलएल पर और ट्रांसपोर्ट लेयर पे जैसा हम सेंड कर रहे हैं डेटा ठीक है data, जैसा भी सेंडर सेंड send कर रहे हैं डेटा वैसा ही एज इट इज डेटा क्या होना चाहिए पहुंचना चाहिए रिसीवर के पास कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए ठीक है कोई भी बिट क्या है करप्टेड नहीं पहुंचनी चाहिए ठीक है so, सो इसी लिए हम क्या करते हैं एक फंक्शन परफॉर्म uh, किया जाता है इन दो लेयर्स के ऊपर डेटा लिंक लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन का ठीक है तो देखिए डेटा कैन बी करप्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन तो डेटा क्या है करप्ट हो सकता है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन तो कुछ एप्लीकेशन इस तरह से चाहिए होती है ताकि हम डिटेक्ट कर पाएँ कि कोई एरर तो नहीं आई और उसे करेक्ट कर पाए तो देखिए जो एरर होती हैं वो दो तरह की हो सकती हैं सिंगल बिट एरर और बर्स्ट एरर ठीक है जो एरर्स हैं यहाँ पे हमारी दो हो सकती हैं सिंगल एरर और बर्स्ट एरर दैट मींस मल्टीपल बिट्स में एरर हो तो वो क्या हो जाती है बर्स्ट एरर सिंगल बिट एरर क्या होगी जब सिर्फ एक ही बिट क्या है चेंज हुआ है ठीक है सेंडर से रिसीवर पर पहुंचते पहुंचते सिर्फ एक ही बिट में क्या हुआ है चेंज हुआ है और बर्स्ट एरर क्या होगी जब नंबर ऑफ बिट्स में चेंजेस आ गए हैं ठीक है तो अगर सेंड करना था ये तो देखिए बाकी बिट्स क्या है सेम है यहाँ पे क्या आ गया वन आ गया तो सिंगल बिट एरर होगी जब सिर्फ एक ही बिट चेंज होगी ठीक है और बर्स्ट एरर क्या होगी जब दो या दो से ज्यादा जो में बिट्स हैं वो चेंज हो गई हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फोर बिट्स में यहाँ पे चेंज आ गया सो दिस इज बर्स्ट एरर ठीक है ये क्या है बर्स्ट एरर है ऑफ लेंथ एट ठीक है जहां से जहां तक का भी अगर हम देखें टोटल अगर हम देखें तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हुई थी एरर अग कोरोना और जहाँ तक हुई है उसका एक हमने क्या ले लिया एक पूरा कंप्लीट ट्रैक अगर रखें तो ये टोटल कितने बिट्स हैं एट बिट्स हैं ठीक है ठीके? तो ये बर्स एरर हो जाएगी कितने लेंथ की एट लेंथ की ये टोटल फोर कितनी है करप्टेड बिट्स हैं ठीक है ठीके? टोटल कितनी है करप्टेड बिट्स फ़ोर हैं लेकिन जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी बर्स एरर की एट हो जाएगी तो बाकी जो एरर फ्री है उसको अलग छोड़ देंगे जहां से स्टार्ट करके जहां तक एरर है उसे कंसीडर कर लेंगे करेक्ट करने के लिए और डिटेक्ट करने के लिए एरर्स को हमें क्या चाहिए होते हैं रिडंडेंट बिट्स चाहिए होते हैं ठीक है थीके? तो जितने भी हम टेक्निक्स देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि हर टेक्निक में हम कुछ एक्स्ट्रा बिट्स या रिडंडेंट बिट्स जिन्हें बोल रहे हैं वो यूज करेंगे ठीक है तो हम उन्हें यूज भी करेंगे और सेंड भी करेंगे ठीक है तो डिटेक्ट करने के लिए और करेक्ट करने के लिए एरर्स वी नीड टू सेंड एक्स्ट्रा और रिडंडेंट बिट्स तो हम जब सेंड करेंगे यूजर को ठीक है किसी को भी ठीक है जब भी हम रिसीवर को सेंड करें अगर हमारा डेटा फोर बिट्स का है तो जब भी सेंड करेंगे तो सिर्फ फोर बिट्स नहीं जाएंगी उसके साथ कुछ भी रिडंडेंट बिट्स भी जाएंगी दैट मीन्स हमेशा एक्स्ट्रा बिट्स जाएंगी ताकि हम एरर को डिटेक्ट और करेक्ट कर सकें तो देखिए यहाँ पे हम जर्नली मॉड्यूलो एन अरिथमेटिक यूज करते हैं ठीक है और मॉड्यूलो एन अरिथमेटिक हम सिक्योरिटी में भी यही यूज करते हैं ठीक है क्योंकि ये क्या है हमारा सेफ है ठीक है इसको क्रैक करना थोड़ा सा टफ है इसलिए ज़्यादातर हम मॉड्यूलो एन जो अरिथमेटिक है वही क्रिप्टोग्राफी में भी यूज करते हैं और यहाँ पे भी हम यही यूज़ कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे देखिए जब भी हम क्रिप्टो मॉड्यूलो एन अरिथमेटिक यूज करते हैं तो हम इंटीजर्स यूज करते हैं जीरो टू एन माइनस वन की रेंज के ठीक है अगर मॉड्यूलो सेवन की बात करें या मॉड्यूलो एट की बात करें तो जीरो से लेकर सेवन इंटीजर सेवन तक वाले इंटीजर्स को हम यूज़ करेंगे ठीक है तो ये हमारा है मॉड्यूलो एन अरिथमेटिक जहाँ पे हम क्या रेंज रहती है आपकी जीरो टू एन माइनस वन ठीक है अगर मॉड्यूलो एन है तो रेंज क्या होगी ज़ीरो टू एन माइनस वन होगी तो देखिए यहाँ पे हम एक्सोरिंग भी यूज करेंगे तो एग्जॉर अगर हम एक बार देख लेते हैं क्या होता है अगर हम जीरो जीरो करेंगे तो क्या होगा जीरो होगा लेकिन अगर हम वन एग्जॉर वन करेंगे तब भी क्या रहेगा जीरो रहेगा तो अगर हमारी दोनों बिट सेम है तो हमारे पास क्या रहेगा जीरो रहेगा रिजल्ट ये नहीं है कि जीरो एक्स जीरो किया तो जीरो आया हमारा वन एक्स वन पर भी क्या रहेगा जीरो ही रहेगा ठीक है तो यहाँ पे आपका टू बिट्स अगर सेम है तो रिजल्ट क्या आ रहा है जीरो आ रहा है और टू बिट्स अगर डिफरेंट है तो आपका रिजल्ट क्या आएगा और एग्जॉर करने पर वन आएगा ठीक है तो अगर हमने इन दोनों बिट्स को इन दोनों नंबर्स को क्या किया है एग्जॉर किया तो हमारे पास क्या आ गया जीरो जीरो ज़ीरो जीरो वन 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 जीरो जीरो वन 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 ज़ीरो ठीक है इस तरह से हम एग्जोरिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे यहाँ पे एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन में ठीक तो इसलिए इसको थोड़ा इसका थोड़ा सा हमने ओवरव्यू ले लिया नेक्स्ट देखिए जब भी हम ब्लॉक कोडिंग की बात करेंगे जब भी हम यहाँ पे इन दोनों एरर करेक्शन और डि, 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 डिटेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे हम जो मैसेज हम भेजते हैं ठीक है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं ब्लॉक्स में ठीक है अगर कंप्लीट हमारा मैसेज है वो 64 बिट्स का है ठीक है 64 बिट्स का है तो हम क्या करते हैं एट एट बिट्स के एट ब्लॉक्स बना लेते हैं ठीक है डिफरेंट एट ब्लॉक्स बना लेते हैं ठीक है इसी तरह से हम आ, आगे नेटवर्किंग में देखेंगे क्रिप्टोग्राफी में करते हैं जब भी हमने डेटा सेंड करना होता है तो वो आपने देखा कि डिफरेंट क्या होता है ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाता है ठीक है तो यहाँ पे हमने क्या किया अगर एट एट बिट्स का ब्लॉक बना लिया ठीक है एक ब्लॉक कितने बिट्स का है एट बिट्स का है तो जो भी बिट्स हैं ठीक है अगर ये एट बिट्स हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे डेटा वर्ड्स बोलेंगे ठीक है क्या बोलेंगे इसे डेटा वर्ड्स जो हम सेंड करना चाहते हैं ठीक है जो हमारा डेटा है जो हमारा डेटा होगा उसे हम क्या बोलेंगे डेटा वर्ड्स बोलेंगे और हमने पीछे बात की थी कि हम कुछ रिडंडेंट बिट्स ऐड करेंगे ठीक है कुछ रिडंडेंट बिट्स जो हम ऐड करेंगे उन्हें जब हम ऐड कर देंगे ठीक है ये बिट्स हमारे क्या है के बिट्स हैं अब इसमें हम आर कुछ ऐड कर रहे हैं आर रिडंडेंट बिट्स जब हम ऐड करेंगे ठीक है जब हम डेटा वर्ड में आर रिडंडेंट बिट्स ऐड कर देंगे तो वो हमारा कहलाता है कोड वर्ड ठीक है वो क्या होता है कोड वर्ड होता है ठीक है तो जब भी हम आर रिडंडेंट बिट्स ऐड करेंगे अपने डेटा वर्ड में तो वो क्या बन जाता है कोड वर्ड बन जाता है और वो कितने बिट्स का है हमारा एन बिट्स का है सो दैट मीन्स एन क्या हो जाएगा के प्लस आर तो देखिए अगर आपको के बिट्स दिया जाता है ठीक है कभी भी अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से आता है कि के बिट्स हैं और टोटल डेटा वर्ड्स कितने हैं तो वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे टू रेज टू पावर के से कैलकुलेट करेंगे ठीक है किस कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर बोला जाता है फोर बिट्स ठीक है फोर बिट्स का हर एक डेटा है तो कै, कैसे कैलकुलेट होगा हमारा कि टोटल डेटा वर्ड्स कितने टू रेस टू पावर फोर से कैलकुलेट होगा दैट मीन सिक्सटीन टोटल हमारे क्या यहाँ है डेटा वर्ड्स हैं और इसी तरह से अगर हमें बिट्स इसके दिए जाते हैं ठीक है कि टोटल जब हम के और के में कुछ रिडंडेंट ऐड करके एन बिट्स सेंड कर रही हैं ठीक है रिसीवर के पास कितने जा रहे हैं ड्यूरिंग ट्रांसमिशन कितना जा रहा है एन जा रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे आपके पास कोडवर्ड क्या हो जाएगा टू रेस्ट टू पावर एन हो जाएगा ठीक है एन बिट्स है तो टू रेस्ट पावर एन क्या हो जाएगा कोडवर्ड हो जाएगा ठीक है कोडवर्ड्स हो जाएंगे और जिसमें टू रेस्ट टू पावर के क्या रहेंगे आपके वैलिड जो एक्चुअल में डेटा है बाकी के जितने भी होंगे वो क्या है रिडंडेंट है ठीक है वो सिर्फ हम एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन के लिए यूज करें अदरवाइज उनका कोई मीनिंग नहीं है ठीक है तो देखिए अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है इस तरह से कि कोडिंग स्कीम में के फोर है और एन फाइव है ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास टू रेज टू पावर के क्या है टू रेज टू पावर फोर हो जाएगा दैट मीन सिक्सटीन डेटा वर्ड है और टू रेज टू पावर एन करेंगे तो थर्टी टू के आ जाएंगे हमारे पास कोड वर्ड ठीक है और इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है अगर आपके पास और पूछ लिया जाता है कि तो, ये वैल्यूज दे दी कि आप कैलकुलेट करिए डेटा वर्ड्स कितने होंगे और कोड वर्ड्स कितने होंगे ये आपसे पूछ लिया जाता है कि रिडंडेंट बिट्स uh, कितने होंगे ठीक है तो आप थर्टी टू में से सिक्सटीन माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा रिडंडेंट बिट्स आ जाएंगे ठीक है तो यहाँ पे इस तरह से आपको पता रहना चाहिए कि अगर हमें के की वैल्यू और एन की वैल्यू दी हुई है तो डेटा वर्ड्स कैसे निकलेंगे और कोड वर्ड्स कैसे निकलेंगे अब देखिए जो एरर डिटेक्टिंग कोड होता है ठीक है जो भी हमारा एरर डिटेक्टिंग कोड होता है वो पर्टिकुलर टाइप की ठीक है जिस तरह की एरर्स के लिए उसे डिजाइन किया गया उसी तरह की एरर्स को वो डिटेक्ट कर पाता है ऐसा नहीं है कि अगर डिफरेंट एरर डिटेक्शन कोड्स हैं हमारे पास ठीक है तो जो डिफरेंट कोड्स हैं वो दूसरी तरह की एरर को डिटेक्ट कर पाएंगे नहीं ठीक है अगर हमारे पास थ्री टाइप्स के डिटेक्शन कोड्स हैं तो वो जिस तरह की के लिए बने हुए हैं जिस तरह की एरर्स के लिए डिजाइन किया गया है उन्हें उसी तरह की एरर्स को वो डिटेक्ट करेंगे बाकी तरह की बाकी एरर्स क्या रहेंगी अनडिटेक्टेड रहेंगी ठीक है तो ऐसा नहीं है अगर एक एरर डिटेक्टिंग कोड है तो वो हर तरह की एरर को डिटेक्ट कर पाएगा नहीं ऐसा नहीं होता तो देखिए एरर कंट्रोल में हम देखेंगे एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन तो एरर डिटेक्शन में हम देखेंगे पैरिटी बिट कोड चेकसम एंड सीआरसी ठीक है ये तीन चीजें हम डिस्कस करेंगे पैरिटी बिट कोड सीआरसी एंड चेकसम और एरर करेक्शन में हम देखेंगे हेमिंग कोड ठीक है एरर करेक्शन में हम देखेंगे हेमिंग कोड तो सबसे पहले हमारे पास आता है एरर डिटेक्शन डिटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करें पैरेटिव बिट कोड सी आर सी एंड चेकसम ठीक है तो इनसे हम क्या कर पाएंगे डिटेक्ट कर पाएंगे कि जो हमारा डेटा जा रहा है क्या वो करेक्ट है या नहीं है ठीक है तो देखिए पेरेटिव बिट कोड जो होते हैं इसमें क्या करते हैं सेंडर क्या करता है ऐड करता है एक एडिशनल बिट ठीक है पैरिटी बिट कोड्स में क्या होता है सेंडर क्या ऐड करेगा सेंडर ऐड करेगा वन एडिशनल बिट ठीक है कितनी एडिशनल बिट्स ऐड की जाती हैं वन एडिशनल बिट ऐड की जाती है डेटा वर्ड में कोड वर्ड बनाने के लिए ठीक है और वो कहाँ ऐड की जाती है वो ऐड की जाती है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर ठीक है अगर हमारा ये डेटा है ठीक है वन वन जीरो वन ज़ीरो वन ठीक है इस तरह से कुछ डेटा है हमारा तो हम उसे कहाँ ऐड करते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर ऐड करते हैं ठीक है ये हमारे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है इधर और इधर हमारे पास है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे जीरो या वन जो भी बिट की ऐड करने की जरूरत पड़ेगी ठीक है तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे क्या होगा ऐड होगा जीरो या वन तो इसमें इवन पैरिटी कोड्स में ठीक है इवन पैरिटी जो कोड्स हैं इसमें हमारे पास दो कोड्स होते हैं इवन पैरिटी एंड ओड पैरिटी ठीक है इवन पैरिटी क्या होता है इवन पैरिटी मैकेनिज्म में क्या होता है जब हम कन्वर्ट करें डेटा वर्ड को कोड वर्ड में तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास डेटा में इवन नंबर ऑफ वंस होने चाहिए कितने होने चाहिए इवन नंबर ऑफ वंस होने चाहिए हमारे डेटा में ठीक है तो यहाँ पे देखिए यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगर ये कोड लेते हैं हम वन टू थ्री फोर एंड फाइव कितने हैं हमारे पास वन फाइव वंस है दैट मीन्स और नंबर ऑफ वंस है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हमने एक बिट ऐड करनी है या तो वो जीरो होगी या वो वन होगी तो इवन पैरिटी में हमने क्या करना है कि इवन नंबर ऑफ वंस बनाने हैं तो यहाँ पे आपका क्या ऐड हो जाएगा वन ऐड हो जाएगा जिससे हमारा क्या है अब टोटल नंबर ऑफ वंस कितने बन गए हैं इवन बन गए हैं ठीक है ठीके? और अगर हमारा कोड ये है तो देखिए यहाँ पे फोर वंस हैं दैट मींस हमारे पास इवन नंबर ऑफ वंस हैं ऑलरेडी तो हम क्या ऐड करेंगे जीरो ऐड करेंगे ठीक है तो क्या ऐड करेंगे जीरो ऐड करेंगे तो देखिए लेंथ जो है डेटा वर्ड की अगर वो एन बिट्स है ठीक है वो एन बिट्स है अगर कोड वर्ड की लेंथ क्या होगी पैरिटी कोड्स में अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगी एन प्लस वन हो जाएगी क्या हो जाएगी एन प्लस वन हो जाएगी अगर नंबर ऑफ वन इवन है तो आप क्या ऐड करेंगे जीरो ऐड करेंगे एल एस बी में एंड अगर नंबर ऑफ वन ऑड है तो आप क्या ऐड करेंगे वन ऐड करेंगे ठीक है तो यहाँ पे पैरिटी बिट कोड जो है ये सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट करने के लिए है ठीक है अगर मल्टीपल एरर्स होंगी यहाँ पे तो वो उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा ठीक है सिंगल बिट को ही डिटेक्ट कर पाएगा बिट कोड यहाँ पर ठीक है जो ये हमने देखा अगर यहाँ पे हमारे पास दो बिट्स को हम चेंज कर देते हैं तो उसे नहीं पता चलेगा ठीक है तो सिंगल बिट एरर को ही डिटेक्ट कर पाता है सो पैरिटी बिट कोड इज सिंगल बिट एरर डिटेक्शन कोड इवन पैरिट इवन बिट पैरिटी कोड कैन डिटेक्ट ऑल ऑड बिट एरर ठीक है तो ये बिट एरर्स को ही डिटेक्ट कर सकता है इट कैन नॉट डिटेक्ट इवन बर्स्ट एरर तो यहाँ पे अगर इवन बर्स्ट एरर है तो वो उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑड पैरिटी तो देखिए ऑड पैरिटी क्या कहता है ऑड पैरिटी में हम कोड वर्ड क्या बनाते हैं क्या कहते हैं कि कोड वर्ड में क्या होना चाहिए ऑड नंबर ऑफ वंस होने चाहिए ठीक है क्या होने चाहिए ऑड नंबर ऑफ वंस होने चाहिए ठीक है तो यहाँ पे हमने डेटा देखना है कि जो हमारा जा रहा है यूजर के पास उसमें क्या होना चाहिए और नंबर ऑफ वंस होने चाहिए ठीक है तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है फाइव थे तो ठीक है तो हमने क्या कर दिया जीरो ऐड कर दिया अभी यहाँ पे क्या है फोर है हमारे पास तो हम क्या करेंगे फाइव एक और ऐड कर देंगे ठीक है उसे क्या बनाएंगे ऑड नंबर के बना देंगे तो वंस कितने होने चाहिए ऑड नंबर होना चाहिए ठीक है तो नंबर ऑफ वंस अगर ऑड है तो हम क्या ऐड कर देंगे ज़ीरो ऐड कर देंगे और नंबर ऑफ वन अगर इवन है तो क्या ऐड कर देंगे वन ऐड कर देंगे दैट मीन्स जो हमारा कोड वर्ड है जो सेंडर के पास हम भेज रहे हैं वो क्या होना चाहिए हमारा जो कोड वर्ड है वो क्या होना चाहिए ऑड नंबर ऑफ वंस होने चाहिए उसमें ठीक है तो अगर तो इवन है तो उसे हम एक और ऐड करके ऑड बना देंगे अगर ऑलरेडी ऑड है तो हम क्या ऐड कर देंगे उसमें जीरो ऐड कर देंगे सो ऑड बिट पैरिटी कोड ठीक है जो ऑड बिट पैरिटी कोड है ये क्या डिटेक्ट करेगी सिंगल बिट एरर डिटेक्ट करेगी ऑड बर्स एरर देखती है ये और कैन नॉट डिटेक्ट इवन बर्स एरर ठीक है तो इवन बर्स एरर अगर होगा तो वो ये नहीं चेक कर पाएगी देन वी या चेक ठीक है तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है सी आर सी जो सेकेंड मेथड हमने देखा था ठीक है डिटेक्शन के लिए फर्स्ट मेथड था हमारा पैरिटी बिट कोड सेकेंड मेथड है हमारा सी आर सी दैट इज साइक् रिडेंडेंसी चेक तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं बिट से भी पूछ लिया जाता है ठीक है डिपेंड करता है कौन सा एग्जाम आप किस एग्जाम के लिए अपीयर कर रहे हैं ठीक है तो पीजीटी लेवल पे तो कहीं से भी पूछ सकते हैं ठीक है पैरिटी बिट से भी आ सकता है सिंपल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं ठीक है और लेकिन यूजीसी नेट में जर्नली सी से या चेकसम से इन सब जगह से हेमिंग कोड से यहाँ से पूछा जाता है तो देखिए एक बार क्वेश्चंस दिखाती हूँ मैं इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है इफ़ द डेटा यूनिट इज वन 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 डिवाइजर दिया हुआ है सीआरसी में डिविडेंड पूछा है क्या होगा इनमें से ठीक है ये सीआरसी का क्वेश्चन है इसी तरह से सीआरसी चेकसम मेथड में आपको दिया हुआ है कि ये हमारा फ्रेम है जो ट्रांसमिशन के लिए है और जनरेटर ये रहेगा और यहाँ पे आपको बताना है कि एनकोडेड वर्ड जो है वो सेंड क्या किया जाएगा ठीक है तो यहाँ पे देखने में क्वेश्चंस ऐसे लगेंगे आपको पता नहीं क्या कैलकुलेशन है इसमें लेकिन जब आपने एक बार मेथड समझ लिया तो फिर उसके बाद ऐसा लगेगा इसमें क्या था ठीक है अगर पहले हमने एग्जाम दिया हुआ होगा अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो फिर ऐसा लगेगा यार ये तो बहुत ईजी थे ठीक है तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से ये मैसेज ट्रांसमिट करना है ये हमारा जनरेटर है और यहाँ पे आपका क्या मैसेज ट्रांसमिट होगा ये बताना है ठीक है इसी तरह से कुछ क्वेश्चन हमारे पास सीआरसी से बनते हैं जो एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं तो देखिए सीआरसी क्या है सीआरसी चेक रिटेंडेंसी चेक इस इसकी फुल फॉर्म रहती है और ये क्या है मोस्ट पावरफुल मेथड फॉर एरर डिटेक्शन इन करेक्शन ठीक है एरर डिटेक्शन का ये एक बहुत पावरफुल मेथड है ठीक है इसमें हम क्या करते हैं के बिट मैसेज आपको दिया जाता है और ट्रांसमीटर क्रिएट करेगा एन माइनस के बिट सिक्वेंस कॉल्ड फ्रेम चेक सिक्वेंस ठीक है इसको समझाती हूँ मैं सीधा ही ठीक है तो देखिए यहाँ पे रिमाइंडर जो बनता है ना उसको हम सी आर सी बोलते हैं ठीक है रिमाइंडर यहाँ पे एक डिवीजन का प्रोसेस हम फॉलो करेंगे और जो रिमाइंडर होता है उसे हम सी आर सी बोलते हैं ठीक है उसे क्या बोलते हैं सी आर सी बोलते हैं और जो भी हमारा डेटा होता है ठीक है डेटा में हम क्या ऐड करके भेज रहे हैं सी आर सी एड करके भेज रहे हैं डेटा वर्ड में सी आर सी एड किया तो वो क्या बन जाता है कोड वर्ड बन जाता है ठीक है हम देखते आ रहे हैं कि डेटा वर्ड में हम कुछ ऐड करेंगे तो और वो कोड वर्ड बन जाएगा ठीक है तो डेटा अब वर्ड में इस मेथड में सीआरसी जो हमारा मेथड है इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं सीआरसी एक नंबर आएगा हमारे पास वो हम ऐड कर रहे हैं ठीक है और वो कैसे आएगा वो हम आगे देखेंगे तो उस जब जो डिवीजन होता है वो आपका सीआरसी होता है और देखिए जो सीआरसी है उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए यहां से भी एक बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में यूजीसी नेट में पूछा गया है इट शुड हैव एक्यूरेटली वन बिट लेस देन द डिवाइजर ठीक है ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले कि जो डिवाइजर है उसके कितने बिट्स होंगे तो देखिए उसका वन बिट ज्यादा होगा वन मोर देन द आर सी ठीक है वन मोर किससे होगा सी आर सी से होगा सी आर सी के लिए हम क्या कह रहे हैं कि उसका एक लेस होगा ठीक है वन लेस होगा किससे डिवाइजर से ठीक है सीआरसी का एक लेस होगा डिवाइजर से और अगर डिवाइजर का पूछा जाएगा

क्वेश्चन uh, कैलकुलेट करते हैं और रिमाइंडर कैलकुलेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर हम डेटा को सेंड करते हैं कोड वर्ड कैलकुलेट करते हैं और फिर सेंड करते हैं तो देखिए डेटा हमारे पास है ठीक है ये सेंडर है तो देखिए डेटा है उसके पास ऑलरेडी और वो कुछ जीरोज ऐड करेगा ठीक है ये अभी मैं बताऊंगी आपको कि, कि, कि किस हिसाब से वो जीरोज ऐड करेगा देन वो क्या करेगा डिवाइड करेगा अब डिवाइजर है उसके पास ऑलरेडी डिवाइड करेगा और कुछ रिमाइंडर आ जाएगा अब वो क्या करेगा डेटा और रिमें सी आर सी किसे सेंड करेगा रिसीवर को ठीक है अब जब रिसीवर के पास क्या पहुंचेगा देखिए डेटा और सी आर सी अब वो दोबारा से क्या करेगा अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं ठीक है जैसे अगर हम मैथमेटिक्स में देखते हैं अगर हमने फिफ्टीन को डिवाइड करना है फोर से ठीक है तो अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए किस पे गया ट्वेल्व पे गया और थ्री हमारे पास क्या आ गया रिमाइंडर आ गया ठीक है अब हम अगर क्या कहते हैं कि हम थ्री क्या कर रहे हैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं या हम क्या करते हैं इसमें ऐड कर देते हैं ठीक है तो कुछ इस तरह से करते हैं ताकि हमारे पास हमारे पास क्या आए जब इसको हम दूसरी तरफ भेजें तो वहाँ रिमाइंडर क्या आ जाए जीरो आ जाए ठीक है तो अब हमने क्या किया यहाँ पे हमने देखा कि रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा थ्री आ रहा है ठीक है तो हमने अगर हम चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं हम आ, इसको कम्प्लीटली डिविजिबल बनाने के लिए फोर से इसमें क्या करेंगे हम थ्री या तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे या अगर हम देखें तो फोर में से माइनस करेंगे थ्री तो हम प्लस वन करें अगर तब भी ये क्या होगा कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा फोर से ठीक है तो दो चीज़ें हम कर सकते हैं मैथमेटिक्स में हम ये चीज़ देखते हैं अगर अब मैं ट्वेल्व भेजूंगी किसी के पास और वो फोर से डिवाइड करेगा तो देखिए ये इसमें रिमाइंडर क्या आएगा अब ज़ीरो आएगा ठीक है इसी तरह से हम यहाँ पे कर रहे हैं एक हमने नंबर लिया ठीक है एक नंबर लिया है उसको जब डिवाइड कर रहे हैं किसी डिवाइजर से तो हमारे पास क्या आता है डिविडेंड है ये और डिवाइजर है ये जब रिमाइंडर आया वो क्या आया सीआरसी अब डेटा और सीआरसी जब हमने रिसीवर एंड पे दे दिया ठीक है जब हम डिवाइजर से अगेन इसी डिवाइजर से डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा ठीक है इसको प्रैक्टिकली करेंगे अभी तो ये सिर्फ समझाने के लिए तो अभी रिमाइंडर क्या आ जाएगा ज़ीरो आ जाएगा तो अगर तो रिसीवर एंड पे रिमाइंडर ज़ीरो आए तो दैट मींस इसमें एरर नहीं है दैट मींस इसमें एरर नहीं है इसको क्या कर लो एक्सेप्ट कर लो और अगर इसको अगर यहाँ पे ज़ीरो नहीं आता है ठीक है तो दैट मीन्स उसमें क्या है एरर है दैट मीन्स उसमें क्या है एरर है एंड देन रिजेक्ट कर दो ठीक है तब क्या कर दो रिजेक्ट कर दो ठीक है तो इस तरह से हम हमारी वर्किंग रहती है सी आर सी की ठीक है तो एक बार एक क्वेश्चन देखते हैं फिर आपको समझ में अच्छे से आएगा तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो बात क्या रहती है कि हम जो वर्क करते हैं ना वो पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल्स आपको गिविन हो सकते हैं एग्जाम में ठीक है अगर एक तो चीज़ आपको गिव हो सकती है इस तरह से क्या चीज़ गिविन है बाइनरी की फॉर्म में ही एक नंबर गिवेन है ठीक है या तो आपको बाइनरी फॉर्म में नंबर गिविन होगा या आपको पॉलिनोमियल गिवेन होगा ठीक है दो केसेस हैं आपके पास यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको नंबर गिवेन है और एक पॉलिनोम यहाँ पे भी एक नंबर गिवेन है और एक पोलिनोमियल गिवेन है ठीक है यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं एक पोलिनोमियल है और एक नंबर गिवेन है और इसी तरह से अभी आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे आपको दोनों पोलिनोमियल गिवेन है ठीक है ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे आपको दोनों पोलिनोमियल गिवेन हो ठीक है तो सबसे पहले तो देखते हैं कि पॉलिनोमियल को आप कन्वर्ट कैसे करेंगे ठीक है अगर आपको पॉलिनोमियल दिया गया है तो उसको कन्वर्ट कैसे करना है तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या गिवेन है x रेज टू पावर फोर प्लस एक्स प्लस वन ठीक है ये हमें गिवेन है तो हमने कैसे करना है इट मीन्स जो हमारे पोजिशन है वो क्या रहेंगी वन टू थ्री फोर एंड फाइव ठीक है एक्सरेज टू पावर फोर तक जा रही है एक्सरेज टू पावर थ्री एक्सरेज टू पावर टू एक्सरेज टू पावर वन एंड एक्सरेज टू पावर जीरो ठीक है कोई भी अगर पॉलिनोमियल होता है तो एक्स रेज टू पावर फोर से अगर हमारे पास स्टार्ट हो रहा है तो वो कहाँ तक जाएगा एक्सरेज टू पावर जीरो तक जाएगा ठीक है बिल्कुल एंड तक ले जाएंगे तो देखिए यहाँ पर एक्सरेज टू पावर फोर गिवेन है दैट मीन्स वन उसके बाद आपके पास थ्री नहीं है तो उसकी जगह पे क्या लिखेंगे जीरो फिर स्क्वायर आना चाहिए स्क्वायर भी नहीं है देन ज़ीरो अभी x है that means one. अभी one है ठीक इस तरह से आप क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे अब यहाँ पे हमारे पास सेम ही है इस वाले में नहीं दिया हुआ यहाँ पे दिया हुआ है ठीक है तो देखिए एक्स क्यूब प्लस वन अगर है हमारे पास तो देखिए थ्री एक्स क्यूब के लिए देन एक्स स्क् के लिए एक्स वन के लिए एंड एक्स जीरो के लिए दैट मीन्स हमारे पास कितनी बनेगी फोर बनेगी पोजीशंस फोर बिट्स बनेंगे ठीक है तो यहाँ पे आपके पास क्यूब है तो हमने वन लिखा एक्सक्वेयर है तो क्या है एक्स स्क्र यहाँ पे नहीं है ठीक है वो टर्म नहीं है तो जीरो एक्स टू पावर वन वाली टर्म भी नहीं है तो जीरो वन वाली टर्म है तो वन ठीक है ठीक है तो इस तरह से हम आ, कन्वर्ट करेंगे पॉलिनोमियल को किसमें बाइनरी uh, फॉर्म में ठीक है तो इसी तरह से अगर यहाँ पे इस केस में अगर हम देखें तो इस केस में भी आपके पास क्या गिवेन हो सकता था यहाँ पे आपको वन दिया हुआ है ठीक तो है तो यहाँ पे सपोज वन है एक्सरेज टू पावर वन वाली आइटम भी नहीं है एक्सरेज टू पावर टू भी नहीं है देन एक्सरेज टू पावर थ्री है ठीक है तो ये पॉलिनोम जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन एक्सरेज टू पावर सेवन प्लस एक्सरेज टू पावर सिक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस आपको दिया हुआ है suppose 5. इस तरह से कुछ भी दिया हुआ है हमें तो हम क्या कर रहे हैं उसे कन्वर्ट कर रहे हैं पोलिनोम से किस में फॉर्म में ठीक है तो CRC वाले क्वेश्चन में आपने ये ध्यान रखना है सबसे पहला पॉइंट अगर पोलिनोम में गिवेन है ठीक है दो चीजें गिवेन होती हैं हमें एक तो मैसेज गिवेन होगा और ये ये क्या गिवेन है इज टू बी ट्रांसमिटेड यूजिंग द सी आर सी पोलिनोमियल ठीक है ये सीआरसी के लिए एक और पॉलिनोमियल दिया हुआ होगा ठीक है ये क्या इसे हम जनरेटर भी बोल देते हैं क्या बोल देते हैं जनरेटर ठीक है सीआरसी जनरेट करने के लिए इसे हम यूज करेंगे ठीक है तो यहाँ पे एक तो आपके पास डेटा है और एक क्या दिया हुआ होता है जनरेटर दिया हुआ होता है ठीक है वो भी पॉलिनोमियल की फॉर्म में भी हो सकता है और बाइंड्री फॉर्म में भी हो सकता है ठीक है तो थोड़ा सा इसे रिलेट करके चलेंगे ठीक है थोड़ा सा आ, है टिपिकल सा चलिए अब तो यहाँ पे देखिए हमने देखा एक हमारे पास दिया हुआ है डेटा और एक दिया हुआ है हमारे पास सी एच सी के लिए जनरेटर दिया हुआ है जिसे हम डिवाइजर बोल रहे हैं ठीक है जिसे हम किस लिए यूज कर रहे हैं डिवाइजर के पर्पज से यूज कर रहे हैं ठीक है हमने बोला यहाँ पे हमने क्या प्रोसेस यूज करना है डिवीजन का प्रोसेस यूज करना है तो हमारे पास एक तो रहेगा डेटा और दूसरी चीज क्या रहेगी डिवाइजर रहेगी ठीक है तो देखिए यहाँ पे एक तो हमने डेटा यूज किया हुआ है ठीक है अब डेटा जो है वो ये गिवेन है और डिवाइजर क्या है ये गिवेन है ठीक है अब डेटा और डिवाइजर हमारे पास गिवेन है अभी डेटा में भी डिवाइड करने से पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ जीरोस क्या करते हैं ऐड करते हैं ठीक है थीके? तो ये क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं ठीक है ऐसे थोड़ा सा टफ हो जाएगा चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारे को क्या गिवेन है देखिए एक तो ये डेटा गिवन है जो हमने ट्रांसमिट करना है और साथ में क्या दिया हुआ है जनरेटर पॉलिनोमियल दिया हुआ है ठीक है सबसे पहली चीज ठीक है तो यहाँ पे देखिए यहाँ जो ये डेटा था यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसे एज इट इज रखा हुआ है जब हम डिवाइड कर रहे हैं देन हमने क्या लिया है ये जनरेटर लिया उसको क्या लिखा है वन जीरो जीरो वन वन ठीक है यहाँ पे हमारे पास थ्री और टू वाली टर्म नहीं है ठीक है तो जीरो जीरो आ गया एंड देन वन वन डिवाइजर क्लियर हुआ और ये क्लियर हुआ कि किस तरह से आया अब देखिए यहाँ पे हमने कुछ zeros append की की हैं, हैं। में कुछ ठीक है ये zeros आप कैसे ऐड करेंगे तो ये कितनी जीरोज हमने ऐड करनी है वो हमें कैसे पता चलेगा जो भी हमारा डिवाइजर है ठीक है डिवाइजर क्या बना था हमारा यहाँ से हमने कन्वर्ट किया था तो वन जीरो जीरो वन वन बना था ठीक है तो इससे हमेशा वन बिट लेस लेना है हमने ठीक है इससे वन बिट लेस लेना है या हम कह सकते हैं जो इसकी डिग्री है ठीक है जो भी इसकी डिग्री है फोर इसकी डिग्री है तो हम कितने जीरोज लेंगे फोर जीरोज लेंगे ठीक है कितने जीरोज लेंगे फोर जीरो लेंगे अगर इसमें फाइव है दैट मीन्स हम कितनी जीरो ले रहे हैं फोर ले रहे हैं या इसकी हाईएस्ट डिग्री हमने देख ली तो वो फोर है तो हमने कितनी जीरोज लेनी है फोर जीरोज लेनी है ठीक है तो देखिए यहाँ पे आप एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं हमारे पास क्या है या तो पॉलिनोमियल गिवन होगा सीआरसी मेथड अगर हमने इंप्लीमेंट करना है पॉलिनोम गिवन होगा या हमें दिया हुआ होगा बाइनरी नंबर ठीक है तो दो चीजें दी हुई होंगी दो नंबर दिए हुए होंगे यहाँ पे हमें एक तो डेटा दिया हुआ होगा और एक जनरेटर दिया हुआ होगा ठीक है एक जनरेटर दिया हुआ होगा चाहे जनरेटर के नाम से लिखा होगा या कुछ और की कि डिवाइजर है या डिवाइजर लिखा होगा ठीक है तो डेटा एंड जनरेटर हमें दिया हुआ है ठीक है अब डेटा हमने ले लिया एज इट इज और ये क्या है डिवाइजर ठीक है जिससे हम इसे क्या करेंगे नंबर को डिवाइड करेंगे अब जो नंबर था हमारा उसके साथ आपने कितनी ऐड करनी है सिंपली ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है ठीक है तो आपने कितनी ऐड करनी है वो आप कैसे चेक करेंगे वो आप इस जनरेटर से या डिवाइजर से चेक करेंगे अगर आपको ऑलरेडी डिवाइजर गिवन है तो इससे एक कम ठीक है इससे एक कम आपने कर देनी है कि उतनी यहाँ पे हमारी लगेंगी तो देखिए ये क्वेश्चन आपका यही आया हुआ है तो अगर इस क्वेश्चन को आप देखें डिवाइड बाद में करते हैं देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे प्रोसेस क्लियर होता चला जाएगा इफ द डेटा यूनिट इज वन 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 ठीक है सिक्स टाइम्स वन है और डिवाइजर क्या है वन जीरो वन जीरो इन सी आर सी मेथड वॉट इज द डिविडेंड एट द ट्रांसमिशन बिफोर डिविजन तो डिविडेंड क्या होगा ठीक है डिविडेंड क्या होगा जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर क्या होगा अभी ट्रांसमिशन से पहले ठीक है अभी कुछ भी नहीं करना है हमने इस इस में और इस question को देख के हमें पत अगर सीआरसी मेथड नहीं आता है तो हम रैंडमली कुछ भी पिक करेंगे और अदरवाइज अगर आपको पता हो, चला हो अभी तो डिवाइजर में कितने बिट्स हैं फोर बिट्स हैं दैट मीन्स कितनी जीरो हमें अपेंड करनी है लास्ट में थ्री जीरोज़ हमें अपेंड करनी है कितने बिट्स चाहिए है? हमें थ्री चाहिए दैट मीन्स थ्री जीरोज अपेंड करेंगे और इसमें एज इट इज़ अगर आप देखें तो यहाँ फोर जीरोज़ ऐड की हुई हैं ये तो नंबर चेंज कर दिया तो ये नहीं चलेगा इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ है और यहाँ पे थ्री ज़ीरोज़ ऐड की हुई हैं यहाँ कितनी ज़ीरोज़ ऐड की हुई हैं थ्री ज़ीरोज़ ऐड की हुई हैं दैट मीन्स जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है सी है ठीक है तो आपका करेक्ट आंसर क्या बना यहाँ पर सी बना इसी तरह से ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये आपको दिया हुआ है कि आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग सी आर सी एंड कोडर क्या सेंड किया जाएगा ठीक है अभी ये डिवीजन प्रोसेस देखते हैं उससे पहले देखिए ये एक मैसेज है ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं यूजीसी नेट के तो देखिए यहाँ पे आपके पास एक मैसेज है जो ट्रांसमिट करना है सी आर सी पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है जनरेटर बेसिकली इससे आप डिवाइड करें uh, एरर से इसको डिटेक्ट uh, करने के लिए ठीक है तो यहाँ पे आपको पूछा गया कि मैसेज जो आपका ट्रांसमिट होगा वो क्या होगा ठीक है तो यहाँ पे आपको प्रोसेस कंप्लीट करके बताना पड़ेगा क्या रहेगा देन हमारे पास रहेगा कि इन सी आर सी इफ देयर देर इज नो एरर इफ द रिमाइंडर एट द रिसीवर एंड इज अभी अगर सी आर सी मेथड हम देख रहे हैं तो कोई भी एरर नहीं होगा अगर रिमाइंडर रिसीवर एंड पे क्या कैलकुलेट होता है इक्वल टू द रिमाइंडर सेंडर के एंड पे जो रिमाइंडर था वही रिसीवर के एंड पे कैलकुलेट होगा तो उससे हमें पता चलेगा एरर नहीं है या जीरो होगा या नॉन जीरो होगा या जो क्वेश्चन है सेंडर के एंड पे वो रिमाइंडर आएगा रिसीवर के एंड पे तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर सेंडर के सेंडर uh, ने जो भी सेंड किया है ठीक है तो यहाँ पे अभी रिसीवर के एंड पे अगर जीरो कैलकुलेट हो जाता है रिमेंडर uh, तो वो इसका मतलब जो हमारा डेटा uh, है वो करेक्टली पहुंचा है इसी तरह से एट सीआरसी जनरेटर डैश टू द द यूनिट आफ्टर डिवीजन प्रोसेस तो डिवीजन प्रोसेस के बाद क्या ऐड किया जाता है ठीक है ये आफ्टर डिवीजन प्रोसेस पूछ रहा है कि क्या ऐड किया जाता है ठीक है जो क्या ऐड किया जाता है सीआरसी रिमाइंडर इज एडेड टू द डेटा आफ्टर डिवीजन प्रोसेस ठीक है डेटा डेटा के साथ क्या ऐड करते हैं अगर पहले पूछा जाए कि डिवीजन से पहले डेटा में क्या करें देन हम zeros करें, लेकिन आफ्टर डिवीजन प्रोसेस सेंड करने के लिए क्या ऐड करेंगे सीआरसी रिमाइंडर ऐड करेंगे ठीक है तो इस तरह से हमारे से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो अब देखिए अब प्रोसेस इसका क्या रहेगा देखिए अब यहाँ पे हमने इसे एज इट इज़ लिख लिया ठीक है ये जो हमारा डेटा था वो है और फोर हमने जीरोज ऐड कर ली अब इससे हमने क्या करना है ये हमारा डिवाइजर है इससे क्या करना है हमने इसे डिवाइड करना है तो देखिए इसमें डिवाइड करते हुए क्या कर रहे हैं आप ये नंबर एज इट इज़ लिखा हमने यहाँ ठीक है अब डिवाइड करते हुए आपने माइनस नहीं करना है ठीक है डिवाइड करते हुए हमने एक्चुअल जो बाइनरी डिवीजन होता है वो फॉलो नहीं करना है ठीक है बाइनरी डिवीजन अप्लाई नहीं होगा इंस्टेड आपको क्या करना है एग्जोर करना है ठीक है यहां पे आपने क्या अप्लाई करना है एग्जॉर अप्लाई करना है ठीक है एग्जॉर विल बी अप्लाइड तो देखिए एक्जॉर जब अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा जीरो और वन क्या आया वन आया वन वन जीरो आया जीरो 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 आया देन वन जीरो जीर, वन आया एंड वन वन जीरो आ गया ठीक है इसको डिस्कार्ड कर देंगे जो लेफ्ट हैंड साइड में जीरो आया इसको तो डिस्कार्ड करते चले जाएंगे हम ठीक है और बाकी के वन जीरो जीरो वन आया और वन हमने ऊपर से ले लिया ठीक है अब दोबारा वन जीरो जीरो वन वन आ गया तो अभी ये सब जीरो ज़ीरो बन गए ठीक है तो इन सबको क्या करेंगे डिस्कार्ड कर देंगे देन आप ऊपर से वापस उतारा वन जीरो वन वन ज़ीरो और वन ज़ीरो वन जीरो वन वन लिखा उसके बाद हमारे पास क्या आ गया ये नंबर आ गया इन्हें इसे सॉल्व करके देन हमने यूज़ किया तो ये आ गया उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे सॉल्व करके हमारे पास क्या आया वन 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 आ गया ठीक है इसको एक बार अपने आप प्रैक्टिकली करके देख लें आप डिजन को और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे एक जीरो बची थी वो हमने यहाँ पे रख ली तो देखिए यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये आपका क्या है सीआरसी है ठीक है तो अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाता है और सीआरसी आपसे पूछा जाता है क्या होगा तो वो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए कि, कि किस तरह से हम सीआरसी कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद अब जो हम सेंड करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं सेंड क्या किया जाएगा सेंडर के एंड से ठीक है तो अब जो ये वन जी जीरो 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 हमने यूज़ किए थे इसकी जगह पे क्या लिख देंगे हम वन वन ज़ीरो लिख देंगे वन 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 जीरो ठीक है क्या लिख देंगे वन 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 ज़ीरो तो देखिए लास्ट में वन 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 ज़ीरो इसमें है और किसी में भी नहीं है तो ये हमारा क्या है करेक्ट ये वाला ऑप्शन जो है ये क्या है करेक्ट ऑप्शन है ठीक है बाकी के डिजिट्स सेम ही होंगे ठीक है तो लास्ट में वन 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 जीरो आपका एडिड होगा तो वो वाला आपका करेक्ट आंसर होगा ठीक है ये हमारा मेथड होता है सीआरसी मेथड ठीक है ये हमारा कौन सा मेथड है सीआरसी मेथड ठीक है तो यहाँ पे आपके पास क्या है सीआरसी मेथड में देखिए चेक साइक्लिक रिडंडेंसी चेक में ये चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं ठीक है इसमें हम कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं एक्सोर ऑपरेशन यूज कर रहे हैं बेसिकली ठीक है, है तो ये आपका रहेगा सीआरसी मेथड ये चीज़ें आपने याद रखनी है जो इम्पॉर्टेंट है ठीक है तो यहाँ से जर्नली यूजीसी नेट में एक क्वेश्चन आ जाता है तो देखिए जो सी आर सी मेथड है ये हमारा सिंगल बिट एरर को भी डिटेक्ट कर देगा और साथ के साथ बर्स टेरर को भी डिटेक्ट करेगा ठीक है नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे चेकसम ठीक है नेक्स्ट मेथड कौन सा डिस्कस हैं हम चेकसम इस मेथड में क्या करना है हमने जो भी हमारा डेटा है ठीक है जो भी हमारा डेटा है उसे एन बिट ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेंगे ठीक है एन बिट्स के डिफरेंट ब्लॉक्स में क्या करेंगे डेटा को डिवाइड कर लेंगे ठीक है तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं जो हमारे एन बिट्स थे सपोज यहाँ पे आपके पास एट थ्री ट्वेंटी फोर बिट्स हैं और उन्हें हम एट एट बिट्स के डिफरेंट थ्री ब्लॉक्स में क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं ठीक है डिफरेंट थ्री ब्लॉक्स में हमने क्या किया एट बिट्स को डिवाइड कर लिया यहाँ पर ठीक है देन हमने क्या करना है जो ये हमारे थ्री डिफरेंट ब्लॉक्स बन गए इन थ्री डिफरेंट ब्लॉक्स को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे ठीक है तो यहाँ पे देखिए हम थ्री डिफरेंट ब्लॉक्स को क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं ठीक है ये हमारा थ्री बाइनरी नंबर्स हैं सपोज ठीक है suppose, तो ये थ्री डिफरेंट बाइनरी नंबर्स हो गए और इन तीनों को हमने क्या किया ऐड कर लिया ऐड करने के बाद हमारे पास जो भी नंबर आया ठीक है जो भी नंबर आया उसमें यहाँ पे भी कुछ और भी कैरी आ रहा होगा ठीक तो है तो थ्री नंबर्स हैं यहाँ पे वन 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 है दैट मीन्स लास्ट ही अगर हम इस वाले बिट की बात करें तो यहाँ पे हमें वन जीरो ज़ीरो मिलने वाला है ठीक है वन ज़ीरो जीरो मिल रहा है ठीक है तो यहाँ पे वन जीरो ज़ीरो मिला तो हमने ज़ीरो तो यहाँ एज इट इज़ रखा और जो टेन था बाकी का वो क्या किया फर्दर इसी नंबर में एड कर दिया ठीक है जो रिज़ल्ट आया है इसी में क्या करेंगे इस टेन को क्या करेंगे ऐड कर देंगे ठीक है तो जो हमारे पास ब्लॉक है ठीक है जो भी हमारे पास डेटा का ब्लॉक है उसे क्या किया है हमने कंप्लीट जो डेटा है उसे थ्री डिफरेंट बिट ब्लॉक्स में डिवाइड कर लिया जि, जितने भी ब्लॉक्स बनेंगे उतने ब्लॉक्स बना लेंगे ठीक है अब ब्लॉक्स बनाने के बाद उन्हें क्या करेंगे ऐड करेंगे ठीक है डिफरेंट जो हमारे बाइनरी नंबर्स हैं इन्हें क्या करेंगे ऐड करेंगे सिंपल बाइनरी एडिशन करना है देखिए वन जीरो ज़ीरो क्या आ गया वन वन प्लस वन क्या आ गया वन ज़ीरो दैट इज वन जीरो यहाँ आया वन यहाँ वन और वन क्या आया ज़ीरो वन कैरी गया वन और वन क्या आया जीरो वन कैरी गया वन 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 थ्री वन है दैट मीन्स वन 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 यहाँ लिया वन कैरी गया वन 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 थ्री वन है तो वन आया वन कैरी गया वन वन जीरो और वन गया ठीक है अब अब फोर वन हैं फोर वन क्या हो जाएंगे वन ज़ीरो जीरो फोर वन क्या बन जाएंगे फोर दैट इज़ वन ज़ीरो ज़ीरो अब वन ज़ीरो जीरो क्या होगा जीरो यहाँ लिखा हमने और वन जीरो हमारे पास नेक्स्ट कैरी जा रहा है ठीक है तो उसे हमने क्या किया फर्दर यहीं पे क्या किया वापस से ऐड किया ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा एक अगेन नया बाइनरी नंबर आ गया ठीक है अब इस बाइनरी नंबर को ठीक है इस बाइनरी नंबर को आप क्या करेंगे इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे ठीक है इस बाइनरी नंबर का क्या करेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे ठीक है जो भी हमारे पास ऐड करने के बाद नंबर आया है इस नंबर का क्या लिया हमने यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट लिया ठीक है ये वाला नंबर है ठीक है इसका क्या लिया वंस कॉम्प्लीमेंट लिया तो यहाँ नंबर था हमारा जीरो ज़ीरो वन वन जीरो जीरो वन वन इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा नंबर वन वन जीरो जीरो वन वन ज़ीरो ज़ीरो ठीक है तो ये हमारा क्या होगा चेकसम होगा ठीक है ये नंबर क्या होगा चेकसम होगा अब आगे फर्दर जो हमारा डेटा है ठीक है डेटा के साथ ये चेकसम ऐड होकर कहाँ चला जाएगा रिसीवर के पास चला जाएगा ठीक है ये ये जो डेटा था ये हमारा डेटा वर्ड है ठीक है डेटा वर्ड में अब चेकसम ऐड होगा और ये किसके पास चला जाएगा रिसीवर के पास चला जाएगा फिर हम रिसीवर एंड पे चेक करेंगे कि क्या हमारा डेटा करेक्टली पहुंचा है या नहीं पहुंचा है ठीक है फिर हम डिटेक्ट कर देंगे कहाँ पर रिसीवर एंड पर तो यहाँ पे एक बार दोबारा देख लेते हैं देखिए यहाँ पे हमारे थ्री डिफरेंट जो हमने ब्लॉक्स में डिवाइड किया एट एट बिट्स ये हैं ठीक है तो एट एट बिट्स से उन्हें क्या करेंगे सबसे पहला काम क्या करना है इन्हें ऐड करना है ठीक है? है अब इन्हें क्या किया है ऐड किया अब सेकंड नंबर पे जो भी कैरी आएगा उसे अगेन क्या करेंगे उसी नंबर में आप ऐड कर देंगे ठीक है उसी नंबर में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे थर्ड नंबर पे अब आप क्या करेंगे जो भी यहाँ पे रिजल्ट आया उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे ठीक है उसका क्या लेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद जो भी नंबर आया है हमारे पास ठीक है ये आपका क्या है चेकसम है ठीक है ये कौन सा मेथड डिस्कस करें हम चेकसम मेथड डिस्कस करें ठीक है अब जो हमारा रिसीवर के पास पहुंचेगा ठीक है अब रिसीवर के पास क्या पहुंचेगा रिसीवर के पास पहुंचेगा ये डेटा वर्ड साथ में चेकसम जो आपका क्या बन जाएगा कंप्लीट कोड वर्ड बन जाएगा ठीक है वो क्या बन जाएगा कोड वर्ड बन जाएगा तो देखिए कोड वर्ड क्या होगा ये जो तीन ब्लॉक्स थे आपके पास एटेड बिट्स के वो रहेंगे साथ में चेकसम जो हमने कंप्यूट किया है यहाँ पे क्या है वन वन जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो ठीक है वो साथ में क्या हुआ एड हो गया ठीक है उसे हमने अपेंड कर दिया लास्ट में और ये आपके पास रिसीवर के पास पहुंच जाएगा तो रिसीवर क्या रिसीव करेगा ये वाला कोडवर्ड रिसीव करेगा ठीक है अब रिसीवर एंड पे ठीक है अब रिसीवर एंड पे क्या होगा चेकिंग होगी ठीक है अब यहाँ से तो हमने भेज दिया अब रिसीवर एंड पे दोबारा से चेक करेंगे हम तभी पता चलेगा कि उसमें कुछ एरर तो नहीं है ठीक है तो अब वापिस से जब भी हम सीआरसी मेथड देखते हैं तो भी उसमें भी हम क्या कर रहे थे वापिस से चेक कर रहे थे कि डिवाइड करके देख रहे थे कि अभी रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब जो हमारा कोड है जो डेटा है वो एरर फ्री है ठीक है अगर वापिस रिसीवर के एंड पे डिवाइड करने पे जीरो आता है तो हमारा जो डेटा होता है मतलब जो रिसीवर ने रिसीव किया वो क्या है एरर फ्री है अब इस यहाँ पर भी हम क्या करेंगे चेक करेंगे ठीक है रिसीवर के एंड पे भी अब यहाँ भी हम चेक करेंगे तो देखिए कैसे चेक करेंगे जो इसके पास अब ये डिफरेंट ब्लॉक्स आ गए ठीक है ये डिफरेंट फोर ब्लॉक्स हो गए थ्री थे एक्चुअल डेटा uh, के और अभी टोटल करके इसके पास कितने हो गए हैं फोर हो गए हैं ठीक है तो ये क्या करेगा इन चारों को अब क्या करेगा ऐड करेगा ठीक है इन चारों को क्या करेंगे ऐड करेंगे इन चारों ब्लॉक्स को ऐड करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आया वन देन यहाँ पे वन दो वनस हैं तो जीरो आ गया ठीक है और वन कैरी चला गया अभी यहाँ पे थ्री वनस है तो वन आया वन कैरी चला गया इसी तरह से क्या करेंगे इसे ऐड कर लेंगे ठीक है जब हमने ऐड किया ठीक है इन सभी को ऐड किए तो हमारे पास एक नंबर आ गया ठीक है ये बाइनरी नंबर आ गया अब यहाँ पे भी देखिए वन 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 फाइव वनस है ठीक है कितने वन है फाइव वन है फोर वन का हमने देखा था क्या बनेगा वन जीरो जीरो बनेगा और फाइव है तो क्या हो जाएगा वन जीरो वन हो जाएगा ठीक है फ़ाइव को आप बाइनरी में कन्वर्ट करके देख लें तो वो क्या हो जाएगा फाइव वन क्या हो जाएंगे वन जीरो वन हो जाएगा ठीक है फाइव वन ज़ीरो वन के इक्वल है तो यहाँ पे हमने वन तो लिख लिया अभी वन जीरो जो कैरी बचा है वो क्या करेंगे वापिस से ऐड कर देंगे ठीक है वो क्या करेंगे वापिस से ऐड कर देंगे दैट मीन्स नंबर्स को ऐड किया जो भी आया अभी जो रिज़ल्ट में यहाँ कैरी बचा उसको फर्दर हमने क्या किया इसी नंबर में ऐड कर दिया अब अगर हमारे पास वन 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 आ रहा है ठीक है इसका अब आपने क्या लेना है वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है ठीक है अब भी उसका क्या लेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो अगर तुम वंस कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद जीरो ज़ीरो जीरो ज़ीरो आ जाता है दैट मीन्स सभी जीरोज़ आ जाती हैं दैट मीन्स जो हमारा डेटा है वो क्या है एरर फ्री है और यहाँ पे अगर कहीं पे ज़ीरो नहीं आता है दैट मीन्स जो हमारा डेटा है वो करप्ट हो चुका है उस पर्टिकुलर बिट पे करप्शन हो चुका है ठीक है तो यहाँ पे हमारा इस ये रहेगा पूरा प्रोसेस चेकसम ठीक है जो हमारा एरर डिटेक्शन कोड है ठीक है एरर डिटेक्शन कोड जो है हमारा चेकसम उसमें हमारे पास इस तरह से पूरा प्रोसेस रहेगा ठीक है मेनली हम क्या करें हैं एड करें और फिर वही जो हमारा यहाँ पे कैरी है उसे फर्दर एड करें देन वंस कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं जो भी आ रहा है वो चेकसम बन जाएगा वो ऐड होकर जाएगा डेटा वर्ड में कोड वर्ड बन जाएगा कम्प्लीट ये अब जो भी टोटल है जो भी रिसीवर के पास पहुंचे, इन सबको क्या करेंगे ऐड करेंगे अभी यहाँ पे जो भी हमारे पास कैरी ओवर था उसे यहाँ पे फर्दर ऐड किया तो हमारे पास एक नंबर आ जाएगा अब इस नंबर को हम वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर सभी जीरोज जा आ जाती हैं दैट मीन्स जो डेटा है जो रिसीवर ने डेटा रिसीव किया है वो एरर फ्री है ठीक है तो ये हमारा कंप्लीट रहेगा प्रोसेस चेक सम मेथड में ठीक है तो यहाँ पे देखिए चेकसम मेथड में हम क्या कर रहे हैं सेंड, सेंडर एंड पे क्या करें डिवाइड करें डेटा वर्ड को ग्रुप ऑफ एन बिट्स में जहाँ पे एन रिप्रेजेंट करेगा आपका लेंथ ऑफ चेकसम जितने ही जितने बिट्स में हम डिवाइड करेंगे ठीक है उतने ही चेकसम के बिट्स आएंगे अगर हम एट बिट्स ले रहे थे तो एट ही बिट्स किसके आएंगे चेकसम के आएंगे ठीक है एट बिट्स लेंगे तो एट ही बिट्स आएंगे ऐड करके हम उतना ही रखेंगे बाकी का हमने क्या करना है वापस से ऐड कर देना है ठीक है तो जितने बिट्स रखेंगे उत्तरी चेक सम के लेंथ होगी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बाइनरी एडिशन करेंगे हम ठीक है और बाइनरी एडिशन के बाद जो भी कैरी होगा वो उसी में फाइनली ऐड कर देंगे जो भी सम आया तो उसी में ऐड कर देंगे देन हम वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे सम का तो जो भी आउटपुट होगा वो क्या होगा चेक सम होगा अब चेक सम को हम एल एस बी में ऐड करेंगे ठीक है लीस्ट एज सिग्निफिक लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स ऐड करेंगे ठीक है तो इधर नहीं ऐड करेंगे जो भी हमारा डेटा है उसके इधर यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स जो हैं वो बनेंगे चेकसम ठीक है वो उसमें हम ऐड कर देंगे डेटा वर्ड में चेकसम ठीक है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स की जगह पर ठीक है तो नेक्स्ट रिसीवर एंड पे क्या करेंगे सेम ही स्टेप हमने फॉलो uh, करने हैं रिसीवर एंड पर भी ठीक है तो जो रिजल्ट आएगा अगर वो जीरो आ जाता है इट मींस एरर नहीं है नहीं है एर अदरवाइज आपकी एरर है और दोबारा से ट्रांसमिट करना पड़ेगा ठीक है तो देखिए इस तरह से क्वेश्चंस कई बार बनते हैं फाइंड द कोड वर्ड फॉर द फॉलोइंग फोर डेटा आइटम्स ठीक है तो इसके लिए हमें क्या निकालना है कोडवर्ड फाइंड आउट करना है ठीक है अगर चेकसम मेथड हमें बोला हुआ है चेकसम मेथड से करना है तो देखिए यहाँ पे अलग अलग हमारे पास क्या दिए हुए हैं ये बिट्स दिए हुए हैं नंबर्स दिए हुए हैं जिसे हम पहले क्या करेंगे बिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम बाइनरी एडिशन कर पाए ठीक है तो इन्हीं स्टेप्स में से जो यहाँ पे हमने स्टेप्स डिस्कस किए हैं कई बार इन्हीं स्टेप्स में से क्या होता है क्वेश्चन बन जाते हैं क्वेश्चन इन्हीं जगह से पूछ लिया जाता है अगर क्वेश्चन क्वेश्चन question बनता है प्रैक्टिकली क्वेश्चन दे देते हैं तो इस तरह से आ जाएगा और अदरवाइज थियरी वहीं से पूछी जाएगी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ठीक है तो देखिए यहाँ पे जब हमने कोडवर्ड देखा है यूजीसी नेट में जर्नली प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं ठीक है एच एस में तो एग्जाम होता है तो हो सकता है थ्योरी में से भी आ जाए तो देखिए हमें कोडवर्ड फाइंड आउट करना है और यहाँ पे ओ एक्स दिया हुआ है दैट मीन्स जो ये हमारा डेटा है ये किस फॉर्म में है हेक्सा फॉर्म में है ठीक है किस फॉर्म में हेक्सा फॉर्म में और अभी इसे क्या करेंगे अभी कन्वर्ट करेंगे किस में डेमल बाइंड्री फॉर्म में तो देखिए यहाँ पे हम हमने थ्री को कन्वर्ट किया तो हेक्सा है तो फोर फोर बिट्स हम यूज करेंगे ठीक है जीरो जीरो वन वन देन फोर है जीरो वन जीरो जीरो फाइव जीरो वन जीरो वन जीरो वन वन जीरो इसी तरह से ए बी सी सी के लिए कन्वर्ट किया देन जीरो टू बी सी आफ्टर दैट ई ठीक है वन 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 जीरो एफ के लिए क्या हो जाता है वन 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 अब इन सबको क्या किया है हमने एड कर लिया यहाँ पे हमारे पास वन कैरी आया और उसे हमने क्या किया फर्दर यहाँ पे ऐड कर दिया ठीक है उसे क्या किया ऐड कर दिया वापस से ठीक है तो अब हमारे पास जो ऐड करके आएगा रिज़ल्ट वो क्या हो जाएगा सम हो जाएगा ठीक है अभी ऐड करके हमारे पास जो रिज़ल्ट आया सॉरी उसका वंस कॉम्प्लीमेंट भी लेंगे ठीक है ऐड करके हमारे पास ये नंबर आ गया ठीक है ये बाइनरी नंबर आ गया इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आ गया सम आ गया ठीक है अब हमारे पास हो सकता है ऑप्शन बाइनरी में ना होकर ऑप्शन जो यहाँ पे गिवन होंगी वो किस में होंगी हेक्सा में ही हो ठीक है तो हेक्सा में इसे कन्वर्ट कर लेंगे फोर फोर बिट्स के क्या बनाएंगे आप पेयर्स बना लेंगे ठीक है फोर फोर बिट्स के पेयर्स बना लेंगे और उन उन्हें क्या कर लेंगे फिर हेक्सा आ, डेसिमल में कन्वर्ट कर लिए बाइनरी फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे ठीक है तो बाइनरी से यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया आपने और ये आपका क्या बन जाएगा चेकसम बन जाएगा ठीक है ये फाइनली क्या आ जाएगा चेकसम आ जाएगा ठीक है और वापस से इसी को ही अगर हम चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लेंगे ठीक है यहाँ पे अगर कोई भी आप बिट चेंज करेंगे ठीक है अगर यहाँ पे हम कोई भी बिट चेंज करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट यहाँ ज़ीरो 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 नहीं आएगा ठीक है कोई भी एक बिट चेंज करेंगे तो जो रिज़ल्ट है वो चेंज हो जाएगा ठीक है तो अगर ज़ीरो ज़ीरो आ रहा है दैट मीन्स कोई भी एरर नहीं है डेटा में तो ये सक्सेसफुली जो हमारा था वही डेटा रिसीवर के पास पहुँच चुका है ये हमने तीन मेथड्स डिस्कस किए थे एरर डिटेक्शन के ठीक है जिसमें हमने देखा बिट कोड देन हमने देखा सीआरसी आफ्टर दैट चेक सम ठीक है ये तीन मेथड्स हमने देखे एरर डिटेक्शन में नेक्स्ट हम देखेंगे एरर करेक्शन कोड ठीक है ये तीन कोड्स हमारे किस चीज़ के थे एरर डिटेक्शन के नेक्स्ट हमारा जो कोड है वो किसके लिए एरर करेक्शन के लिए है ठीक है एरर करेक्शन के लिए हम हैमिंग कोड देखेंगे उससे पहले देखते हैं हेमिंग डिस्टेंस क्या होता है तो देखिए हेमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू वर्ड्स इज द नंबर ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स तो जितने बिट्स का डिफरेंस है दो नंबर्स के बीच में ठीक है अगर एक वन वन जीरो है और एक जीरो वन वन है ठीक है तो यहाँ पे देखिए कितने बिट्स का डिफरेंस है इन दोनों में वो क्या होगा हेमिंग डिफरेंस होगा डिस्टेंस ठीक है तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो बिट है ये डिफरेंट है तो वन का डिफरेंस हो गया ये वन वन है सेम है और ये जीरो है और यहाँ पे वन है तो दैट मीन्स यहाँ पे हेमिंग डिस्टेंस क्या हो गया टू हो गया ठीक है यहाँ पे हेमिंग डिस्टेंस क्या हो गया टू हो गया तो ये इसी तरह से हम देखते हैं देखिए जीरो वन वन और जीरो वन जीरो है। जीरो जीरो है और जीरो वन वन है तो यहाँ पे हेमिंग डिस्टेंस क्या बनेगा टू बनेगा ठीक है क्या बनेगा टू बनेगा तो हम जर्नली अगर हम देखते हैं सिस्टम के थ्रू हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं एग्जॉर के थ्रू कैलकुलेट कर रहे हैं तो अगर तो सिमिलर होंगे तो वो क्या जनरेट करेगा जीरो जनरेट करेगा ठीक है बिट्स अगर सेम होंगे तो जीरो जनरेट करेगा वन वन होगा तो भी जीरो जनरेट करेगा ठीक है लेकिन अगर डिफरेंट होंगे बिट्स जीरो वन होगा या वन यहाँ होगा जीरो यहाँ होगा तो वो क्या जनरेट करेगा वन जनरेट करेगा ठीक है तो उसके इसमें क्या जनरेट करेगा वन जनरेट करेगा तो यहाँ पे जितने भी वंस आ जाएंगे हमारे पास तो वो क्या बन जाएगा हमारा हेमिंग डिस्टेंस बन जाएगा ठीक है वो क्या बन जाएगा हेमिंग डिस्टेंस बन जाएगा तो यहाँ पे देखिए अगर ये नंबर्स हैं दो हमारे पास तो यहाँ पे हमने जब इन्हें दोनों को एग्ज़ार किया तो हमारे पास थ्री वंस आ रहे हैं दैट मीन्स थ्री बिट्स डिफरेंट है अगर हम चेक करें तो ये वाला सेकेंड बिट डिफरेंट है देन थर्ड सेम है और फोर्थ भी डिफरेंट है एंड फिफ्थ भी डिफरेंट है ठीक है तो यहाँ ये डिस्ट हेमिंग डिस्टेंस क्या बन जाएगा थ्री बन जाएगा क्योंकि थ्री वंस हमारे पास आ रहे हैं एग्जॉर करके ठीक है तो इस तरह से हम हैमिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं कई बार सिंपली क्वेश्चन आ जाता है ये इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं कि हेमिंग डिस्टेंस टू नंबर्स में क्या है ठीक है तो यहाँ पे देखिए ये दो नंबर्स आपको गिवेन है और इनमें आपने हेमिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे या तो एग्जॉर कर लें सीधा ही दो नंबर्स लिखें और एग्जॉर कर लें अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं वन बाय वन चेक भी कर सकते हैं ठीक है वन बाय वन आप चेक भी कर सकते हैं दोनों में से जो आपको इजी लगे वो मेथड आप फॉलो कर सकते हैं ठीक है तो जितने भी यहाँ पे डिफरेंट होंगे तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे सेम है सेकंड डिफरेंट है ठीक है सेकंड डिफरेंट है थर्ड सेम है देन फोर्थ देखिए ये भी वन है यहाँ पे फिफ्थ डिफरेंट है यहाँ पे ज़ीरो है यहाँ पे वन है ठीक है ये हमारा डिफरेंट है देन यहाँ पे वन है वन है फिर हमारे पास क्या है जीरो और यहाँ पे क्या यह है वन है तो ठीक है ये भी डिफरेंट है देन जीरो है यहाँ पे भी क्या है जीरो है देन यहाँ पे वन है और यहाँ ज़ीरो है दैट मीन्स ये भी डिफरेंट है देन वन है वन है उसके बाद यहाँ पे वन है और वहाँ पर ज़ीरो है ठीक है यहाँ पे ज़ीरो है और वहाँ पर वन है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं काउंट करेंगे लास्टली तो हमारे पास कितने बिट्स डिफरेंट हैं सिक्स बिट्स डिफरेंट है तो यहाँ पे इन दो नंबर्स के बीच में बाइनरी नंबर्स के बीच में हेमिंग डिस्टेंस क्या है सिक्स रहेगा ठीक है तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सिक्स हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं ये प्रीवियस ईयर्स में कहीं आया हुआ है शायद यूजीसी नेट का ही क्वेश्चन है ठीक है तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास कोड आ जा आता है हेमिंग कोड ठीक है तो ये क्या है करेक्टिंग कोड है ठीक है तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हमें समझना है प्रोसेस देन देखेंगे क्वेश्चन एक करके ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए जो हमारा डेटा वर्ड रहेगा वो क्या रहेगा एम बिट्स का रहेगा और आर रिडंडेंट बिट्स हम ऐड करेंगे ठीक है और कोड वर्ड आपका क्या बन जाएगा एम प्लस आर बन जाएगा ठीक है कोड वर्ड क्या बन जाएगा एम प्लस आर बन जाएगा तो अब देखिए अगर हम डेटा वर्ड डेटा वर्ड अगर वन बिट का है तो उसमें जो हम रिडंडेंट बिट्स ऐड कर देंगे वो कितने होंगे टू होंगे ठीक है और कोड वर्ड कितना बन जाएगा थ्री का बन जाएगा थ्री बिट्स का बन जाएगा अगर डेटा वर्ड टू बिट्स का है और रिडंडेंट बिट्स हमारे आ, कितने ऐड होंगे फिर थ्री ऐड होंगे और कोड वर्ड कितने का बन जाएगा फाइव का बन जाएगा ठीक है दैट मीन्स यहाँ पे हमें एक कंडीशन दी हुई है इसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना होता है रिडेंडेंट बिट्स का ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ठीक है उतने ही हम क्या करते हैं रिडेंडेंट बिट्स एड करते हैं ठीक है तो देखिए यहाँ पे हम हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है टू रेस टू पावर आर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम प्लस आर प्लस वन ठीक है तो यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास वन डेटा वर्ड है ठीक है data word, one अगर वन है डेटा वर्ड ठीक है वन अगर डेटा वर्ड है तो यहाँ पे हम पहले तो वन पुट करके देखेंगे आर की वैल्यू ठीक है क्या पुट करके देखेंगे आर की वैल्यू वन पुट करके देखेंगे तो अगर हम वन पुट करते हैं टू रेज टू पावर वन क्या आ जाएगा वन आ जाएगा क्या टू रेज टू पावर वन टू क्या ग्रेटर है वन अगर यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे हमने क्या लिया आर क्या लिया वन और यहाँ पे क्या है वन हमारे पास एम प्लस आर प्लस वन ठीक है तो ये क्या बना क्या टू ग्रेटर देन इक्वल टू है थ्री से नहीं है दैट मीन्स हम रिडेंडेंट बिट्स वन नहीं ले सकते ठीक है वन के केस में हम रिडेंडेंट बिट वन नहीं ले सकते नेक्स्ट हम क्या ट्राई करेंगे क्या आर की वैल्यू टू पर ये सेटिस्फाई होता है तो अगर हम आर की वैल्यू टू लेते हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ गया फोर आ गया टू रेस्ट पावर टू इज फोर देन वी हैव क्या ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू है ठीक है क्या एम की वैल्यू क्या है वन ही है और आर की वैल्यू क्या ली है हमने टू ली है और वन आ गई यहाँ पे वैल्यू ठीक है तो दैट मीन्स ये यहाँ पे हमारे पास फोर आ गया तो ये इक्वल है दैट मीन्स ये सेटिस्फाई करता है तो आर की वैल्यू क्या ली हमने टू ली इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट डेटा वर्ड्स के लिए क्या होता है कि ये आर की वैल्यू स्पेसिफाइड होगी ठीक है कैलकुलेट करके ये वैल्यूज हमने लिख ली कि कब ये सेटिस्फाई होगा ठीक है कभी ये इनइक्वालिटी जो भी हमें गिवन है ठीक है तो ये कब इक्वा सेटिस्फाई हो रही है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया इस पर्टिकुलर डेटा वर्ड की बिट्स पर ठीक है अगर इतने बिट्स हैं डेटा वर्ड की तो इतने रिडंडेंट बिट्स रहेंगे ठीक है तो इस तरह से सबके चेक करके यहाँ पे लिख दिए गए हैं तो देखिए अगर वन डेटा वर्ड होगा तो आर क्या होंगे टू होगा ठीक है रिडंडेंट बिट्स कितने होंगे टू होंगे दैट मीन्स कोड वर्ड कितना बन जाएगा हमारा थ्री बिट्स का बन जाएगा देन अगर डेटा वर्ड टू है तो आर क्या रहेगा थ्री रहेगा और कोड वर्ड कितने बिट्स का हो जाएगा फाइव बिट्स का हो जाएगा देन अगर थ्री डेटा वर्ड है थ्री uh, रहेंगे रिडनडेंट बिट्स कोड वर्ड सिक्स का हो जाएगा इसी तरह से हमारे पास कंप्लीट टेबल बन जाएगी ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास सिक्स अगर ये होंगे तो फोर आपके रिडनडेंट बिट्स होंगे और टेन आपके क्या हो जाएंगे कोड वर्ड्स हो जाएंगे नेक्स्ट चलिए ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हैमिंग कोड से रिलेटेड है ठीक है तो यहाँ पे हमें क्या आगीवन है डेटा वर्ड की है वन वन जीरो वन ठीक है डेटा वर्ड क्या आगे है वन वन जीरो वन तो ये एम की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी फोर हो जाएगी ठीक है फोर बिट्स हैं ये तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी फोर हो जाएगी और कोड वर्ड्स कोड वर्ड जो है हमारा वो कितने बिट का जनरेट होगा सेवन बिट का जेनरेट होगा दैट मीन्स जो हमारे रिडेंडेंट बिट्स हैं वो कितने हैं थ्री हैं ठीक है फोर के केस में हमारे रिडंडेंट बिट्स देखिए क्या रहेंगे थ्री रहेंगे फोर के केस में रिडंडेंट बिट्स कितने रहेंगे थ्री रहेंगे और कोड वर्ड कितना हो जाएगा सेवन का हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास जो कोड वर्ड है वो कितने का हो गया सेवन का जो हमारा डेटा वर्ड था वो फोर का और जो रिडंडेंट बिट्स हैं वो कितने हैं थ्री हैं ठीक है, है. तो अब यहाँ पे हमने देखना है जो हमारा डेटा पहले हम क्या करते थे जो भी हमारा डेटा वर्ड था उसके एल पे या एम एस बी पे यहाँ पर इस तरह से कहीं पे हम ऐड कर रहे थे लेकिन सबसे पहली बात यहाँ पे हम कहाँ ऐड करेंगे यहाँ पे हम ऐड करेंगे लोकेशन के हिसाब से पोजीशन के हिसाब से ठीक है तो देखिए अगर सेवन पोजीशंस है हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन तो हमने आर थ्री ठीक है थ्री रिडंडेंट बिट्स ले रहे हैं हम ठीक है रिडंडेंट बिट्स कितने ले रहे हैं थ्री ले रहे हैं तो सपोज ये हैं आर ज़ीरो और आर ठीक है आर जीरो आर वन और आर टू तो इन्हें कैसे कौन सी पोजिशन मिलेंगी सबसे पहले तो ये देख लेते हैं तो जो जीरो है ठीक है जो हमारा आर जीरो टू रेस्ट टू पावर जीरो फर्स्ट लोकेशन देन टू रेस्ट टू पावर वन आर वन को कौन सी लोकेशन मिलेगी सेकेंड लोकेशन देन आर टू को कौन सी लोकेशन मिलेगी टू रेज टू पावर टू दैट इज फोर्थ लोकेशन ठीक है तो यहां पे हमारे आर आर ज़ीरो कहाँ पर रहेगा फर्स्ट लोकेशन पे तो ये प्लेस मिल गया आर जीरो को देन सेकेंड प्लेस मिल गया सेकेंड प्लेस किसे मिल गया आर वन को और फोर्थ प्लेस मिल गया हमारा आर टू को ठीक है ये लोकेशन पे रहेंगे हमारे रिडंडेंट बिट्स और जो बाकी कोड वर्ड है थ्री फोर पोजिशन हमारे पास अभी वैकेंट है वो कोड वर्ड आपका यहाँ पर आ जाएगा वन वन ज़ीरो वन ठीक है वो कोडवर्ड कहाँ पर आ गया वो यहाँ पर आ गया बाकी चार पोजीशंस पर वन वन जीरो वन ठीक है अब हमें क्या करना है सबसे पहले तो हमने देख लिया कि कोडवर्ड कितने बिट्स का है और उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कैलकुलेट किया कि आर क्या होगी ठीक है आर की वैल्यू कैलकुलेट की फिर उन सभी आर्स के लिए हमने क्या कैलकुलेट किया कि क्या पोजीशंस होंगी ठीक है कौन सी लोकेशंस होंगी उनके लिए वो फाइंड आउट किया अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे आर जीरो आर वन और आर टू की जो भी रिडेंडेंट बिट्स हैं उनकी क्या वैल्यूज़ होंगी ठीक है नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है कि इनकी क्या वैल्यूज़ होंगी ठीक है अब इनकी वैल्यूज़ के लिए हम क्या करेंगे देखिए जैसे हम करते हैं ज़ीरो 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 लिखा देन ज़ीरो ज़ीरो अभी थ्री बिट्स सेवन ही है तो हम टोटल थ्री बिट्स ले सकते हैं और अगर इससे बढ़ जाएंगी आगे हो जाएंगे ठीक है टोटल बिट्स अगर इंक्रीज हो जाते हैं आपके सेवन से ज़्यादा हो जाते हैं तो आप फोर लेंगे ठीक है जब फिफ्टीन तक आपके कितने पॉसिबल हैं फोर बिट्स में काम चल जाएगा ठीक है फोर अगर फिफ्टीन uh, तक की वैल्यू है तो फोर बिट्स में काम चल जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या है जीरो ज़ीरो ज़ीरो दैन ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो वन वन दैन वी हैव वन ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो वन 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 ज़ीरो एंड वन 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 ठीक है तो यहाँ पे आपने देखना है कि आर ये आर जीरो के लिए चेक कर रहे हैं ये आर वन के लिए और ये आर थ्री के लिए ठीक है तो यहाँ पे देखिए आर जीरो पर वन वन कहाँ कहाँ है ये वाली लोकेशन पे है इस लोकेशन पे है इस लोकेशन पे और इस लोकेशन पे है तो ये क्या है वन देन ये क्या है थ्री एंड देन ये क्या है फाइव और ये क्या है सेवन ठीक है वन थ्री फाइव सेवन यहाँ पर यहाँ यहाँ है ठीक है तो आर जीरो के लिए हम लिख लेते हैं ठीक है ये आर वन के लिए लिख ले रहे हैं ठीक है आर वन बोल दें चाहे आर जीरो बोल दें तो इसके लिए कहाँ कहाँ पर है वन थ्री फाइव एंड सेवन ठीक है ये ये लोकेशन हैं एंड देन आर वन के लिए वन देखिए कहाँ कहाँ है इस लोकेशन पर है देन इस लोकेशन पर है फिर इसके बाद इस लोकेशन पर है और इस लोकेशन पर है ये क्या है टू है देन थ्री है देन सिक्स एंड सेवन सो टू थ्री सिक्स एंड सेवन देन आर टू के लिए कहाँ कहाँ पर है देखिए फोर फाइव सिक्स सेवन कहाँ कहाँ है फोर फाइव सिक्स एंड सेवन ये लोकेशन है जहां पर यहाँ पे हमें कहाँ क्या मिल रहा है वन मिल रहा है ठीक है अब इसके बेस पे हम क्या निकालेंगे आर जीरो आर वन और आर टू की वैल्यूज़ निकालेंगे ठीक है चाहे आप आर वन आर टू आर थ्री बोल लें चाहे ज़ीरो वन टू ठीक है किसी भी तरह से ले सकते हैं ठीक है वो मैटर नहीं करता है बेसिकली ठीक है यहाँ पे जीरो वन टू ले लें चाहे इसका सब्सक्रिप्ट वन टू थ्री ले लें कुछ भी ले सकते हैं आप देन देखिए हम आर जीरो की वैल्यू जब कंप्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या है आर ज़ीरो की वैल्यू के लिए हमारे पास फर्स्ट पोजिशन पे देखिए यहाँ पे क्या है आर नॉड है ठीक है तो आर नॉड एज इट इज़ लिख लिया फिर थ्री फाइव और सेवन पोजिशन पर हमने देखना है तो देखिए थर्ड पोजिशन पे क्या है वन है ठीक है थर्ड पोजिशन पे क्या है हमारे पास One है पे थर्ड पोजीशन पे क्या है one है देन आपके पास फिफ्थ पोजीशन पे आप देखें तो जीरो पोजीशन पे क्या है वन है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वन जीरो एक पोजीशन पे वन है देन जीरो है और देन वन है इसी तरह से आर वन के लिए लिख लेते हैं आर वन के लिए हमारे पास क्या है आर वन के लिए टू थ्री सिक्स सेवन ठीक है अभी आर वन के लिए अगर हम देखें तो टू थ्री सिक्स सेवन पोजिशन है ठीक है तो टू थ्री सिक्स सेवन पे अगर देखें टू थ्री सिक्स एंड सेवन टू पर क्या है आर वन एंड देन थ्री पे क्या है वन उसके बाद सिक्स सेवन पे क्या है वन वन अगेन ठीक है आर टू के लिए क्या है आर टू के लिए हमारे पास फोर फाइव सिक्स सेवन है तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये चार हैं लोकेशंस तो आर टू देन जीरो एंड देन वन एंड देन वन ठीक है ये हमने लिख लिया ठीक है ये हमने लिख लिया अब इनकी वैल्यूज़ कैसे कंप्यूट करेंगे इनकी वैल्यूज़ अब आप कंप्यूट करेंगे यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट लगाते हैं इवन पैरिटी क्या लगाते हैं इवन पैरिटी यूज़ करते हैं ठीक है बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या यूज़ करते हैं इवन पैरिटी यूज़ करते हैं तो देखिए अगर इवन पैरिटी यूज़ करें तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या है इवन वंस हैं इवन नंबर ऑफ वंस हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आर नॉट की वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो यहाँ पे आप देखें तो थ्री वंस हैं दैट मीन्स एक वन हमें और चाहिए इवन बनाने के लिए इवन नंबर ऑफ वंस बनाने के लिए तो आर वन को हम क्या लेंगे वन लेंगे अब यहाँ पे अगर हम देखें तो टू वंस हैं ऑलरेडी इवन है सो so हम इसे क्या लेंगे ज़ीरो लेंगे ठीक है इसे क्या लिया हमने ज़ीरो लिया तो अब देखिए यहाँ पे अब हम इसे क्या करते हैं फिल करते हैं तो जो हमारा नंबर है वो क्या बन जाएगा वन वन ज़ीरो आर टू की वैल्यू क्या है ज़ीरो देन वी हैव वन वन फिल करेंगे देन आर वन आर वन क्या आया हमारे पास वन आया एंड देन हमारे पास है आर जीरो ठीक है तो आर जीरो क्या आया जीरो आया ठीक है तो ये आपका क्या बन गया कोड वर्ड बन गया ठीक है ये क्या बना कोड वर्ड बन गया ठीक है तो हमने यहाँ पे देखिए क्या रहेगा प्रोसेस पूरा सबसे पहले तो डेटा वर्ड देखा क्या है कितने बिट्स का है उसके अकॉर्डिंग हमने फाइंड आउट किया कितने हमारे रिडंडेंट बिट्स होंगे और फाइंड आउट किया कि कितने हमारे कोड वर्ड्स होंगे ठीक है uh, कितने बिट्स का हमारा कोड वर्ड होगा ठीक है उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन सी पोजीशंस रहेंगी रिडंडेंट बिट्स के लिए उन पोजीशंस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया ठीक है जीरो वन टू ये हमेशा सेम ही रहेंगी वैल्यूज ठीक है तो यहाँ पे हमने क्या किया इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया और अकॉर्डिंगली हमने फाइंड आउट कर लिया कि, कि किन किन बिट्स से इनको फ़र्क पड़ रहा है ठीक है अभी इन किन किन बिट्स से फ़र्क पड़ रहा है तो अकॉर्डिंगली हमने वो बिट्स लिखे और उन बिट्स के साथ हमने क्या लिखा है कि इवन पैरिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बिट आनी बनती है अब देखिए यहाँ पे ज़ीरो वन जीरो बन रहा है आर नॉट ज़ीरो बनेगा आर वन वन बनेगा एंड आर टू क्या बन रहा है ज़ीरो बन रहा है तो हमने ये वैल्यूज़ क्या कर दी इसमें पुट कर दी ठीक है तो ये हमारे पास क्या आ गया है वर्ड आ गया ठीक है क्या आ गया ये कोड वर्ड आ गया यहाँ से देते हैं एक बार ठीक है ये क्या आ गया कोड वर्ड अब नेक्स्ट क्या करना है हमने ठीक है नेक्स्ट देखिए क्या करेंगे नेक्स्ट देखिए जब कोड वर्ड आ गया अब हमें क्या करना है अब रिसीवर एंड पे चेक होगा ठीक है अब क्या होगा रिसीवर एंड पे क्या होगा ये चेक होगा वर्ड ठीक है अब देखिए रिसीवर एंड पे कैसे चेक करना है रिसीवर एंड पे सपोज ये वन जीरो जीरो वन वन जीरो के बजाय कुछ और पहुंचा ठीक है यहाँ पे एक और वन होगा ठीक है वन वन था ना ठीक है तो ये वन वन जीरो जीरो वन वन जीरो ठीक है ये हमारा कोड वर्ड है लेकिन इंस्टेड ऑफ दिस अगर सपोज रिसीवर के पास पहुंचा है वन 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 ठीक है यहाँ पे हम वन कर देते हैं देन आपके पास जीरो वन वन जीरो बाकी क्या है सेम ही है ठीक है बाकी सेम है ठीक है अब रिसीवर के पास ये पहुंचा है ठीक है तो अब हम कैसे चेक करेंगे देखिए यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे सी वन सी टू और सी थ्री कैलकुलेट करेंगे ठीक है क्या कैलकुलेट करेंगे सी वन सी टू और सी थ्री कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे सी वन किसके किसके ऊपर बेस्ड था देखिए यहाँ पे जो R नॉट था उसमें कौन कौन से थे वन फाइव वन थ्री फाइव सेवन ठीक है आर वन आर तो देखिए यहाँ पे भी हम क्या करेंगे वन थ्री फाइव और सेवन इन तीनों बिट्स को चेक करेंगे देन C2 पर हम किन बिट्स को चेक करेंगे जो यहाँ पे थे टू थ्री सिक्स और सेवन को चेक करेंगे और आठ C3 के लिए हम किसे चेक कर रहे हैं फोर फाइव सिक्स सेवन को चेक कर रहे हैं ठीक है जो पहले का प्रोसेस था वो हमारा कंप्लीट हो गया कोडवर्ड हमने फाइंड आउट कर लिया अब रिसीवर एंड पे क्या होगा हमारा ये कोडवर्ड चेक होगा ठीक है तो इस वाले केस में हैमिंग कोड में हम डिटेक्ट भी कर रहे हैं और साथ के साथ करेक्ट भी कर रहे हैं ठीक है हैमिंग कोड में हम डिटेक्ट भी करेंगे और क्या करेंगे साथ के साथ करेक्ट भी करेंगे ठीक है तो ये हैमिंग कोड आपका दोनों ही चीज़ों के लिए यूज़ होता है डिटेक्शन एंड करेक्शन के लिए बेसिकली ठीक है वैसे हम करेक्टिंग कोड बोल देते हैं लेकिन दोनों ही चीज़ों के लिए ये यूज़ होता है डिटेक्शन के लिए भी और करेक्शन के लिए भी तो देखिए अब हम डिटेक्ट कर रहे हैं ठीक है अब अभी हम डिटेक्शन का काम कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे जब ये वाला पहुंचा रिसीवर एंड पे हमने क्या लिया सी वन सी टू और सी थ्री अब इन तीनों से हम क्या चेक कर रहे हैं देखिए वन थ्री फाइव सेवन यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ देखें वन थ्री फाइव सेवन पे तो कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं वन पर ये है थ्री पर ये है फाइव पर हमारे पास ये है और सेवन पे हमारे पास ये है दैट मीन्स हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज है अगर सी वन के लिए देखें जीरो है हमारे पास देन वन है एंड देन वन है और फिर हमारे पास क्या है वन है तो यहाँ पे देखिए थ्री वंस हैं हमारे पास कितने वंस हैं थ्री वंस हैं दैट मीन्स एक वन हमें और चाहिए पैरिटी के लिए ठीक है एक वन चाहिए हमें और नेक्स्ट हमारे पास क्या है सी टू है टू थ्री सिक्स सेवन तो देखिए टू थ्री एंड सिक्स सेवन ठीक है टू थ्री सिक्स सेवन भी हमारे पास क्या है फोर वनस है दैट मीन्स हमारा इवन पैरिटी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है मतलब इवन नंबर ऑफ वनस है जीरो हम यहाँ पे ऐड करेंगे देन हमारे पास आता है सी थ्री तो देखिए यहाँ पे क्या है फोर फाइव सिक्स सेवन तो हम यहाँ पे अगर देखें फोर फाइव कौन से ये सिक्स सेवन ये वाला ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास क्या है वन 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 जीरो सॉरी जीरो ठीक है तो ये क्या बना आपके पास वन बना ठीक है इवन पैरिटी के लिए हम क्या ऐड करेंगे वन ऐड करेंगे ठीक है तो ये क्या बता रहे हैं अब यहाँ से देखिए आपको क्या मिला है वन जीरो वन मिला है क्या मिला है वन जीरो वन मिला है दैट मीन्स जो आपका एरर है वो कौन से बिट पर है फिफ्थ बिट पर है ठीक है फिफ्थ लोकेशन पर है तो यहां से अगर हम काउंट करें वन टू थ्री फोर और फाइव ठीक है तो यहीं पर आप देखें आपका क्या है एरर है ठीक है यही बिट अगर हम देखें यहाँ पे हमारा क्या है चेंज है यही वाले बिट को हमने चेंज किया था यहाँ पे बाकी बिट्स आपके क्या थे सेम थे ठीक है तो यहाँ से हमें क्या मिला कि किस तरह से हमने फाइंड आउट किया कि कौन से बिट में एरर है ठीक है तो यहाँ पे पहले हमने कोडवर्ड बना लिया कोडवर्ड निकाल लिया देन कुछ नहीं करना है सिंपली हमने क्या किया है C1, C2, C3 लिखा और जो उसमें हमने लिए थे लोकेशन वही लोकेशन यहाँ पे ले रहे हैं और उन जो भी उन लोकेशंस पर बिट्स हैं वो लिख लिए अभी यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट हमने बात की कि इवन पैरिटी ही यूज़ करते हैं हम ठीक तो है तो यहाँ पे ज़ीरो वन 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 है तो थ्री टाइम्स वन है तो वन लिख लिया और अभी यहाँ पे फोर टाइम्स वन है तो हमने क्या किया ज़ीरो लिखा और थ्री टाइम्स वन है तो अगेन वन लिखा ठीक है तो ये क्या बन गया हमारा वन ज़ीरो वन बन गया वन जीरो वन से हमें क्या पता चला कि हमारा जो एरर है वो कौन से नंबर वाली बिट में है फिफ्थ नंबर वाली बिट में है ठीक है तो फिफ्थ नंबर वाली बिट क्या है हमारी ये वाली है तो इस वाले बिट को हम क्या करेंगे चेंज कर देंगे और उससे हमारे पास क्या आ जाएगा जो करेक्ट हमारा कोड है जो हमारा करेक्ट डेटा है वो आ जाएगा ठीक है तो इस तरह से हम हेमिंग कोड को यूज़ करते हैं एरर करेक्शन के लिए हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द लर्निंग प्लेटर एंड इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फ्रेमिंग इन डेटा लिंक लेयर ठीक है वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ डेटा लिंक लेयर इज फ्रेमिंग तो देखिए फ्रेमिंग होता क्या है क्यों परफॉर्म करते हैं और कितने तरह की होती है ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगी सबसे पहले समझते हैं फ्रेमिंग की रिक्वायरमेंट क्या है तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या होता है एप्लीकेशन लेयर होती है ठीक है एप्लीकेशन लेयर से हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर के पास डेटा जा रहा है देन सेशन लेयर के पास आ रहा है फिर हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर आती है फिर नेटवर्क लेयर है उसके बाद हमारे पास डीएलएल आएगी और फिर फिजिकल लेयर आएगी ठीक है तो देखिए जब नेटवर्क लेयर से डेटा लिंक लेयर के पास डेटा आएगा ठीक है तो वो किस फॉर्म में आएगा पैकेट की फॉर्म में आएगा ठीक है सेंडिंग मशीन पे अगर हम देखें तो वो किस फॉर्म में आएगा पैकेट की मशीन पे हम पैकेट की फॉर्म में हमारे पास कहाँ जाएगा डीएलएल पर क्या जाएगा डेटा जाएगा ठीक है और उस डेटा को हम क्या बोलते हैं पेलोड फील्ड बोलते हैं ठीक है ठीके? क्या बोलते हैं पेलोड फील्ड बोलते हैं और डेटा लिंक लेयर पर फर्दर क्या होगा हेडर ऐड होगा और ट्रेलर ऐड होगा ठीक है क्या ऐड होंगे हेडर भी ऐड होंगे और ट्रेलर्स भी ऐड होंगे तो ऊपर से भी जो हमारा डेटा होता है एप्लीकेशन लेयर ने भी क्या ऐड किया होता है हेडर ऐड किया होता है देन किसके पास आता है प्रेजेंटेशन लेयर के पास तो ये कंप्लीट क्या बन जाता है डेटा बन जाता है यहाँ से यहाँ तक और ये भी फर्दर क्या करता है हेडर ऐड करता है अब देखिए एक पैकेट अगर एक पैकेट है हमारा अगर एक पैकेट ही कंप्लीट फ्रेम बन जाता है तो इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती जो आगे हम देखेंगे लेकिन एक पैकेट को क्या करना पड़ता है एक पैकेट को फर्दर फ्रेम्स में क्या करना पड़ता है डिवाइड करना पड़ता है ठीक है क्या करना पड़ता है फ्रेम्स में डिवाइड करना पड़ता है इसलिए हमें जरूरत पड़ती है यहाँ पर फ्रेमिंग की तो देख और इसी तरह से जब फ्रेम ठीक है जब फ्रेम की फॉर्म में होता है डेटा ठीक है कंप्लीट फ्रेम है ये अब पैकेट से फ्रेम्स में डिवाइड हो गया ठीक है पैकेट से क्या करना पड़ता है हमें फ्रेम्स में डिवाइड करना पड़ता है ये एक पैकेट है अभी ये इतने इतने का क्या बन गया एक फ्रेम बन गया ठीक है यहाँ क्या बन गया फ्रेम्स बन गए अब देखिए फ्रेम के बाद फ्रेम के बाद जो फिजिकल लेयर है ठीक है डी पे हमारे पास क्या है फ्रेम्स की फॉर्म में है डेटा लेकिन फिजिकल लेयर के पास किस फॉर्म में जा रहा है बिट्स की फॉर्म में जा रहा है ठीक है किस फॉर्म में जा रहा है बिट्स की फॉर्म में जा रहा है तो ये जो कंप्लीट फ्रेम है ये इसमें क्या है नंबर ऑफ बिट्स है ठीक है हमें नहीं पता कितने हैं लेकिन नंबर ऑफ बिट्स हैं अभी जो बिट्स हैं वो आगे फर्दर कहाँ जाएंगे रिसीवर के मशीन पर जब ट्रांसफर हो रहे हैं तो वो बिट्स की फॉर्म में ट्रांसफर हो रहे हैं अब रिसीवर के एंड पे क्या होगा वापिस से बिट्स किस फॉर्म में ट्रांसफर होंगे किस फॉर्म में कन्वर्ट होंगे फ्रेम्स की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे ठीक है तो अभी हमें नहीं पता कि फिक्स साइज है फ्रेम का या नहीं है अगर तो फ्रेम का फिक्स साइज होगा दो चीजें हो सकती है फ्रेम का फिक्स साइज हो या वेरिएबल साइज हो ठीक है तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा रिसीवर के आ, मशीन के ऊपर रिसीवर एंड पे क्या करना पड़ेगा अब जो बिट्स हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रेम्स की फॉर्म में ठीक है तो इसलिए हमें यहाँ पे देखना पड़ता है फ्रेमिंग का कॉन्सेप्ट कि कैसे हम फ्रेमिंग कर रहे हैं ठीक है जो डिफरेंट टाइप्स की होती है फ्रेमिंग वो अभी आगे देखेंगे ठीक है यहाँ से हमें ये समझना है कि फ्रेमिंग की एग्जैक्टली exactly रिक्वायरमेंट क्या है जब पैकेट आया तो फ्रेम्स में डिवाइड हो रहा है इसलिए हमें बताना पड़ रहा है हेडर और ट्रेलर एड कर रहे हैं ताकि ये पता रहे कि ये एक पर्टिकुलर फ्रेम है और ये दूसरा फ्रेम है ये तीसरा फ्रेम है ठीक है पेलोड फील्ड वो है जो आ, अपर लेयर से इसको डीएलएल को मिला है डेटा ठीक है अब इसी तरह से रिसीवर एंड पे जब जाते हैं तो बिट्स की फॉर्म में डेटा है डिफरेंट बिट्स की फॉर्म में है बिट से हमें कैसे पता चले कि ये एक फ्रेम है ये दूसरा फ्रेम है ये तीसरा फ्रेम है ठीक है इसलिए हमें क्या करना पड़ता है फ्रेमिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ता है ताकि रिसीवर एंड पे भी पता चल जाए कितने बिट्स एक फ्रेम बना रहे हैं और फिर कितने बिट्स दूसरा फ्रेम बना रहे हैं तो देखिए पार्ट्स ऑफ द फ्रेम में हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एक फ्रेम में हमने देखा हेडर है पेलोड फील्ड है ट्रेलर है और साथ में हमारा इसी में क्या है फ्लैग्स हैं ठीक है डिफरेंट फ्लैग्स भी हम यूज करते हैं जो हमारा बताते हैं बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द फ्रेम कि ये एक फ्रेम का बिगिन है स्टार्टिंग है और ये एक फ्रेम का क्या है एंड है तो देखिए फ्रेम का हेडर होगा जिसमें हमारे पास क्या होता है सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेसेस होते हैं फ्रेम के ठीक है सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेसेस हैं किसके फ्रेम के हैं एंड पेलोड फील्ड जो मैसेज है जिसे डिलीवर करना है देन ट्रेलर इसमें क्या इंफॉर्मेशन होती है अगर फ्रेम हमने देखा डीएलएल में हम क्या ऐड कर रहे हैं ट्रेलर ऐड कर रहे हैं ठीक है तो इसमें क्या इंफॉर्मेशन होती है इसमें एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन बिट्स होते हैं ठीक है इसमें क्या होता है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन बिट्स जो हमने एरर करेक्शन और डिटेक्शन पहले स्टडी की है ठीक है उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगी आपकी ट्रेलर में ठीक है तो जो डीएलएल है ये हमारा कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करिए देखिए नोट टू नोट ठीक है नोट टू नोट डिलीवरी कौन प्रोवाइड कर रहा है डीएलएल प्रोवाइड करिए ठीक है डी एल एल क्या प्रोवाइड करिए नोट टू नोट डिलीवरी ठीक है एक नोट से दूसरी नोट पे एक मशीन से दूसरी मशीन पर जब डेटा जा रहा है ठीक है एक मशीन से दूसरी मशीन पर जब डेटा जा रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं नोट टू नोट डिलीवरी नोट टू नोट डिलीवरी कौन कर रहा है डीएलएल कर रही है ठीक है तो इसलिए जो एक फ्रेम है दूसरी फ्रेम मशीन तक वो फ्रेम करेक्टली पहुंचना चाहिए अगर नहीं करेक्ट पहुंचा तो वही देखिए एरर हो जाएगी और वो जो फ्रेम है वो क्या हो जाएगा डिस्कार्ड हो जाएगा ठीक है इसीलिए इस इन्हीं सब चीजों को एरर्स को ही एरर्स ना करूं इसीलिए हम क्या करें फ्रेमिंग कर रहे हैं ताकि जो करेक्ट डेटा है सेंडर की मशीन से आ, हमारा रिसीविंग मशीन पर पहुंच पाए ये हमारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं फ्रेम के देन देखिए जब हम फ्रेमिंग कर रहे हैं और एक मशीन से दूसरी मशीन के पास डेटा जा रहा है ठीक है अगर तो हमारे पास क्या है फिक्स्ड है ठीक है अगर हमारे पास क्या है लेंथ फिक्स्ड है तो अगर हम कहें कि एट बिट्स ही होंगी हमेशा फ्रेम की ठीक है तो एट बिट्स ही है अगर एक फ्रेम में तो कोई इशू नहीं है ठीक है तब कोई इशू नहीं होगा ठीक तो है तो हमारी जो टाइप्स है फ्रेमिंग की वो देखिए दो तरह की होती है पहले ये चीज़ देखते हैं तो टाइप्स ऑफ फ्रेमिंग क्या है दो तरह की है फिक्स्ड साइज फ्रेमिंग एंड वेरिएबल साइज फ्रेमिंग ठीक है दो तरह से होती है फ्रेमिंग फिक्स साइज फ्रेमिंग एंड वेरिएबल साइज फ्रेमिंग तो देखिए फिक्स्ड साइज फ्रेमिंग का क्या मतलब है यहाँ पे साइज जो है फ्रेम का वो क्या है फिक्स है और जो फ्रेम लेंथ है उसे हम डिलिमिटर की तरह क्या करते हैं यूज कर लेते हैं फ्रेम के ठीक है की. तो जब भी हमारा साइज ठीक है अगर एट बिट्स का है तो हमने क्या यूज कर लेना है एट को यूज कर लेना है कि हाँ आगे एट बिट्स क्या है एक फ्रेम है देन अगेन एट बिट्स क्या है एक अल, अल, दूसरा फ्रेम है इस तरह से जो लेंथ है फ्रेम की उसे हम यूज कर लेते हैं डिलिमिटर की तरह ठीक है यहाँ पे हम डीलिमिटर यूज़ करते हैं ठीक है डी यूज करेंगे जिससे पता रहता है कि फ्रेम के बारे में ठीक है कि फ्रेम का साइज क्या है या कहाँ पे शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है इसलिए इसको यूज़ कर रहे हैं डीलिमिटर ताकि हमें पता चल जाए कहाँ पे फ्रेम स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे फ्रेम एंड हो रहा है ठीक है तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंटली इट डज नॉट रिक्वायर एडिशनल बाउंड्री बिट्स ठीक है तो यहाँ पे और एक्स्ट्रा हमें कुछ नहीं चाहिए होता जब हमारा फिक्स्ड होता है क्योंकि हमें पता है कि इतने बिट्स हैं एक फ्रेम में और वो जब हमने मेंशन कर दी है तो वहां पे पता चल जाता है कि इसके बाद नेक्स्ट फ्रेम आ रहा है इसके बाद नेक्स्ट फ्रेम आ रहा है ठीक है तो फिक्स ही है क्यूब की साइज़ ठीक है तो ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है जर्नली ए सेल्स में यूज़ किया जाता है ठीक है नेक्स्ट हमारे पास आता है वेरिएबल साइज फ्रेमिंग नेक्स्ट कौन सा फ्रेमिंग है वेरिएबल साइज फ्रेमिंग यहाँ पे जो हमारा साइज़ है फ्रेम का वो क्या होता है डिफरेंट होता है ठीक है एक बार अगर टेन बिट्स जा रहे हैं एक फ्रेम टेन बिट्स का है अनदर फ्रेम एट बिट्स का है अनदर फ्रेम सपोज ट्वेंटी बिट्स का है एक और फ्रेम है वो फाइव बिट्स का है ठीक है तो फ्रेम का जो साइज है वो डिफरेंट है तो कैसे पता चलेगा जब रिसीविंग एंड पे जा रही हैं बिट्स तो देखिए जब रिसीविंग एंड पे यहाँ पे हमारे पास ये सेंडर ने सेंड किया और जब फिजिकल लेयर पे जीरो वन जीरो 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 वन इस तरह से जब यहाँ बिट्स पहुंचेंगी तो रिसीविंग एंड पे कैसे पता चलेगा कि कितने बिट्स को एक फ्रेम में डालना है ठीक है कितने बिट्स को एक फ्रेम में डालना है ये कैसे पता चलेगा जब वेरिएबल साइज की होंगी तो इसके लिए हम यूज करते हैं डिफरेंट टेक्निक्स ठीक है वेरिएबल साइज फ्रेमिंग के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होंगी तो इसमें हम एडिशनल मकैनिज़म यूज़ करते हैं ठीक है ताकि हम बता पाए कि एक फ्रेम का एंड क्या है और बिगिनिंग क्या है ठीक है एक फ्रेम का एंड और बिगिनिंग हमें बताना पड़ता है वेरिएबल साइज फ्रेमिंग में ठीक है और इसे जर्नली यूज किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क्स में ठीक है इसे यूज करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में वेरिएबल साइज फ्रेमिंग यूज होती है लोकल एरिया नेटवर्क में तो देखिए यहाँ पे जब भी आ, आ, स्टार्ट होंगे ठीक है जब भी ये सिस्टम इस सिस्टम के पास सेंड कर रहा है तो यहाँ पे ये बताएगा सेंड स्टार्ट एंड ऑफ द फ्रेम तो सपोज वन वन जीरो बताया इसने तो स्टार्टिंग में क्या होगा वन वन जीरो वन वन ठीक है वन वन जीरो वन वन देखिये ये स्टार्ट है और इसके बाद कुछ बिट्स इसने सेंड की और लास्ट में क्या जा रहा है वन वन जीरो वन वन अगेन ठीक है तो स्टार्ट एंड एंड हम किससे बता रहे हैं इन पर्टिकुलर बिट्स से बता रहे हैं ठीक है इस तरह से हम स्पेसिफाई कर देते हैं तो ये रूल्स जो होते हैं इस तरह के जो रूल्स होते हैं वो सेंडर को भी पता होते हैं और रिसीवर को भी पता होते हैं ऐसा नहीं है जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं दोनों उसी पे ही वर्क कर रहे होते हैं ठीक है सो तो अकॉर्डिंगली ही हमारा क्या रिसीवर एंड पे पता चल जाता है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक फ्रेम और यहाँ पे क्या हो रहा है एंड हो रहा है ठीक है तो जैसे ही इसके पास डेटा पहुंचेगा तो इससे पता चल जाएगा कि ये क्या है ये एक फ्रेम का कंटेंट है ठीक है इसी तरह से और आगे कोई फ्रेम आएगा उसका कंटेंट पता चल जाएगा क्योंकि स्टार्ट और एंड क्या है स्पेसिफाइड है कि इन बिट्स से होगी तो देखिए फ्रेमिंग क्या है बेसिकली एक प्रोसेस जिसमें हम कन्वर्ट करें पैकेट से फ्रेम और फ्रेम से वापस पैकेट्स में ठीक है वाइस वर्सा तो दो तरह की देखी हमने फ्रेम्स दो तरह की होती है फ्रेमिंग फिक्स्ड साइज़ फ्रेमिंग एंड वेरिएबल साइज फ्रेमिंग ठीक है तो यहाँ पे हमारे जो फ्रेम्स हैं वो फिक्स साइज के भी हो सकते हैं और वेरिएबल साइज के भी हो सकते हैं तो अगर फिक्स्ड साइज है तो हमने क्या करना है सिर्फ तो सिर्फ हमें लेंथ साथ में सेंड करनी है और पता चल जाएगा कि जितने बाइट्स बिट्स आ रहे हैं आ, फिजिकल लेयर के थ्रू जब वहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं तो इतने बिट्स को क्या करना है एक फ्रेम कंसीडर करना है फिर नेक्स्ट उसी साइज का ही फिर नेक्स्ट उसी साइज का ये डिफरेंट फ्रेम्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे अब देखिए अगर वेरिएबल लेंथ फ्रेमिंग स्कीम होती है तो उसमें हमारे पास क्या है डिफरेंट थ्री मेथड्स हैं कैरेक्टर काउंट मेथड बाइट स्टफिंग मेथड एंड बिट स्टफिंग मेथड ठीक है तीन मेथड्स हैं कैरेक्टर काउंट मेथड बाइट स्टफिंग मेथड एंड बिट स्टफिंग मेथड तो देखिए कैरेक्टर काउंट मेथड में क्या होता है कैरेक्टर काउंट में क्या है ये हमारे पास एक अलग से वो है फ्रेम है ठीक है जिसमें हम क्या मेंशन कर रहे हैं लेंथ ऑफ फ्रेम्स मेंशन कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे हमने फोर मेंशन की है तो फर्स्ट फ्रेम की लेंथ क्या है फोर है देन हम क्या दे रहे हैं टू दे रहे हैं तो नेक्स्ट फ्रेम की लेंथ क्या है टू है देन फाइव दे रहे हैं तो नेक्स्ट फ्रेम की लेंथ क्या है फाइव है ठीक है लेकिन ये मेथड बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है क्योंकि कहीं पर भी अगर थोड़ा सा भी ऑल्ट्रेशन हो गया लाइक इसकी वैल्यू टू की जगह वन हो गई तो ये वाला फ्रेम ये वाला कंसीडर हो जाएगा नेक्स्ट इसी तरह से ये वाला फ्रेम कंसीडर हो जाएगा आगे वाले सभी फ्रेम्स क्या होंगे इफेक्ट हो, मतलब चेंज हो जाएंगे है ना कि यहाँ पे आपके पास जब जैसी एक नंबर चेंज हुआ तो आगे की सभी जितने भी हैं आगे फ्रेम्स उनके ऊपर इफेक्ट आ जाएगा सभी गलत तरीके से कंसीडर किए जाएंगे ठीक है अलग नंबर्स ही कंसीडर हो रहे होंगे वहाँ तो इसलिए कैरेक्टर काउंट मेथड यूज नहीं होता है ठीक है लेकिन एक ये मेथड है तो इसलिए मैंने बता दिया आपको नेक्स्ट हमारे पास आता है बाइट स्टफिंग बाइट मेथड ठीक है बाइट स्टफिंग मेथड ठीक है नेक्स्ट मेथड कौन सा है बाइट स्टफिंग मेथड तो देखिए बाइट स्टफिंग मेथड में क्या करते हैं बाइट स्टफिंग में देखिए हम क्या कर रहे हैं बाइट स्टफ कर रहे हैं ठीक है बाइट स्टफिंग मेथड है एक हमारे पास और एक है बिट स्टफिंग मेथड ठीक है तो बाइट स्टफिंग में हम क्या कर रहे हैं बाइट स्टफ कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे अगर अपर लेयर से हमारे पास ये डेटा आया है ठीक है अपर लेयर से ये डेटा आया है टोटल ठीक है तो अगर इसे डिवाइड करना है तो इस तरह से हमने डिवाइड कर दिया और जितने भी फ्रेम्स बनेंगे उतने फ्रेम्स बनाने हैं ठीक है और यहाँ पे क्या स्पेसिफाई किया हमने एक फ्लैग स्पेसिफाई कर दिया और यहाँ पे भी क्या स्पेसिफाई कर दिया फ्लैग इसी तरह से दूसरे फ्रेम में भी यहाँ फ्लैग दे दिया और यहाँ फ्लैग दे दिया अब ये पता चल जाएगा कि ये एक पर्टिकुलर फ्लैग फ्रेम है और ये एक पर्टिकुलर फ्रेम है ठीक है ये सेकेंड फ्रेम है और ये फर्स्ट फ्रेम है ठीक है तो जब भी अपर लेयर से डेटा आएगा उसमें हम क्या करते हैं स्टफिंग कर देते हैं बाइट्स की बिगिनिंग ऑफ द फ्रेम भी और एंड ऑफ द फ्रेम भी ताकि ये पता चल जाए कि ये जो पैकेट था यहां पे अब फ्रेम्स की फॉर्म में आया तो ये एक फ्रेम है और ये एक और अन फ्रेम है ठीक है सबसे पहली बात तो ये कि हमने स्टार्टिंग में और एंड में क्या करना है इंसर्ट कर देने हैं फ्लैग्स इंसर्ट कर देने हैं जिससे पता चल जाएगा एक फ्लैग की वैल्यू क्या होती है ऑलरेडी फिक्स होती है ठीक है तो सपोज ये फ्लैग है एफ एल ए जी जो आ, क्या लिया हुआ है हमने एज अ फ्लैग यूज कर रहे हैं ठीक है ठीके? तो यहाँ पे कुछ भी जो भी उन्होंने वैल्यू ली होगी वही वैल्यू यूज हो जाती है ठीक है अब देखिए सेकंड चीज क्या आती है इसमें कि अगर हमारे डेटा में ही फ्लैग भी यूज हो रहा है अगर हम कोई भी एक वर्ड लेते हैं सपोज हमने एक वर्ड ले लिया एंड एक वर्ड है ठीक है एंड को हम यूज कर रहे हैं एज फ्लैग ठीक है एज फ्लैग हम किसे यूज कर रहे हैं एंड को यूज कर रहे हैं तो अब देखिए अगर डेटा में भी एंड वर्ड आ जाता है उस केस में क्या करें ठीक है उस केस में क्या किया जाए तो उस केस में क्या किया जाता है उस केस में हम एस्केप लिखते हैं ठीक है जहाँ पे भी वो फ्लैग वर्ड है डेटा में भी उसके आगे क्या लिख देते हैं एस्केप लिख देते हैं ठीक है तो उसके आगे एस्केप लिखेंगे तो वो इसे क्या कंसीडर करेगा इसे एंड ऑफ द फ्रेम कंसीडर नहीं करेगा ठीक है इसको एंड ऑफ द फ्रेम कंसीडर करके बाकी का अलग से डिस्कार्ड नहीं कर देगा ठीक है क्योंकि फ्लैग तो वापस से यहाँ पे आएगा फिर वो फ्लैग वो एक और कंसीडर फ्रेम कंसीडर करेगा अदरवाइज वो क्या करेगा इतने सारे पोर्शन को क्या करेगा डिस्कार्ड कर देगा ठीक है जहां पे उसे स्टार्टिंग ऑफ द फ्रेम मिला और एंड ऑफ द फ्रेम मिला तो ये वह इतना फ्रेम कंसिडर करेगा सिर्फ जबकि फ्रेम कितना है इतना है अदरवाइज फ्रेम इतना है लेकिन उसने कितना कंसीडर कर लेना है सिर्फ इतना कंसीडर कर लेना है क्योंकि यहां भी फ्लैग मिल रहा है भी फ्लैग मिल रहा है तो वो क्या करेगा ये स्टार्ट ऑफ द फ्रेम एंड एंड दिस इज ऑफ द फ्रेम ठीक है लेकिन हमारा फ्रेम तो तो कंप्लीट इतना है तो अब इस केस में हम क्या करते हैं फ्लैग के आगे क्या लगा देते हैं एस्केप लगा देते हैं इसी तरह से अब अगर एस्केप भी आ जाए ठीक है अब एस्केप तो हमने यहां लिख दिया ठीक है अगर फ्लैग था फ्लैग को Uh, वो करने के लिए कि हाँ भाई फ्लैग काउंट करो उसे डिस्कार्ड uh, मत कर देना इस वाले फ्लैग को ठीक है जो डेटा में इंक्लूडेड है उस वाले को डिस्कार्ड होने से बचाने के लिए हमने क्या यूज कर लिया एस्केप यूज कर लिया अब जहां पे एस्केप है सपोज डेटा में एस्केप भी आ गया फिर क्या करें ठीक है अब डेटा में अगर एस्केप भी आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा एक बार और एस्केप यूज करना पड़ेगा ठीक है तो जहां पे भी ये वाला एस्केप दिखेगा ना पहला एस्केप दिखेगा उसके बाद जो भी होगा बाइट ठीक है तो उसे वो क्या करेगा काउंट करेगा ठीक है उसे क्या करेगा फ्रेम में काउंट कर लेगा अब इस तरह से ये जब हमने डेटा भेजा तो देखिए ये डेटा कहाँ से आया अपर लेयर से आया जहाँ पे फ्लैग भी था इंक्लूडेड और एस्केप भी था ठीक है ये कंप्लीट डेटा आया था अपर लेयर से तो देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट डेटा हमारे पास यहाँ पे आ गया ठीक है तो यहाँ पे साथ में एस्केप एड हो गया एक बाइट और एड होगी और एक और एस्केप एड हो गया फ्लैग से पहले तो जितने टोटल बाइट्स थे तो देखिए अगर सिक्स टोटल बाइट्स थे अब हमारे पास कितने हो गए एट टोटल बाइट्स हो गए ठीक है क्योंकि टू हमारे एक्स्ट्रा बाइट्स इसके लिए ऐड हो गए तो वन बाइट हमेशा एक्स्ट्रा ऐड होगा जब भी हमें इस तरह से करना पड़ेगा ठीक है जब भी हमें जो भी फ्लैग है या स्केप है इनको भी काउंट कंसीडर कराना है तो आपको एक एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा बाइट ऐड करना पड़ेगा ठीक है तो अब ये हमारा क्या बन गया डेटा है ठीक है फ़िलहाल और इसमें हम क्या करेंगे एडर, हेडर ऐड करेंगे ट्रेलर ऐड करेंगे और साथ में क्या होगा फ्लैग होगा जो बता रहे हैं कि इस फ्रेम के लिए जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से है और एंड कहाँ से है ठीक है तो ये अब कंप्लीट जो फ्रेम है ना ये सेंड होगा कहाँ पर आ, रिसीवर एंड पे ठीक है तो जो रिसीवर है उसने क्या फ्रेम रिसीव किया ये पर्टिकुलर फ्रेम क्या किया रिसीव कर लिया दो बाइट्स एक्स्ट्रा के साथ ठीक है अब नेक्स्ट में क्या करेगा दो कौन सी ये वाली एक्स्ट्रा बाइट्स हैं नेक्स्ट अब क्या वो करेगा वो अनस्टफ करेगा ठीक है यहाँ पे तो बाइट्स को स्टफ किया गया अब अनस्टफ करेगा अनस्टफ करते हुए इसे डिस्कार्ड कर दिया इसको तो हेडर और ट्रेलर को काउंट करा ठीक है अकॉर्डिंगली ठीक है जो उनका यूज था वो यूज कर लिया देन जो भी ये वाले एक्स्ट्रा बाइट्स थे इन्हें भी डिस्कार्ड किया और वापिस से एट से क्या बन गई ये जितने भी टोटल थे उनको उन वो तो अलग हुए और बाकी ये वाले जो एट थे उनके उनसे कितने बाइट्स बन गए वापस से सिक्स बाइट्स आ गए ठीक है तो ये अपर लेयर से चला था फिर इस तरह से चलता हुआ रिसीवर एंड पे ये इंफॉर्मेशन पहुंचेगी ठीक है जो डेटा था वो अल्टीमेटली ये वाला था ठीक है इस तरह से हमारी होती है बाइट स्टफिंग और उसे अनस्टफ किया जाता है ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास आता है देखिए फ्रेम इन अ बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल तो बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल अगर है हमारा तो उसमें फ्रेम किस तरह से होता है तो देखिए ये अगर फ्लैग है ये फ्लैग है ये हेडर है ये डेटा है अपर लेयर से जो आया है जिसमें वेरिएबल नंबर ऑफ बिट्स हैं ठीक है कभी कितने बिट्स कभी कितने बिट्स हैं इस तरह से एक पैकेट में ठीक है कोई फिक्स नहीं है और ये हमारे पास क्या है ट्रेलर है ठीक है तो ये तो बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल हो गया कि इस तरह से जो हमारा डेटा है वो रहेगा ठीक है इस तरह से एक लेयर पर डीएलएल लेयर पर इस तरह से हमारा कंटेंट है जो ऊपर वाली लेयर से आया और इस तरह से आगे फर्दर सेंड किया जाएगा फ्रेम की फॉर्म में तो अब देखिए यहाँ पे हम बिट स्टफिंग और अनस्टफिंग uh, किस तरह से करते हैं देखिए uh, जो अपर लेयर है वहाँ से क्या डेटा आया है ये वाला डेटा आया है ठीक है तो जर्नली हम क्या कंसीडर करते हैं यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं फोर फाइव एंड सिक्स देन सेवन एंड एट ठीक है जर्नली इसे कंसीडर किया जाता है डीलिमिटर की तरह एक फ्लैग की तरह यहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है ये वैल्यू यूज़ की जाती है ठीक है ये चेंज डिफरेंट भी हो सकती है ऐसा नहीं है ठीक है तो ये हम एक एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं जर्नली इसे ही हम कंसिडर करते हैं ठीक है तो यहाँ पे अगर ये वाला कंटेंट होता है तो ये क्या भेजा जाता है फ्लैग में दोनों तरफ क्या किया जाता है ऐड किया जाता है और रिसीवर के पास फिर वापस से हटा के डेटा जो होता है अपर लेयर से जो पहुंचा वो ही आ जाएगा ठीक है तो हेडर आया ट्रेलर आया फ्लैग्स आए बिगिनिंग एंड एंड पे और वापस से उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गए लेकिन अब यहाँ पे भी बिट्स की तरह, बाइट्स की तरह ही क्या इश्यू रहता है कि अगर बाइट्स में हमने देखा था कि फ्लैग इन बिटवीन ठीक है फ्लैग ही अगर हमारे डेटा में भी है तो उसके लिए हमने क्या किया एस्केप ऐड कर दिया और एस्केप ही अगर डेटा में है तो एस्केप के लिए अगेन एस्केप ऐड कर दिया बाइट स्टफिंग में अब बिट स्टफिंग में भी अगर ये ही डेटा भी है ठीक है यही जो डीलिमिटर है ये भी ये ही डेटा में भी है तो क्या करें ठीक है तो उस केस में हम क्या करते हैं जब भी हमारे को फाइव वंस दिखते हैं यहाँ पे हमने क्या लिया सिक्स वंस है देखिए यहाँ पे हमारे पास सिक्स वंस है और आगे पीछे क्या है जीरो जीरो है ठीक है तो जब भी इनपुट स्ट्रिंग में हमारे पास जो भी ये इनपुट स्ट्रिंग है सपोज इसमें हमें कहीं पे भी ऐसा लगता है कि ये इतने सारे ये वंस हैं ठीक है तो देखिए यहाँ पे कितने हैं सेवन वंस हैं हमारे पास ठीक है तो हम क्या करते हैं उस केस में जहां पर भी फाइव वंस दिखे ठीक है जब भी फाइव वंस आ जाते हैं टू अवॉइड सिक्स वंस इकट्ठे सिक्स वंस को uh, इकट्ठे अवॉइड करते हैं हम यहाँ पे तो हम फाइव वंस के बाद क्या करते हैं एक जीरो लगा देते हैं ठीक है कि सिक्स वंस के बाद तो जीरो हो वन हो पता नहीं क्या बेटो उससे पहले ही जब भी जीरो के बाद हमें फाइव वंस दिखते हैं जब भी जीरो के बाद फाइव वंस दिखेंगे तो हम क्या ऐड कर देंगे एक जीरो ऐड कर देंगे ठीक है तो रिसीवर एंड पे जब पहुंचेगा तो वहां पर भी अगर फाइव वंस के बाद कभी भी जीरो दिखेगा तो वो क्या करता है उसे डिस्कार्ड कर देता है ठीक है उस वाले जीरो को क्या करेगा डिस्कार्ड कर देगा ठीक है तो यहाँ पे देखते हैं देखिए यहाँ पे हमारे पास ये वंस थे तो यहाँ हमने क्या किया जीरो ज़ीरो जीरो लिया एज इट इज़ देन फाइव वंस लिए हमने ठीक है फाइव वंस ले लिए हमने फाइव वंस के बाद देखिए क्या ऐड कर दिया जीरो ऐड कर दिया उसके बाद टू वंस बचे थे टू वन एज एज इट इज़ लिखे देन ज़ीरो जीरो एज इट इज़ लिखा उसके बाद देखिए कितने वंस हैं फाइव वंस हैं जीरो के बाद फाइव वंस आ गए जीरो के बाद फाइव वंस आ गए तो हमने क्या किया एक जीरो और ऐड कर दिया बाकी जीरो वन जीरो 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 एज इट इज आ गया ठीक है तो हमने क्या करना है वन के बाद क्या कर देना है फाइव वंस के बाद क्या करना है एक जीरो ऐड कर देनी है अब जब भी रिसीवर एंड पे फाइव वंथ्स के बाद एक ज़ीरो दिखी तो वो क्या करेगा उसे डिस्कार्ड कर देगा ठीक है इस जीरो को क्या कर दिया गया डिस्कार्ड कर दिया गया इसी तरह से जब फाइव वंथ्स के बाद एक जीरो दिखी इसे क्या कर दिया डिस्कार्ड कर दिया ठीक है तो इस ये होती है आपकी बाइट स्टफिंग और अनस्टफिंग ठीक है यही काम है फ्रेमिंग में ठीक है यही है फ्रेमिंग क्यों फ्रेमिंग कर रहे हैं हम ठीक है क्या काम क्या ज़रूरत है फ्लैग्स ऐड करने की और क्या किस तरह से हमारी फिक्स्ड फ्रेमिंग और वेरिएबल फ्रेमिंग वर्क करती है ठीक है तो वेरिएबल होगा तो हम इस तरह से बाइट्स और बिट्स की हेल्प से ठीक है फ्लैग्स यूज कर रहे हैं और बिट्स और बाइट्स की स्टफिंग की हेल्प से क्या कर रहे हैं डेटा जो हमारा होना चाहिए एक्चुअल रिसीवर के पास पहुंचना चाहिए वही पहुंचे इस तरह से हम स्टफिंग कर देते हैं ठीक है तो देखिए इस तरह से कई बार क्वेश्चंस आते हैं यूजीसी नेट में इनपुट स्ट्रिंग विद यहाँ पे हमें इनपुट स्ट्रिंग ये दी गई है और वेल्यू डीलिमिटर की क्या दी गई है जीरो वन 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 तो ये पूछते हैं कि बिट स्टफिंग मेथड के बाद आउटपुट स्ट्रिंग क्या होगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है जीरो वन वन ठीक है वहां पे हम क्या करे थे जो हमारा लास्ट वन था ठीक है सिक्स मंथ थे अगर हमारे पास तो फिफ्थ के बाद क्या कर रहे थे जीरो इंसर्ट कर रहे थे तो यहाँ पे अगर हमारे पास थ्री वंस हैं तो हम टू वन के बाद क्या करेंगे ज़ीरो इंसर्ट कर देंगे अगर हमारे डेटा में कहीं पे भी ज़ीरो के बाद टू वंस आते हैं तो आप क्या करेंगे जीरो इंसर्ट कर देंगे ठीक है तो उसके बाद क्या करेंगे ज़ीरो इंसर्ट कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा ज़ीरो वन 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 तो पहले डिलिमिटर आ गया ठीक है स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा एक डिलिमिटर आ जाएगा जीरो वन 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 ठीक है जो फ्लैग की तरह यूज़ हो रहा है और एंड में भी आपके पास क्या आ जाएगा जीरो वन 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 देन हमारे पास क्या आएगा देखिए जीरो के बाद आप क्या कर हैं वन वन ठीक है 1, 1, इतना काउंट किया हमने पहले ठीक है तो ये क्या बना जीरो वन वन जीरो लिख दिया हमने ठीक है अब क्या आ रहा है वन 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 आफ्टर दैट जीरो फिर क्या आया जीरो के बाद वन वन अब इसके बाद क्या करेंगे एक जीरो इंसर्ट कर देंगे ठीक है इसके बाद एक क्या किया हमने जीरो इंसर्ट कर दिया जो एक्स्ट्रा है फिर आपके पास क्या आ गया वन देन अगेन जीरो जीरो के बाद फिर हमारे पास क्या है वन वन है फिर हम क्या करेंगे एक और जीरो इंसर्ट कर देंगे एंड देन जीरो ये बनेगी हमारी आउटपुट स्ट्रिंग ठीक है अगर इनपुट स्ट्रिंग ये दी हुई है और डिलिमिटर ये दिया हुआ है इसके बेस पर आपके पास ये बनेगी आपकी आउटपुट स्ट्रिंग अब अगर आपको आउटपुट स्ट्रिंग दे दी जाती है और डीलिमिटर अलग से दे दिया जाता है और इनपुट स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है ठीक है तो यहीं पे इसी केस में देखिए अगर हमें दे दिया है ठीक है ये अगर हमें दे दी कि ये आउटपुट स्ट्रिंग है ठीक है ये क्या है आउटपुट स्ट्रिंग है और यहाँ पे अब आपको क्या फाइंड आउट करना है इनपुट स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है ठीक है तो यहाँ पे आपके पास डी क्या है सबसे पहले तो आप ये देखेंगे ठीक है डी ये है ये आउटपुट स्ट्रिंग है और आपने इनपुट स्ट्रिंग क्या करनी है कैलकुलेट करनी है ठीक है इनपुट स्ट्रिंग क्या करनी है कैलकुलेट करनी है तो अब इसमें आप देखेंगे लास्ट वाले वन को छोड़ के उससे पहले ज़ीरो लगा लें जहां पर भी आपको यहाँ पे जीरो वन वन के बाद जीरो दिखेगा ठीक है आउटपुट स्ट्रिंग में जहां पर भी ज़ीरो वन वन के बाद ज़ीरो दिखेगा उस जीरो को आपने क्या करना है डिस्कार्ड कर देना है उस जीरो को आपने क्या करना है डिस्कार्ड कर देना है इनपुट स्ट्रिंग कैलकुलेट करने के लिए ठीक है तो चलिए देखिए जीरो वन वन जीरो आ गया हमारे पास तो इस वाले जीरो को क्या करेंगे डिस्कार्ड कर देंगे तो जीरो वन वन लिख लेते हैं देन वन 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 आ गया उसके बाद जीरो वन वन अगेन ज़ीरो आया हमारे पास इस जीरो को हमने डिस्कार्ड कर दिया देन वन है उसके बाद जीरो वन वन है जीरो वन वन लिख लिया लेकिन इस एक जीरो को क्या करेंगे डिस्कार्ड कर देंगे और जीरो लिख लेंगे और ये वैल्यू वही आई है जो हमारी थी ठीक है वही वैल्यू आ गई जो हमारे पास थी तो इस तरह से इनपुट स्ट्रिंग अगर गिवेन है एग्जाम में आपके पास तो आउटपुट स्ट्रिंग कैसे निकालना है और आउटपुट दिया है तो इनपुट कैसे निकालना है ये आपने समझ लेना नेक्स्ट इसी तरह से देखिए क्वेश्चन है कि हमारे पास आउटपुट स्ट्रिंग दिया हुआ है और आउटपुट स्ट्रिंग क्या दिया हुआ है ये दिया हुआ है हमें ठीक है और यहाँ पे डिलिमिटर दिया हुआ है हमें आउटपुट स्ट्रिंग के लिए क्या दिया हुआ है जीरो वन 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 जीरो आपको क्या कैलकुलेट करना है इनपुट स्ट्रिंग कैलकुलेट करना है ठीक है तो हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है पहले तो उसे लिख लेते हैं जीरो वन 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 जीरो जीरो वन 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 जीरो 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 वन 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 जीरो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है कितने नंबर्स हैं ये देखिए एट बिट्स हैं एट में हमें सिक्स वंस दिए हुए हैं तो हमने क्या करना है यहाँ पे जीरो लगा देनी है ठीक है यहाँ पे हमने क्या कर देना है ज़ीरो लगा देनी है इसका मतलब इसमें ऑलरेडी कहीं पे जीरोज़ लगी हुई हैं हमें इनपुट स्ट्रिंग कैलकुलेट करना है ठीक है तो देखिए जहां पर भी फ़ाइव वंस के बाद जीरो है उस वाले ज़ीरो को क्या करेंगे आप डिस्कार्ड कर देंगे यहाँ पर नहीं है यहाँ पर है इसे डिस्कार्ड कर दिया ठीक है तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी जीरो देन फाइव वंस आ जाएंगे उसके बाद एक ज़ीरो देन थ्री वंस थ्री ज़ीरोज़ एंड देन हमारे पास आ जाएंगे फाइव वंस ठीक है ये आपका क्या आ जाएगा इनपुट स्ट्रिंग आ जाएगा क्या आ जाएगा इनपुट स्ट्रिंग आ जाएगा ठीक है तो इस तरह से हमारे पास कई बार एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चन ठीक है पीजीटी में पता नहीं कैसे रहता है ठीक है लेकिन यूजीसी नेट में कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ठीक है तो लेकिन कॉन्सेप्ट तो आपको कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं क्लियर होना चाहिए ठीक है तो ये हमारा रहता है फ्रेमिंग का कॉन्सेप्ट डेटा लिंक लेयर पर ठीक है डेटा लिंक लेयर का एक मेन फंक्शन हमने देखा प्रीवियस क्लासेस में अपनी एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन ठीक है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन एरर डिटेक्शन में हमने थ्री कोड्स देखे थे पैरिटी बिट कोड देन सी आर सी एंड चेकसम एरर करेक्शन में हमने देखा हैमिंग कोड ठीक है एरर करेक्शन में देखा हैमिंग कोड देन हमारे पास आता है इसी में ही डेटा लिंक लेयर में फ्रेमिंग ठीक है सेकेंड जो मेन सर्विस प्रोवाइड करता है डेटा लिंक लेयर वो कौन सी रहती है फ्रेमिंग की सर्विस देता है ठीक है और फ्रेमिंग का आपने देखा कि क्या हमारा क्या डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं एक फ्रेम के हेडर uh, होता है ट्रेलर होता है ठीक है और अपर लेयर से पैकेट्स की फॉर्म में हमें पैकेट्स की फॉर्म में डेटा आता है उसे फ्रेम्स में कन्वर्ट करना पड़ता है देन इसी तरह से रिसीविंग एंड पे जब हम पहुंचते हैं तो बिट्स से हमें क्या करना पड़ता है फ्रेम्स में कन्वर्ट करना पड़ता है बिट्स की फॉर्म में होता है डेटा ठीक है अलग अलग इंडिविजुअल ये बिट्स ही हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा इस इन्हीं को ही अलग अलग फ्रेम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ठीक है तो इसके लिए हम फ्रेमिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं ठीक है फ्रेम्स यूज़ कर रहे हैं और देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेमिंग में हमने देखा वेरिएबल फ्रेम एंड फिक्स्ड फ्रेम ठीक है तो और उसमें बाइट स्टफिंग और बिट स्टफिंग मेन हमारे मेथड्स रहते हैं जिसके थ्रू हम इसे यूज कर रहे हैं हमने देखी कुछ सर्विसेज जो डेटा लिंक लेयर प्रोवाइड करता है ठीक है उसमें से हमने डिस्कस किया फ्रेमिंग और एरर कंट्रोल अभी हम डिस्कस करेंगे फ्लो कंट्रोल ठीक है कौन सी सर्विस डिस्कस करेंगे फ्लो कंट्रोल तो देखिए डीएलएल का सबसे पहले क्या काम होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग डेटा और फ्रेम्स फ्रॉम वन नोट टू एनअर नोट ठीक है एक नोट से ठीक है ये आपके पास क्या है डिवाइस है डिवाइस 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 ए ए बी से डेटा कहाँ सेंड करना है डिवाइस बी पर सेंड करना है लेकिन इंटरमीडिएट सम हम नोट जा तो एक नोट से जब दूसरी नोट पर हमारा डेटा जा रहा है तो वो किसका काम होता है वो ट्रांसफर करना किसका काम है डेटा लिंक लेयर का काम है और उस ट्रांसमिशन के टाइम पर डेटा लिंक लेयर क्या क्या चीजें देखती है फ्रेमिंग एरर कंट्रोल फ्लो कंट्रोल फिजिकल एड्रेसिंग एंड एक्सेस कंट्रोल तो हमने देखा जो अपर लेयर से डेटा लिंक लेयर के पास डेटा आता है वो किस फॉर्म में आता है पैकेट्स होते हैं ठीक है नेटवर्क लेयर पर क्या होते हैं पैकेट्स होते हैं और डेटा लिंक लेयर में फ्रेम्स पे काम होता है तो फ्रेम्स में किस तरह से डिवाइड हो रहा है वापिस से बिट से फ्रेम में कैसे हो रहा है तो वो सब काम किस में आ रहा है फ्रेमिंग में आ रहा है और हम कंटेंट जो है वन नोट से अनदर नोट किस तरह से पहुँचाना चाह रहे हैं एरर फ्री पहुंचाना चाहते हैं तो हम एरर कंट्रोल की बात करते हैं जहां डिटेक्शन और करेक्शन की बात होती है देन हमारे पास आता है फ्लो कंट्रोल ठीक है अब फ्लो कंट्रोल में क्या चीज़ें आएंगी सबसे पहले तो ये चीज़ देखते हैं कि फ्लो कंट्रोल की रिक्वायरमेंट क्या है ठीक है फ्लो कंट्रोल की जरूरत क्या है तो देखिए फ्लो कंट्रोल क्या है स्पीड मैचिंग मैकेनिज्म है ठीक है क्या है स्पीड मैचिंग मैकेनिज्म है ठीक है तो देखिए जब भी हम क्या करते हैं अगर हम ट्रैफिक देखें ठीक है अगर हम रोड पे त, आ, देखते हैं ठीक है अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो क्या रहता है हमारी स्पीड क्या रहेगी स्लो रहेगी और इसी तरह से अगर ट्रैफिक फास्ट ट्रैफिक नहीं है रोड पे तो हम क्या करते हैं फास्ट ड्राइविंग कर लेते हैं ठीक है तो देखिए यहाँ पे इसी के इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं फ्लो को कैसे कंट्रोल करना है तो देखिए जब हम नोट से एक नोट से दूसरी नोट पर डेटा ट्रांसफर हो रहा है ठीक है तो यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है एक फ्रेम सेंड कर रहा है ठीक है ये क्या कर रहा है फ्रेम को सेंड रहा है इस नोट के ऊपर ठीक है तो जब यहाँ पे डेटा जा रहा है ठीक है जब भी जो भी डेटा है ठीक है वो यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है इस नोड से इस नोड के ऊपर ठीक है ये क्या कर रहा है ट्रांसमिट करे जा रहा है करे जा रहा है करे जा रहा है और इसकी इतनी स्पीड नहीं है कि ये सब चीज़ों को रिसीव कर पाए ठीक है और यहाँ ये क्या कर रहा है बहुत धीरे 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 इस तरह से ट्रांसमिट कर रहा है और इस व इसकी स्पीड इतनी है कि अगर ये इस तरह से ट्रांसमिट करता तो भी ये क्या कर सकता था पकड़ सकता था मतलब रिसीव कर सकता था डेटा को ठीक है तो सिंपल भाषा में ये क्या कहना चाह रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं क्या बात करें कि इस, इनकी जो स्पीड है उसको मैच करने के लिए ठीक है वहां पे हम क्या करते हैं दोनों नोड्स आपस में क्या डिसाइड कर लेती हैं कि हाँ आप इस तरह से इस स्पीड से क्या करना डेटा सेंड करना ठीक है और वो क्या आता है फ्लो कंट्रोल में आता है ठीक है सो दिस इज अ स्पीड मैचिंग मैकेनिज्म फ्लो कंट्रोल कोडिनेट द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी सेंट बिफोर रिसीविंग एंड एक्नोलेजमेंट ठीक है तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट भेजता है जो भी रिसीविंग नोड है वो क्या भेजेगा एक्नॉलेजमेंट भेजेगा इस नोड के पास हाँ मुझे ये डेटा मिल गया इन 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 बिटवीन क्या करते हैं ये एक्नॉलेजमेंट uh, सेंड करते रहते हैं ताकि इस uh, जो भी सेंडर है उसे क्या पता लगता रहे हाँ कि मुझे इसको डेटा मिल रहा है ऐसा नहीं है कि बीच में लॉस्ट हो गया या इस तरह से ठीक है तो वो क्या देता है एक्नॉलेजमेंट देता रहता है कि हाँ मुझे डेटा मिल रहा है तो देखिए फ्लो कंट्रोल क्या कर रहे हैं कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हम उस किस चीज़ के ऊपर कोऑर्डिनेट करें कि हाँ अमाउंट ऑफ डेटा क्या भेजना है ठीक है कि कितना भेजें एक बार में ताकि विदाउट uh, एक्नोलमेंट उतना हम भेज पाए और बाकी का फिर जब एक्नॉलेजमेंट आई उसके बाद भेज रहे हैं ठीक है फ्लो कंट्रोल इज अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स दैट टेल्स द सेंडर हाउ मच डेटा इट कैन ट्रांसमिट बिफोर इट मस्ट वेट फॉर एन एक्नोलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर तो फ्लो कंट्रोल क्या है इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स जो सेंडर को क्या बताता है कि वो कितना डेटा ट्रांसमिट कर सकता है बिफोर वेटिंग ठीक है कि एक्नोलेजमेंट आए बिना ठीक है अगर वो डिसाइड करेंगे कि फोर फ्रेम्स हम सेंड कर सकते हैं ठीक है फ्रॉम फोर फ्रेम्स वो क्या करेगा सेंड कर देगा सेंड करता रहेगा एक के बाद क्या करेगा वेट नहीं करेगा अदरवाइज अगर वो कहते हैं कि हाँ एक ही फ्रेम भेजो और एक्नोलेजमेंट की वेट करो फिर वो क्या करेगा एक एक फ्रेम भेजा ये सेंडर है और ये रिसीवर है अभी ये क्या भेजेगा ये तो डेटा भेजा ये एक्नोलेजमेंट जब तक नहीं भेजेगा तब तक ये दूसरा फ्रेम नहीं भेजेगा ठीक है तो ये क्या बताता है कि अमाउंट ऑफ डेटा या जितना डेटा हमारा जो सेंडर है वो भेज सकता है रिसीवर के पास से एकनोलेजमेंट आने से पहले ठीक है उसकी वेट किए बिना ठीक है सो so, रिसीवर हैज अ लिमिटेड स्पेस स्पीड एट विच इट कैन प्रोसेस इनकमिंग डेटा एंड अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमरी इन विच टू स्टोर इनकमिंग डेटा तो देखिए रिसीवर जो है उसकी स्पीड भी एक क्या हो सकती है लिमिटेड हो सकती है कि ऐसा नहीं है कि हाँ ये आता जा रहा है डेटा और ये सारे के प्रोसेसिंग करता रहे या जो डेटा है उसके पास लिमिटेड मेमरी है ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है डिसाइड हो जाता है कि हाँ इस अमाउंट से डेटा क्या है आपके पास आएगा उसके अकॉर्डिंग आप रिसीव करते रहना ठीक है तो इसलिए हम यूज करते हैं फ्लो कंट्रोल मकैनिज्म ठीक है फ्लो कंट्रोल जो है वो इसलिए यूज किया जाता है नेटवर्किंग में और ये किसका फंक्शन है कौन ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं आउट ऑफ ऑल दीज लेयर्स डेटा लिंक लेयर हमें प्रोवाइड करता है फ्लो कंट्रोल की सर्विस ठीक है तो नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल्स तो देखिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं फ्लो कंट्रोल के लिए तो देखिए वो प्रोटोकॉल्स को हम कैसे डिवाइड करें नॉइसलेस चैनल्स के लिए जो प्रोटोकॉल्स हैं और नॉइसी चैनल्स के लिए ठीक है नॉइसलेस चैनल कौन सा होता है नॉइस चैनल channel, वो चैनल्स होते हैं जहाँ पे डिस्टर्बेंस बहुत कम होती है ठीक है इस वजह से एरर के चांसेस भी क्या होते हैं कम होते हैं ठीक है जो फ्रेम्स जैसे जा रहे हैं तो वैसे पहुंच जाएगा ये सोचा जाता है ठीक है और यहाँ पे नॉइसलेस में क्या होता है डिस्टर्बेंस है ठीक है नॉइसी चैनल है इस वजह से एरर के चांसेस भी क्या होते हैं ज्यादा होते हैं ठीक है ठीके? अगर फ्रेम है कई बार हो सकता है डिस्कार्ड हो गया रास्ते में ही लॉस्ट हो गया ठीक है इस तरह की चीजें कहाँ रहती हैं नॉइसी चैनल्स में ज्यादा रहती हैं तो अब देखिए नॉइसी नॉइसलेस चैनल्स में हमारे पास दो चीजें होती हैं सिंपलेस्ट एंड स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल ठीक है और नॉइसी चैनल्स में हमारे कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं स्टॉप एंड वेट एआर्यू प्रोटोकॉल गो बैक एन ए आर क्यू प्रोटोकॉल एंड सिलेक्टिव रिपीट ए आर क्यू ठीक है तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है ये ए आर क्यू क्या क्या मतलब होता है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट ठीक है ये क्या है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट ए आर क्यू की कई बार फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है ठीक है सिंपली फुल फॉर्म पूछ ली जाती है हम अगर एक डिफ़िकल्ट लेवल वाला प्रिपेयर करते हैं तो साथ के साथ हमें इजी वाली जो टर्म्स हैं वो भी याद रहनी चाहिए क्योंकि हर एग्ज़ाम का अपना लेवल होता है ठीक है तो पीजीटी में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी क्वेश्चन आपके डिफ़िकल्टी आए तो कोई भी लेवल हो सकता है तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जो भी आप प्रोटोकॉल स्टडी करें अगर वहां पे कोई भी शॉर्ट फॉर्म है तो उसका फुल फॉर्म क्या है वो भी याद रखना है ठीक है तो एआर क्यू का क्या, क्या फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं नॉइसलेस चैनल्स के लिए तो यहाँ सबसे पहले है हमारे पास सिंपलेस्ट एंड स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल तो देखिए जो सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल होता है इसमें क्या होता है कि सेंडर ने क्या करना है सेंडर ने क्या करते रहना है सेंड करते रहना है बस ठीक है यहाँ पे अगर एक ये सेंडर है ए और ये सेंडर है रिसीवर है बी ठीक है तो ये क्या करता है एक फ्रेम सेंड किया इसने फ्रेम वन ठीक है इसमें कोई एक्नॉलेजमेंट का चक्कर नहीं है और फिर फ्रेम क्या सेंड कर दिया फ्रेम टू सेंड कर दिया फ्रेम थ्री सेंड कर दिया ठीक है क्योंकि ये एज्यूम करा कि यहाँ पे क्या है नॉइसलेस चैनल है तो कोई एरर नहीं है कोई भी एक्नॉलेजमेंट की वेट नहीं करता कुछ नहीं करता है ठीक है तो ये क्या करता रहता है यूनी डायरेक्शनल रहता है ये ठीक है तो यहाँ पे ये क्या करेगा सिर्फ क्या करता रहता है इसको सेंड uh, करता रहता है फ्रेम्स दैट्स इट ठीक है ये तो आपका कौन सा प्रोटोकॉल हो गया सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल दैट इज़ यूज इन नॉइसलेस चैनल्स ठीक है तो ये क्या करता रहता है फ्रेम सेंड करता रहता है जो सेंडर है वो क्या कर रहा है रिसीवर को क्या करता रहता है फ्रेम सेंड करता रहता है ठीक है ये देखे इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसके पास पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है इसमें कुछ नहीं देखते ठीक है थीके? क्योंकि हम इसे मान ही कौन सा चैनल रहे नॉइसलेस चैनल नेक्स्ट देखिए यहाँ पे स्टॉप एंड वेट में क्या करता है ये एक की वेट करता है ठीक है स्टॉप एंड वेट क्या है प्रोटोकॉल तो देखिए स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल जो है ये क्या है डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ फ्रेम्स ओवर नॉइसलेस चैनल्स ठीक है अगर सिर्फ स्टॉप एंड वेट पूछा जाता है तो ये कहाँ यूज होता है आपने ध्यान रखना है ये नॉइसलेस चैनल्स पे यूज होता है ठीक है नॉइसलेस चैनल्स में यूज होता है ट्रांसमिशन ऑफ फ्रेम्स के लिए लेकिन अगर स्टॉप एंड वेट ए बोला जाता है ठीक तो है तो देखिए स्टॉप एंड वेट ए अगर आपसे पूछा जाता है तो स्टॉप एंड वेट ए आर क्यू कहां यूज होगा नोएसी no चैनल्स में यूज होगा ठीक है ए आर क्यू वाला होगा तो वो नो no एसी के लिए है और स्टॉप एंड वेट सिंपल है तो वो किसके लिए है चैनल्स no के लिए इट प्रोवाइड यूनी डायरेक्शनल डेटा ट्रांसमिशन ठीक है ये भी क्या प्रोवाइड कर रहा है यूनी डायरेक्शनल डेटा ट्रांसमिशन प्रोवाइड कर रहा है विद फ्लो कंट्रोल फैसिलिटीज हैं साथ लेकिन ये एरर कंट्रोल फैसिलिटीज नहीं देता है ठीक है कुछ एरर्स कुछ ड्रॉबैक्स रहते हैं इस चैनल इस तरह के प्रोटोकॉल्स के तभी हम कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं नेक्स्ट ये वाले प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं ठीक है तो वो आगे देखेंगे नेक्स्ट देखिए द आइडिया ऑफ स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल इज स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें बहुत ज़्यादा एस सच ऐसा नहीं है ठीक है कि हाँ कि ऐसा होगा तो ऐसा करना है सिंपल इसमें भी क्या कर रहे हैं डेटा सेंड करता है एक्नॉलेजमेंट आता है तो नेक्स्ट डेटा सेंड कर देता है ठीक है इसको आगे देखेंगे डायग्रामेटिकली तो देखिए यहाँ पे क्या रहता है आफ्टर ट्रांसमिटिंग वन फ्रेम एक फ्रेम ट्रांसमिट करने के बाद सेंडर क्या करता है वेट करता है एक्नॉलेजमेंट की बिफोर ट्रांसमिटिंग द नेक्स्ट फ्रेम तो जितने भी उसको फ्रेम्स भेजने हैं ठीक है एक एक करके भेजेगा और जब उस वाले फ्रेम की एक्नोलेजमेंट आ जाएगी तभी नेक्स्ट फ्रेम क्या करता है सेंड करता है तो देखिए यहाँ पे क्या रहता है सेंडर साइड पे सेंडर एक आ, क्या करेगा पैकेट या फ्रेम भेजेगा ठीक है फिर क्या करेगा नेक्स्ट कब भेजेगा जब उससे पिछले वाले का एक्नोलेजमेंट मिल जाएगा और रिसीवर एंड पे देखिए रिसीव करेगा और कंज्यूम करेगा उसको डेटा uh, पैकेट को और फिर आफ्टर कंज्यूमिंग वो क्या करेगा एक्नोलेजमेंट सेंड कर देगा ठीक है इस तरह से फ्लो क्या रहेगा कंट्रोल में रहेगा ऐसा नहीं है कि हाँ वो भेजा जा रहा है और ये अभी उसको रिसीव नहीं कर पा रहा है इस तरह से नहीं रहेगा ठीक है वह भेजेगा जब ये यूज कर चुका तो फिर ये एक्नॉलेजमेंट भेज देगा फिर ये वापिस से भेज देगा और इधर से फिर एक्नॉलेजमेंट चला जाएगा इस तरह से क्या होता है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल वर्क करता है तो देखिए कैसे रहेगा ये सेंडर ने क्या किया पैकेट भेजा इसने रिसीवर ने क्या किया कियाक्नोलेजमेंट भेजा फिर वो एक्नॉलेजमेंट रिसीव करने के बाद सेंडर क्या करेगा दूसरा पैकेट भेज देगा फिर ये एक्नॉलेजमेंट भेज देगा फिर ये पैकेट और फिर ये एक्नॉलेजमेंट ठीक है इस तरह से वर्क करता है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल अब देखिए प्रॉब्लम्स क्या रहती हैं अभी हमने प्रोटोकॉल देखा लेकिन साथ में कुछ डिसएडवांटेजेस हैं स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में वो क्या है तो देखिए कई बार क्या होता है यहाँ पे डेटा क्या हुआ है लॉस्ट हो गया ठीक है अब ये क्या करेगा रिसीवर क्या कर रहा है वेट करता करता चला जा रहा है ठीक है इसके डेटा की क्या कर रहा है ये वेट करता चला जा रहा है और सेंडर भी वेट करता चला जा रहा है ठीक है सेंडर क्यों वेट कर रहा है क्योंकि इसको लग रहा है मैंने डेटा सेंड कर दिया और यहाँ से एकनॉलेजमेंट आ नहीं रही है ठीक है यहाँ से एकनॉलेजमेंट जब तक नहीं आएगी ये अगला डेटा भेजेगा नहीं तो इस तरह से अगर कभी भी डेटा बीच में ही लॉस्ट हो गया ठीक है तो क्या करें क्या हो रहा है सेंडर वेट कर रहा है एक्नॉलेजमेंट की ठीक है सेंडर तो वेट करता जा रहा है एक्नॉलेजमेंट मेरे पास आएगी 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 ठीक है इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम ये वेट कर रहा है और रिसीवर इसी तरह से इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम किसकी वेट कर रहा है डेटा की वेट कर रहा है ठीक है रिसीवर डेटा की वेट करता जा रहा है और सेंडर एक्नोलमेंट की वेट कर रहा है ठीक है तो इन बिटवीन अगर डेटा कहीं पे भी लॉस्ट हो गया तो उसकी वजह से स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में इस तरह की एरर्स आ जाती है मतलब नहीं सही से वर्क कर पाता फ्लो कंट्रोल जो करना चाह रहे थे वो एक्चुअल में सही से परफॉर्म नहीं हो पाता सेकेंड प्रॉब्लम क्या आती है प्रॉब्लम ड्यू टू लॉस्ट एक्नोलेजमेंट ठीक है फर्स्ट प्रॉब्लम थी आपकी ड्यू टू लॉस्ट डेटा डेटा ही लॉस्ट हो गया अब क्या है डेटा रिसीवर के पास तो पहुंच गया ठीक है डेटा क्या है रिसीवर के पास पहुंच गया लेकिन रिसीवर की जो एक्नॉलेजमेंट थी वो सेंडर के पास नहीं पहुंची अब सेंडर क्या करेगा वेट करता रहेगा इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम एक्नॉलेजमेंट के लिए ठीक है जब तक इसके पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी आगे का भी काम रूक करेगा ये डेटा नहीं सेंड करेगा ठीक है क्योंकि ये वेट ही करता चला जा रहा है कि पिछली एक्नॉलेजमेंट जब तक नहीं आती तब तक ये क्या करेगा आगे का डेटा सेंड ही नहीं, नहीं करेगा ठीक है तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी अगर एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो जाती है थर्ड प्रॉब्लम क्या रहती है देखिए प्रॉब्लम ड्यू टू डिलेड एक्नॉलेजमेंट ठीक है अब यहाँ पे क्या होता है टाइम फिक्स होता है ठीक है टाइम क्या होता है टाइम होता है कि हाँ विद इन दैट मच टाइम जो है एक्नॉलेजमेंट पहुंच जानी चाहिए ठीक है तो देखिए यहाँ पे क्या है सेंडर ने डेटा सेंड कर दिया लेकिन जो एक्नॉलेजमेंट है ये अगर टाइम फिक्स था कि हाँ तब तक पहुंच जानी चाहिए थी तो ये एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे आने की बजाय कहाँ आ रही है आफ्टर दिस टाइम आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ दिस टाइम ठीक है इस टाइम के बाद आ रही है एक्नॉलेजमेंट सेंडर के पास ठीक है तो इस वाले केस में क्या होगा आफ्टर टाइम आउट ऑन द सेंडर साइड ठीक है इसका टाइम आउट हो गया देन अ डिलेड एक्नॉलेजमेंट माइट बी रॉन्गली कंसिडर्ड एज एक्नॉलेजमेंट ऑफ सम अदर डेटा पैकेट ठीक है अब ये क्या एज्यूम करेगा कि क्या पता ये किसी और डेटा पैकेट की हो ठीक है तो यहाँ पे ये मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस रहते हैं कि ये जो एक्नॉलेजमेंट आई है तो इसे ये नहीं पता चलेगा कि ये कौन से वाले डेटा की है ठीक है कई बार किसी और की कंसीडर कर ली जाती है तो अभी यहाँ पे नहीं पहुंच पा रही है टाइमली नहीं आ रही है तो ये भी एक आ, क्या रहती है इसमें प्रॉब्लम रहती है कि इसमें सिंपल वेट है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में तो सिंपल स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के बाद हमारे पास कौन सा आता है स्टॉप एंड वेट ए आर क्यू ठीक है ये कौन सा है ए आर क्यू दैट मीन्स ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट अपने आप ही जो है ना रिपीट करते हैं इसमें इस केस में क्या करें रिपीट की रिक्वेस्ट जा रही है ठीक है ना तो यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है ठीक है तो उन प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे कि कैसे हैंडल किया जा रहा है स्टॉप एंड वेट ए में जो यहाँ पे हमने थ्री प्रॉब्लम्स देखी ड्यू टू लॉस्ट डेटा ड्यू ड्यू टू टू लॉस्ट एंड डिलेड ठीक है इन तीन की वजह से हमारे पास आया एक प्रोटोकॉल स्टॉप एंड वेट ए आर क्यू प्रोटोकॉल देखिए स्टॉप तो एंड वेट ए आर क्यू प्रोटोकॉल में क्या होता है इस प्रोटोकॉल में क्या है आफ्टर ट्रांसमिटिंग वन फ्रेम द सेंडर वेट्स फॉर एन एक्नॉलेजमेंट बिफोर ट्रांसमिटिंग द नेक्स्ट फ्रेम ठीक है जो चीज वहां पे थी वही रहेगी ये वाली कि एक फ्रेम भेजने के बाद सेंडर वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट का नेक्स्ट फ्रेम भेजने से पहले लेकिन यहाँ पे क्या देखा जाता है कि अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुँचती है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद देन सेंडर क्या कहते हैं टाइम्स आउट एंड री ट्रांसमिट द ऑरिजिनल फ्रेम अब यहाँ पे अगर सेंडर के पास एक्नॉलेजमेंट एक टाइम के बाद नहीं आती है तो वो क्या करता है अपने आप ही क्या करेगा उस फ्रेम को रीट्रांसमिट कर देगा ठीक है तो यहाँ पे आपके पास क्या है स्टॉप एंड वेट ए आर क्यू इज इक्वस टू स्टॉप एंड वेट प्लस टाइम आउट टाइमर ठीक है टाइम आउट टाइमर देख रहे हैं और फिर अकॉर्डिंगली सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग क्या करेगा उस वाले फ्रेम को दोबारा से भेज देगा ठीक है तो देखिए यहाँ पे क्या किया डेटा पैकेट भेजा इसने एक्नोलेजमेंट भेज दिया इसने अगेन डेटा पैकेट भेज दिया अब इसकी अक्नोलेजमेंट नहीं पहुंची है ठीक है इसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंची तो ये क्या करेगा ये टाइम ओवर हो गया तो यहाँ पर इस वाले पैकेट को क्या करेगा दोबारा से भेज देगा फिर इसके पास क्या पहुंच गई ये एक्नॉलेजमेंट पहुंच गई ठीक है तो यहाँ पे हम क्या करें डेटा पैकेट भेजा एक्नॉलेजमेंट आ गया ये वाला डेटा पैकेट वन था सपोज ये टू था अभी इसकी टू वाले की एक्नॉलेजमेंट नहीं आई ठीक है तो ये आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस टाइम कितना टाइम इसने वेट करना था ठीक है उतना टाइम इसने वेट कर लिया अब ये क्या करेगा इस वाले डेटा पैकेट को दोबारा से अपने आप ही भेज देगा ठीक है ऑटोमेटिकली क्या करेगा उस वाले डेटा पैकेट को वापस से अपने आप भेज देगा ठीक है फिर इसके पास से क्या आ गया एकजमेंट आ गया ठीक है तो ये इस तरह से वर्क करता है हमारा स्टॉप एंड वेट ए प्रोटोकॉल तो देखिए स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में हमारे पास डिफरेंट सेनेरियोज हो सकते हैं यहाँ पे हमने क्या लिया सिंपल फ्रेम आया एक्नोलेजमेंट आ गया ठीक है सिंपल ये चीज़ तो हो गई उसके बाद क्या आता है कि देखिए फ्रेम गया था अभी फ्रेम ही पहुंचा ही नहीं रिसीवर के पास फिर वो क्या करेगा टाइम आउट पूरा होने के बाद ठीक है उस टाइम के पूरा होने के बाद उस फ्रेम को दोबारा अपने आप ही चला भेज देगा ठीक है अपने आप ही क्या करेगा उस फ्रेम को भेज देगा ये नहीं है कि इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम वो वेट करता रहेगा एक्नॉलेजमेंट की ठीक है जैसा कि जो कि आपका स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में हो रहा था अब यहाँ पे फ्रेम अपने आप भेज दिया और फिर एक उसके पास आ गई अब नेक्स्ट सी जो पार्ट है आपका इसमें देखिए फ्रेम गया देन एक्नॉलेजमेंट भेजी उसने रिसीवर ने लेकिन बीच में ही लॉस्ट हो गई अब वो क्या करेगा उस टाइम आउट के बाद फ्रेम अपने आप ही दोबारा से चला जाएगा ठीक है फ्रेम क्या करेगा अपने आप ही वापस से गया ये नहीं है कि वेट करे जा रहे हैं ठीक है ऐसा नहीं है और फोर्थ केस हमारे पास क्या है देखिए फ्रेम भेजा अब एक्नॉलेजमेंट टाइम पूरा होने के बाद पहुंच रही है ठीक है एक्नॉलेजमेंट टाइम पूरा होने के बाद पहुंच रही है तो वो नहीं उसको चेक करेगा ठीक है क्या करेगा टाइम जैसे ही कंप्लीट हुआ वैसे ही क्या किया फ्रेम वापस से दोबारा भेज दिया ठीक है फ्रेम क्या किया है वापिस से दोबारा भेज दिया इनके सिक्वेंस नंबर्स होते हैं फ्रेम्स के अकॉर्डिंगली ही वो क्या करते हैं ये फ्रेम जीरो है ये फ्रेम वन है ठीक है इनके सिक्वेंस होते हैं अकॉर्डिंगली पता चल जाता है ठीक है ये भी अगर ज़ीरो था वापस से इस फ्रेम को भेजा तो ये जीरो ही रहेगा ठीक है तो उससे उन्हें पता चल जाता है कि ये किस फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट है किस फ्रेम का इसी तरह से इस पर भी मैंशन कर देते हैं तो इस तरह से वो जज कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पे पता चल जाएगा ये एक्नॉलेजमेंट तो इसे डिस्कार्ड कर देगा जस्ट और ये वा फ्रेम वापिस से भेज देगा टाइम कंप्लीशन के बाद ये आपका होता है स्टॉप एंड वेट ए प्रोटोकॉल ठीक है तो इसके भी देखिए कुछ ड्रॉबैक्स हैं इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं कि हम एक बार में एक ही फ्रेम सेंड कर सकते हैं ठीक है हम एक बार में क्या कर पा रहे हैं एक ही फ्रेम देखिए सेंड कर रहे हैं जब तक उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही है स्टॉप कर रुक जाते हैं हम और वेट करते हैं एक्नॉलेजमेंट का जब तक हमें एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती तब तक क्या करते हैं आगे नहीं बढ़ते ठीक तो है तो यहाँ पे देखिए पुअर यूटिलाइजेशन है किसकी बैंडविथ की ठीक है अभी दो दूसरे वाले की स्पीड है वो अच्छी है रिसीवर जो है रिसीवर कर सकता है एक अच्छी बैंडविट है सपोज उसकी ठीक है इतने अमाउंट में रिसीव कर सकता है लेकिन इवन देन जो इधर से है जो सेंडर है वो नहीं भेज पा रहा है ठीक है तो ये यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं क्योंकि स्टॉप करके स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल हम यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं बैंडविथ का देन देखिए हमारे पास क्या आता है पुअर परफॉर्मेंस तो जो परफॉर्मेंस है वो इस इस वजह से क्या हो जाती है पुअर हो जाती है किसकी स्टॉप एंड वेट ए आर क्यू प्रोटोकॉल की तो इसे ओवरकम करने के लिए हमारे पास आते हैं स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल ठीक है इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास कौन से प्रोटोकॉल्स आते हैं स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल और ये क्या करते हैं देखिए सेंड मल्टीपल फ्रेम्स एट अ टाइम ये क्या कर रहे हैं मल्टीपल फ्रेम्स एक बार में भेजते हैं स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स जो हैं वो कैसे कर रहे हैं क्या कर रहे हैं मल्टीपल फ्रेम्स एक बार में सेंड करते हैं नंबर ऑफ फ्रेम्स टू बी सेंट इज़ बेस्ड ऑन विंडो साइज तो नंबर ऑफ़ फ्रेम्स कितने भेजे जाएंगे ये किसके ऊपर डिपेंड करता है विंडो साइज के ऊपर डिपेंड करता है ठीक है किसके ऊपर डिपेंड करता है विंडो साइज के ऊपर डिपेंड करता है वो आगे देखेंगे हम देन हमारे पास क्या होता है हर फ्रेम को एक नंबर दिया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं सीक्वेंस नंबर ठीक है? है हर फ्रेम को क्या दिया जाता है नंबर दे दिया जाता है हर फ्रेम नंबर्ड होता है ताकि पता रहे कि कौन सा फ्रेम पहुंच गया और कौन सा फ्रेम नहीं पहुंचा है तो ये वो किससे जज किया जाता है सीक्वेंस नंबर से जज किया जाता है ठीक है तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में आपके पास मल्टीपल फ्रेम्स एक बार में चले जाते हैं और फ्रेम्स को हम कितने फ्रेम्स भेज सकते हैं वो डिसाइड वो डिपेंड करता है विंडो साइज के ऊपर और हर फ्रेम नंबर्ड होता है तो देखिए स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल की वर्किंग किस तरह से रहती है यहाँ पे हमारे पास जितना भी विंडो साइज़ डिसाइड किया जाता है ठीक है सपोज़ हम विंडो साइज़ थ्री रखते हैं या फोर रखते हैं ठीक है जो भी आपका विंडो साइज़ है सपोज इट इज़ फोर तो क्या है कि एक विंडो बन जाती है इस तरह से क्या बन जाएगी विंडो बन जाएगी अब जो सेंडर है ये क्या करेगा पहले जीरो वत फ्रेम भेजेगा फिर फर्स्ट फ्रेम भेजेगा देन सेकंड फ्रेम भेजेगा और फिर थर्ड फ्रेम भेजेगा जितना भी विंडो साइज है उतने फ्रेम्स ये विदाउट एक्सपेक्टिंग मतलब तब तक ये क्या एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि मेरे पास एक्नोलेजमेंट आए ये मल्टीपल फ्रेम्स विदाउट मतलब एक्नोलेजमेंट का वेट किए भी ना क्या करेगा भेज देगा ठीक है अब ये क्या देखेगा कि अब ये रिसीवर क्या करेगा अब एक्नॉलेजमेंट भेजेगा तो देखिए एक्नॉलेजमेंट अब इसने ज़ीरो की भेज दी ठीक है जैसे ही इसके पास एक एक्नॉलेजमेंट आ गई ज़ीरो की तो ये विंडो साइज़ क्या होता है विंडो जो है वो चेंज होती रहती है ठीक है तो देखिए विंडो कैसे चेंज होगी अब जो विंडो है ना यहाँ से हटके ठीक है यहाँ से ये विंडो हटके के कहाँ पर चली जाएगी यहाँ पे चली जाएगी ठीक है कहाँ चली जाएगी यहाँ चली जाएगी अब करंटली विंडो में कौन आ गया फोर आ गया तो अब जैसे ही जीरो की एक्नॉलेजमेंट आई तो रिसीवर क्या सेंड कर, दे, uh, कर देगा सेंडर क्या सेंड कर देगा फोर सेंड कर देगा ठीक है अब इसके पास दोबारा से वन की एक्नॉलेजमेंट आ गई और साथ ही सपोज टू की आ गई ठीक है या वन की आई सिर्फ अभी तो यहाँ पे अभी वन को देखिए तो वन की जस्ट जैसे ही आ गई तो यहाँ पे क्या करेगा अब ये फाइव को सेंड कर देगा ठीक है क्या करेगा फाइव को सेंड कर देगा मतलब एट अ टाइम ये क्या देख रहा है कि विदाउट एक्नॉलेजमेंट आए बिना ये चार फ्रेम्स भेज देगा रिसीवर के पास ठीक है तो जैसी एक की एक्नोलेजमेंट आई देखो जीरो की एक्नोलेजमेंट आई तो अभी वन टू थ्री की पेंडिंग थी और फोर की हो गई पेंडिंग ठीक है तो विदाउट के ये विंडो साइज को क्या रख रहा है फोर रख रहा है दैट मीन फोर फ्रेम्स ये सेंड कर देगा विदाउट गेटिंग एक्नोलेजमेंट ठीक है उसको एक्नोलेजमेंट नहीं भी मिल रहा है तो कोई बात नहीं वो विंडो साइज क्या रखता है फोर ही रखता है अब जैसे इसने फाइव भी सेंड कर दिया तो ये विंडो फिर दोबारा से क्या हो जाएगी शिफ्ट हो जाएगी और विंडो कहाँ चली जाएगी टू से फाइव के पास चली जाएगी ठीक है शुरुआत में विंडो कहाँ थी हमारी जीरो से थ्री पर थी फिर कहाँ पहुंची वन से फोर पे पहुँची फिर कहाँ पहुँचेगी टू से फाइव पे पहुंच जाएगी ठीक है इस तरह से विंडो क्या हो रही है देखिए स्लाइड होती चली जा रही है इसीलिए इसका नाम क्या है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल ठीक है और ये विंडो का साइज़ होता है इसके अकॉर्डिंग ये विंडो का साइज़ रहेगा विंडो का साइज़ थ्री होगा तो देखिए यहाँ पे आपका साइज़ क्या बन जाएगा थ्री हो जाएगा हमारी विंडो का साइज़ ठीक है इस तरह से ये क्या करता है भेज देता है और जब जैसे जैसे एक्नॉलेजमेंट आती रहती है आगे का एक एक करके एक्नॉलेजमेंट आ रही है वैसे ही जैसे ही एक्नॉलेजमेंट आती है नेक्स्ट क्या करते हैं नेक्स्ट फ्रेम ये सेंड कर देता है ठीक है और विंडो जो है हमारी आगे आगे स्लाइड करती चली जाती है तो देखिए यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स में क्या होता है जैसे जैसे विंडो देखिए स्लाइड होती चली जा रही है ठीक है यहाँ से स्टार्ट हुई थी वो ठीक है अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं विंडो का साइज़ क्या है फोर है दैट मीन्स यहाँ से जीरो से थ्री से स्टार्ट हुई थी विंडो हमारी और अभी थ्री से सिक्स पर है ठीक है तो जो इससे पहले वाले जो हम पहले ऑलरेडी भेज चुके हैं ठीक है जो फ्रेम्स जा चुके हैं वो इसका मतलब क्या है जो यहाँ पे नंबर्स हैं ये फ्रेम्स ऑलरेडी चले भी गए हैं और एक्नॉलेज भी हो चुके हैं ठीक है तो देखिए जीरो वन टू थ्री यहाँ पे फ्रेम्स चले गए हैं और इनकी एक्नोलेजमेंट भी आ चुकी है देन हमने कौन कौन से भेज रखे हैं फोर फाइव सिक्स भेजे हुए हैं और थ्री की भी एक्नॉलेजमेंट अभी आनी है ठीक है तो जो भी विंडो में होते हैं उनकी एक्नोलेजमेंट अभी आनी होती है वो भेज चुके हैं हम वो वाले फ्रेम्स लेकिन एक्नॉलेजमेंट अभी बाकी है और यहाँ पे जो बाकी इधर हाँ आ जाते हैं फ्रेम्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो रह गए बाकी के उनको अभी हमने सेंड करना है Yet to be set. तो इस तरह से हमारे पास रहता है अगर कई बार ये इसी तरह से पूछ लिया जाता है एग्जाम में ठीक है ये वाले कौन से इसमें जो है उससे उस रिलेटेड क्या समझते हैं आप ठीक तो है तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है तो देखिये हमने देखा था शुरू में नॉइसलेस चैनल्स के लिए कुछ प्रोटोकॉल होते हैं और कुछ नॉइसी चैनल के लिए होते हैं तो ये तो हमने देखा सिंपलेस्ट एंड देन स्टॉप एंड वेट आफ्टर दैट स्टॉप एंड वेट ए आर क्यू उसके बाद हमारे पास आता है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं जो ये बाकी के दो रह गए हमारी इसमें नॉइसी चैनल्स में ये वाले दोनों हैं स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स ठीक है protocols. इन दोनों प्रोटोकॉल्स में क्या होता है विंडो इस तरह से स्लाइड होती रहेगी स्टॉप एंड वेट में वो हर एक के लिए क्या करे जैसे ही फ्रेम भेज रहा है उसके लिए एक, आ, हमेशा सेंडर क्या कर रहा है एक्नोलिजमेंट की वेट कर रहा है और साथ में यहाँ पे हमारे पास क्या था डिसएडवांटेज कि हम एक ही फ्रेम क्या है भेज सकते हैं एट अ टाइम ठीक है जब तक उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आती तब तक हम और फ्रेम्स नहीं भेजते हैं. तब यहाँ स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में हम क्या करेंगे इन दोनों प्रोटोकॉल्स में गो बैक एन और सेलेक्टिव रिपीट ए आर क्यू में क्या करेंगे मल्टीपल फ्रेम्स एक बार में सेंड करेंगे अकॉर्डिंग टू विंडो हम क्या करते हैं चेक करते रहते हैं ठीक है विंडो जो है आगे स्लाइड तभी कर रही है जब पिछले वालों की एक्नॉलेजमेंट आती चली जा रही है ठीक तो है तो अब देखते हैं इसमें इन दोनों में क्या डिफरेंस है और किस तरह से ये दोनों डिफरेंट स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं तो हमारे पास दो प्रोटोकॉल्स हैं स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल कौन कौन सी हैं गो बैक एन आर क्यू एंड सेलेक्टिव रिपीट ए आर क्यू ठीक है स्टॉप एंड वेट ए आर क्यू हमारा स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल नहीं है अ, ये दोनों हमारे क्या हैं स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स हैं तो चलिए सबसे पहले देखते हैं दोनों में से गो बैक एन ए आर क्यू तो देखिए यहाँ पे एन क्या है सेंडर का विंडो साइज ठीक है यहाँ पे क्या है एन क्या है स्लाइडिंग स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है ये तो यहाँ पे जो भी विंडो का साइज रहेगा सेंडर की विंडो का साइज रहेगा वो यहाँ पे एन की वैल्यू होती है ठीक है तो यहाँ पे समझते हैं यहाँ पे गो बैक एन इसको नाम क्यों दिया गया जैसे जैसे हम प्रोटोकॉल को समझेंगे ये अपने आप समझ में आ जाएगा तो देखिए गो बैक एन ए आर क्यू क्या करता है कॉन्सेप्ट यूज़ करता है प्रोटोकॉल पाइपलाइनिंग का दैट मीन्स सेंडर क्या कर सकता है मल्टीपल फ्रेम सेंड कर सकता है बिफोर रिसीविंग एनी एक्नॉलेजमेंट फॉर द फर्स्ट फ्रेम ठीक है कि कोई भी उसके एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली है जब तक फर्स्ट फ्रेम की भी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती है तब तक वो एन नंबर ऑफ़ फ्रेम सेंड कर सकता है ठीक है तो एन नंबर ऑफ़ फ्रेम्स यहाँ पे फिक्स होता है तो मल्टीपल फ्रेम्स वो क्या कर पा रहा है सेंड कर पा रहा है सो देर आर फाइनाइट नंबर ऑफ़ फ्रेम एंड द फ्रेम नंबर्ड इनशियल मैनर तो देखिये जो नंबर्स होते हैं वो हमेशा फाइनाइट रहते हैं इनफाइनाइट नहीं हो सकते ठीक है ये भेजता ही चला जा रहा है कुछ लिमिटेड ही नंबर ऑफ फ्रेम्स होते हैं जब जो हम क्या करते हैं एक विंडो uh, का साइज uh, जिसके थ्रू क्या कर रहे हैं फिक्स कर रहे हैं ठीक है फिर विंडो के साइज के अकॉर्डिंग इन नंबर ऑफ़ फ्रेम सेंड कर रहे हैं आई मीन ठीक है तो यहाँ पे जो विंडो का साइज होता है वो हमेशा एक लिमिटेड ही रहता है लाइक उसके अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं फ्रेम सेंड किए जाते हैं ठीक है जो नंबर ऑफ फ्रेम्स दैट कैन बी सेंड डिपेंड्स ऑन द विंडो साइज एंड इफ द एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ फ्रेम इज़ नॉट रिसीव्ड अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होती है ठीक है अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होती है किसी भी फ्रेम की तो फिर अगर जो भी टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया हुआ है उसके बीच में एक्नॉलेजमेंट अगर रिसीव नहीं होती है तो जितने भी करंट विंडो में फ्रेम्स हैं वो सारे रीट्रांसमिट किए जाते हैं ठीक है तो जितने भी फ्रेम्स हैं करंट विंडो में वो सब क्या किए जाते हैं रीट्रांसमिट कर दिए जाते हैं इसी वजह से इसे नाम दिया गया है गो बैक एन आर क्यू समझते हैं इसे तो देखिए अगर हमारे पास एन है सेंडर की विंडो का साइज और एग्जाम्पल में देखते हैं कि सेंडर का विंडो का साइज क्या लिया हमने फोर ले लिया तो यहाँ पे टू रेस्ट टू पावर टू क्या रहता है फ़ोर uh, रहता है ठीक है तो यहाँ पे कितने बिट्स में हम उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं जीरो 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 वन वन जीरो वन वन ठीक है 0001, 1011, तो टू बिट्स की हेल्प से हम क्या कर पा रहे हैं रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं अगर फोर विंडो uh, का साइज है तो देखिए जब भी सीक्वेंस होगी तो क्या होगी ज़ीरो वन टू थ्री जीरो वन टू थ्री जीरो वन इस तरह से सीक्वेंस रहेगी फ्रेम्स की ठीक है तो ये एक बार भेजें फिर ये भेजें फिर ये भेजें इस तरह से भेज देते हैं ठीक है तो नंबर ऑफ बिट्स जो रहते हैं सीक्वेंस में वो कितने हैं टू है टू जनरेट बाइनरी सीक्वेंस ये वाली अगर सीक्वेंस बनानी है तो हमें टू बिट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी इसी तरह से अगर एट्स हमें चाहिए तो हम कितने ले लेते हैं थ्री ले लेते हैं बिट्स तो देखिए इसमें क्या करें कैसे वर्क करता है गो बैक एन ए आर क्यू यहाँ पे हमारे पास ये क्या है टोटल फ्रेम्स हैं ठीक है जो हम सेंड करना चाहते हैं तो देखो यहाँ पे शुरुआत में हमारे पास क्या है साइज क्या है फोर है विंडो का तो देखिए शुरुआत में हमारे पास क्या थे जीरो से लेकर थ्री तक के फ्रेम्स सेंड करेंगे तो वो जीरो फ्रेम सेंड किया फर्स्ट फ्रेम सेंड किया टू सेकेंड फ्रेम सेंड किया एंड थर्ड फ्रेम सेंड किया ठीक है विदाउट एनी एक्नोलेजमेंट जितना फ्रेम विंडो का साइज है उतने फ्रेम्स क्या होंगे रिसीवर के पास पहुंचा दिए जाएंगे ठीक है अब देखिए जीरो की जब एक्नोलेजमेंट आई ठीक है जैसे ही जीरो की एक्नोलेजमेंट आई तो जो हमारी ये है यहाँ पे फोर्थ जो फ्रेम है वो सेंड कर दिया जाएगा अब जो फोर्थ फ्रेम है वो जब सेंड कर दिया तो जो विंडो है देखिए विंडो क्या होगी शिफ्ट होके जीरो से थ्री पर थी ऑलरेडी अब वो कहाँ चली जाएगी वन से फोर पे चली जाएगी ठीक है जो विंडो है अब वो कहाँ पर आ गई वन से फोर पर आ गई ठीक है शुरुआत में जो विंडो है वो कहाँ पर है जीरो से थ्री पर है शुरुआत में जो विंडो है वो कहाँ है जीरो से थ्री पर है अब जब जीरो की एक्नॉलेजमेंट आ गई जीरो फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट आ गई और फोर्थ फ्रेम सेंड कर दिया उसके बाद जो विंडो है वो देखिए क्या हो जाएगी स्लाइड कर जाएगी एक बिट एक फ्रेम आगे स्लाइड कर जाएगी ठीक है अब उसके बाद देखिए क्या हुआ फर्स्ट फ्रेम की क्या आ गई एक्नॉलेजमेंट आ गई तो अब ये क्या कर देगा नेक्स्ट फ्रेम क्या करेगा सेंड कर देगा ठीक है तो ये जो विंडो का साइज है देखिए कितना रहता है हमेशा फोर का ही रहेगा ठीक है तो ये हमेशा फोर का ही रहेगा जब फिफ्थ सेंड कर दिया अब इसके पास कितने आए ये विंडो ये बनी वन टू से लेकर फाइव तक की आ गई ठीक है तो अभी भी वेटिंग में अगर हम देखें तो कितने आ, कितने की वेटिंग है कितने एक्नोलेजमेंट्स पेंडिंग है फोर पेंडिंग है ठीक है वो हमेशा फोर ही रहेंगे कि फोर एक्नॉलेजमेंट्स जब तक नहीं आ आ जाती हैं ठीक है थीके, उनको पिछली एक्नॉलेजमेंट नहीं आती है तो अगले को क्या करेगा वो जितने भी हैं उनको एक विंडो में डाल के रखेगा ठीक है तो अब देखिए टू की उसने एक्नोलेजमेंट भेजी लेकिन यहाँ तक नहीं पहुंची अब यहाँ पे नहीं पहुंची है ठीक है सेंडर के पास ये एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंची सेकेंड फ्रेम की ठीक है ये बीच में ही लॉस्ट हो गई अब देखिए अब जो सेंडर है ना वो क्या करेगा वो करेगा वो यहीं से ही वापस भेजेगा ठीक है जिसकी लॉस्ट हो गई अब ये इतना टाइम था सपोज ठीक है इस टाइम पीरियड के बाद जो भी आपके विंडो में हैं फ्रेम्स उन सभी फ्रेम्स को यह क्या करेगा रीसेंड कर देगा रीट्रांसमिट कर देगा ठीक है सेकंड को थर्ड को फोर्थ को और फिफ्थ को क्या किया इसने रीट्रांसमिट कर दिया ठीक है क्या कर दिया रीट्रांसमिट कर दिया तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जो भी विंडो में रहेंगे अब हमारे फ्रेम्स उनको क्या कर रहा है रीट्रांसमिट कर रहा है तो इसलिए हम कह रहे हैं गो बैक एन कितना वापस चला गया फिफ्थ उसने भेज दिया था लेकिन कितना वापस गया फोर वापस चला गया वो ठीक है फोर वापस जाके फिर वापस से जितने थे उनको सबको भेजा ठीक है तो ये वर्किंग रहती है हमारी गो बैक एन ए आर क्यू की ठीक है तो यहां पे देखिए अभी गो बैक एन जो हमारा ए आर क्यू है इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि इस, इसके भी कुछ हैं ठीक है कि हमें वापस से वापस सारे सारे जितने भी फ्रेम्स अगर एक की एक्नॉलेजमेंट घूम गई है तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे भाई कि सेकंड नहीं पहुंचा तो जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ अगर पहुंच गया है उसकी एक्नॉलेजमेंट आ जाती है तो उनको कंसीडर कर लें ठीक है क्यों हमें सारे के सारे वापस भेजने पड़ रहे हैं तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट जो आता है प्रोटोकॉल वो कौन सा आता है सेलेक्टिव रिपीट प्रोट ए प्रोटोकॉल ठीक है तो सेलेक्टिव रिपीट ए आर क्यू प्रोटोकॉल क्या कहता है कि जो है या लॉस्ट हैं सिर्फ उन्हीं को क्यों नहीं रिट्रांसमिट कर सकते ठीक है तो इस केस में हम क्या करते हैं सिर्फ एरन और लॉस्ट फ्रेम्स को ही रिट्रांसमिट करते हैं और जो करेक्ट फ्रेम्स हैं वो रिसीव हो चुके हैं उनको नहीं करते हैं ठीक है थीके? जो करेक्ट फ्रेम्स यहाँ पे अगर थर्ड उसको रिसीव हो चुका है फोर्थ हो चुका है और फिफ्थ हो चुका है तो इनको वापस से नहीं हम क्या करेंगे ट्रांसमिट करेंगे सिर्फ सेकंड अगर नहीं पहुंचा है तो सेकंड को ही ट्रांसमिट करेंगे सो द रिसीवर वाइल कीपिंग ट्रैक ऑफ सीक्वेंस नंबर्स बफर द फ्रेम्स इन मेमोरी एंड सेंस नैक ने नो एक्नॉलेजमेंट ठीक है तो इसके लिए नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सॉरी ठीक है तो यहाँ पे इसके लिए क्या भेज रहे हैं कि रिसीव नहीं हुआ है तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा उस पर्टिकुलर फ्रेम के लिए जो मिसिंग है या डैमेज है ठीक तो है तो रिसीवर क्या कर रहा है ट्रैक रख रहा है सीक्वेंस नंबर्स का तो जो मिसिंग होगी बीच में अभी उसको पता है ये थ्री आ गया मेरे पास फोर आ गया फाइव आ गया अब टू जो है टू की एक्नॉलेजमेंट इसने भेजी थी ठीक है कि टू की एक्नॉलेजमेंट भेजी लेकिन इसको नहीं मिली तो ये क्या करेगा सिर्फ टू वाला ही अगर ये वाला लॉस्ट हो गया इन बिटवीन जाते हुए लॉस्ट हो गया या इसकी एक्नॉलेजमेंट इससे नहीं मिली है तो ये वाला ये क्या करेगा सिर्फ टू वाले को ही सेंड करेगा सो so, यहाँ पे नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट वो भेजेगा सेंडर ठीक है सॉरी uh, रिसीवर ठीक है सो द सेंडर विल सेंड री और री ट्रांसमिट पैकेट फॉर विच एन ए सी के इज रिस तो जिसके लिए भी नेगेटिव एक्नोलेजमेंट उसे मिलती है तो वो वाली वो वाला पैकेट वो क्या करेगा रिट्रांसमिट कर देगा या जिसके एक्नोलेजमेंट इसको नहीं मिलती है उस वाले को क्या करेगा रीट्रांसमिट कर देगा तो देखिए यहाँ पे सेलेक्टिव विंडो प्रोट सेलेक्टिव रिपीट एआर आर प्रोटोकॉल किस तरह से वर्क करेगा शुरुआत में इसने क्या लिया हुआ है विंडो साइज देखिए फोर लिया तो इसका मतलब शुरू में कौन कौन से भेजेगा जीरो वन टू थ्री सेंड कर दिया ठीक है अब ये इसके पास जीरो पहुंच गया था इसने इसका क्या किया है एक्नोलेजमेंट दे दिया जैसे ही एक्नोलिजमेंट आया जीरो के लिए तो क्या सेंड कर दिया गया फोर्थ वाला फ्रेम सेंड कर दिया जैसे ही फोर्थ वाला फ्रेम सेंड कर दिया इस मोमेंट पे आपकी जो स्लाइडिंग विंडो है वो कहाँ पर पहुंच जाएगी यहाँ पहुंच जाएगी अब वन वाले का क्या आ गया एकनोलेजमेंट आ गया और फाइव वाला सेंड कर दिया गया तो जो ये विंडो है ये स्लाइड होके के कहा पहुंच गई जहां पे अभी ये करंटली है देन देखिए इसने सेकंड वाला एक्नॉलेजमेंट भेजा लेकिन वो इसके पास नहीं पहुंचा तो आफ्टर टाइम आउट ठीक है जब टाइम कवर हो जाएगा ठीक है तो ये क्या करेगा सेकंड वाले का एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो सेकंड वाले को क्या करेगा वापिस से भेज देगा देन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं थर्ड वाला इसके पास पहुंचा हुआ था ठीक है उसके बाद इसने एक्नॉलेजमेंट दे दी वापिस से थर्ड वाले की एक्नॉलेजमेंट आ गई फिर फोर्थ की एक्नॉलेजमेंट आ गई है फिर फिफ्थ की एक्नॉलेजमेंट आ गई है ठीक है तो यहाँ पे देखिए जैसे ही थर्ड की एक्नॉलेजमेंट आई ठीक है देखिए यहाँ पे सेकंड की जो एक्नॉलेजमेंट थी वो तो लॉस्ट हो गई लेकिन थर्ड की जो एक्नॉलेजमेंट थी वो इसको रिसीव हो गई है ठीक है तो यहाँ पे सेंडर ने देखा कि मेरे पास ज़ीरो की एक्नॉलेजमेंट भी आ गई थी वन की भी आ गई थी टू की नहीं आई और थर्ड की भी आ गई इट मीन्स सेकेंड की एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंची सेंडर के पास तो वो क्या करेगा सेकेंड वाले को रीट्रांसमिट कर देगा ठीक है जैसे जो उसको थर्ड की मिलेगी तो वो क्या करेगा सेकेंड वाले को रीट्रांसमिट कर देगा और वापस से अभी फोर्थ की आ गई एक्नोलेजमेंट तो सिक्स को कर दिया और फाइव की आ गई तो इसी तरह से आगे सेवन को कर दिया ठीक है तो इस तरह से सेलेक्टिव रिपीट ए वर्क करेगा जहाँ पे हम एक सेलेक्टेड फ्रेम को ही क्या कर रहे हैं वापस से रीट्रांसमिट कर रहे हैं ठीक है ठीके? बाकी सबको नहीं कर रहे हैं ठीक है तो ये आपका रहता है डिफरेंट प्रोटोकॉल्स किससे रिलेटेड फ्लो कंट्रोल से रिलेटेड नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं नेटवर्क लेयर तो देखिए नेटवर्क लेयर के दो मेन फंक्शंस हैं फर्स्ट फंक्शन क्या है सेगमेंट से ठीक है जो से ट्रांसपोर्ट लेयर पर सेगमेंट्स होते हैं सेगमेंट से किस में कन्वर्ट करना पैकेट्स में ब्रेकअप uh, करना ठीक है देन रिसीविंग एंड पे उन्हें रीअसेंबल करना ठीक है जो हमारे फ्रेम्स होते हैं उनसे पैकेट्स में कन्वर्ट करना देन देखिए सेकेंड काम क्या रहता है रूटिंग पैकेट्स ठीक है पैकेट्स की रूटिंग करना बाय डिस्कवरिंग बेस्ट पाथ तो बेस्ट पाथ फाइंड आउट किया जाता है तो देखिए अगर एक हमारा नोड है एक आ, ये सपोज सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है इन बिटवीन डिफरेंट नोड्स हैं तो क्या बेस्ट पाथ रहेगा इस पाथ से जाना चाहिए डेटा या इस पाथ से पहुंचना चाहिए ठीक है जो भी पैकेट के लिए बेस्ट पाथ रहता है सोर्स टू डेस्टिनेशन के लिए वो चूज़ किया जाता है ठीक है तो ये काम किसका होता है नेटवर्क लेयर का होता है तो देखिए यहाँ पे नेटवर्क लेयर क्या यूज़ करती है नेटवर्क एड्रेसेस यूज़ करती है जिन्हें जनरली क्या कहा जाता है आईपी एड्रेसेस कहा जाता है ठीक है रूट करने के लिए पैकेट्स को ठीक है तो यहाँ पे इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आईपी एड्रेसेस के बारे में ठीक है यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है ठीक है तो जिनको नेटवर्किंग बहुत वास्ट है अदरवाइज तो जो भी टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ठीक है जहाँ से अप्रॉक्स नाइन्टी नाइन परसेंट चांसेज होते हैं क्वेश्चन आने के वो सब टॉपिक्स हम कवर करेंगे अदरवाइज़ आप लोगों को भी पता है नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा वास्ट है हम हर टॉपिक को कवर नहीं कर सकते हैं ठीक है तो वो टॉपिक्स लेकिन सब मैं कवर करूँगी जहाँ से क्वेश्चन आते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं लॉजिकल एड्रेसिंग या जिसे हम आईपी एड्रेसिंग भी बोलते हैं आईपी मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल ठीक है तो आई वी फोर जो है ये क्या है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन फोर एंड आई वी सिक्स इज इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन सिक्स ये देखिए ये आई वी फोर जो है ये कितने बिट एड्रेस है देता है हमें थर्टी टू बिट एड्रेस ठीक है तो इसमें हम थर्टी टू बिट्स की फॉर्म में एड्रेस को स्टोर करते हैं ठीक है आई पी एड्रेस ले रहे हैं हम तो आई पी एड्रेस जो रहेगा वो कितने बिट्स का रहेगा इस केस में थर्टी टू बिट्स का रहेगा और आई पी वी सिक्स में कितने बिट्स का रहेगा वन ट्वेंटी एट बिट्स का रहेगा जो कंप्लीट एड्रेस होगा वो कितने बिट्स का रहेगा वन ट्वेंटी एट बिट्स का रहेगा तो देखिए जैसे हम हम लोग सब जानते हैं कि डेली बेसिस पे सिस्टम्स कितने ऐड ऑन हो रहे हैं ठीक है हमारे अगर ग्लोब में देखें अक्रॉस द ग्लोब सो मेनी सिस्टम्स आर एडिंग पर डे ठीक है तो यहां पे अगर हम देखें तो सिस्टम्स क्या है डेली बेसिस पे ऐड हो रहे हैं तो उनमें सभी सिस्टम्स को क्या देना पड़ता है हमें यूनिक आईपी एड्रेस देना पड़ता है ठीक है तो इन दोनों में यही मेन तो यही डिफरेंस है कि एड्रेसेस कितने बिट के हैं ठीक है तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ी क्योंकि आज की डेट में डेली बेसिस पे इतने सिस्टम्स एड ऑन हो रहे हैं तो हम कल को आने वाले टाइम में ठीक है जितने सिस्टम्स हैं उन्हें एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे उनके आईपी एड्रेसेस हम 32 बिट से स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे इसलिए आई पी वी सिक्स की ज़रूरत पड़ी ठीक है और ये न्यूअर वर्जन है इसका आई का ठीक है तो चलिए डिस्कस करते हैं आई डिटेल में तो देखिये आईपी वी फोर जो है इसमें भी आगे फर्दर हमारी क्लासफुल एड्रेसिंग होती है और क्लासलेस एड्रेसिंग होती है तो यह क्लासफुल एंड क्लासलेस एड्रेसिंग होती है तो देखिए क्लास फुल में तो क्या है डिफरेंट क्लासेस में हमारे जो आईपी एड्रेसेस हैं वो डिवाइडेड है लेकिन क्लासलेस में क्या होता है क्लासेस नहीं है तो क्लासफुल एड्रेसिंग में हम क्लासेस की बात करेंगे ठीक है तो देखिए जो हमारा क्लासफुल एड्रेसिंग है आई फोर में इसमें आईपी एड्रेस जो है फाइव क्लासेस में डिवाइडेड है ए बी सी डी एंड ई ठीक है इसमें ए बी सी जो हमारी क्लासेस हैं इसमें फर्दर हमारे पास क्या होते हैं टू पार्ट्स होते हैं जो हमारा एड्रेस है वो टू पार्ट में डिवाइडेड है ठीक है एक तो हमारा होता है नेट आई और एक होता है होस्ट आई ठीक है नेटवर्क आई भी होता है ठीक है अलग अलग नेटवर्क्स हैं ठीक है हमारे सिस्टम में हम अगर देखें तो क्या है अगर इंटरनेट की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास क्या है डिफरेंट क्या है इंटरनेट ही क्या है नेटवर्क ऑफ़ नेटवर्क्स बेसिकली ठीक है तो नेटवर्क का नेटवर्क्स का नेटवर्क तो डिफरेंट इसका मतलब क्या है हमारे पास नेटवर्क्स हैं डिफरेंट कहीं पे लैन है कहीं पे मैन है अलग अलग नेटवर्क्स हैं ठीक है वाइड एरिया नेटवर्क में हम देखते हैं वैन में तो नंबर ऑफ नेटवर्क कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ ठीक है तो अगर अलग अलग नेटवर्क हैं तो हमें किसी तरह नेटवर्क को भी पहचानना पड़ता है और फिर फर्दर जो उसमें होस्ट हैं उन्हें भी पहचानना पड़ता है अलग से आइडेंटिफाई करना पड़ता है तो नेटवर्क के लिए भी आईडी होती है और होस्ट के लिए भी आईडी होती है तो देखिए जो ए बी सी इसमें क्या होते हैं दो पार्ट्स होते हैं नेट आईडी एंड होस्ट आईडी नेक्स्ट हमारे पास देखिए आते हैं कि क्लासफुल एड्रेसिंग में हम दो तरह से नोटेशंस यूज करते हैं दो नोटेशंस हैं इसमें एक तो बाइनरी नोटेशन है जिसमें हमारे पास क्या है थर्टी टू बिट्स हमने बोला टोटल कितने का एड्रेस होता है थर्टी टू बिट्स का और इसमें फोर ऑक्टेट्स में क्या है डिवाइडेड है तो देखिए फो एट बिट्स एट बिट्स एट बिट्स एंड एट बिट्स ठीक है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से रहेगी फर्स्ट ये ऑक्टेटेड सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ एट एट बिट्स का रहेगा हमारा ये बाइनरी की फॉर्म में इसमें रिप्रेजेंटेड है ठीक है अब एक होता है डॉटेड डेसिमल तो यहाँ पे हमारा क्या है डेसीमल की टर्म्स में है वन ट्वेंटी एट डॉट इलेवन डॉट थ्री डॉट थर्टी वन ये क्या डेसिमल की फॉर्म में है और डॉटेड है ठीक है बीच में क्या है डॉट्स हैं ठीक है तो ये क्या रहता है डॉटेड डेसिमल सो टू नोटेशन सपोर्ट करता है आई पी वी फोर एड्रेस के लिए फर्स्ट वन बाइनरी सेकेंड वन इज़ डॉटेड डेसीमल तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या क्लासफुल एड्रेसिंग में आई पी वी फोर के थर्टी टू जो बिट्स हैं इसको हम किस में डिवाइड कर लेते हैं फोर ऑक्टेट बिट्स में डिवाइड कर लेते हैं ठीक है फोर ऑक्टेट बन जाते हैं जिसमें एट एट के आ जाती हैं बिट्स आ जाती हैं अब देखिए जो मैसेज कास्टिंग है ठीक है यहाँ पे हमारे पास कि, कितनी तरह की होती है यूनिकास्ट मल्टी कास्ट एंड ब्रॉडकास्ट ठीक है कितनी तरह की होती है तीन तरह की है यूनिकास्ट मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट आगे फर्दर डिवाइडेड होती है लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग एंड डायरेक्टेड ब्रॉडकास्टिंग में ठीक है किस किस में डिवाइडेड होती है लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग में या डायरेक्टेड ब्रॉडकास्टिंग में दैट मीन्स हम उसी नेटवर्क के ठीक है जिस नेटवर्क में एक ये सिस्टम है ये भेजना चाहता है तो ये अपने ही नेटवर्क के सभी सिस्टम्स के पास भेजना चाहता है या ब्रॉडकास्टिंग मतलब क्या होता है जब हम सबके पास भेज रहे हैं वन टू ऑल ठीक है ब्रॉडकास्टिंग मीन्स वन टू ऑल यूनिकास्टिंग मीन्स वन टू वन एंड मल्टी कास्टिंग मीन्स वन टू मैनी ठीक है जब हम एक से कईयों के पास भेज रहे हैं तो वो क्या होता है वन टू मैनी यूनिकास्टिंग मीन्स वन टू वन एंड ब्रॉडकास्टिंग मीन्स जहाँ पे हम क्या करें एक से सभी के पास भेज रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग में दो चीजें पॉसिबल होती हैं कि जो होस्ट है ठीक है वो अपने ही नेटवर्क के बाकी सभी सिस्टम्स के पास भेजना चाहता है या दूसरे नेटवर्क के सभी सिस्टम्स के पास भेजना चाहता है ठीक है या अब ये सिस्टम क्या करना चाहता है इस नेटवर्क के बाकी सभी के पास भेजना चाहता है दो चीजें होती हैं वही हमारी आती है लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग और डायरेक्टेड ब्रॉडकास्टिंग में लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है जब वो अपने ही नेटवर्क के बाकी सभी सिस्टम्स के पास भेजना चाहता है ठीक है लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग मीन्स जब अपने ही नेटवर्क में बाकी सभी सिस्टम्स के पास भेजना चाहता है और डायरेक्टेड ब्रॉडकास्टिंग मीन्स जो हमारा नेटवर्क है वो कौन सा है दूसरा नेटवर्क है अब ये नेटवर्क है ये किससे भेजना चाहता है यहाँ पे जितने भी सिस्टम्स हैं उनके पास भेजना चाहता है ठीक है तो जो हमारी मैसेज कास्टिंग होती है वो क्या होता है यूनिकास्टिंग मल्टीकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग हो सकती है पॉसिबल और इसमें ब्रॉडकास्टिंग में फर्दर लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग एंड डायरेक्टेड ब्रॉडकास्टिंग इसे आगे डिटेल में देखेंगे और ठीक है तो देखिए ए बी सी जो क्लास होती है वो यूनिकास्टिंग में यूज हो रही है डी क्लास मल्टीकास्टिंग के लिए फिक्स है और ई e क्लास जो है फर्दर फ्यूचर के लिए रखी हुई है और रिसोर्चेज के पर्पज से यूज की जाती है ठीक है तो देखिए बाइनरी नोटेशन में अगर हम देखें तो फर्स्ट बाइट अगर फर्स्ट बाइट की बात करते हैं सेकेंड बाइट है थर्ड बाइट है और फोर्थ बाइट है ठीक है तो देखिए इसे हम ध्यान से समझेंगे हमारे पास टोटल कितनी क्लासेस हैं फाइव क्लासेस हैं ए बी सी डी एंड ई कई बार सिंपली हमें क्या दे दिया जाता है एक आईपी एड्रेस इस तरह से दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है या तो बाइनरी वर्जन दे दिया जाता है उसका या दे दिया जाता है डॉटेड वर्जन ठीक है याद दिया जाता है डॉटेड वर्जन तो देखिए यहाँ पे आपको एक तो ये चीज याद रखनी है सबसे पहले कि कौन सी बाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कौन सी बिट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कौन सी क्लास से वो बिलोंग करता है ठीक है तो यहाँ पे ये एक तो सबसे पहले याद कर लेना है आपने तो देखिए क्लास ए अगर होगी तो उसमें स्टार्टिंग हमेशा किससे होगी फर्स्ट जो बिट होगा वो क्या होगा जीरो होगा तो देखिए अगर इस ये एड्रेस आपको दे दिया जाता है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फर्स्ट बिट क्या है जीरो है वो कहीं और नहीं मिलेगा आपको ठीक है तो ये ये एड्रेस कौन सी क्लास का हुआ ये हुआ क्लास ए का ठीक है इसी तरह से हमारे पास बी क्लास में क्या होगा वन जीरो होगा सी क्लास में वन वन जीरो होगा डी क्लास में वन 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 जीरो होगा और ई e क्लास में वन 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 चार वन होंगे ठीक है तो अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है वन जीरो दिया हुआ है तो ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है आईपी एड्रेस क्लास बी से बिलोंग करता है ठीक है सबसे पहली चीज तो हमने ये याद रख लेनी है जीरो वन जीरो वन वन जीरो वन 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 जीरो एंड वन 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 ठीक है तो यहाँ पे जितने भी जो भी नंबर होगा अकॉर्डिंगली आप बता देंगे जो भी बेटोगी कि ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है ठीक है तो जब भी आपके पास जीरो है और वन जीरो है तो आपने बताया कि क्लास ए का है और क्लास बी का है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो अलग शेड है ये क्या है नेटवर्क आईडी को बिलोंग करता है और ये क्या है हॉस्ट आईडी है ये क्या है नेटवर्क आईडी होस्ट आईडी नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी ठीक है इसे अभी देखते हैं आगे चलिए तो इन्हीं को कोई अगर हम डॉटेड उसमें कहते हैं ठीक है अगर हम डॉटेड उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये क्या बन जाता है जीरो टू वन ट्वेंटी सेवन बन जाता है ठीक है जीरो टू क्या बन जाएगा वन ट्वेंटी सेवन बन जाएगा क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है जीरो ये थोड़ा सा आगे बताया हुआ है ठीक है एक बार थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ मैं देखो यहाँ पे क्या है जीरो है और बाकी की जो बिट्स हैं बाकी की जो इसमें फर्स्ट बाइट आई है तो इसमें बाकी की बिट्स क्या हो सकती हैं जीरो 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 एंड ज़ीरो ठीक है zero, 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 zero zero. उसकी रेंज क्या रहेगी इसका मतलब जीरो ये वाला तो फिक्स रहेगा देन ज़ीरो 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 ठीक है सेवन एट ठीक है और यहाँ से आपका क्या रहेगा ज़ीरो वन 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 ठीक है तो यहाँ ये क्या रहेगी आपकी रेंज रहेगी फर्स्ट क्लास की ज़ीरो जीरो 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 से लेके जीरो वन 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 एट टोटल बिट्स होंगे ठीक है तो ये क्या है ज़ीरो और ये क्या बन जाता है वन ट्वेंटी सेवन बन जाता है ठीक है अगर आप आपको ये नंबर नहीं याद रहते हैं तो आप इस वाले कोई कन्वर्ट करके देख सकते हैं ठीक है वन ज़ीरो है बी क्लास का तो इसके आगे सिक्स ज़ीरोज़ लगेंगी इसकी रेंज क्या रहेगी सिक्स ज़ीरोज़ लगेंगी और वन जीरो फिक्स रहेगा आगे कितने वंस लग जाएंगे सिक्स वंस लग जाएंगे ठीक है तो ये किसकी रेंज है बी क्लास की रेंज है इसी को ही जो हमारा मतलब बिट्स हैं इसी को ही कन्वर्ट किया हुआ है डेसिमल वाले में तो ये इसकी क्या रेंज रहेगी ज़ीरो टू वन ट्वेंटी सेवन रहेगी अगर आपका डॉटेड वाले फॉर्म होता है और वहां पे आपसे पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है ठीक है ये पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है तो आप या तो इसे डायरेक्ट लर्न कर लें अदरवाइज ये वाली चीज़ अगर आपको बिट्स वाली फॉर्म में लर्न हो जाती है तो इसके इसके थ्रू आप कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं तो देखिए इस बी क्लास का क्या रहेगा वन ट्वेंटी एट टू वन नाइन्टी वन देन वन हंड्रेड नाइन्टी टू 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 हंड्रेड ट्वेंटी थ्री देन टू हंड्रेड ट्वेंटी फोर टू टू हंड्रेड थर्टी नाइन एंड टू हंड्रेड फोर्टी टू टू हंड्रेड फिफ्टी फाइव ये क्या रहेगी आपकी रेंज रहेगी फर्स्ट वाले बाइट की ठीक है जो फर्स्ट हमारा यहाँ पे डेसिमल नंबर है उसकी रेंज रहेगी ये वाली जो गिवेन है यहाँ पे ठीक है तो यहाँ से इससे हम चेक करके बता सकते हैं ये 150 है तो देखिए कौन सी कैटेगरी में आ रहा है क्लास बी की कैटेगरी में आ रहा है तो ये एड्रेस किसका है क्लास बी का है टू हमारा कहा आ रहा है इस वाली कैटेगरी में आ रहा so है सो दिस एड्रेस इज क्लास डी का ठीक है ये क्लास डी का एड्रेस है ठीक है इस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये ये आपने जरूर से याद रख लेना रखना है ठीक है कि कभी भी आप देने जा रहे हैं एग्जाम तो ये शॉर्ट नोट्स में अलग से बना के रखें ठीक है जो ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अलग से नोट करके रखें ताकि फटाफट से कभी भी जरूरत हो रिवाइज की जा सके देन देखिए हमारे पास आ आगे इस तरह से कि ये क्या है नेटवर्क आईडी है यहाँ पे ये नेटवर्क आईडी है और यहाँ पे ये कंप्लीट नेटवर्क आईडी है तो दो नोटेशंस हमने देखी बाइनरी नोटेशन एंड डेसिमल नोटेशन उनमें इस तरह से क्या करें हैं? हम आ, फिक्स कर देते हैं ठीक है कि आ, पता लगाना हो तो कि कौन सी क्लास से बिलोंग करता है नेक्स्ट देखिए ये चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से कुछ भी पूछा जा सकता है ठीक है सब चीजें इंपॉर्टेंट है तो देखिए क्लास ए जो होती है उसमें टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने होते हैं टू रेज टू पावर थर्टी वन ठीक है वन बीट हमारी क्या होती है फिक्स होती है तो थर्टी वन बिट्स हमारी रिमेनिंग होती हैं तो देखिए यहाँ पे आपके पास टोटल जो नंबर ऑफ एड्रेसेस बनते हैं वो कितने बनते हैं टू रेज टू पावर थर्टी वन क्लास बी में टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने रहेंगे टू रेज टू पावर थर्टी टू क्योंकि टू बिट्स फिक्स हैं और क्लास थ्री में आपके थ्री बिट्स फिक्स हैं तो कितना बनेगा टू रेज टू पावर ट्वेंटी नाइन ठीक है ये तो बने आपके टोटल नंबर ऑफ़ एड्रेसेस सिंपली ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि टोटल नंबर ऑफ़ एड्रेसेस कितने होते हैं किस पर्टिकुलर क्लास में देन देखिए नेट आईडी फर्स्ट क्लास में कितनी होती है एट और होस्ट आईडी कितनी होती है ट्वेंटी फोर बी क्लास में सिक्सटीन सिक्सटीन और इसमें ट्वेंटी फोर नेट आईडी होती है और एट होती है आपकी होस्ट आईडी फर्स्ट ऑक्टेट की अगर बात करें क्लास ए में ये ज़ीरो फिक्स है क्लास बी में वन जीरो फिक्स है और क्लास सी में वन वन ज़ीरो फिक्स है ठीक है तो देखिए यूजेबल नेट आईडी बिट्स कितनी बची अभी एट में से हमारी ये फिक्स है तो टोटल कितनी बची है? हमारे पास सेवन बची अब टोटल जो नंबर ऑफ पॉसिबल नेटवर्कस हैं ठीक है टोटल पॉसिबल नेटवर्कस कितने हैं ठीक है अगर अभी हमने देखा कि कितने हो जाएंगे वो जीरो 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 ज़ीरो से लेकर जीरो वन 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 तक ठीक है तो इसका मतलब जीरो से लेकर वन ट्वेंटी सेवन तक हम क्या कह रहे हैं कि टोटल हमारे नेटवर्क पॉसिबल हैं ठीक है तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं जीरो और ट्वेंट वन ट्वेंटी, ट्वेंटी सेवन भी जिसमें इंक्लूड कर रहे हैं हम ठीक है तो जीरो से वन ट्वेंटी सेवन अगर टोटल हम देखें तो कितने हो गए वन ट्वेंटी एट हो गए लेकिन ये सारे के सारे नेटवर्क्स हमारे पास अवेलेबल नहीं होते कितने कम अवेलेबल होते हैं टू दो कम अवेलेबल होते हैं ये हम आगे देखेंगे कि फर्स्ट नेटवर्क और लास्ट नेटवर्क किसके लिए फिक्स होता है ठीक है तो यहाँ पे आपका टोटल जो नेटवर्क्स पॉसिबल होते हैं वो कितने पॉसिबल होते हैं वन ट्वेंटी एट पॉसिबल है और इसी तरह से अगर हम टोटल नंबर ऑफ होस्ट देखें पर नेटवर्क हर नेटवर्क में तो देखिए वन ट्वेंटी सिक्स नेटवर्क हैं और वन ट्वेंटी सिक्स नेटवर्क में आपके पास टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने अवेलेबल होंगे टू रेज टू पावर ट्वेंटी फोर माइनस टू ये ट्वेंटी फोर कहाँ से आया है ये होस्ट आया ठीक है थीके? तो इतने तो हमारे नेटवर्क होंगे ठीक है वन ट्वेंटी एट टोटल हैं ठीक है उसमें से हमारे दो यूज में नहीं आएंगे तो इतने डिफरेंट क्या है नेटवर्कस हैं अब इन नेटवर्क्स में कितने होस्ट हो सकते हैं एक पर्टिकुलर नेटवर्क में देखिए कितने होस्ट हो सकते हैं इतने होस्ट हो सकते हैं ठीक है ये आपके पास अमाउंट है किसका कितने एक पर्टिकुलर नेटवर्क में ठीक है नंबर ऑफ नेटवर्क हमारे पास है और हर नेटवर्क में कितने होस्ट पॉसिबल है ये जो आपके पास अमाउंट दिया हुआ है इतना पॉसिबल है ठीक है तो यहाँ पे जनरली अमाउंट में नहीं पूछा जाता इसी टर्म्स में पूछा जाता है टू रेस्ट पावर ट्वेंटी फोर माइनस आपसे पूछ लिया जाएगा टू रेज टू पावर ट्वेंटी फोर टू रेज टू पावर ट्वेंटी फोर माइनस वन टू रेज टू पावर ट्वेंटी फोर माइनस टू इस तरह से आपसे आंसर में पूछ लिया जाता है ठीक है तो ये आपके पास है डिटेल क्लास ए की देन इसी तरह से क्लास बी की डिटेल आती है तो देखिए क्लास बी में हमारे पास सिक्सटीन सिक्सटीन है और टेन फिक्स है आगे फर्स्ट टू बिट्स फिक्स हैं

पर नेटवर्क और टू रेज पावर एट माइनस टू दैट मीन्स टू फिफ्टी सिक्स माइनस टू टू फिफ्टी फोर टू हंड्रेड फिफ्टी फोर टोटल होस्ट पॉसिबल है सी क्लास में पर नेटवर्क ठीक है यहाँ पे दो जो होस्ट होते हैं वो फिक्स होते हैं ठीक है फर्स्ट और लास्ट फिक्स होता है तो इसलिए उन्हें हम डिडक्ट कर देते हैं यहाँ पे आप माइनस टू माइनस टू इनमें से कर रहे हैं ठीक है इसमें से आप माइनस टू नहीं कर रहे हैं ये आपने ध्यान रखना है ठीक है जो नेटवर्क्स हैं वो हमारे इस वाले यूज हो रहे हैं वो हमारे इसमें हम किसी चीज़ के लिए रिजर्व नहीं करें और यहाँ पे आपके पास क्या है होस्ट आपके सब में डिडक्ट हो रहे हैं दो दो ठीक है क्योंकि हम उसमें नेटवर्क के अकॉर्डिंग फिक्स रखते हैं दो होस्ट को पर नेटवर्क दो हॉस्ट हमारे फिक्स हैं ठीक है थीके? ये आपकी डिटेल रहती है ये आपको चार्ट अच्छे से लर्न कर लेना है ठीक है ये चार्ट आपका इंपॉर्टेंट है ये आपको अच्छे से लर्न करना है देन देखिए हमारे पास हमने देखा क्लास ए है वहाँ पे ये वाला बिट क्या रिजर्व है ये नेट आईडी के लिए और ये ट्वेंटी फोर किसके लिए हॉस्ट आईडी के लिए तो टू रेज टू पावर सेवन क्या बनी पॉसिबिलिटीज़ टोटल बनी किसके लिए नेटवर्क आईडीज के लिए क्योंकि फर्स्ट बिट क्या है रिजर्व है ठीक है तो देखिए अब जो फर्स्ट और लास्ट वाला हम कह रहे थे हमने नहीं यूज़ करना है तो इस वाले को तो देखिए फर्स्ट जीरो 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 वाला जो है इसको हम नेटवर्क आईडी की तरह यूज़ ही नहीं करते हैं ठीक है और जो लास्ट वाला है ये किसकी तरह यूज होता है लूपबैक एड्रेस की तरह यूज़ होता है ठीक है इस अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि ये वाला किस क्यों नहीं हम यूज़ करते तो ये किसकी तरह यूज़ हो रहा है लूपबैक एड्रेस की तरह यूज़ हो रहा है ठीक है डायरेक्ट इसी तरह से पूछा जाता है तो ये आपने याद रखना कि ये वाला क्यों नहीं यूज करते हम एड्रेस की तरह यूज हो रहा है तो इसे नेटवर्क आईडी की तरह हम नहीं लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है तो हम वन uh, से लेकर वन ट्वेंटी सिक्स तक नेटवर्क आई को अलॉट कर दिया जाता है और क्लास ए इन्हें यूज नहीं करती है क्योंकि ये क्या है स्पेशल आई पी हैं ठीक है ये क्या है स्पेशल आई पी हैं है जीरो और वन ट्वेंटी सेवन ठीक है तो वन ट्वेंटी सेवन को तो हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं लूप बैक एड्रेस के लिए यूज़ कर रहे हैं ठीक है तो वन ट्वेंटी सेवन जो है नेटवर्क वो यूज़ नहीं होगा आगे कुछ भी हो ठीक है तो आगे वाली वैल्यूज़ भी आपकी जीरो से लेकर टू फिफ्टी फाइव तक वेरी कर सकती हैं ठीक है जो बाकी के ऑक्टेट्स हैं बाकी के जो डेसीमल हैं आपके फोर डेसीमल प्लेसेज हैं ठीक है तो ये चीज़ें जैसे जैसे आप समझेंगे मतलब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएंगी कि यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है टू फिफ्टी फाइव तक वेरी कर सकती है ज़ीरो से ठीक है कहां तक वेरी कर सकती है जीरो से टू फिफ्टी फाइव तक वेरी कर सकती है कोई भी अगर आईपी एड्रेस आप देखेंगे तो कभी भी टू फिफ्टी सिक्स वैल्यू नहीं होगी किसी भी डेसिमल ठीक है ना यहां, इस प्लेस पर भी नहीं इस प्लेस पर भी नहीं कहीं पर भी नहीं तो यहाँ ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं बस उसे थोड़ा डिटेल्ड देख रहे हैं कि क्लास ए में अगर हम देखें तो पॉसिबल नेटवर्क्स कितने हो जाएंगे टू रेज टू पावर सेवन माइनस टू और होस्ट कितने हो जाएंगे टू पावर ट्वेंटी फोर माइनस टू नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हम नंबर ऑफ होस्ट जो देख रहे हैं हर नेटवर्क में वो भी क्या कर रहे हैं हम दो माइनस कर रहे हैं हर बार ठीक है हर में से क्या कर रहे हैं हर नेटवर्क में टू पावर ट्वेंटी फोर, फोर माइनस टू कर रहे हैं तो ये माइनस टू क्यों कर रहे हैं तो देखिए फर्स्ट जो भी आईपी एड्रेस होता है ना किसी भी नेटवर्क में वो नेटवर्क का नंबर होता है ठीक है वो क्या होगा नेटवर्क का नंबर होगा इसलिए हम उस आईपी एड्रेस को यूज नहीं कर रहे हैं आगे इसका एग्जाम्पल आएगा देन लास्ट आईपी एड्रेस को हम किस लिए यूज़ करते हैं ब्रॉडकास्ट आईपी की तरह यूज़ करते हैं ठीक है जब हमने ब्रॉडकास्ट करना होता है तो इसलिए हम क्या करते हैं ब्रॉडकास्ट आईपी की तरह यूज़ करते हैं किसी लास्ट आईपी एड्रेस को ठीक है लास्ट आईपी एड्रेस को किसी भी नेटवर्क के लास्ट आईपी एड्रेस को कैसे यूज करेंगे आप ब्रॉड आईपी की तरह यूज करेंगे और फर्स्ट को कैसे यूज करते हैं नेटवर्क की तरह यूज़ करते हैं इसलिए हम हर Uh, जब भी कैलकुलेट करें नंबर ऑफ होस्ट तो हर नेटवर्क में से क्या हर नेटवर्क के उसमें से कितने माइनस करें हैं टू माइनस करें आई पी एड्रेसेस पहले में हमने टोटल पॉसिबल नेटवर्क्स देन नो होस्ट ले रहे हैं तो दो होस्ट हमेशा माइनस कर रहे हैं ठीक है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे हमें कुछ आई पी एड्रेसेस दिए हुए हैं और यहाँ इन आई पी एड्रेसेस से हमें क्या बताना है नेटवर्क आई डी डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस एंड लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस ठीक है ये चीजें देखनी है हमने क्या आएंगी तो देखिए यहाँ पे जो एड्रेस दिए हुए हैं ये तीनों ही कौन सी क्लास के हैं क्लास ए के एड्रेस हैं अगर हम फर्स्ट नंबर देखें तो सभी का क्या है जीरो टू वन ट्वेंटी सेवन की रेंज में है ठीक है जीरो टू वन ट्वेंटी सेवन की रेंज में अगर है आईपी एड्रेस तो वो कौन सी क्लास को बिलोंग करता है ए को बिलोंग करता है ठीक है तो अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं नेटवर्क आई अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें क्या लेना है ये तो आपने नंबर एज इट इज़ लेना है ठीक है ये क्योंकि नेटवर्क को बिलोंग करता है ठीक है ये आपका एज इट इज रहेगा देन हमने कहा क्या आएंगे जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो इसी तरह से यहाँ पे क्या रहेगा आपका ट्वेल्व डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो इसके बाद जो वन आएगा टू आएगा थ्री आएगा वो हमारे डिफरेंट होस्ट होंगे ठीक है जीरो हमने क्या कहा था देखिए यहाँ पे हमने बात की थी कि जो जीरो नंबर वाला है ठीक है ये आ, येस yes, यहाँ पे ही था हमारा हाँ जो एड्रेस जो कोई भी फर्स्ट आईपी एड्रेस होगा वो क्या होगा नेटवर्क नंबर होगा ठीक है तो फर्स्ट क्या बनेगा ज़ीरो डॉट ज़ीरो डॉट जीरो बनेगा ठीक है तो फर्स्ट ज़ीरो डॉट जीरो डॉट जीरो है उसके बाद जो भी आते रहेंगे वो किसके होंगे होस्ट के होंगे ठीक है तो टू डॉट जीरो डॉट ज़ीरो इस केस में ये बनेगा इस केस में बनेगा ट वन ट्वेंटी सिक्स डॉट ज़ीरो डॉट ज़ीरो डॉट ज़ीरो ठीक है तो यहाँ पे देखिए नेटवर्क आईडीज आपके ये आ गए ठीक है ये क्या बनेंगे आपके नेटवर्क आईडीज़ बनेंगे ये क्योंकि जो आपका है ये फिक्स है क्लास ए में नेटवर्क के लिए बी में इसी तरह नहीं होगा बी में प्रोसेस डिफरेंट हो जाएगा थोड़ा सा ठीक है ये हम किसके लिए डिस्कस कर, कर रहे हैं क्लास ए के लिए डिस्कस कर रहे हैं ठीक है क्लास ए के लिए डिस्कस रहे हैं आपने मिक्स नहीं करना है ठीक है क्लास ए में आपका फर्स्ट जो है वो फिक्स रहेगा बाकी क्या हो जाएंगे जीरो 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 ज़ीरो जीरो जीरो और जीरो 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 यहाँ पे आपका फर्स्ट जो बाइट है वो किसके लिए है नेटवर्क के लिए इसलिए सिर्फ फर्स्ट वाला फिक्स रहेगा आपका ठीक है और जब डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस कर रहे हैं ठीक है जब हम डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस कर रहे हैं तो आपका क्या रहेगा टू यहीं पे एज इट इज रहेगा एंड देन टू फाइव फाइव टू फाइव फाइव एंड टू फाइव फाइव ठीक है इस चीज को आगे डिस्कस करेंगे लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल देख रहे हैं हम कि जब भी आपने डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस करना है तो उस केस में क्या रहेगा ये टू पॉइंट टू फाइव फाइव टू फाइव फाइव एंड टू फाइव फाइव और जो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा वो क्या होगा इसके लिए टू फाइव फाइव डॉट टू फाइव फाइव डॉट टू फाइव फाइव डॉट टू फाइव फाइव ठीक है तो यहाँ पे जब भी आपका जो भी एक अगर क्लास ए है और डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस है तो फर्स्ट वाला बाइट आपका एज इट इज रहेगा और जब भी ब्रॉडकास्ट करते हैं बाकी के बा जो बा, बाइट्स हैं आपके उनमें क्या वैल्यू रहेगी टू फाइव फाइव डॉट टू फाइव फाइव डॉट टू फाइव फाइव ठीक है और इसी तरह से जब भी लिमिटेड होता है उस केस में हमेशा आपका हर केस में चाहे क्लास ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो तो क्या हो जाएगा सब में ही सभी में क्या हो जाएगा टू फाइव फाइव हो जाएगा लिमिटेड के केस में ठीक है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे और चीज क्लियर होगी एक बार में नहीं समझ आए तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखना ठीक है एक बार में थोड़ी चीजें क्लियर होंगी ठीक है थोड़ा सा क्योंकि टिपिकल है कॉन्सेप्ट एक बार समझेंगे सेकेंड टाइम करेंगे तो अच्छे से आ जाएगा नेक्स्ट देखिए क्लास बी उसकी क्या रेंज रहती है वन ट्वेंटी एट टू वन नाइन्टी वन ठीक है क्या रहेगी वन ट्वेंटी एट टू वन नाइन्टी वन अब यहाँ पे क्लास बी जो है फर्स्ट एंड सेकंड बिट यूज करता है किसका नेटवर्क आईडी का तो बिट्स यूज कर लेते हैं ये नेटवर्क आईडी के लिए और सिक्सटीन बिट्स यूज करता है होस्ट के लिए ठीक है तो नेट आईडी मस्ट स्टार्ट बाय बायो इसमें नेट आईडी किससे स्टार्ट होती है वन जीरो अगर बाइनरी नोटेशन है और अगर डेसिमल नोटेशन है तो जो फर्स्ट बाइट होगा जो फर्स्ट आपका होगा डेसिमल तो वो उसकी रेंज क्या होगी हमेशा ये वाली होगी ठीक है क्योंकि वन जीरो आगे फिक्स हो गया देन जीरो 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 रहेगा देन वन जीरो वन 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 होगा तो उससे ये दोनों नंबर्स हमारे बन जाएंगे ठीक है कैसे देखिए जैसे मिनिमम वैल्यू वन जीरो पर क्या होगी जीरो 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 और वन ट्वेंटी एट बन जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वन जीरो के बाद वन 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 तो क्या बन जाएगा वन हंड्रेड नाइन्टी वन ठीक है तो यहाँ से आपके पास दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी वन ट्वेंटी एट और वन नाइन्टी वन ठीक है जो आप आ, हम यहाँ पे स्पेसिफाइड है तो देखिए अब पॉसिबल जो नेटवर्क होंगे वो कितने होंगे इस केस में टू रेज टू पावर फोटीन होंगे और होस्ट कितने होंगे हर नेटवर्क में टू डेज टू पावर सिक्सटीन माइनस टू होंगे अब यहाँ पे टू हम उसी वजह से माइनस करें जो हमने क्लास ए में माइनस किए थे फर्स्ट किसके लिए होगा नेटवर्क नंबर के लिए होगा और लास्ट किसके लिए होगा आईपी एड्रेस के लिए होगा ठीक है ब्रॉडकास्ट आईपी के लिए होगा जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ठीक है यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया हुआ है देखिए ये एक पर्टिकुलर नेटवर्क है ठीक है ये एक पर्टिकुलर नेटवर्क अगर ने, ये एक आईपी एड्रेस है और ये क्या है नेटवर्क को स्पेसिफाई करे है, और ये ब्रॉडकास्ट आईपी है ठीक है तो देखिए जीरो 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 भी हमने यूज़ कर रखा है और टू फाइव फाइव भी ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है बाकी के जितने भी नंबर्स होंगे लाइक टू पॉइंट ज़ीरो जीरो वन टू पॉइंट ज़ीरो एंड जीरो टू और इसी तरह से टू पॉइंट ज़ीरो टू डॉट थ्री कोई भी आई पी एड्रेस होंगे तो ये किसी भी सिस्टम के होंगे और ये वाले दो आई डी आईपी एड्रेसेस क्या हैं है, है के लिए? के लिए और बाइनरी नोटेशन तो की बात करें तो 110 आएगा स्टार्टिंग में यहाँ पे आपके 24 बिट्स किसके लिए फिक्स हैं नेटवर्क के लिए और 8 बिट्स हैं होस्ट के लिए अब यहाँ पे भी आपका क्या है वही बताया हुआ है एंड देन वन वन जीरो से आपका स्टार्ट होगा अब देखिए मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे वन वन जीरो ये फिक्स है देन ये वाली बिट्स चेंज हो सकती हैं ठीक है थीके? तो जीरो ज़ीरो जीरो से वन 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 जब जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है अगर इसे आप डेसीमल में कन्वर्ट करेंगे तो वन आ जाएगा और टू आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आपकी ये वाली रेंज हो जाएगी क्लास सी के लिए तो देखिए पॉसिबल नेटवर्क इसके इसमें कितने रहेंगे आपके थ्री बिट्स इसको छोड़ देंगे ट्वेंटी फोर टोटल बिट्स हैं थ्री ये डिडक्ट कर दिए टू रेस टू पावर ट्वेंटी वन और होस्ट कितने होंगे ईच नेटवर्क में टू रेस टू पावर एट माइनस टू ठीक है कितने होस्ट होंगे टू रेस टू पावर एट माइनस टू दो उसी के लिए होंगे जो हमने पहले छोड़े नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट आई पी के लिए देन हमारे पास आते हैं क्लास डी क्लास डी में आपके पास क्या है टू ट्वेंटी फोर से टू थर्टी नाइन रेंज आएगी ठीक है क्या रेंज जाएगी आपकी टू ट्वेंटी फोर से टू थर्टी नाइन जाएगी और क्लास ई में टू फोर्टी से टू फिफ्टी फाइव जाएगी ठीक है तो यहाँ पे आप फोर बिट्स से पहचान सकते हैं कि ये क्लास डी को बिलोंग करता है ठीक है फोर बिट्स आपके एज एट इज रहेंगे फिर जीरो 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 एंड देन वन 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 और यहाँ से आपके पास ये नंबर्स आ जाते हैं इसी तरह से मिनिमम यहाँ पे आपके वन 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 फिक्स रहने वाले बिट्स क्या हैं हैं चेंज हो सकते मिनिमम ये वैल्यू हो सकती है मैक्सिमम ये, ये हो सकती है तो टू फोर्टी हो जाएगी और फिर टू फिफ्टी फाइव हो जाएगी तो ये फर्स्ट जो हमारा है बाइट इसकी वैल्यू ये होगी और बाकी बाइट्स की आपकी वैरी कर सकती है जीरो से लेकर टू फिफ्टी फाइव तक तो देखिए तो देखिए नेट आईडी और होस्ट आईडी किन तीन क्लासेस में होते हैं क्लास ए बी एंड सी ठीक है तो इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे टोटल कितने बन जाते हैं थर्टी टू बिट्स बन जाते हैं सो so, हम डिवाइड नहीं कर सकते देखिए क्लास ए डी और ई के बिट्स को क्योंकि बिकॉज ऑफ मल्टीपल कास्टिंग बट वी कैन आइडेंटिफाई दीज बिट्स ठीक है लेकिन हम उनको भी बिट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं ठीक है और क्लास ए में देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट होते हैं ठीक है मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट होते हैं हर नेटवर्क में और क्लास सी में क्या होंगे मिनिमम नंबर ऑफ होस्ट होंगे हर नेटवर्क में क्योंकि होस्ट के लिए क्या है आईडीज कम है ठीक है बिट्स कम है तो उतने ही एड्रेसेस हम जेनरेट कर पाएंगे पर नेटवर्क ठीक है तो नेटवर्क केस में ज्यादा होंगे लेकिन जो आपके होस्ट हैं वो किस केस में ज्यादा होंगे क्लास ए में ज्यादा होंगे तो देखिए अब आती है हमारे लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग ठीक है हमने देखा लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग के बारे में सुना थोड़ा सा तो अब देखते हैं होता क्या है ये एक्चुअल में तो देखिए लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग इज लिमिटेड टू अ सिंगल लैंड ठीक है एक ही लैंड तक क्या है ये लिमिटेड है विच इज़ रिसीव्ड बाय ऑल द होस्ट इन द सेम नेटवर्क तो उसी में अगर हमारा होस्ट है ठीक है जिसमें होस्ट है उसी नेटवर्क के बाकी सभी सिस्टम्स के पास क्या होगी ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगी ये ये सिस्टम जिस भी नेटवर्क में है उस वाले नेटवर्क के सभी सिस्टम के पास कंटेंट हमारा डिलीवर हो जाएगा तो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस इज यूज बाय अस्ट टू सेंड अ पैकेट टू एवरी होस्ट ऑन द सेम नेटवर्क तो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या किया जाता है यूज किया जाता है जब भी हमें उसी नेटवर्क के सभी सिस्टम्स के पास क्या भेजना है पैकेट भेजना है ठीक है तो इस केस में देखिए अगर हमारा एक होस्ट है और उसका एड्रेस क्या है ट्वेल्व पॉइंट फिफ्टीन पॉइंट ट्वेंटी ट्वेंटी डॉट सिक्सटी ठीक है ये हमारा क्या है एक सिस्टम का एड्रेस है और इसी तरह से सभी का एड्रेस है तो देखिए जितने भी इस नेटवर्क में एड्रेसेस होंगे वो किससे स्टार्ट होंगे ट्वेल्व से स्टार्ट होंगे ठीक है सेम नेटवर्क में सेम नेटवर्क में हमेशा जो सिस्टम्स हैं उनके एड्रेसेस किससे स्टार्ट होंगे फर्स्ट बाइट क्या रहेगा सेम रहेगा अब इसका मतलब ये किस क्लास के हैं देखिए ए क्लास के हैं इसलिए सिर्फ फर्स्ट बाइट सेम रहेगा फर्स्ट नंबर सेम रहेगा क्लास बी के होंगे तो दो नंबर सेम रहेंगे नेटवर्क आई सेम रहेगा नेटवर्क के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा ये चीज ठीक है तो आपने अलग अलग क्लास के अकॉर्डिंग देखना और सोचना पड़ेगा ठीक है तो ये क्लास ए का है तो इसमें फर्स्ट वाला जो नंबर है ये हमारा क्या है डेसिमल नंबर सेम है सब में तो देखिए नेटवर्क का एड्रेस इसमें क्या होगा ट्वेल्व हमारा फिक्स रहेगा और बाकी के तीन क्या हैं जीरो 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 तो नेटवर्क आई क्या रहेगी ट्वेल्व ठीक है ट्वेल्व पॉइंट जीरो डॉट ज़ीरो डॉट ज़ीरो ठीक है तो तीन जीरोज़ लगेंगी आपकी यहाँ पे साथ में अगर क्लास ए का होगा ठीक है तो फर्स्ट फिक्स रहेगा नेटवर्क के लिए बाकी जीरोज हो जाएंगे ठीक है अब ये क्या करना चाहता है ये बाकी सभी सिस्टम्स को क्या करना चाहता है डेटा सेंड करना चाहता है ठीक है सभी को सेंड करना चाहता है जो भी इस पर्टिकुलर नेटवर्क में है तो इसे हम क्या बोलते हैं लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं और इसके लिए हमें क्या यूज करना होता है टू ठीक है सोर्स एड्रेस क्या है जो भेजना चाहता है उसका क्या है ये वाला एड्रेस है ठीक है और डेस्टिनेशन एड्रेस क्या डालेंगे हम 255.255.255.255 .255 .255 .255. इससे क्या होगा जितने भी यहाँ पे हैं हमारे पास एड्रेसेस जितने भी आईपी सिस्टम्स uh, हैं विद आईपी एड्रेसेस तो उन सबके पास चला जाएगा ठीक है विल रिमेन सेम फॉर ऑल आईपी एड्रेसेस तो इस केस में क्या रहेगा सेम रहेगा आपका हर आई एड्रेस के लिए ठीक है तो ये वाले इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार डी ट्रिपल एस में पूछे जाते हैं ठीक है ये कई बार पूछा जाता है कि ब्रॉडकास्ट लिमिटेड ब्रॉडकास्ट के लिए आईपी क्या रहेगा ठीक है तो ये आप ध्यान रखें अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग पैटर्न रहता है ठीक है तो इस तरह का क्वेश्चन डी ट्रिपल एस बी में कई बार पूछा जाता है ठीक है बाकी एग्जाम्स में अभी तो ये एच एस एस सी का इतना कुछ बता नहीं सकते ठीक है लेकिन उसमें यू जी सी नेट में भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चन और पी जी टी की अगर बात करें तो के वी एस में डी ट्रिपल एस बी में, में वहाँ पर पूछे जाते हैं आगे कहीं पर भी आ सकते हैं ठीक है जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो कभी भी कहीं भी पूछी जा सकती हैं देन हमारे पास आता है डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेसिंग ठीक है तो डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट का क्या मतलब है एक नेटवर्क में है ये वाला सिस्टम है पहले अपने ही बंदों को भेज रहा था ठीक है लेकिन अब ये क्या करना चाहता है दूसरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है अपने नेटवर्क के साथ नहीं करना है और किसी नेटवर्क को भेज रहे हैं ठीक है तो तभी हम कहते हैं कई बार हम कहते हैं डिफरेंट हमारे डिवाइसेस यूज होते हैं नेटवर्किंग में तो हम कहते हैं नेटवर्क टू नेटवर्क जब सेंड करना है तब ये डिवाइस यूज होगा ठीक है तो उसका मतलब यही होता है जब हम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेज रहे हैं तो देखिये यहाँ पे जो एड्रेस है ये क्या है सोर्स का एड्रेस है और यहाँ पे ये एक सपोज मशीन है एक का एड्रेस हमें दिया हुआ है ठीक है अगर इस इस पर्टिकुलर सिस्टम से इस पर्टिकुलर सिस्टम पे भेजना है तो ये सोर्स हो गया और ये क्या हो जाएगा हमारा डेस्टिनेशन हो जाएगा ठीक है नेटवर्किंग में हम यही कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ डेटा पहुंचा रहे हैं या इस नेटवर्क से इस सिस्टम से इस वाले सारे सिस्टम्स को पहुंचा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगा और अपने ही नेटवर्क के सभी सिस्टम्स को दे रहे हैं तो वो क्या है लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग और अगर हम अपने नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के सभी सिस्टम्स को दे रहे हैं तो वो क्या है डायरेक्टेड ब्रॉडकास्टिंग तो देखिए यहाँ पे जब होस्ट क्या कर रहा है दूसरे नेटवर्क के सभी होस्ट को भेज रहा है तो वो क्या है डायरेक्टेड ब्रॉडकास्टिंग तो देखिए यहाँ वाले का हमें एक सिस्टम का ये एड्रेस पता है आईपी तो इस वाले का नेटवर्क आईडी क्या हो गया ट्वेंटी डॉट ट्वेंटी डॉट ट्वेंटी डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट ज़ीरो ठीक है अब देखिए जब ये यहाँ पे सेंड करेगा तो इसके लिए डेस्टिनेशन एड्रेस क्या रहेगा सोर्स एड्रेस क्या है ट्वेल्व डॉट फिफ्टीन डॉट ट्वेंटी डॉट सिक्सटी अब डेस्टिनेशन एड्रेस क्या रहेगा इसके लिए ट्वेंटी डॉट टू फिफ्टी फाइव डॉट टू फिफ्टी फाइव डॉट टू फिफ्टी फाइव अब जहां पे इसने सेंड करना है उसके लिए क्या एड्रेस बन जाएगा ट्वेंटी डॉट टू फिफ्टी फाइव डॉट टू फिफ्टी फाइव डॉट टू फिफ्टी फाइव मतलब कि ट्वेंटी वाले नेटवर्क पे जाए और सभी सिस्टम्स को हमने भेज देना है ठीक है तो यहाँ पे टू फाइव फाइव किसके लिए ब्रॉडकास्ट के लिए फिक्स किया हुआ ठीक है तो इस तरह से हम करते हैं लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग और डायरेक्टेड ब्रॉडकास्टिंग में एड्रेसेस आईपी एड्रेसेस किस तरह से यूज करें ठीक है तो एक ही जब हम यहां पर यह नहीं है कि अब अलग अलग सिस्टम्स के सभी के ये डेस्टिनेशन में एड्रेस देगा नहीं इसने सिंगल ही एड्रेस दे देना है जिससे सभी के पास ये क्या होगा पहुंच जाएगा नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस क्लास इज अ मल्टीकास्ट एड्रेस ठीक है तो देखिए कौन सी क्लास है ए बी सी हमने देखा था यूनिकास्ट है तो मल्टीकास्ट कौन सी है आपकी डी है कौन सी रहेगी डी रहेगी इन क्लासफुल एड्रेस एंड आई पी एड्रेस वन टू थ्री डॉट ट्वेंटी थ्री डॉट वन फिफ्टी सिक्स डॉट फोर टू डैश क्लास फॉर्मेट ठीक है इसको आप पॉज करके एक बार खुद आंसर करने की कोशिश करें ठीक है तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बन जाएगा करेक्ट ए ठीक है इसका आंसर क्या हो गया डी आप नेक्स्ट इन क्लासफुल एड्रेसिंग आई पी एड्रेस दिस बिलोंग्स टू यहाँ पे आपके पास क्या नाइनटी है ठीक ठीक है है अब यहाँ पे अग, अगर इन केस आपके पास एग्जाम में कहीं पे भी 256 लिखा आ जाता है और यहाँ पे डी में लिखा आ जाता है नन ऑफ द अबव ठीक है डी में लिखा आता है नन ऑफ द अबव तो आपने ऐसे जल्दी नहीं करनी है कि वन नाइनटी देखा और क्लास बी को टिक कर दिया या क्लास ए को जो आपको सही लगा उसको टिक कर दिया यहाँ पे आपने सभी को चेक करना है कि यहाँ पे टू फाइव फाइव की रेंज तक ही होना चाहिए ये जीरो से टू फाइव फाइव अगर टू फिफ्टी सिक्स है तो उसमें करेक्ट आप ऑप्शन आपका नन ऑफ द अबव हो जाएगा ये किसी भी क्लास को बिलोंग नहीं करेगा अगर यहाँ टू फिफ्टी सिक्स होगा ठीक है तो यहाँ पे आप देख लेंगे वन के अकॉर्डिंग कौन सा रहेगा आपका ठीक है देन क्लासफुल एड्रेसिंग फर्स्ट फोर बिट्स इन क्लास ए आई पी ठीक है फर्स्ट फोर बिट्स यहां से कौन से पॉसिबल हैं अगर हम क्लास ए की बात करते हैं ठीक है तो इसका भी आंसर आप पॉज करके दोनों का आंसर देखिए आप, आपके अकॉर्डिंग क्या बनता है और फिर चेक करेंगे यस सो द करेक्ट आंसर फॉर थर्ड क्वेश्चन इज बी ठीक है क्लास बी का बनता है ये और फर्स्ट फोर बिट कौन से होंगे आपके सी के होंगे क्योंकि बाकी सब में क्या आ रहा है वन आ रहा है ठीक है सिर्फ जीरो किस केस में आ रहा है इस वाले केस में आ रहा है और फर्स्ट बिट क्या होनी चाहिए जीरो होनी चाहिए क्लास ए के केस में देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइज ऑफ नेटवर्क बिट्स एंड होस्ट बिट्स ऑफ क्लास ए ऑफ आई एड्रेस तो यहाँ पे कौन सा पॉसिबल है ठीक है क्लास ए के लिए एंड देन आई पी वी फोर द आई पी एड्रेस दिस बिलोंग्स टू ये वाला आई पी एड्रेस आपका कौन सी क्लास को बिलोंग करेगा एंड दी आंसर्स आर यहाँ पे आपका कौन सा साइज रहेगा नेटवर्क बिट्स का सेवन एंड होस्ट बिट्स का ट्वेंटी एट अगर एट दिया होगा तो एट रखेंगे हम ठीक है अदरवाइज अगर सेवन दिया होगा तो सेवन को चूज़ करेंगे ठीक है अगर सेवन नहीं ऑप्शन में तो आप एट वाले को चूज करेंगे देन अगर आई पी वी फोर अगर हम यहाँ पे देखते हैं टू हंड्रेड है ठीक है ठीके? तो ये आपके किसका हो जाएगा क्लास सी का हो जाएगा ठीक है वन नाइन्टी वन तक आपका किसका रहता है क्लास बी का रहता है उसके बाद हमारी कौन सी स्टार्ट हो जाती है क्लास सी स्टार्ट हो जाती है तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका वन नाइन्टी वन ठीक है इनकेस आपको पूरी रेंज नहीं याद होती है तो आगे वाली रेंज याद कर लें ठीक है कि यहाँ से जीरो से स्टार्ट हो रहा है देन यहाँ पे क्या है आपके पास वन ट्वेंटी एट से स्टार्ट होगा ये वन नाइन्टी टू से स्टार्ट होगा ठीक है इस तरह से ये वाले सिर्फ लेफ्ट जो आपकी ये वाली रेंज अगर पूरी रेंज आपको अपर और लोअर दोनों याद नहीं हो रही हैं तो लोअर वाली याद कर लें ठीक है कुछ आ, कम से कम एक तो याद होगी ना तो उससे भी आंसर आप दे पाएंगे ठीक है तो आई वी फोर जो हेडर रहेगा आपका वो हेडर जो है ठीक है उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है ठीक है जो ये हेडर है इस वाले आई वी फोर का ठीक है तो इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन बेसिकली स्टोर होती है उसकी बात करेंगे हम इस क्लास में ठीक है यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं आईपी एड्रेसिंग से दो तीन क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ठीक है आईपी एड्रेसिंग हो गया क्लास फुल uh, जो है उससे रिलेटेड पूछ लेते हैं देन सबनेटिंग uh, से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और कई बार आई पी वी फोर का क्वेश्चन भी आता है हेडर का तो देखिए इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है इट इज़ द हार्ट ऑफ द इंटरनेट ठीक है इसे हार्ट भी बोला जाता है इंटरनेट का और ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है देखिए कैरिंग एंड टू एंड डेटा फ्रॉम सोर्स कंप्यूटर टू डेस्टिनेशन देन आईपी डेटाग्राम ऑरिएंटेड है ठीक तो है, होते है? तो डेटाग्राम क्या होता है देखिए हेडर प्लस डेटा हेडर प्लस डेटा क्या होता है डेटाग्राम तो आईपी क्या है डेटाग्राम ऑरिएंटेड प्रोटोकॉल है ठीक है और कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है ठीक है आईपी इज डेटाग्राम ऑरिएंटेड बेस्ट एफर्ट कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल देन स्विचिंग एट द नेटवर्क लेयर जो स्विचिंग होती है नेटवर्क लेयर में ठीक है वो भी क्या यूज़ करती है डेटाग्राम अप्रोच यूज़ करती है पैकेट को स्विच करने के लिए ठीक है पैकेट को पैकेट स्विचिंग जब होगी तो उस केस में डेटाग्राम अप्रोच यूज की जाती है नेटवर्क लेयर तो देखिए डेटाग्राम क्या है हेडर प्लस डेटा ठीक है डेटाग्राम क्या है हेडर है और साथ में डेटा है तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है जो हेडर है वो कितने बाइट्स का होता है हेडर जो होता है हम इसी हेडर के बारे में बात करेंगे जो यहां पे 22 60 बाइट्स हैं इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन हम सेंड करते हैं ठीक है तो यहाँ पे आप हेडर में कितनी बाइट्स हैं टोटल ट्वेंटी टू सिक्सटी बाइट्स यूज की जाती हैं और डेटा के लिए ट्वेंटी टू सिक्सटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टी सिक्स बाइट्स यूज की जाती हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे देखते हैं आई वी जो हेडर है देखिए उसमें क्या क्या चीजें हैं सबसे पहले तो है वर्जन जो होगा फोर बिट का ठीक है ये आपको याद करना है एज एट वर्जन फोर बिट का होगा लेंथ जो है हेडर की जो लेंथ है वो फोर बिट्स लेगी देन टाइप ऑफ सर्विस एट बिट्स लेगी डेटाग्राम साइज सिक्सटीन बिट्स लेगा देन आइडेंटिफिकेशन सिक्सटीन बिट्स फ्लैग्स थ्री बिट्स देन फ्रैगमेंटेशन थर्टीन बिट्स टाइम टू लिव एट बिट्स इसको आगे देखेंगे अभी क्या क्या चीज़ें हैं ये प्रोटोकॉल एट बिट्स हेडर चेकसम 16 बिट्स देन सोर्स एड्रेस 32 बिट डेस्टिनेशन एड्रेस 32 बिट एंड दिस इज ऑप्शनल ठीक है तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो बात करते हैं जो हमने कहा जो हेडर है वो कितने से कितने बिट्स का हो सकता है ट्वेंटी टू सिक्सटी बाइट्स का हो सकता है ट्वेंटी टू सिक्सटी बाइट्स का क्या हो सकता है हमारा हेडर हो सकता है तो देखिए ट्वेंटी बाइट्स जो यहाँ पे हम बात करें ये फोर फोर क्या हुआ फोर फोर एक बाइट हो गया फोर फोर एट बिट्स हो गए एक बाइट हो गया दो बाइट देन फोर बाइट्स टोटल फोर बाइट्स हो गए यहाँ पे टोटल फोर यहाँ हो जाएंगे यहाँ फोर हो जाएंगे ये फोर बाइट्स हैं और ये फोर बाइट्स हैं टोटल अगर हर रो में देखेंगे हम तो थर्टी टू बिट्स यूज़ हो रही हैं ठीक है तो फोर फोर बाइट्स आपकी हर रो में यूज़ हो रही है दैट मीन्स टोटल कितनी हो गई ट्वेंटी बाइट्स हो गई ठीक है तो यहाँ पे हम टोटल कितनी बाइट्स यूज करें ट्वेंटी बाइट्स यूज करें हैं तो ये तो चीजें ऐसी हैं जो होंगी ही होंगी ठीक है ये चीजें ऐसी हैं जो हेडर में कंपलसरी हैं ठीक है ये चीजें हमेशा होंगी ही होंगी आई पी वी फोर हैडर में देन आपके यहाँ पे आती हैं फोर्टी बाइट्स किसके लिए ऑप्शनल ठीक है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑप्शनल रहती हैं कोई किसी हेडर में हो भी सकती हैं और जरूरी नहीं है ठीक है ऑप्शनल रहेंगी ये सब चीजें ठीक तो है तो वेरिएबल लेंथ है ये यहाँ पे आपको थ्री ट्वेंटी बिट्स की जगह मिलती है उतनी जगह में आप एडिशनल और भी चीज़ें होती हैं स्पेसिफाइड होती हैं ठीक है वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं ठीक है तो इसकी जो हर रो की आप देख पा रहे हैं विथ कितनी है थर्टी टू बिट्स है और यहाँ पे फोट ट्वेंटी बिट्स ज़रूरी बाइट सॉरी ट्वेंटी बाइट्स ज़रूरी होता है आ, कि उतना इंफॉर्मेशन होना चाहिए लाइक सोर्स एड्रेस होना चाहिए डेस्टिनेशन एड्रेस होना चाहिए और ये सब चीज़ें होनी चाहिए ठीक है इन्हें इंडिविजुअली अभी हम देखेंगे और ये फोर्टी बाइट्स ठीक है इसको इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है हमें सिर्फ ये देखना है कि ये जो ट्वेंटी बाइट्स हम यूज़ कर रहे हैं है हेडर में ये किस किस चीज़ के लिए हैं ठीक है तो सबसे पहले हमारे पास है वर्जन तो देखिए वर्जन क्या है वर्जन हमारा यहाँ पे फिक्स होता है क्या है फोर है वर्जन आईपी का ठीक है यहाँ पे हम देख रहे हैं वर्जन क्या है फोर है फोर को हम अगर बाइनरी फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखते हैं जीरो वन जीरो जीरो तो देखिए फोर बिट्स मिल रहे हैं हमें वर्जन के लिए तो यहाँ पे हमेशा इंफॉर्मेशन क्या आ जाएगी जीरो वन जीरो जीरो देन हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है हेडर लेंथ तो देखिए हेडर लेंथ में कितने बिट्स मिल रहे हैं हमें स्पेसिफाई करने के लिए फोर बिट्स मिल रहे हैं ठीक है अगर हम फोर बिट्स से देखें तो देखिए फोर बिट्स की हेल्प से क्या होता है जीरो 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 से शुरू करके वन 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 ठीक है तो यहाँ पे आप जीरो से लेके क्या कितने नंबर तक रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं फिफ्टीन तक कर पा रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे देखिए सिर्फ हम ज़ीरो से लेके फिफ्टीन तक कर पा रहे हैं लेकिन हमने देखा जो हेडर की लेंथ है वो कितनी होती है जर्नली ट्वेंटी टू सिक्सटी होती है ठीक है कितनी होती है ट्वेंटी टू सिक्सटी बाइट्स होती है हमेशा हेडर आई जो हेडर है वो ये ट्वेंटी फाइव बाइट्स तो हमें देखिए देने ज़रूरी हैं ठीक है ये तो कम्पल्सरी है तो ट्वेंटी बाइट्स तो मिनिमम होगा लेकिन हम अगर फोर बिट्स यूज़ करते हैं तो फोर बिट्स की हल्से क्या कर पा रहे हैं ज़ीरो से सिर्फ फिफ्टीन तक की वैल्यू दे पा रहे हैं और ये अगर सिक्सटी तक जाता है तो देखिए फिर आगे की वैल्यू आपकी क्या है बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी अगर ट्वेंटी से ऊपर बाइट्स यूज हो रही हैं ठीक है थर्टी हो रहे हैं थर्टी फाइव हो रही हैं है, तो और हमें इसके थ्रू तो हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फ़ोर बिट्स के थ्रू हम क्या करते हैं फ़ोर से उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक है ठीके? हमेशा क्या होता है वो फोर के मल्टीपल में स्पेसिफाई होता है लाइक अगर हमारे पास हेडर की वैल्यू क्या है ज़ीरो वन ज़ीरो वन है ठीक है तो फाइव है वैल्यू इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं फोर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारे पास क्या आ जाता है ट्वेंटी बाइट्स ठीक है इन केस वहां पे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है वन 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 तो मैक्सिमम वैल्यू अगर वन 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 स्पेसिफाई की हुई होगी यहाँ हेडर लेंथ में तो उसका क्या मतलब है जो हमारा हेडर है जो हमारी ये पूरी इंफॉर्मेशन है हेडर की इसमें कितने बाइट्स यूज किए जा रहे हैं सिक्सटी बाइट्स यूज किए जा रहे हैं ठीक है इसमें हेडर की इंफॉर्मेशन में कंप्लीट हम क्या कर है, रहे हैं सिक्सटी बाइट्स यूज कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या होती है इस तरह से सेंड करी, करी जाती है जब भी हम सोर्स और डेस्टिनेशन की बात करते हैं नेटवर्किंग में देखिए ऐसा लगता है कि बहुत सिंपल है लेकिन अगर हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो पता चलता है कि नेटवर्किंग में एक्चुअल में तो बहुत ज़्यादा ये एक कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है ठीक है देखने में तो ऐसा लगता है मेल की और पहुंच गई कुछ भी नहीं है है ना लेकिन जब डिज़ाइन की होगी जिन्होंने तो उन्होंने देखा होगा कि इसमें तो बहुत जो जितने भी उन्होंने एफ़र्ट्स डाले हैं जब हम पड़े तब पता चलता है तो देखिए हेडर लेंथ कितने लेगा फ़ोर बिट्स लेगा और फोर बिट्स में आपकी जो ल, 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 वैल्यू है वो क्या हो सकती है ज़ीरो जीरो ज़ीरो जीरो से लेकर वन 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 तक ठीक है तो मिनिमम जो वैल्यू होती है वो क्या होती है ज़ीरो वन ज़ीरो वन होती है ज़ीरो जीरो नहीं ली जाती है क्योंकि ट्वेंटी बाइट्स तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए ठीक है होने चाहिए देन वन वन मैक्सिमम होगी ये फोर के मल्टीपल में होती है ठीक है फोर से इसे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और टोटल लेंथ फाइंड आउट कर ली जाती है तो जो हैडर की लेंथ है वो वेरी करती है फाइव से लेकर फिफ्टीन तक ठीक है तो हेडर की अगर लेंथ पूछ ली जाती है तो वेरी करेगी वो फाइव से लेकर फिफ्टीन तक ठीक है तो सबसे पहले था वर्जन जो फोर बिट्स लेते हैं देन हेडर लेंथ जो फोर बिट्स लेगा अगेन आफ्टर दैट वी हैव टाइप ऑफ सर्विस तो देखिए टाइप ऑफ सर्विस को कितने बिट्स मिल रहे हैं यहाँ पे आपके पास एट बिट्स मिल रहे हैं ठीक है कितने बिट्स मिल रहे हैं टोटल एट बिट्स मिल रहे हैं तो यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ सर्विस में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट एट बिट्स हैं ठीक है अब यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया जाता है देखिए यहाँ पे एक ही एक बार में ट्री होगा दैट मीन्स यहाँ पे ये चार हैं इनमें से कोई एक ही क्या होगा ट्री होगा ठीक है तो यहाँ पे डी क्या है डिले टी क्या है थ्रो एंड आर क्या है रिलायबिलिटी एंड सी क्या है कॉस्ट ठीक है इसे मिनिमाइज़ करते हैं इसे मैक्सिमाइज uh, करते हैं इसे मिनिमाइज मैक्सीमाइाइज करते हैं रिलायबिलिटी को और कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने की सोच रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे जो बाकी के बिट्स हैं इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ठीक है तो यहाँ पे कितने बिट्स दिए जाते हैं टोटल एट बिट्स दिए जाते हैं सर्विस टाइप ऑफ सर्विस को ठीक है किस तरह की सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है हैं उसके लिए आपके पास कितने एट बिट्स हैं और ये डिफरेंट क्या है वैल्यूज uh, हो सकती हैं उसकी पॉसिबल देन वी हैव टोटल लेंथ तो देखिए टोटल लेंथ हमारे पास जो आता है यहाँ पे हमारे पास टोटल लेंथ में क्या आएगा डेटा ग्राम का साइज ठीक है यहाँ पे हमने देखा था कि जो हमारा डेटा है प्लस हेडर है ये क्या बनता है डेटा ग्राम बनता है ठीक है ये क्या बनता है ग्राम बनता है तो इन्हीं दोनों की जो लेंथ होती है वो यहाँ स्पेसिफाई की जाती है ठीक है इन दोनों की लेंथ क्या की जाएगी यहाँ स्पेसिफाई की जाएगी तो देखिए ये कितनी टोटल लेंथ इसकी कितनी हो सकती है मैक्सिमम सिक्सटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टी सिक्स तो सिक्सटीन बिट्स की हेल्प से हम यही क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिए टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी सिक्सटीन बिट्स की हेल्प से टू रेज टू पावर सिक्सटीन माइनस वन अगर जीरो से स्टार्ट करें हम ठीक है तो क्या हो जाएगी सिक्सटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टी सिक्स ठीक है तो यहाँ पे इंडिकेट क्या करेगा ये टोटल लेंथ ऑफ आई पी डेटाग्राम इंक्लूडिंग हेडर एंड पेलोड तो हेडर और पेलोड को इंक्लूड करके जो भी आपकी लेंथ बनेगी टोटल वो टोटल लेंथ क्या की जाती है यहाँ पे स्पेसिफाई की जाती है देन हमारे पास आता है आइडेंटिफिकेशन बिट तो देखिए आइडेंटिफिकेशन में कितने बिट्स यूज हो रहे हैं सिक्सटीन बिट्स यूज हो रहे हैं दैट मीन्स टू बाइट्स यूज हो रहे हैं तो अब देख लेते हैं कि क्या चीजें क्या इसमें हम नोट करते हैं ठीक है क्या चीज इसमें ऐड ऑन की जा रही है तो देखिए अगर हम डेटा ग्राम को क्या करें फ्रेगमेंट करें ठीक है वेनएवर द डेटा ग्राम इज फ्रेगमेंटेड देन द वैल्यू इन द आइडेंटिफिकेशन फील्ड इज कॉपीड इन टू ऑल द फ्रेगमेंट ठीक है तो जब भी डिवाइड कर रहे हैं एक डेटाग्राम को जब भी आगे क्या करें डिवाइड कर रहे हैं उसके टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं ठीक है तो उसको क्या किया जाता है ये वाली वैल्यू हर डेटाग्राम के साथ अब हेडर होता है ठीक तो है तो अगर डेटा हमारा ज़्यादा है तो उससे क्या किया जाता है फ्रेगमेंटे कर दिया जाता है डिवाइड कर दिया जाता है ठीक है तो अब ये वाली जो वैल्यू होगी जो भी आइडेंटिफिकेशन फील्ड की वैल्यू होगी ना उससे सभी फ्रेगमेंट्स में क्या कर दिया जाता है कॉपी कर दिया जाता है ताकि जब भी इन्हें असेंबल करना है तो पता रहे कि ये एक इस पर्टिकुलर डेटाग्राम के क्या है? हैं डिफरेंट डिविजन्स हैं ठीक है तो इसलिए इन्हें क्या इसमें इस वाले फील्ड को क्या किया जाता है सभी में क्या करते हैं कॉपी कर देते हैं जो भी हमारे स्मॉल उसके पोर्शन हैं ठीक है उनमें सब में क्या करते हैं इसे कॉपी कर देते हैं ठीक है जैसे स्कूल्स में होता है या कॉलेजेज में होता है आई डी कार्ड्स होते हैं इसी तरह से ये भी क्या है एक आई डी कार्ड है कि हाँ ये इस पर्टिकुलर डाटाग्राम को बिलोंग करता है ठीक है सो सीक्वेंस नंबर दैट टूगेदर विद द सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस एंड यूजर प्रोटोकॉल इज इंटेंडेड टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ डेटाग्राम ठीक है तो जो भी सीक्वेंस नंबर होगा उससे हम यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी एक डाटाग्राम को जो आइडेंटिफायर है शुड बी यूनिक फॉर द डेटाग्राम सोर्स एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस एंड दिस फॉर द टाइम ड्यूरिंग विच द डेटाग्राम विल रिमेन इन द इंटरनेट ठीक है तो जित अगर कोई डिफरेंट डेटाग्राम्स हैं तो उतने टाइम तक वो जो आइडेंटिफायर है वो क्या होना चाहिए यूनिक होना चाहिए ठीक है उसके बाद जब वो डिफरेंट डेटाग्राम्स अगर लैप्स हो गए अपने जो भी डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँच गए फिर उसके बाद कोई भी को, यूनिक जो भी है आइडेंटिफायर्स वो रिपीट हो सकते हैं फिर कोई प्रॉब्लम नहीं देन हमारे पास आता है फ्लैग्स तो देखिए फ्लैग्स कितने बिट्स लेता है थ्री बिट्स लेता है तो यहाँ पे हमारे पास देखिए थ्री बिट्स हैं यहाँ पे फर्स्ट बिट तो जीरो रिजर्व है ठीक है फर्स्ट बिट तो हमेशा ज़ीरो ही होगी देन हमारे पास टू बिट्स और हैं इनकी वैल्यू या तो जीरो हो सकती है या वन हो सकती है या ज़ीरो हो जाएगी या वन हो जाएगी सेकेंड जो है वो क्या है डी एफ दैट मीन्स डू नॉट फ्रेगमेंट एंड एम एफ मीन्स मोर फ्रेगमेंट ठीक है तो डी डी एन एफ का मतलब क्या है डू नॉट फ्रेगमेंट तो अगर तो यहाँ वन होगा अगर यहाँ वन होगा तो ये क्या मतलब है कि मशीन क्या ना करे शुड नॉट फ्रेगमेंट द डेटाग्राम ठीक है डू नॉट फ्रेगमेंट है ये तो अगर तो वन होगा इट मीन्स जो मशीन है वो आगे इसके फ्रेगमेंट्स ना करे और अगर जीरो होगा दैट मीन्स मशीन शुड फ्रेगमेंट द डेटाग्राम इफ रिक्वायर्ड अगर तो जीरो है तो इसका मतलब वो आगे फ्रेगमेंट्स कर सकती है ठीक है डेटाग्राम को डिवाइड कर सकती है आगे फर्दर अगर जरूरत है देन थर्ड बिट क्या है एम एफ दैट इज़ मोर फ्रेगमेंट बिट्स तो देखिए यहाँ पे क्या है इफ़ वन इट मीन्स दैट द डेटाग्राम इज नॉट द लास्ट फ्रेगमेंट ठीक है अगर यहाँ पे वन है तो इसका क्या मतलब है कि ये जो फ्रेगमेंट मोर फ्रेगमेंट ठीक है इसका मतलब ये मोर फ्रेगमेंट है वन है तो इसका मतलब है डू नॉट फ्रेगमेंट मतलब ना करो वन है तो इसका मतलब इसी को सपोर्ट कर रहा है डू नॉट फ्रेगमेंट मीन्स और आगे फ्रेगमेंट मत करो और इसी तरह से मोर फ्रेगमेंट मीन्स वन है तो इसका मतलब ये लास्ट फ्रेगमेंट नहीं है आगे और भी है ठीक है दिस इज नॉट द लास्ट फ्रेगमेंट अब भाई जीरो होगा तो इसका क्या मतलब है दिस इज द लास्ट और द ओनली फ्रेगमेंट अगर एक ही है तो वो भी लास्ट ही है अगर ज़्यादा थे तो वहां पे जीरो क्या स्पेसिफाई करें कि ये वाला जो फ्रेगमेंट है ये क्या है लास्ट फ्रेगमेंट ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास होता है ये क्या आता है फ्लैग ठीक है तो यहाँ पे देखिए वर्जन हमने देखा वर्जन में हमारा आई फोर वर्जन है तो जीरो वन जीरो जीरो रहेगा देन हेडर की लेंथ आएगी तो ये लेंथ जो है फोर बिट्स ही ले रही है तो यहाँ पे आपकी वैल्यू जीरो वन जीरो वन से लेकर अगर देखें बाइनरी में तो वन 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 तक वेरी करेगी ठीक है ये ट्वेंटी बाइट्स को स्पेसिफाई करेगा फोर से मल्टीप्लाई कर तो ये सिक्सटी बाइट्स को करेगा ठीक है तो ट्वेंटी से सिक्सटी ही जो आपकी आई फोर हेडर की है वो लेंथ होती है ठीक है ये आपने याद रखना है कि ट्वेंटी से सिक्सटी लेंथ होती है ट्वेंटी मिनिमम होनी चाहिए और सिक्सटी तक जा सकती है ट्वेंटी से सिक्सटी जो है वो फोर्टी बाइट्स क्या हैं ऑप्शनल है देन टाइप ऑफ सर्विस होती है ठीक है यहाँ पे एट बाइट्स एट सॉरी एट बिट्स ले रहे हैं वन बाइट ले रहा है देन हमारे पास आता है डेटाग्राम का साइज डेटाग्राम का जो साइज़ होता है वो सिक्सटीन बिट्स में स्पेसिफाई किया जाता है मैक्सिमम जो उसका साइज़ होता है वो थ्री सिक्सटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टी सिक्स होता है ठीक है अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे लेंथ स्पेसिफाई कर दी जाती है कितनी है देन आइडेंटिफिकेशन बिट्स आते हैं हमारे और जो बताते हैं कि हाँ कितना कौन सा एक डेटाग्राम को जित जो डिफरेंट फ्रैगमेंट्स हैं कौन से डेटाग्राम को वो बिलोंग कर रहे हैं ठीक है एंड देन हमारा फ्लैग बिट्स आते हैं जो डिफरेंट दो चीज़ें बता रही हैं आपकी डो नॉट फ्रैगमेंट या लास्ट फ्रेगमेंट है या वो नहीं है ठीक है मोर फ्रेगमेंट्स ठीक है नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रेगमेंटेशन ऑफ तो देखिए यहाँ पे क्या है थर्टीन बिट्स यूज़ हो रहे हैं ठीक है कितने बिट्स यूज़ हो रहे हैं थर्टीन बिट्स यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे जैसा कि हमने बात किया अगर नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स हैं अब हमें किस आ, उस सीक्वेंस में उन्हें ज्वाइन करना है ठीक है एक बार उनके उन्हें डिवाइड कर दिया देन वापस से उन्हें ज्वाइन भी करना पड़ेगा अब वन टू थ्री है तीन है तो हम उन्हें थ्री टू वन ना कर दें टू थ्री वन ना कर दें वन टू थ्री ना करें ठीक है जो भी है वो एक्चुअल वाली सीक्वेंस में ही उन्हें क्या करना है हमने ज्वाइन करना है तो ये जो फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट है ये क्या बताती है रिलेटिव पोजिशन ऑफ दिस फ्रेगमेंट विद रिस्पेक्ट टू होल डेटाग्राम ठीक है जो कंप्लीट डेटाग्राम है उसमें इस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट की क्या पोजिशन बनती है वो स्पेसिफाई करता है फ्रेगमेंटेशन ऑफ सेट वेयर दिस फ्रेगमेंट लाइज इन एंटायर आईपी डेटाग्राम कहां पर ये जो फ्रे, आ, हमारा फ्रेगमेंट है लाइ करेगा एंटायर डेटाग्राम में आई पी डेटाग्राम में देन हमारे पास आता है टाइम टू लिव तो देखिए टाइम टू लिव में हमारे हमें कितने बाइट्स मिल रहे हैं एट बिट्स मिल रहे हैं वन बाइट मिल रहा है ठीक है अब ये क्या कहता है अगर कोई भी डेटाग्राम हम एक सोर्स से डेस्टिनेशन पर जा रहा है अभी वो कुछ टाइम में ही क्या होना चाहिए डिलीवर होना चाहिए उस अब ये क्या है उसकी उसका बता रहे हैं हम कितनी टाइम वो रहेगा ठीक है जो हमारी नेटवर्किंग है उसमें रहेगा मतलब जब रास्ते में रहेगा अदरवाइज़ वो क्या है पैकेट क्या हो जाए डिस्ट्रॉय हो जाए ठीक है उसे डिस्कार्ड कर दिया जाएगा अगर वो उतने टाइम तक पहुंचेगा तो ठीक है अदरवाइज उसे डिस्कार्ड कर दिया जाएगा दोबारा सेंड करना पड़ेगा ठीक है तो यहां पे टाइम टू लिव में क्या बताया जाता है वही टाइम बताया जाता है इंडिकेट्स द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द पैकेट कि कितना टाइम वो पैकेट रहेगा ठीक है अदरवाइज उसको क्या कर देंगे डिस्कार्ड तो देखिए एट बिट्स मिलेंगे इसे तो यहां देखिए एट बिट्स की हेल्प से हम क्या करेंगे टाइम स्पेसिफाई कर रहे हैं तो टी टी एल वैल्यू क्या होगी डिक्रीज होती रहेगी बाय एटलीस्ट वन जैसे जैसे वो आगे आगे बढ़ रहे बढ़ेगा ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट नोड पे जब वो मूव करे तो उसका टाइम क्या होता रहता है डिक्रीज होता रहता है ठीक है तो जब उसका टाइम ज़ीरो हो जाएगा जब भी उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तब रूटर डिस्कार्ड कर देगा और उस पैकेट को ड्रॉप कर देगा ठीक है आगे वो सेंड नहीं करेगा फिर आगे मूव नहीं करेगा वो पैकेट टू अवॉइड लूपिंग इन द नेटवर्क एवरी पैकेट इज सेंट विद द सम टी टी एल वैल्यू सेट ठीक है तो नेटवर्क में क्या होता है हर पैकेट के साथ टी वैल्यू एक सेट की जाती है ताकि ये ना हो कि वो इनफाइनाइटली मतलब वापिस इधर उधर घूमता जा रहा है उसको अगर उसको अपना एग्जैक्ट डेस्टिनेशन नहीं मिल रहा है तो इधर उधर घूम रहा है ठीक है उसे अवॉइड करने के लिए एक टी वैल्यू क्या है सेट कर दी जाती है विच टेल्स द नेटवर्क हाउ मेनी रूटर्स और होप्स दिस पैकेट कैन क्रॉस तो उससे नेटवर्क को क्या पता चल जाता है कि कितने रूटर्स या कितने होप्स जो है ये पैकेट क्रॉस करेगा नेक्स्ट वो ये प्रोटोकॉल फील्ड और इसको मिलती है एट बिट्स यानी कि वन बाइट तो देखिए ये क्या बताता है टेल्स द नेटवर्क लेयर एट द डेस्टिनेशन होस्ट ठीक है तो यहाँ पे अगर ये डेस्टिनेशन है और ये सोर्स है डेस्टिनेशन पे नेटवर्क लेयर को ये बताता है टू विच प्रोटोकॉल दिस पैकेट बिलोंग्स टू ठीक है तो ये बताएगा कि कौन सा प्रोटोकॉल ठीक है कौन से प्रोटोकॉल को ये पैकेट बिलोंग करता है ठीक है ऊपर वाली लेयर के प्रोटोकॉल का बताता है ठीक है नेक्स्ट लेवल प्रोटोकॉल को बताएगा ठीक है ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल है जो इस वाले पैकेट को सपोर्ट करता है ठीक है ये बात बताता है प्रोटोकॉल वाला हमारा फील्ड ठीक है तो प्रोटोकॉल का नंबर दे देगा आई सी एम तो ये नंबर होते हैं अलग अलग प्रोटोकॉल्स के ठीक है तो वो नंबर यहाँ पे क्या कर लिया जाता है बिट्स की हेल्प से स्टोर करा जाता है इस आई के हेडर में प्रोटोकॉल फील्ड में ठीक है तो हर प्रोटोकॉल का नंबर होता है स्पेसिफाइड तो वो वाला नंबर यहाँ पे आपका एट बिट्स में स्पेसिफाई कर दिया जाता है और वो नंबर नेटवर्क लेयर को इसलिए दिया जाता है ताकि उसे पता चल जाए कि ये जो पैकेट है ये कौन से प्रोटोकॉल को बिलोंग करता है जो प्रोटोकॉल आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पर यूज होगा इस पैकेट से रिलेटेड ठीक है तो ये हमारा होता है प्रोटोकॉल फील्ड नेक्स्ट नेक्स्ट इज हेडर चेकसम फील्ड तो देखिए जो हमारा हेडर है ठीक है उसमें हमने डिफरेंट देखी कौन कौन से फील्ड्स आएंगे नेक्स्ट फील्ड जो आएगा वो कौन सा आएगा चेकसम फील्ड आएगा ठीक है और इसमें हमारे सिक्सटीन बिट्स होते हैं ठीक है टोटल सिक्सटीन बिट्स यूज किए जाते हैं और ये किस लिए किया जाता है यही चेक करने की जो हमारा पैकेट है वो एरर फ्री पहुंचा है या नहीं पहुंचा है ठीक है तो देखिए दिस फील्ड इज़ यूज टू कीप चेकसम वैल्यू ऑफ एंटायर हेडर पूरे हेडर का क्या लिया जाता है चेकसम वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है और उस चेकसम को बाद में यूज़ किया जाता है ये चेक करने के लिए कि जो पैकेट है वो एरर फ्री पहुँचा है या नहीं पहुँचा है ठीक है ये फील्ड हमारा इस काम आएगा तो देखिए यहाँ पे हमारे पास टोटल कौन कौन से थे ये देखिए यहाँ पे हमारे पास वर्जन देन एच लन देन टाइप ऑफ सर्विस देन डेटाग्राम साइज देन आइडेंटिफिकेशन फ्लैग्स देखा हमने उसके बाद फ्रेगमेंटेशन ऑफ सेट देन टाइम टू लिव देन प्रोटोकॉल एंड हेडर चेकसम ठीक है ये हमारे थ्री रोज हो गए कम्प्लीट ठीक है ये सब चीजें जाती हैं हेडर के साथ हेडर में ठीक है नेन आता है सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस तो देखिए सोर्स एड्रेस जो होता है इसको मिलते हैं थर्टी टू बिट्स तो इसमें क्या होता है एड्रेस होता है सेंडर का या जिसे हम सोर्स कह रहे हैं जो भी पैकेट का सेंडर है या सोर्स है उसका क्या होगा एड्रेस होगा ठीक है और हमने देखा था आईपी जो वी है उसमें एड्रेसेस कितने बिट्स के होते हैं थर्टी बिट्स के होते हैं ठीक है इस तरह से रिलेट करके देखें तो हम थर्टी टू बिट्स ही हमारे एड्रेस के होते हैं तो सोर्स एड्रेस में भी थर्टी टू बिट्स रहेंगे और डेस्टिनेशन एड्रेस में भी कितने बिट्स रहेंगे थर्टी टू बिट्स रहेंगे यहाँ पे एड्रेस किसका होगा रिसीवर या डेस्टिनेशन ऑफ द पैकेट ठीक है जो भी रिसीव करने वाला है पैकेट को या जो हम डेस्टिनेशन बोल सकते हैं एक ही बात है ठीक है तो जो भी डेस्टिनेशन है पैकेट की उसका एड्रेस होगा डेस्टिनेशन एड्रेस में नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जो ऑप्शनल है ठीक है ऑप्शनल वाले में थर्टी थ्री हंड्रेड ट्वेंटी बिट्स दिए जाते हैं दैट मीन फोर्टी बाइट्स ठीक है फोर्टी बाइट्स मिलते हैं यहाँ पे हमें तो देखिए ये ऑप्शनल फील्ड है विच इज यूज इफ़ द वैल्यू ऑफ आई एच एल इज ग्रेटर दैन फाइव दीज ऑप्शन में कंटेन वैल्यूज फॉर ऑप्शन सच एज सिक्योरिटी रिकॉर्ड रूट टाइम स्टैंप इन सब चीजों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे हो सकती है ऑप्शन में ठीक है चलिए नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड इन आई पी वी फोर पैकेट द वैल्यू ऑफ एच लेंथ जो लेंथ है हेडर की वो क्या दी हुई है वन जीरो 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 इन बाइनरी हाउ मेनी बाइट्स ऑफ ऑप्शन आर टू बी कैरिड बाय दिस पैकेट ठीक है तो एच लेंथ अगर आपको पता है ठीक है तो ये क्या आई अगर हम इसे कन्वर्ट करें एट आ गया तो अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है आपने फोर से करना है जिससे हमें पता चलेगा कि टोटल हेडर की लेंथ कितनी है ठीक है तो हेडर की कितनी है टोटल लेंथ देखिए थर्टी टू है अब इसमें तो से ट्वेंटी क्या होते हैं कंपल्सरी वाले होते हैं इसका मतलब ट्वेल्व बाइट्स कौन से यूज़ किए गए हैं ऑप्शनल वाले यूज़ किए गए हैं ठीक है ऑप्शन जो है उसके कितने बाइट्स यूज़ किए गए हैं ट्वेल्व बाइट्स यूज किए गए हैं ठीक है ठीके? तो आपने क्या करना है अगर हेडर लेंथ दिया हुआ है उसके इसमें क्या करेंगे उसे कन्वर्ट कर लेंगे और फिर फोर से मल्टीप्लाई करके आपको पता चल जाएगा टोटल लेंथ कितनी है हेडर की अब टोटल लेंथ जब पता चल गई तो ट्वेंटी हमेशा क्या होते हैं कंपल्सरी वाले बाइट्स होते हैं तो ऑप्शनल वाले बाइट्स आ जाएंगे यहां से आपके पास नेक्स्ट हमारे तो पास आता है इन आई वी फोर पैकेट द वैल्यू ऑफ एच लेन इज फाइव टोटल हेडर की लेंथ कितनी है फाइव स्पेसिफाई की हुई है यहाँ पे एंड वैल्यू ऑफ टोटल लेंथ फील्ड इज दैट हेक्सा हेक्साडेसिमल में दी हुई है जीरो जीरो टू एट ठीक है टोटल लेंथ कितनी दी हुई है जीरो जीरो टू एट विच इज इन हेक्साडेसिमल डेसीमल ओ एक्स का मतलब क्या है हेक्साडेसिमल में गिवेन ये हाउ मैनी बाइट्स ऑफ डेटा आर बींग कैरीड बाई दिस पैकेट तो कितने बाइट्स hmm. का डेटा इस जो पैकेट ने कैरी किया ठीक है तो देखिए टोटल लेंथ बताई हुई है यहाँ पर अब टोटल लेंथ दी हुई है अब हम पहले क्या लेंगे हेडर की लेंथ लेंगे ठीक है तो उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें कित की लेंथ पता चल जाएगी डेटा की लेंथ तो देखिए टोटल लेंथ किस में है आपको दी हुई है हेक्सा डेसीमल में तो इसे कन्वर्ट कर लिया हमने बाइंड्री में बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद इसे क्या करेंगे आप कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल्स में ठीक है जब हमने डेसिमल्स में कन्वर्ट किया दिस इज़ लाइक वन टू ओहो वन टू फोर एट देन सिक्सटीन एंड थर्टी टू तो देखिए ये क्या आ गया थर्टी टू प्लस एट फोर्टी आ गया ठीक है तो फोर्टी बाइट्स आ गए आपके पास डेसिमल में तो टोटल जो लेंथ है आपके डेटाग्राम की ठीक है डोटल डेटाग्राम दे, की लेंथ है ये दी हुई तो ये कितनी है फोर्टी है अब इसमें से हमने देखा फाइव क्या है हेडर की लेंथ है तो फाइव दी है तो दैट मीन्स हम फोर से उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ गई हेडर कितने का है ट्वेंटी का है तो अब देखिए जो डेटा है वो भी कितने का होगा ट्वेंटी का होगा फोर्टी में से ट्वेंटी माइनस कर देंगे तो वो कितने का आ जाएगा ट्वेंटी का आ जाएगा ठीक है तो डेटा का कितने का आ गया आपका ट्वेंटी बाइट्स का आ गया देन देखिए इसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है आपको अ पैकेट हैज अराइव्ड विद एमएफ बिट ठीक है एमएफ बिट है मतलब मोर फ्रेगमेंट वैल्यू ऑफ वन ठीक है वन वैल्यू के साथ जाता है दैट मीन्स और ज्यादा आगे फ्रेगमेंट्स हैं एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ सेट वैल्यू ऑफ जीरो ठीक है फ्रेगमेंटेशन ऑफ सेट वैल्यू क्या उसकी zero है उसकी जीरो है दैट मीन्स अब और भी हैं लेकिन इस वाले का क्या है ऑफसेट जीरो है मतलब ये पहला ही है इज दिस पैकेट आई फ्रेगमेंट फर्स्ट फ्रेगमेंट मिडल फ्रेगमेंट और लास्ट फ्रेगमेंट ठीक है आई एथ फ्रेगमेंट है ये कोई मिडल फ्रेगमेंट है या लास्ट फ्रेगमेंट है तो देखिए ऑफसेट वैल्यू क्या है इसकी ज़ीरो है तो इसको हम क्या करें एट से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा जीरो ही आएगा तो इनिशियल बाइट क्या आई ज़ीरो आई ठीक है तो इसका मतलब ये क्या है फर्स्ट फ्रैगमेंट है ठीक है इस मीन्स ये वाला जो फ्रेगमेंट है ये आपका कौन सा है फर्स्ट फ्रेगमेंट है ट्रीट इज द नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड पर सेकेंड तो बिट रेट देखिए क्या होता है जितने बिट्स uh, एक सेकेंड में ट्रांसमिट किए जाते हैं ठीक है इस सिस्टम से हमें इस वाले सिस्टम पे कुछ डेटा भेजना है सेंड करना है ये सेंडर है और ये हमारा क्या है रिसीवर है तो यहाँ से देखिए बिट्स जाते रहेंगे जीरो वन जीरो वन 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 जीरो ठीक है बिट्स क्या होते हैं ट्रांसमिट होते रहते हैं दूसरे रिसीवर के पास दूसरे सिस्टम के पास ठीक है तो जितने बिट्स एक सेकेंड में ट्रांसफ़र होते हैं वो क्या होता है बिट रेट होता है और जितने सिग्नल्स ठीक है जितने हमारे नंबर ऑफ सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं वो क्या होता है बॉड रेट होता है ठीक है नंबर ऑफ सिग्नल एलिमेंट्स की अगर बात करें वो एक सेकेंड में कितने ट्रांसमिट हो सकते हैं तो वो क्या होता है बॉड रेट होता है ठीक है तो अगर बॉड रेट दिया है तो uh, हम बिट रेट निकाल सकते हैं और अगर बिट रेट दिया हुआ तो है तो हम बॉड रेट निकाल सकते हैं तो देखिए बॉड रेट क्या होता है बॉड रेट इज़ इक्वल्स टू बिट रेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बिट्स पर सिग्नल यूनिट ठीक है एक सिग्नल में कितने बिट्स हैं नंबर ऑफ बिट्स पर सिग्नल यूनिट कितना है उससे हम क्या करें बिट रेट को डिवाइड करें तो हमें पता चल जाएगा कितने सिग्नल्स ट्रांसमिट किए जा रहे हैं ठीक तो है तो चलिए देखते हैं तो अगर बॉड रेट कैलकुलेट करना है दैट विल बी बिट रेट जो बिट रेट है हमारा अपॉन नंबर ऑफ बिट्स ठीक है अपॉन नंबर ऑफ बिट्स पर सिग्नल और इसी तरह से अगर बिट रेट कैलकुलेट करना होगा तो क्या करेंगे बॉड रेट दिया होगा और नंबर ऑफ सिग्नल्स दिए होंगे उन्हें क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एन एनालॉग सिग्नल कैरीज फोर बिट्स इन ईच सिग्नल यूनिट इसका मतलब हमें क्या दिया हुआ है नंबर ऑफ बिट्स दिए हुए हैं पर सिग्नल यूनिट और क्या दिए इफ़ हंड्रेड सिग्नल यूनिट्स आर सेंट पर सेकेंड एक सेकेंड में हम कितने सिग्नल यूनिट्स सेंड कर सकते हैं वन थाउजेंड सेंट कर सकते हैं सेंड कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे आपका बॉट बॉडर रेट क्या होगा और बिट रेट क्या होगा तो देखिए बॉडर रेट क्या होता है जितने सिग्नल्स हम सेंड कर सकते हैं तो बॉर्डर रेट तो आपका क्या हो गया वन थाउजेंड बॉड्स पर सेकेंड और बिट रेट क्या हो गया वन थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय फोर एक सिग्नल में हम कितने सेंड कर रहे हैं फोर बिट्स सेंड कर रहे हैं और हंड्रेड ऐसे थाउजेंड ऐसे सिग्नल्स हम एक सेकेंड uh, में सेंड कर पा रहे हैं तो कितना हो जाएगा वन थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय फोर दैट इज़ फोर्टी थाउजेंड बिट्स पर सेकेंड ठीक है ये आपका हो जाएगा बॉर्ड रेट और बिट रेट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अगर हम देखें बिट रेट कैलकुलेट करना है और बॉड रेट कैलकुलेट करना है हमें एनालॉग सिग्नल है जो कैरी करे थ्री बिट्स इन ईच सिग्नल और टू थाउजेंड सच यूनिट्स आर सेंट ठीक है तो बॉड रेट क्या हो गया टू थाउजेंड और बिट रेट क्या हो गया टू थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय थ्री सिक्स थाउजेंड अब हमें क्या दिया हुआ है बिट रेट दिया हुआ है और हर सिग्नल कितना कैरी करता है सिक्स बिट्स कैरी करता है तो बॉड रेट कैसे निकलेगा बिट रेट डिवाइडेड बाय या नंबर ऑफ सिग्नल्स पर पर आपके जो भी सेकंड मतलब हम कर पा रहे हैं ट्रांसमिट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बॉड रेट इज इक्वल्स टू थ्री थाउजेंड डिवाइडेड बाय सिक्स इज इक्वल्स टू फाइव थाउजेंड बॉन्ड्स नेक्स्ट वी हैव सिक्योरिटी सर्विसेज तो देखिए यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे क्रिप्टोग्राफी बेसिकली ठीक है क्रिप्टोग्राफी कौन सी लेयर का इनक्रिप्शन जो है वो कौन सी लेयर का फंक्शन है कौन सी लेयर सर्विस ये वाली प्रोवाइड करती है प्रेजेंटेशन लेयर ठीक है कौन सी लेयर देती है ये वाली सर्विस हमें प्रेजेंटेशन लेयर प्रोवाइड करती है ठीक है तो इसमें हम बेसिक्स देख रहे हैं अभी तो देखिए नेटवर्क में जब भी हम सिक्योरिटी कर रहे हैं अप्लाई कर रहे हैं ठीक है ऐसे कुछ भी एल्गोरिदम्स लगा रहे हैं तो वो हमें फ़ाइव सर्विसेज प्रोवाइड करता है जब भी हम नेटवर्क सिक्योरिटी अप्लाई करेंगे तो फ़ाइव सर्विसेज हमें मिलती हैं जिनमें से फोर्थ सर्विसेज मैसेज को एक्सचेंज करने से रिलेटेड है और फिफ्थ सर्विस क्या है एंटिटी ऑथेंटिकेशन और आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड है जिसमें एंटिटी को क्या किया जाता है ऑथेंटिकेट किया जाता है कि वो एक्चुअल में वो है भी है या नहीं है ठीक है तो देखिए फर्स्ट जो सर्विस है वो क्या है मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी तो मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी क्या कहता है अगर मैं ए हूँ और मैं बी को मैसेज सेंड कर रही हूँ तो मेरा मैसेज सिर्फ बी ही देखे ये नहीं हो कि उसके सिस्टम पे कोई और वर्क कर रहा है सी या कोई और इन बिटवीन आया वो मेरा मैसेज देख रहा है नहीं मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या मतलब है कि मेरा मैसेज कॉन्फिडेंशियल रहे और जिसे मैं सेंड कर रही हूँ सिर्फ वही देख पाए ठीक है या मेरे अगर लैपटॉप में कोई भी डेटा है ठीक है अभी मैं उठ के गई अपनी सीट से कोई और फटाफट से मेरा लैपटॉप ऑन था और मैसेज कुछ भी रीड कर रहा है या कुछ इस तरह से ठीक है तो वो क्या है लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है ठीक है कोई भी कॉन्फिडेंशियल अगर मैसेज है और हम नहीं चाहते कि कोई और उसे देखे तो अगर कोई देखता है सो दैट इज़ लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी और हम सिक्योरिटी नेटवर्क सिक्योरिटी में एक ये फ़ीचर प्रोवाइड करते हैं सर्विस प्रोवाइड करते हैं जब भी डिफरेंट एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं देन हमारे पास आता है सेकेंड मैसेज इंटीग्रिटी तो देखिए इंटीग्रिटी क्या कहता है अगर मैंने एक मैसेज भेजा है ठीक है ए ने बी को एक मैसेज भेजा लाइक ट्रांसफ़र ठीक है ट्रांसफ़र रुपीज़ फिफ्टी थाउजेंड टू ए ठीक है या टू सी भेजा ठीक है मैंने बी को बोला ट्रांसफ़र कर दो फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ सी के अकाउंट में ठीक है लेकिन इन बिटवीन देखिए क्या था एक इंट्रूडर था जिसका नाम डी है उसने क्या किया अटैक किया ठीक है और इस वाली इंफॉर्मेशन को क्या कर दिया चेंज कर दिया ठीक है उसने क्या कर दिया ट्रांसफ़र फिफ्टी थाउजेंड टू सी की सी को चेंज करके क्या कर दिया डी कर दिया अब बी जो है वो तो क्या सोचेगा कि ने मुझे यही मैसेज भेजा है ट्रांसफ़र कर दो फिफ्टी थाउजेंड डी को और ये क्या करेगा ट्रांसफ़र कर देगा डी को ठीक है सो दिस इज़ मैसेज इंटीग्रिटी ठीक है अगर मैसेज जो है एक्चुअल उसे चेंज कर दिया जाता है तो वो क्या होता है लॉस ऑफ इंटीग्रिटी ठीक है तो ये किससे रिलेटेड है लॉस ऑफ इंटीग्रिटी से रिलेटेड है ठीक है तो यहाँ पे आपका मैसेज जो है वो Uh, क्या हो गया उसमें इंटीग्रिटी का लॉस हो गया ठीक है एग्जैक्टली जैसा इसने भेजा था ए ने वैसा अगर बी को पहुंचता है तो हम कहते हैं मैसेज इंटीग्रिटी हमने प्रिजर्व की है ठीक है सो देखिए डेटा इंटीग्रिटी क्या है द एश्योरेंस दैट डेटा रिसीव्ड आर एग्जैक्टली एज सेंट बाय द ऑथराइज एंटिटी उसमें कोई मॉडिफिकेशन इंसर्शन डिलीशन रीप्ले नहीं किया गया ठीक है तो इंटीग्रिटी में मॉडिफिकेशन भी आ जाएगा इंसर्शन डिलीशन या रीप्ले दोबारा से भेज दिया ठीक है तो यही मैसेज एक बार तो सी के पास बी के पास जा रहा है ठीक है जिसमें सी आ रहा है फिर दोबारा से यही मैसेज जा रहा है जिसमें डी कर दिया उसने ठीक है तो वो भी नहीं होना चाहिए दिस इज मैसेज इंटीग्रिटी नेक्स्ट वी हैव मैसेज ऑथेंटिकेशन तो देखिए मैसेज ऑथेंटिकेशन में क्या देखा जाता है कि कोई भी मैसेज अगर रिसीव हो रहा है ठीक है ये रिसीवर है बी ठीक है इसने कोई भी मैसेज रिसीव किया है तो ये क्या चेक कर रहा है कि ये सही जगह से आ रहा है या नहीं आ रहा है जहाँ से आना चाहिए तो वहाँ से पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है ठीक है मैसेज को ऑथेंटिकेट कर रहे हैं बेसिकली ठीक है तो ये होता है मैसेज ऑथेंटिकेशन नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है मैसेज नॉन रेपोडिएशन ठीक है तो ये क्या होता है कि जैसे कई बार किसी ने क्या कि, क्या किया, किया कि मैसेज सेंड कर दिया उसके बाद बोलता है कि नहीं मैंने तो नहीं किया था ठीक है तो ये चीज़ होती है मैसेज नॉन रेपोडिएशन में तो देखिए ये क्या करता है प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिनाइल ठीक है तो अगर कोई ऐसा कहता है ठीक है ये सर्व ये एक सर्विस प्रोवाइड करता है नेटवर्क सिक्योरिटी कि अगर कोई ऐसा कहता है कि हाँ मैंने उसने सेंड है और वो कहता है मैंने नहीं सेंड की है तो इस चीज़ के अगेंस्ट क्या करता है प्रोटेक्शन देता है सो इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिनाइल बाय वन ऑफ द एंटिटीज इन्वॉल्व इन अ कॉम्युनिकेशन ऑफ हैविंग पार्टिसिपेटेड इन ऑल और पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन तो अगर कोई डिनाई करता है कोई भी एंटिटी ठीक है दो एंटिटीज़ हैं तो दोनों में से अगर कोई भी डिनाई करता है कि हाँ मैंने भेजा नहीं कोई दूसरा कहता है मुझे रिसीव नहीं हुआ तो इस तरह से सभी पूरे कम्युनिकेशन में या पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन में अगर वो ऐसा डिनाइल कर डिनए करते हैं तो उसके अगेंस्ट जो है प्रोटेक्शन दी जाती है नेटवर्क सिक्योरिटी में ठीक है सो ये हमारा होता है नॉन रेपोडिएशन नेक्स्ट आता है एंटिटी ऑथेंटिकेशन तो देखिए एंटिटी ऑथेंटिकेशन में बेसिकली हम uh, uh, किसे ऑथेंटिकेट करें एंटिटी को ऑथेंटिकेट करें कि वो वही है जो वो बोल रहा है या नहीं है सो नेक्स्ट वॉट वी हैव इन क्रिप्टोग्राफी तो देखिए कॉन्सेप्ट जो हमारा क्रिप्टोग्राफी का है इस क्रिप्टोग्राफी का सबसे पहले तो मतलब समझते हैं देखिए क्रिप्टो का मतलब होता है सीक्रेट ठीक है क्रिप्टो का क्या मतलब होता है सीक्रेट एंड ग्राफी का क्या मतलब होता है राइटिंग ठीक है तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सीक्रेट राइटिंग मतलब जो भी हमने डेटा है जो भी हमारा डेटा है उसे एज इट इज नेटवर्किंग में नेटवर्क में सेंड करने की बजाय ठीक है एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने की बजाय हम क्या करते हैं उसको उसको एनकोड कर देते हैं ठीक है डिफरेंट फॉर्मेट में वो क्या होते हैं इनकोड या इनक्रिप्ट कर दिया जाता है ठीक है तो ताकि वो कोई भी इंट्रूडर है अगर कोई भी अटैक कर रहा है तो ये ना हो कि वो अटैक करके सारी इंफॉर्मेशन को ले पाए ठीक है तो देखिए यहाँ पे आ, बहुत से अलग अलग डिफरेंट कॉन्सेप्ट आते हैं हमारे पास तो देखिए कॉन्फिडेंशियलिटी एक सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी से होती है और एक कॉन्फिडेंशियलिटी ए सीमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी से होती है ठीक है तो चलिए देखते हैं दोनों को होता क्या है आगे ठीक है तो देखिए क्रिप्टो सिस्टम में बेसिकली हमारे पास फाइव टपल्स हैं जहाँ पे हमारे पास ई डी एम के सी तो देखिए ई e क्या है एनक्रिप्शन एल्गोरिदम जो हम यूज कर रहे हैं एनक्रिप्शन क्या होता है जब भी हम कोई भी डेटा है सपोज ये सेंड कर रहा है इसे ठीक है ए सेंड कर रहा है बी को तो जो भी यहाँ पे डेटा है ठीक है उसे हम क्या कर रहे हैं इनक्रिप्ट कर रहे हैं एनक्रिप्ट क्या है जो एक प्रोसेस जिसमें हम उसे जो प्लेन टेक्स्ट है हमारा उसे किस में कन्वर्ट कर रहे हैं साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं ठीक है जो यहाँ पे डेटा है वो क्या है प्लेन टेक्स्ट है ठीक है जो सेंडर की मशीन पे डेटा है वो क्या है प्लेन टेक्स्ट है और जो रिसीवर के पास पहुँचेगा अल्टीमेटली वो भी क्या है प्लेन टेक्स्ट है ठीक है वो भी क्या है प्लेन टेक्स्ट है यहाँ या, यहाँ पे दिया हुआ है तो देखिए यहाँ पे आपके पास प्लेन टेक्स्ट है एलिस ने बॉब को सेंड करना है तो यहाँ पे क्या है प्लेन टेक्स्ट है इसके पास ठीक है जो सिंपल टेक्स्ट होता है जो डेटा सेंड किया जाना होता है उसे क्या बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं जब उसके ऊपर ताला लगा दिया एक तरह से हमने कोई ठीक है तो वो क्या हो जाता है इनक्रिप्ट कर रहे हैं हम ये क्या प्रोसेस है जब भी हम उसे लॉक कर रहे हैं तो क्या प्रोसेस है इनक्रिप्शन का प्रोसेस है ठीक है उसे हम बोलते हैं इनक्रिप्शन तो प्लेन टेक्स्ट के बाद जब एनक्रिप्ट कर दिया डेटा को तो वो कौन सा टेक्स्ट बन जाता है सिफर टेक्स्ट बन जाता है या साइफर टेक्स्ट बोल देते हैं ठीक है सिफर या साइफर जैसे भी ठीक है तो प्लेन टेक्स्ट को जब इनक्रिप्ट करते हैं दैट मीन्स उसे लॉक कर देते तो वो क्या बन जाता है साइफर टेक्स्ट बन जाता है और रिसीवर की मशीन पर जाके वो क्या होता है डिक्रिप्ट होता है ठीक है वो क्या होता है डिक्रिप्ट होता है दैट मीन्स उस लॉक को हमने क्या कर दिया देखिए ओपन कर दिया ठीक है तो ये क्या हुआ अब किस में कन्वर्ट हो गया साइफर टेक्स्ट किस में कन्वर्ट हो गया प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया और ये क्या हो जाएगा रिसीवर को रिसीव हो जाएगा तो इन बिटवीन जो भी अटैकर है वो अटैक नहीं कर पाएगा अगर वो अटैक कर रहा है तो उसे टाइम लगेगा ठीक है एग्जैक्ट की उसे मिल नहीं मिल पाएगी ठीक है वो सर्च करेगा क्या किससे ये ताला खुलेगा खुलेगा अगर सिंपल टर्म्स में हम बात करें ठीक है तो यहाँ पे देखिए क्या है ये शेयर्ड की है ठीक है अल यहाँ पर अब ताला क्या होता है एक ही की से भी लगता है ठीक है सिंगल की हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे ठीक है एक ही सेम ही की हम क्या कर रहे हैं यूज़ कर रहे हैं एक ये प्रोसेस हो सकता है एक प्रोसेस क्या होता है ताला किसी और चाबी से लगा है और खुला वो किसी और चाबी से ये चीज़ भी पॉसिबल है ठीक है तो ये दो चीज़ें क्या होती हैं आपके पास सिमेट्रिक की क्रिप्टो सिस्टम और ए सिमेट्रिक की क्रिप्टो सिस्टम अगर तो सिमेट्रिक है दैट मीन्स सेम की हम यूज़ कर रहे हैं ठीक है हम क्या करें हैं सेम की यूज़ कर रहे हैं और वो शेयर्ड होगी बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर ठीक है वो शेयर करेंगे किसी भी तरह से ठीक है और एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफ़ी में क्या होता है जो हमारा ताला है वो अलग की से लग रहा है और जो ताला खुल रहा है वो अलग की से खुल रहा है ठीक है इसमें हमारी जो कीज़ होती हैं वो कौन सी होती है पब्लिक की और प्राइवेट की दो डिफरेंट कीज़ हम क्या करते हैं यूज करते हैं कौन से मेथड में ए सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में और सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में सेम ही की होती है और उसे उस की को हम बोलते हैं सीक्रेट की ठीक है uh, उस की को क्या बोलते हैं हम सीक्रेट की बोलते हैं ठीक है उसे क्या बोलेंगे सीक्रेट की और यहाँ पे हमारी दो कीज यूज होती है पब्लिक की एंड प्राइवेट की यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं ठीक है तो ये आपने ध्यान रखना है तो देखिए ई e क्या है इनक्रिप्शन एल्गोरिदम अगर हम देखें क्रिप्टो सिस्टम क्या है फाइव टपल कंसिस्टिंग ऑफ एनक्रिप्शन एल्गोरिदम डिक्रिप्शन क्रिप्शन एम क्या है प्लेन टेक्स्ट के क्या है सेट ऑफ कीज एंड सी क्या है साइफर टेक्स्ट ठीक है इनक्रिप्ट कर रहे हैं हम अपने टेक्स्ट को और फिर रिसीवर के एंड uh, पे डिक्रिप्ट कर देते हैं वापस से तो देखिए सिमेट्रिक की क्रिप्ट साइफर जो है उसमें क्या करते हैं बोथ पार्टिसिपेंट जो भी दोनों पार्टिसिपेंट है वो शेयर करेंगे सेम ही की और उसी की से वो एनक्रिप्ट करेंगे और सेम ही की से क्या किया जाता है डिक्रिप्ट किया जाता है तो ये वाला एल्गोरिदम या ये वाली जो क्रिप्टोग्राफी है इसे क्या बोलते हैं सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी ठीक है नेक्स्ट हमारे पास आती है ए सीमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी तो देखिए इस केस में क्या होता है यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए सेम की यूज़ हो रही है ठीक है कोई डिफरेंस नहीं है सेम ही की यूज़ हो रही है लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें डिफरेंट कीज़ आपको नजर आ रही हैं ठीक है तो ये वाला सिस्टम क्या है ए एसेमेट्रिक जहाँ पे कीज़ जो है वो ए सेमेट्रिक दैट मीन्स डिफरेंट है ठीक है तो यहाँ पे आपके पास जो सेंडर है वो उसके पास प्लेन टेक्स्ट है एनक्रिप्ट होगा कि देन डिक्रिप्ट होगा और फिर इसके पास पहुँच जाएगा एनक्रिप्ट होकर साइफर टेक्स्ट बना डिक्रिप्ट होकर प्लेन टेक्स्ट बना तो देखिए जब भी हमारा ए सीमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी होगी उस केस में दो कीज रहेंगी एक तो प्राइवेट की होती है और एक पब्लिक की होती है ठीक है जो भी कम्युनिकेट कर रहा है ठीक है जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में लाइक like एलिस और बॉब कम्युनिकेट कर रहे हैं ठीक है तो जो भी रिसीवर है ठीक है जो भी रिसीवर है उसकी क्या की जाती है दोनों कीज यूज़ होती हैं ठीक है तो देखिए अब ये एलिस ने क्या करना है किसे सेंड करना है बॉब को सेंड करना है दैट मीन्स रिसीवर कौन है बॉब है अब बॉब की क्या होगी प्राइवेट की भी होगी और पब्लिक की भी होगी दोनों कीज होंगी ठीक है तो जब एलिस सेंड करेगा जब एलिस सेंड करेगा तो किसके साथ करेगा बॉब की पब्लिक की के साथ ठीक है बॉब ने अपनी एक जो प्राइवेट की है वो तो अपने पास रखी हुई है और पब्लिक की जो है पब्लिकली अवेलेबल है तो अगर कोई भी उसको डेटा सेंड करना चाहेगा तो किसके साथ करेगा उसकी पब्लिक की के साथ सेंड करेगा ठीक है तो अब उनमें इस तरह से मैथमेटिक्स uh, बिठाया हुआ है कि जब इसके साथ लॉक होगा तो इसके साथ लॉक खुल जाएगा ठीक है तो ऐसा नहीं है कि इससे लॉक कर रहे हैं तो इसी से लॉक खुलेगा वो हमारा सिमेट्रिक की में होगा जिसमें हम क्या कर रहे हैं सीक्रेट की यूज़ कर रहे हैं कि जिससे लॉक किया उसी से ही लॉक खुलेगा ठीक है जो डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी में वो इसी तरह से डिजाइन किए हुए हैं ठीक है तो यहाँ पे हमने क्या किया एनक्रिप्ट करते हुए क्या यूज़ किया बॉब की पब्लिक की यूज़ की और डिक्रिप्ट करते हुए बॉब क्या करेगा अपनी प्राइवेट की यूज़ करेगा ठीक है डिक्रिप्ट करते हुए क्या करेगा बॉब अपनी प्राइवेट की यूज़ करेगा तो वो वही कंटेंट जो इसने भेजा था यहाँ पे इसे रिसीव हो जाएगा ठीक है इसी तरह से देखिए अब बॉब ने क्या करना है एलिस को अगर डेटा सेंड करना है तो यहाँ पे एनक्रिप्ट हो रहा है तो ये जो एनक्रिप्ट हो रहा है ये किसकी पब्लिक की से होगा एलिस की पब्लिक की से एनक्रिप्ट होगा और डीक्रिप्ट किससे होगा एलिस की प्राइवेट की से डिक्रिप्ट हो जाएगा ठीक है तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का तो देखिए जो हमारे साइफर्स हैं ये डिफरेंट तरह के होते हैं ठीक है बहुत से साइफर्स हैं अगर हम नेटवर्क सिक्योरिटी में बात करें क्रिप्टोग्राफी में देखें तो ठीक तो है तो देखिए जो साइफ़र्स हैं वो क्लासिकल कैटेगरी है ठीक है एक तो हमारी कैटेगरी है क्लासिकल जिसमें हमारे पास क्या है जो पहले चला करते थे साइफर्स वो और नेक्स्ट कैटेगरी क्या है मॉडर्न कैटेगरी मॉडर्न साइफर्स हैं जिसमें हमारे डिफरेंट जो की हमने देखा कि सीक्रेट की किससे जो यूज़ सीक्रेट की यूज़ करके जो एल्गोरिदम्स हैं ठीक है वो सारे कौन से हैं सिमेट्रिक की एल्गोरिदम्स और पब्लिक की एलगोरिदम्स कौन से हैं जो पब्लिक और प्राइवेट की को यूज़ कर रहे हैं ठीक है तो ये डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं ठीक है इनमें से कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में तो देखिए क्लासिकल वाले में हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती हैं सब्सटीट्यूशन और ट्रांसपोजिशन अब सब्सटीट्यूशन में हमारे पास फर्दर क्या आता है मोनो एल्फाबेटिक एंड पॉली पॉलीअल्फाबेटिक तो देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ मैं आपको कि जो सब्सटीट्यूशन होता है इसमें क्या करते हैं हम जैसे अगर मैंने लिखा अटैक ठीक है हम क्या कर रहे हैं सब्सटीट्यूट कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन uh, का मतलब क्या है कि ए को हम क्या कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं किसी और लेटर से ठीक है तो अगर मैं कहती हूँ कि यहाँ पे प्लस वन कर दें हम तो अगर प्लस वन करते हैं तो देखिए ए का क्या बन जाएगा बी बन जाएगा टी का क्या बन जाएगा आर एस टी यू देन टी का यू ए का क्या बना बी एंड देन सी का क्या बना डी एंड के एल ठीक है ये बन गया इसका ये प्लेन टेक्स्ट था पीटी था हमारा और ये क्या बन गया सिटीज दैट इज साइफर टेक्स्ट ठीक है तो ये प्लेन टेक्स्ट का ये क्या बना साइफर टेक्स्ट इसमें हमने क्या किया सब्सटीट्यूट कर दिया सभी लेटर्स को ठीक है जितने भी लेटर्स हैं उन्हें क्या कर दिया सब्सटीट्यूट कर दिया ठीक है अब देखो यहाँ मोनो एल्फाबेटिक और पॉली पॉलीअल्फ़ाबेटिक में क्या डिफरेंस होता है मोनो एल्फाबेटिक में क्या होता है जो भी सेम लेटर होगा जैसे ए का हर जगह क्या आएगा बी ही आएगा यहाँ पे भी आप देखें तो बी ही आएगा ठीक है अगर हम एक ही लेटर ऐड करें वन ऐड करें सभी में तो क्या होगा सेम ही आंसर आएगा टी का देखिए दोनों जगह क्या आ रहा है यू आ रहा है तो इससे क्या होता है कई बार जज कर लिया जाता है ठीक है जो भी अटैकर हैं वो भी इंटेलिजेंट होते हैं वो क्या करते हैं इसे फाइंड uh, आउट कर लेते हैं कि क्या की यूज़ की गई होगी ठीक है तो यहाँ पे क्या किया जाता है ये तो मोनो अल्फ़ाबेटिक हुआ अब इसे ओवरकम करने के लिए कई बार क्या यूज़ होता है पोली अल्फाबेटिक यूज़ होता है इसमें हम जब ऐड करते हैं तो क्या करते हैं वन टू थ्री वन टू थ्री ऐड करेंगे ठीक है हमेशा क्या करेंगे वन टू थ्री वन टू थ्री इस तरह से ऐड करते चले जाते हैं ठीक है तो वहाँ पे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं देखिए अभी यहाँ पे टी में टू और थ्री ऐड होगा ठीक है तो टी का ही यहाँ पे डिफरेंट आएगा टी के बाद आर एस टी यू वी आएगा पी यू वी डब्ल्यू आएगा ठीक है तो यहाँ पे देखिए पॉली अल्फाबेटिक हो गया कि अगर सेम अल्फाबेट है तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे आपके पास सेम ही आएगा बाई चांस सेम आ भी सकता है देखिए एक का यहाँ पे सेम आएगा ठीक है दैट डजेंट मैटर लेकिन यहाँ पे ऐसा ऐसा है कि एक जो हमारा अक्करेंस है ये ज़रूरी नहीं है अगर सेम लेटर की अक्करेंस है तो हमेशा उसका रिजल्ट सेम ही आएगा ठीक है किसी केस में हो भी सकता है लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि डिफरेंट आ रहा है तो दिस इज़ पॉली एल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर ठीक है ये क्या होता है पॉली एल्फाबेटिक सब्सटीट्यूशन साइफर नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसपोजिशन ठीक है नेक्स्ट क्या आएगा ट्रांसपोजिशन इसमें क्या करते हैं देखिए ये भी एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है ठीक है ये क्लासिकल ज़रूर है लेकिन यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है सब्सटीट्यूशन का भी क्वेश्चन जर्नली देखा जाता है इनफैक्ट यूजीसी नेट में और एग्जाम्स में आता है ठीक है अगर यूजीसी नेट में आ रहा है तो किसी भी पीजीटी एग्जाम में या और कहीं पे भी आपको मिल सकता है नेक्स्ट इसी तरह से ट्रांसपोजिशन का क्वेश्चन भी बहुत जर्नल है आता रहता है ठीक है तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं अगर हमारे पास कुछ भी लेटर दिया है देखिए इसी तरह से जैसे सपोज हमने अटैक ही ले लेते हैं एक वर्ड ठीक है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ये क्या है वन टू थ्री फोर ठीक है अगर हम क्या करते हैं वन टू थ्री फोर ट्रांसपोजिशन मीन्स उन्हीं लेटर्स की क्या कर दें पोजिशन चेंज कर दें ठीक है सब्सटीट्यूशन मीन्स उसे किसी और से सब्सटीट्यूट कर दें और ट्रांसपोजिशन मीन्स उनकी जो पोजीशन है वो चेंज कर दी जाए ठीक है तो वन टू थ्री फोर को हम क्या कहते हैं टू फोर वन थ्री कर दिया जाए ठीक है इस तरह से एग्जाम में लिखा आता है कि पीटी आपका अगर ये है तो सीटी ये बना दें ठीक है तो देखिए सीटी क्या बन जाएगा अगर यहाँ से हम देखें टू आ जाएगा वन की जगह पे क्या आ जाएगा टू तो टू क्या है टी है देन टू जो है टू की जगह पे क्या आ जाए फोर आ जाए तो फोर क्या है देखिए ए है देन थ्री की जगह पे वन आ जाए तो वो क्या है ए है फोर की जगह पे क्या आ जाए थ्री आ जाए तो वो क्या है के है टी है ठीक है इसी तरह से अब यहाँ पे वन टू देखेंगे वन टू थ्री फोर इसी तरह से आगे वाले कैरेक्टर्स के लिए भी यही होगा ठीक है तो देखिए यहाँ पे हमारा इस तरह से होता है कि हम जो लेटर्स हैं उनकी पोजीशंस चेंज कर देते हैं सो दैट इज़ ट्रांसपोजिशन टेक्निक ठीक है ट्रांसपोजिशन साइफर्स होते हैं इसमें आगे अलग अलग साइफर्स होते हैं ठीक है इसमें सीजर साइफर होता है विनेगियर साइफर होता है अलग अलग साइफर्स हैं ठीक है अलग अलग साइफर मीन्स एल्गोरिदम ठीक है अलग अलग एल्गोरिदम्स हैं जिनके नेम्स हैं ठीक है थीके? लेकिन क्रक्स यही है कि किस तरह से वो वर्क करते हैं नेक्स्ट आपके पास आते हैं मॉडर्न साइफर्स तो देखिए मॉडर्न साइफर्स में हमारे पास सीक्रेट की साइफर्स हैं और पब्लिक की साइफर्स हैं सीक्रेट की होती है जिनमें उसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक की साइफर्स एंड जिनमें पब्लिक की होगी उसमें उन्हें बोल देते हैं हम ए सीमेट्रिक की साइफर्स तो देखिए आगे फर्दर इसमें ब्लॉक साइफर्स होते हैं स्ट्रीम साइफर्स होते हैं तो ब्लॉक साइफर में से कई बार ए ई एस या डी ई एस में से पूछ लिया जाता है ठीक है ए ई एस एडवांस्ड इनक्रिप्शन सिस्टम एंड ये क्या होता है स्टैंडर्ड सॉरी एडवांस्ड इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड और डी ई एस क्या होता है डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड ठीक है तो ये एक हमारे पास साथ में और होता है थ्री डी ई एस ये क्या होता है थ्री टाइम्स डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड ठीक है तो यहाँ से ए ई एस या डी ई एस में से पूछ लिया जाता है इसका थोड़ा सा आगे ओवरव्यू ले, ले लेंगे ठीक है और नेक्स्ट हमारे पास ए सीमेट्रिक की एल्गोरिदम्स होती हैं इसमें आर एस ए और डी एस ए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है आर एस ए का गेट में तो जर्नली आता ही आता है क्वेश्चन ठीक है डिजिटल सिग्नेचर्स का भी आ जाता है ठीक है तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती हैं ए सीमेट्रिक की एल्गोरिदम में ठीक है यहाँ वाले इसमें आज वाले इस कोर्स में हम कंप्लीट ये देखेंगे आर एस से कैसे बनाते हैं ठीक है डी एस ए फिलहाल हम नहीं करेंगे तो देखिए सिमेट्रिक की एल्गोरिदम्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं देखिए ए ई एस दैट इज़ डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड डी ई एस एंड ए ई एस इज़ एडवांस्ड इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड ठीक है तो uh, देखिए यहाँ पे एक टर्म क्रिप्ट एनालिसिस भी यूज़ की गई है क्रिप्ट एनालिसिस बेसिकली क्या होता है जब हम कोशिश करते हैं क्रैक करने की ठीक है क्रिप्टोग्राफी तो क्या है हमने क्या किया सीक्रेट राइटिंग की अब जब भी uh, हम क्रैक करने की कोशिश करें तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है क्रिप्ट एनालिसिस बोला जाता है तो देखिये एई एस और डीईएस के डिफ्रेंसेस देख लेते हैं डी ई एस जो होता है इसमें जो हमारा कम्प्लीट डेटा है ये कंप्लीट डेटा है इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ ठीक है इसमें जो भी हमारा कंटेंट है ठीक है वो उससे पहले तो हम प्लेन टेक्स्ट जो है हमारा वो सिक्सटी फोर बिट्स का है अगर अगर उससे बड़ा है तो सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर बिट्स में उसे डिवाइड कर लिया जाता है ठीक है तो यहाँ पर डीईएस में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं जो डेटा ब्लॉक है उसे टू हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं लेकिन ए ई एस में जो एंटायर डेटा ब्लॉक है उसे ही हम क्या करते हैं प्रोसेस करते हैं उसमें डिवीजन नहीं होता इसमें जो प्लेन टेक्स्ट है आपका वो उस उसका जो एक ब्लॉक है वो कितने बिट्स का होगा सिक्सटी फोर ब्लॉक बिट्स का होगा इसमें आपका जो प्लेन टेक्स्ट है उसका ब्लॉक उसका जो साइज़ है वो क्या हो सकता है ब्लॉक का साइज़ ठीक है अगर कंटेंट हमारा इतना बड़ा है तो उसमें से डिफरेंट ब्लॉक्स बना लिए जाते हैं अब एक ब्लॉक के ऊपर वो सारी प्रोसेसिंग रिपीटेडली की जाती है ठीक है नंबर ऑफ स्टेप्स हैं इसमें डी में और AES में ठीक है कोर्स जब हम आ, अपनी डिग्री कर रहे होते हैं तो ये पूरा अच्छे से सब्जेक्ट पढ़ते हैं ठीक है तो AES में आगे दग, बहुत सारे स्टेप्स हैं ठीक है इसी तरह से डी में ए में दोनों में ही है तो जो कंप्लीट डेटा है उसे आपने किस में डिवाइड कर देना ब्लॉक्स में डिवाइड कर देना तो एक ब्लॉक जो होगा डी में वो सिक्सटी बिट्स का होता है और प्लेन टेक्स्ट में वो कितने बिट्स का होता है या तो 128 बिट्स का होगा या 192 या 256 तो so, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है ठीक है ये या आपने याद करना कि प्लेन टेक्स्ट जो है कितने कितने बिट्स का पॉसिबल है 128 192 या 256 और की साइज़ जो होता है वो डी ई एस में होता है 56 सिक्स बिट्स का और एस में वो होता है वन ट्वेंटी एट वन नाइन्टी टू और वन टू फिफ्टी सिक्स बिट्स का ही तो सिक्योरिटी जो है डी ई एस उतनी ज़्यादा नहीं प्रोवाइड करता है ठीक है स्मॉलर की है तो लेस सिक्योर है लेकिन ए ई एस जो है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा सिक्योर है इसमें देखिए राउंड्स होते हैं डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो हम परफॉर्म करते हैं ठीक है पर ऑपरेशन लगते हैं अलग 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 प्लेन टेक्स्ट के ऊपर तो साइफर टेक्स्ट आता है तो कितने राउंड्स होते हैं ठीक है तो आइडेंटिकल ऑपरेशन उन्हीं ऑपरेशन के ना बार 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 सिक्सटीन राउंड्स लगाते हैं और उसके बाद जो डेटा आता है उसे हम कहते हैं साइफर uh, टेक्स्ट ठीक है तो सिक्सटी राउंड्स होते हैं आपने ये याद रखना कितने राउंड्स होते हैं सिक्सटीन राउंड्स होते हैं और ए ई एस में कितने राउंड्स होते हैं टेन राउंड्स होते हैं अगर वन ट्वेंटी एट बिट एल्वर यूज़ कर रहे हैं ट्वेल्व राउंड्स होंगे अगर वन नाइनटी टू बिट्स यूज़ करें हैं, और फोटीन राउंड्स होंगे अगर टू फिफ्टी सिक्स बिट्स यूज़ कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ से आपने ये जो इसका कंटेंट है क्योंकि एम सी क्यूज़ में यही चीज़ें आती हैं आपको सॉल्व करना नहीं आएगा तो ये जो जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स हैं ये आपने याद रखने हैं नेक्स्ट वी हैव आर एस एल्गोरिदम सो फुल फॉर्म ऑफ आर एस ए इज़ डाइवेस्ट शमेर एडलमैन ठीक है आर एस ए एल्गोरिदम है हमारे पास ये कौन सा एलगोरिदम है पब्लिक की ठीक है जिसे हम क्या बोल देते हैं ए सीमेट्रिक की एल्गोरिदम भी बोल देते हैं ठीक है तो इसमें हम पब्लिक और प्राइवेट कीज यूज़ करें तो देखिए किस तरह से ये वर्क करेगा ये एल्गोरिदम आपको याद कर लेना है ठीक है कोई भी आप एग्जाम देते हैं कंप्यूटर साइंस के आजकल क्या है इनक्रिप्शन सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं थोड़ा इन है ठीक है तो यहाँ ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं तो आर एस के बारे में जर्नली पूछा जाता है हर एग्जाम में ठीक है तो इस एल्गोरिदम को तो आपने याद कर लेना और इसके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो भी देख लेंगे हम ठीक है तो बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो फिर नहीं सॉल्व हो पाएगा ठीक है तो इसको आपने याद कर लेना तो देखिए यहाँ पे हमें क्या लेना है दो डिस्टिंक्ट लार्ज रैंडम प्राइम नंबर्स लेने हैं ठीक है तो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी जो है जिसे हम एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी भी बोलते हैं यहाँ पे जर्नली हम मॉड्यूलर अरिथमेटिक यूज़ करते हैं ठीक है या तो मॉड्यूलर अरिथमेटिक यूज़ करें जिससे हमें क्या मिल रहा है सेफ्टी uh, जो है जो क्रैक करने का वो है ना उसकी बहुत जल्दी पहले क्या होता था क्रैक हो जाती थी चीज़ें अब नहीं हो पाती हैं ठीक है वो इसी वजह से क्योंकि जो हम मैथमेटिक्स यूज़ कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट ओनली तो इसमें हम क्या करें मॉड्यूलर अरिथमेटिक यूज़ करते हैं तो मॉड्युलर अरिथमेटिक की वजह से जो ये एल्गोरिदम्स uh, हैं ये क्या हो जाते हैं थोड़ा सा सेफ़ हो जाते हैं तो देखिए सबसे पहले तो आपने क्या करना है दो नंबर्स लेने हैं ठीक है ये प्राइम नंबर्स हैं और लार्ज नंबर्स हैं ठीक है दो नंबर्स होते हैं हमारे पास पी एंड क्यू जो क्या है ये एल्गोरिदम है तो एल्गोरिदम्स देख रहे हैं समझ रहे हैं तो दो नंबर्स लेने हैं जो लार्ज होंगे एज वेल एज़ क्या होंगे प्राइम होंगे और एक दूसरे के इक्वल भी नहीं होंगे ठीक है जैसे अगर हमने सपोज़ अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं थर्टीन ले लिया और ट्वेंटी ले लिया ठीक है ये दोनों क्या यहाँ डिफरेंट प्राइम नंबर्स हैं ठीक है लार्ज नहीं लिया जस्ट एक एग्जाम्पल लिया ठीक है कि ऐसे प्राइम नंबर्स हम ले सकते हैं देन हम कंप्यूट करेंगे एन ठीक है सबसे पहले हमने क्या लिया दो प्राइम नंबर्स ले लिए फर्स्ट स्टेप में पी एंड क्यू नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कंप्यूट करेंगे एन की वैल्यू विच इज़ इक्व टू पी मल्टीप्लाइड बाय क्यू ठीक है नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे सेकेंड में हमने क्या किया एन इज इक्व टू पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या Phi करेंगे आप फाइव ऑफ एन कैलकुलेट करेंगे ठीक है फाइव ऑफ एन क्या आएगा पी माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई क्यू माइनस वन ठीक है फाइव ऑफ एन क्या आएगा आपके पास पी माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई क्यू माइनस वन ये तो हो गए हमारे थ्री स्टेप्स ठीक है पी और क्यू ले लिया देन एन कैलकुलेट हो जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करके फाइव ऑफ एन कैलकुलेट हो जाएगा दोनों में से वन वन सब्ट्रैक्ट किया और मल्टीप्लाई कर दिया देन हम क्या करेंगे एक ऐसा इंटीजर चूज करेंगे ठीक है ई एक ऐसा इंटीजर चूज करेंगे ई e, जो क्या है आपका ए वन से तो बड़ा है लेकिन एन से क्या है छोटा है ठीक है एक ई e, इंटीजर हमने चूज करना है कोई भी जो क्या है वन से बड़ा है और एन से क्या है छोटा है ठीक है अब उसके बाद हम डी कंप्यूट करेंगे ठीक है और वहां पे क्या रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि हम डी मल्टीप्लाइड बाय ई जब करें जब हम डी मल्टीप्लाइड बाय ई करें तो वो क्या किसके कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए वन मॉड फाइव एन ठीक है उसके कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ठीक है आगे एक एग्जाम्पल भी देखेंगे यहाँ पे सिर्फ एल्गोरिदम को समझ रहे हैं हम ठीक है तो यहाँ पे देखिए फाइव ऑफ एन तक आ गया कि हमने क्या किया पी माइनस वन किया मल्टीप्लाई क्यू माइनस वन अब एक ई e हमने कोई भी एक इंटीजर ले लिया जो वन से क्या है बड़ा है और एन से क्या है छोटा है ठीक है वन से बड़ा है और एन से क्या है छोटा है तो यहाँ पे देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके अगर करें हम तो ये क्या है अगर ये फाइव है और ये क्या है सेवन है तो ये हमारा एन की वैल्यू क्या आ गई पी फाइव है और क्यू सेवन है एन की वैल्यू क्या आ गई थर्टी फाइव आ गई और फाइव ऑफ एन की वैल्यू क्या आ गई देखिए फोर मल्टीप्लाइड बाई सिक्स दैट इज़ ट्वेंटी फोर आ गई ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करें कोई भी एक नंबर ले लेंगे ठीक है सपोज हमने क्या लिया नंबर एट ले लिया ठीक है e ई की वैल्यू क्या ले ली हमने एट ले ली ठीक है अभी वो एन से छोटा है और वन से बड़ा है अब एक हमने क्या लेना है अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होना चाहिए जो हमारा है डी मल्टीप्लाइड बाई ई ठीक है डी मल्टीप्लाइड बाई ई दैट मींस एट मल्टीप्लाइड बाई डी क्या आना चाहिए इट मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड ट्वेंटी फोर ठीक है क्या होना चाहिए वन मॉड ट्वेंटी फोर तो वन मॉड ट्वेंटी फोर देखिए क्या आएगा हमेशा वन आएगा ठीक है कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए तो यहाँ पे हम एट को किससे मल्टीप्लाई करें और फिर उसका मोड लें ट्वेंटी फोर से तो क्या आए वन ही आए ठीक है ऐसा नंबर हमें डी के लिए कोई भी एज्यूम करना पड़ेगा ठीक है तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगी डी की वैल्यू आ जाएगी क्या करेंगे डी को किसके साथ मल्टीप्लाई करें और हम मॉड करें ट्वेंटी फोर से तो हमारे पास क्या आए वन आए ठीक है तो ये था आपका ये वाला स्टेप नेक्स्ट स्टेप में हम क्या ये वाले स्टेप में देखिए अब जो डी की वैल्यू आई है ना वो क्या बन जाएगी प्राइवेट की बन जाएगी ठीक है वो क्या बन जाएगी प्राइवेट की बन जाएगी तो हमने बात की थी अगर तो इसने सेंड करना है ए ने अगर सेंड करना है बी को ठीक है ए ने अगर सेंड करना है बी को कंटेंट पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की हेल्प से तो जब ये एनक्रिप्ट करेगा तो ये किससे करेगा पब्लिक की से करेगा बी की और बी डिक्रिप्ट करते हुए क्या यूज करेगा अपनी प्राइवेट की यूज करेगा अब देखो अगर आर एस एल्गोरिदम यूज़ किया होगा इन्होंने तो डी से क्या करेगा बी जो है बी जो रिसीवर है वो डी वाली की से क्या करेगा इस वाले डेटा को जो इसने सेंड की है डी क्रिप्ट करेगा ठीक है तो डी यहाँ पे क्या बनेगी आपकी प्राइवेट की बनेगी डी क्या बनेगी प्राइवेट की बनेगी और पब्लिक की क्या बनेगी एन और ई e बनेगी ठीक है एन और ई e क्या बनेगी पब्लिक की बनेगी प्राइवेट की एन और डी भी बन सकती है ठीक है क्योंकि उसे हम दोनों को यूज़ करेंगे जब हम प्लेन टेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे ठीक है तो यहाँ पे हम दोनों को भी कह सकते हैं या डी बोल सकते हैं ठीक है तो पब्लिक की जो है आपकी वो क्या बनेगी एन एंड ई और प्राइवेट की क्या बनेगी एन एंड डी तो अब जो बाकी की जो वैल्यूज़ हैं लाइक डी पी क्यू फाइव ऑफ एन इन सबको क्या रखा जाता है सीक्रेट रखा जाता है इन्हें आउट नहीं किया जाता बस बॉब क्या करेगा एन और ई e को क्या करेगा आउट कर देगा ताकि कि जिसने भी उसे मैसेज सेंड करना है वो इससे encrypt, इनकी हेल्प से एनक्रिप्ट करके उसे सेंड कर पाए ठीक है तो जैसे ही देखिए एनक्रिप्शन का प्रोसेस होगा तो साइफर टेक्स्ट कैसे कैलकुलेट होगा एम जो है एम क्या है प्लेन टेक्स्ट है प्लेन टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट यहाँ पे है प्लेन टेक्स्ट टेक्सट टू तो पावर ई पब्लिक की है अवेलेबल है किसी के पास भी किसी ने भी सेंड करना है बी को डेटा तो यहाँ पर ई एम टू पावर ई मॉड एन करके वो क्या करेगा सेंड करेगा इससे साइफर टेक्स्ट जनरेट हो जाएगा और जब रिसीवर के एंड पे पहुंचेगा तो साइफर टेक्स्ट उसे मिला डी पब्लिक प्राइवेट की है रेज टू पावर डी की और मॉड की है इससे वो क्या करेगा डिक्रिप्ट करेगा और उसके पास क्या जनरेट हो जाएगा प्लेन टेक्स्ट जनरेट हो जाएगा ठीक है ये हमारा एल्गोरिदम होता है ए आर एस एल्गोरिदम ठीक है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है नेटवर्क सिक्योरिटी में ठीक है तो इस तरह से ये वर्क करता है ये चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं ठीक है एक दो बार आप एक दो क्वेश्चंस करेंगे तो इजी लगेगा ठीक है यहाँ पे ये आपने मेन याद रखना है कई बार क्या होता है पी लेवल पे अगर देखें हम आ, तो सिंपल क्या होता है ये सब चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं डायरेक्ट ठीक है यू जी नेट में और गेट में अगर हम बात करें वहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता है लेकिन पी लेवल पे मे बी क्वेश्चन सॉल्व ना करके आपके पास क्या जाए? आ जाए इस तरह से क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको कि यहीं से उठा के पूछ लिया कुछ भी पॉइंट तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हमें पी की वैल्यू थ्री दी हुई है क्यू की वैल्यू नाइन थर्टीन दी हुई है डी की वैल्यू सेवन दी हुई है और ई e की वैल्यू थ्री दी हुई है ठीक है तो हमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें दी हुई हैं और हमें कैलकुलेट क्या करना है साइफर टेक्स्ट कैलकुलेट करना है जहाँ पे प्लेन टेक्स्ट क्या है फाइव है ठीक है अब आपको रिकॉल करना पड़ेगा एल्गोरिदम ठीक है तो ये एक तो हमें चाहिएगी वैल्यू एन की ठीक है तो सबसे पहले तो हम एन कैलकुलेट करेंगे तो देखिए पी की वैल्यू दी है क्यू की वैल्यू दी है डी की वैल्यू दी है ई e की वैल्यू दी है और एम की वैल्यू दी है जो प्लेन टेक्स्ट है अब हमें साइफर टेक्स्ट क्या करना है कैलकुलेट करना है तो देखिए उसके लिए साइफर टेक्स्ट का फॉर्मूला क्या होता है एम रेज टू पावर ई मॉड एन और अब हमें क्या चीज़ चाहिए साइफर टेक्स्ट कैलकुलेट करने के लिए एन चाहिए साथ में तो और और सारी चीज़ें नहीं कैलकुलेट करना सिर्फ हमें एन ही चाहिए तो एन कैलकुलेट करेंगे पी मल्टीप्लाइड बाय क्यू सो दैट इज़ थ्री मल्टीप्लाइड बाय थर्टीन दैट इज़ थर्टीन नाइन ठीक है हमारे पास एन की वैल्यू आ गई ये हमें सिर्फ फॉर्मूला में अब क्या करना है पुट करना है एम की वैल्यू क्या है फाइव है सी कैलकुलेट कर रहे हैं एम की वैल्यू क्या है फाइव है अब ई e की वैल्यू क्या है देखिए थ्री है और मॉड क्या करना है n करना है मॉड n n की वैल्यू क्या है थर्टी नाइन है फाइव क्यूब क्या होता है वन ट्वेंटी फाइव मॉड क्या करेंगे थर्टी नाइन करेंगे ठीक है आप डिवाइड करके देख लेंगे जो भी रिमाइंडर आता है वो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा ठीक है और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा एट हो जाएगा ठीक है और इसी तरह से अगर ये एल्गोरीदम आपने स्टडी नहीं करा होगा तो आपको लगेगा पता नहीं क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है आप स्किप कर देंगे ठीक है तो ये एल्गोरीदम आपने ज़रूर करना है ठीक है और इसी तरह से देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास यूजिंग द आर एस ए पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम इफ़ पी इज इक्व टू थर्टीन क्यू इज़ इक्वल्स टू थर्टी वन एंड डी इज इक्व टू सेवन देन द वैल्यू ऑफ ई इज़ अब आपको क्या क्या दिया हुआ है पी और क्यू की वैल्यू दी हुई है डी की वैल्यू दी हुई है और आपको ई e की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ठीक है तो सबसे पहले तो हम एन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो थर्टी वन इंटू थर्टीन क्या आ जाएगा फोर ज़ीरो थ्री आ जाएगा देन ऑफ जो हम कैलकुलेट कर रहे थे ठीक है फाइव लिख दिया या फाइव ऑफ एन जर्नली लिख देते हैं तो वो क्या आ गया पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन तो वो क्या आया थ्री सिक्सटी आ गया ट्वेल्व इंटू थर्टी दैट इज थ्री सिक्सटी ठीक है फाइव ऑफ एन कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ठीक है हमने एन कैलकुलेट कर लिया फाइव ऑफ एन कैलकुलेट कर लिया हमें डी दिया हुआ है अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि डी मल्टीप्लाइड बाई ई जब हम कर रहे हैं और मॉड मॉड किसका लेंगे फाइव ऑफ़ एन का तो हमारे पास क्या कैलकुलेट होकर आ जाए वन कैलकुलेट हो जाए ठीक है तो ये देखना है हमने तो अब देखो हमारे पास फाइव ऑफ एन है क्या है थ्री सिक्सटी है मॉड हमने लिख लिया किसके इक्वल होना चाहिए वन के डी की वैल्यू हमारे पास है सेवन अब अगर आप नहीं भी कैलकुलेट कर पा रहे हैं यहाँ पे चार ऑप्शन है सभी को पुट करें सेवन इंटू वन जीरो वन करें मॉड कर लें थ्री सिक्सटी से ठीक है सेवन जीरो सेवन को फटाफट से डिवाइड करें थ्री सिक्सटी से तो क्या वन आ रहा है नहीं आ रहा है ठीक है वन जीरो थ्री से करें वन जीरो टू से ट्राई करें और वन ज़ीरो सेवन से ट्राई करें और जहाँ पे भी मॉड आपका आ, करने के बाद ठीक है थ्री सिक्सटी से डिवाइड करने के बाद आंसर वन आ रहा होगा वो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है इस तरह से आ, हम यूज करते हैं आर एस ए पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम नेक्स्ट वी हैव नेटवर्क डिवाइसेस तो देखिए वाइल नेटवर्किंग वी यूज नंबर ऑफ डिवाइसेस ठीक है अलग अलग लेयर्स पे या जो भी वर्किंग है अकॉर्डिंगली हम यूज़ करते हैं इन डिवाइसेस को तो देखिए डिफरेंट डिवाइसेस यहाँ पे विजिबल हैं आपको सो so, सबसे पहले हमारे पास है मॉडम देन एन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एंड देन रिपीटर्स हब स्विच रूटर्स ब्रिजेस एंड गेट ठीक है ये डिफरेंट हमारे के हैं नेटवर्क डिवाइस हैं तो देखिए एप्लीकेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर सेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर पर हम क्या यूज़ करते हैं गेटवेज़ यूज़ करते हैं नेटवर्क लेयर पर हम यू रूटर्स यूज़ करते हैं एंड डेटा लिंक लेयर पर हम ब्रिजेस और स्विचेस यूज़ करते हैं और फिज़िकल लेयर पर रिपीटर्स या हब्स यूज़ किए जाते हैं ठीक है सबसे पहले तो आपने ये याद कर लेना है ठीक है देन देखिए मॉडर्म्स के बारे में अगर बात करें मॉडर्म की फुल फॉर्म क्या होती है मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर हमने पहले भी डिस्कस किया तो देखिए अभी जो हम स्पेशल डिवाइस यूज़ कर रहे हैं कन्वर्ट करने के लिए डिजिटल डेटा टू एनालॉग फॉर्म और एनालॉग फॉर्म से डिजिटल फॉर्म में तो वो क्या है किस क्या यूज़ कर रहे हैं हम मॉडर्न यूज़ कर रहे हैं ठीक है तो अब देखिए जब हम यहाँ पे भी देखिए मॉडर्न में दो चीज़ें हैं मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेशन क्या है जब हम डिजिटल से क्या करें कन्वर्ट करें एनालॉग की फॉर्म में और दूसरा क्या है जब हम कन्वर्ट करें एनालॉग से डिजिटल की फॉर्म में ठीक है तो हम एनालॉग से अगर डिजिटल की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वो क्या हो जाएगा डी मॉड्यूलेशन हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे आपका दोनों ही चीज़ें किस में होती है मॉडर्म प्रोवाइड करता है मॉड्यूलेशन का भी करता है वो और डी मॉड्यूलेशन भी करता है तो डिजिटल से एनालॉग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और एनालॉग से डिजिटल में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं तो देखिए ये क्या है असेंशियल पीस ऑफ हार्डवेयर वेयर टू डिजिटल डिवाइसेस से टू कंप्यूटर्स वांट टू कम्युनिकेट ओवर एन एनालॉग ट्रांसमिशन चैनल तो जब भी टेलीफोन लाइन के थ्रू दो सिस्टम्स uh, क्या है कर रहे हैं तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं ये वाला हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ मॉडर्न यूज़ करते हैं देखिए इसे पहले भी डिस्कस किया था हमने लेकिन यहाँ पर जब हम नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस कर रहे हैं तो इसलिए इसको एक बार दोबारा से देख लिया देन हमारे पास आता है रिपीटर्स तो देखिए रिपीटर्स किस लिए यूज़ होते हैं जब हम लैंस को एक्सटेंड करना चाहते हैं ठीक है डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे लैन है ठीक है लोकल एरिया नेटवर्क है इन्हें क्या करना चाहते हैं हम एक्सटेंड करना चाहते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं रिपीटर्स यूज़ करते हैं ठीक है और रिपीटर्स हमने देखा कौन सी लेयर पर यूज़ होते हैं फिजिकल लेयर पर यूज़ होते हैं ठीक है तो ये इनके क्या होते हैं दो ही पोर्ट्स होते हैं और दो ही सेगमेंट्स आप क्या कर सकते हैं कनेक्ट कर सकते हैं इट हैज़ ओनली टू पोर्ट्स और दो ही सेगमेंट्स आप नेटवर्क के क्या कर सकते हैं कनेक्ट कर सकते हैं तो इस अगर आप मल्टीपल और ज़्यादा कनेक्ट करना चाहते हैं तो मल्टीपल रिपीटर्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे ज़्यादा सेगमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए ठीक है तो यहाँ पे आपके पास रिपीटर्स देखिए कौन सी लेयर पर ऑपरेट करते हैं फिजिकल लेयर पर ऑपरेट करते हैं ये याद रखना है कौन सी लेयर पर होते हैं ये इस तरह से बहुत बार पूछ लिया जाता है नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रिज तो देखिए ब्रिज हमारा कौन सी लेयर पे देखा था हमने डेटा लिंक लेयर पर देखा था ठीक है कौन सी लेयर पर है ब्रिज या स्विच डेटा लिंक लेयर पर तो देखिए ब्रिज क्या कर रहे हैं कनेक्ट करें टू लैन सेगमेंट्स लाइक अ रिपीटर ठीक है रिपीटर की तरह ही ये भी दो से लैंड सेगमेंट्स को क्या कर करें कनेक्ट कर करें इट फॉरवर्ड्स कंप्लीट एंड करेक्ट फ्रेम्स टू द अदर सेगमेंट ठीक है ये क्या कर रहा है सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ जो सिग्नल्स आए जैसे अगर रिपीटर है तो रिपीट repeat, रिपीटर क्या करे बस रिपीट करें चेकिंग नहीं करता है ठीक है एरर वगैरह वो सब चीज़ें नहीं चेक करता है ठीक है तो यहाँ पे लेकिन जो ब्रिज है ठीक है ब्रिज क्या करेगा ये फॉरवर्ड करेगा कंप्लीट एंड करेक्ट फ्रेम भेजेगा ये दूसरे सेगमेंट को ठीक है सो इट डज़ नॉट फॉरवर्ड एनी इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस सिग्नल ठीक है तो ये कोई भी इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस सिग्नल होगा अगर तो वो चीज़ें नहीं सेंड करेगा दूसरे सेगमेंट को तो ब्रिज कनेक्ट करता है नेटवर्क्स दैट यूज़ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स ठीक है तो अगर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रहे हैं हमारे नेटवर्क्स ठीक है अगर ये एक अलग नेटवर्क है ये अलग नेटवर्क है और ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे हैं ठीक है ये डिफरेंट प्रोटोकॉल पे वर्क करता है और ये डिफरेंट प्रोटोकॉल पे वर्क करता है देन हमारा क्या यूज़ होगा ब्रिज यूज होगा और कौन सी लेयर पे यूज़ होगा डेटा लिंक लेयर पे यूज होगा नेक्स्ट हमारे पास आता है हब हब भी क्या है रिपीटर की तरह ही है लेकिन इसमें क्या होते हैं मल्टीपल पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं ठीक है इस इस केस में क्या होगा मल्टीपल पोर्ट्स अवेलेबल होंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा हब कहाँ पे यूज़ हो रहा है फिजिकल लेयर पर ही यूज़ हो रहा है जहाँ पे रिपीटर्स यूज़ हो रहे हैं रिपीटर्स में कितने पोर्ट्स हैं टू पोर्ट्स हैं तो हम टू ही सेगमेंट्स को क्या कर सकते हैं कनेक्ट कर सकते हैं लेकिन जो हब है इसमें हमारे पास क्या है मल्टीपल पोर्ट्स हैं लेकिन ये क्या है एम्प्लीफाई नहीं करता है इनकमिंग सिग्नल्स को और हब जो है वो ऑपरेट करता है फिजिकल लेयर पर ओ मॉडल की सो हैं स्ट्रीट्स डेटा एज अ सिग्नल तो ये डेटा को कैसे लेगा एज सिग्नल ट्रीट करेगा ठीक है एंड हब्स आर यूज टू कनेक्ट मल्टीपल सेगमेंट्स ऑफ द सेम नेटवर्क तो एक ही नेटवर्क के मल्टीपल जब सेगमेंट्स होंगे ठीक है सिंगल नेटवर्क के ही मल्टीपल सेगमेंट्स को क्या करेगा ये कनेक्ट करेगा हब्स आर ऑल्सो यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स टू नेटवर्क दैट यूज स्टार टोपोलॉजी तो देखिए कंप्यूटर्स को भी कनेक्ट करता है नेटवर्क uh, में जब हमने देखा था स्टार टोपोलॉजी में वहाँ पे भी हम क्या यूज़ कर रहे थे हब्स यूज़ कर रहे थे सो द पोर्ट ऑन द हब्स कैन ऑल्सो बी यूज टू कनेक्ट एन अदर हब स्विच ब्रिज और रूटर तो जो पोर्ट्स हैं हमारे हब्स में उसके थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं और किसी हब को भी स्विच को भी ब्रिज को भी और रूटर को भी हब जो है वो इंक्रीज करता है नेटवर्क ट्रैफिक बिकॉज दे ब्रॉडकास्ट डेटा टू ऑल द डिवाइस कनेक्टेड ऑल द पोर्ट्स ऑफ द हब लेकिन हब की हमने वहाँ पर भी देखी थी डिसएडवाटेज स्टार्ट अपोलॉजी में क्या करता है वो जो भी डेटा आता है ना उसे ब्रॉडकास्ट कर देता है ठीक है हब क्या है कि इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है तो वो क्या करता है जब भी कोई डेटा होता है उसे ब्रॉडकास्ट कर देगा सबके पास ठीक है बाकी डिस्कार्ड कर दो जिसको नहीं चाहिए ठीक है तो लेकिन ब्रॉडकास्ट कर देता है वो सो इट इज़ प्रेफरेबल टू यूज़ अ हब इन अ स्मॉल लैन ठीक है तो इसीलिए क्या होता है कि इसे जो स्मॉल लैन होते हैं जस्ट आठ से दस कंप्यूटर्स हों तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि अदरवाइज क्या होता है लोड नेट पर नेटवर्क पे लोड ज़्यादा हो जाएगा ठीक है तो अगर हम सभी को ब्रॉडकास्ट करें तो अगर लिमिटेड नंबर ऑफ सिस्टम्स हैं देन हम इसे हब को यूज़ कर सकते हैं तो देखिए रिपीटर्स और हब कौन सी लेयर पे यूज़ होते हैं फिजिकल लेयर पर यूज़ होते हैं और ब्रिज देखा हमने ये किस लेयर पे यूज होता है डेटा लिंक लेयर पर यूज़ होता है नेक्स्ट वी हैव रूटर्स तो देखिए रूटर्स जो हैं हमारे नेटवर्क लेयर पर यूज होते हैं और ये कनेक्ट करते हैं हेट्रोजीनियस नेटवर्कस को ठीक है अगर हमारे डिफरेंट नेटवर्क्स हैं ठीक है कि ये नेटवर्क है कि ये नेटवर्क है कि ये नेटवर्क है ठीक है डिफरेंट नेटवर्क्स हैं जहाँ पे मल्टीपल सिस्टम्स हैं कंप्यूटर्स हैं ठीक है अब ये जो नेटवर्क्स हैं ना ये एक ही टाइप के नहीं है होमोजीनियस का क्या तो मतलब हुआ कि सेम ही टाइप के नेटवर्क हैं ठीक है सेम ही प्रोटोकॉल्स वो यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन हेट्रोजीनियस मीन्स डिफरेंट नेटवर्कस हैं ठीक है तो रूटर्स जो हैं वो कनेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट हैट्रोजीनियस नेटवर्कस को एंड रूटर के पास क्या होता है प्रोसेसर होता है मेमोरी होता है और आईओ इंटरफेस भी होता है ठीक है फॉर ईच नेटवर्क टू विच इट कनेक्ट्स तो हर नेटवर्क के लिए इसके पास क्या रहता है प्रोसेसर मेमोरी और आईओ इंटरफेस रहता है सो रूटर कनेक्ट्स नेटवर्क दैट यूज डिफरेंट टेक्नोलॉजीज डिफरेंट मीडिया एंड फिजिकल एड्रेसिंग स्कीम्स और फ्रेम फॉर्मेट्स तो देखिए ये डिफरेंट जो हमने कहा कि नेट हैट्रोजीनियस नेटवर्क को कनेक्ट कर रहा है तो उनकी टेक्नोलॉजीज डिफरेंट हो सकती हैं डिफरेंट मीडियाज वो यूज़ करते हो सकते हैं डिफरेंट फिज़िकल एड्रेसिंग स्कीम हो सकती है और डिफरेंट ही फ्रेम फॉर्मेट हो सकता है कुछ भी डिफरेंट हो सकता है और रूटर देखिए कनेक्ट कर सकता है दो लैंस को एक लैन और वैन को ठीक है तो देखिए और दो वैन्स को भी कर सकता है ठीक है तो यहाँ पे रूटर्स क्या हैं जो एक ऐसा डिवाइस है जो दो लैंस को एक लैन और वैन को और दो वैन्स को भी कनेक्ट कर सकता है ठीक है तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हाँ कौन सा डिवाइस है जो एक लैन और वैन को कर सकता है या दो वैन्स को कर सकता है तो आपका आंसर होगा रूटर्स सो रूटर इज़ यूज टू इंटर कनेक्ट द नेटवर्क इन द इंटरनेट ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा इंटरनेट uh, यहाँ पे रूटर इज़ यूज टू इंटर कनेक्ट द नेटवर्स इन द इंटरनेट तो डिफरेंट नेटवर्क को वो क्या कर रहा है इंटरकनेक्ट कर रहा है रूटर ऑपरेट्स एट नेटवर्क लेर ऑफ द ओ एस आई मॉडल देन फिजिकली अ रूटर रिजेंबल्स अ ब्रिज बट इज डिफरेंट फ्रॉम अ ब्रिज तो देखिए अगर हम देखें तो रूटर जो है वो हमें ब्रिज की तरह ही लगेगा लेकिन ब्रिज से क्या होता है ये डिफरेंट होता है ठीक है तो देखिए ये रूटर है ये ब्रिज है ठीक है बस एंटीना को छोड़ दें तो अगर ये क्या है बिल्कुल सिमिलर लगेगा या वर्किंग में सिमिलर लगेगा ठीक है लेकिन ये क्या होता है डिफरेंट होता है सो so, रूटर क्या है देखिए डिटरमिन भी करता है नेटवर्क लेयर का एक फंक्शन मीन क्या होता है रूटिंग और जिसमें हम क्या चाहते हैं कि जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसे फॉलो किया जाए ठीक है डेटा को सेंड करने के लिए सोर्स टू डेस्टिनेशन शॉर्टेस्ट पाथ को आ, क्या किया जाए यूज़ किया जाए तो रूटर डिटरमिन भी करता है कि कौन सा पाथ शॉर्टेस्ट है या फास्टेस्ट है नेटवर्क में एंड रूट्स पैकेट अकॉर्डिंगली और उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा पैकेट्स की रूटिंग करेगा सिंस इट वर्क्स एट द नेटवर्क लेयर इट मूव्स पैकेट बेस्ड ऑन द आईपी एड्रेसेस ठीक है तो ये क्या करता है नेटवर्क uh, लेयर पे वर्क कर रहा है तो किसके ऊपर uh, किसके हिसाब से वर्क करेगा आईपी एड्रेसेस के अकॉर्डिंग वर्क करेगा और अकॉर्डिंगली ही पैकेट्स को मूव करता है और इन कंट्रास्ट अफ ब्रिज कनेक्ट्स टू लैंड ऑलमोस्ट परमानेंटली ठीक है तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि ब्रिज क्या करता है दो लैंड को क्या करता है कनेक्ट करता है और जिन्हें हमें परमानेंटली कनेक्ट करना है उन्हीं को क्या करता है कनेक्ट करने के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं हम ब्रिजेस को नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट नेटवर्क डिवाइस इज़ गेट वे सो गेट वे इज़ अ जेनरिक टर्म यूज़ टू रिप्रेजेंट डिवाइसिज दैट कनेक्ट टू डिसिमिलर नेटवर्क तो दो जिसिमिलर सिमिलर नेटवर्कस नहीं है डिफरेंट नेटवर्कस हैं उन्हें कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं गेट वे यूज़ कर रहे हैं और गेट वे हमारा जर्नली अपर लेयर्स में यूज़ होता है ठीक है तो गेट वे ट्रांसपोर्ट लेयर पर कन्वर्ट करेगा प्रोटोकॉल्स को ठीक है जो भाई हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क में यूज़ हो रहे हैं ठीक है तो ये एक्सेप्ट करेगा एक पैकेट को जो फॉर्मेटेड है एक किसी प्रोटोकॉल में और कन्वर्ट करेगा दूसरे प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ठीक है फॉरवर्ड करने से पहले सो एप्लीकेशन गेट वे कैन ट्रांसलेट मैसेजेस फ्रॉम वन फॉर्मेट टू द अनदर ठीक है तो और जो एप्लीकेशन लेवल पे हमने लेयर पे गेट वे लगा रखा होगा वो ट्रांसलेट कर पाएगा मैसेजेस को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में ठीक है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पैकेट के ऊपर बात करेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम पैकेट की बात कर रहे हैं ठीक है लेकिन यहाँ पे क्योंकि जो पैकेट्स आएंगे ठीक है जो हमारे नेटवर्क लेयर के पास पैकेट्स आए वो अभी जाके उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा फॉर्मेटिंग करेगा और ट्रांसपोर्ट लेयर के पास पहुँच जाएगा ठीक है ना यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर के पास जो गेट है वो इस तरह से वर्क करेगा और जो एप्लीकेशन लेयर पर गेट है वो मैसेज को क्या करेगा क्योंकि ट्रांसलेशन का, का काम किसका है प्रेजेंटेशन लेयर का है ठीक है जो भी बिलो लेयर है उसके आ, उससे लोअर वाले लेवल पर ठीक है तो वो क्या करेगा अभी एप्लीकेशन लेयर पे जो गेटवे होगा वो ट्रांसलेट करेगा मैसेजेस को फ्रॉम वन फॉर्मेट टू द अनदर अ गेटवे कैन बी इंप्लीमेंटेड इन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और इन बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर तो जो गेटवेज है इन्हें हम हार्डवेयर लेवल पे सॉफ्टवेयर लेवल पे या दोनों लेवल्स पे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं जनरली गेटवेज को इंप्लीमेंट किया जाता है सॉफ्टवेयर बाय सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड विद इन अ रूटर तो इन्हें जनरली गेटवेज़ को कहाँ इम्प्लीमेंट किया जाता है सॉफ्टवेयर भी के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है विद इन अ रूटर ठीक है सो ये हमारी वर्किंग रहती है गेटवे की सो so ये हमारे रहे डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस ठीक है तो ये वाले हमारे सभी लेयर्स पर इन अपर लेयर्स जो हैं हमारे इन पर गेटवे यूज़ होगा नेटवर्क लेयर पर रूटर यूज़ होता है डेटा लिंक लेयर पर ब्रिज और स्विच यूज़ होता है और फिजिकल लेयर पर रिपीटर और हब यूज़ होता है ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास होप यू लाइक्ड द कंटेंट और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और कॉमेंट uh, सेक्शन में बताएँ कि कैसा लगा ताकि आगे अगर कुछ और टॉपिक्स आप चाहते हैं कि इसी सिक्वेंस में और एड किए जाएँ नेटवर्किंग में तो वो किए जाएँ अदरवाइज आप बता सकते हैं कौन सा आप नेक्स्ट सब्जेक्ट कवर करना चाहते हैं सो अकॉर्डिंगली वी विल कवर दैट सब्जेक्ट ठीक है सो दैट्स ऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड